हेलो 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 माइक चालू है बिल्कुल माइक चालू है मेरी आवाज सभी को आ रही है मेरी आवाज आ रही है सभी को हेलो 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 बच्चों नमस्कार सत श्रीकाल आदाब कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आ जाओ सभी लोग आज आईओसी का खेल ही खत्म कर देंगे यार बहुत पूरा साल हो गया परेशान होते हुए हां तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में ऑब्वियसली व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि 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 अब की बार सात सौ पार सभी लोग बोलेंगे एक साथ अब की बार सात सौ बार नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पर अब तो रुक ही नहीं सकते इतना आगे आने के बाद अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है पीछे मुड़ने का भैया एच एस में प्रेजेंट आ जाओ सभी लोग आज हम निपटा देंगे इनऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक का एक साथ रिवीजन करेंगे बेटा कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवा दूं अच्छे से ताकि अब सीधे आप नीट के एग्जाम में बैठो और फोड़ के आओ पेपर बहुत हो गया अब की बार सात सौ बार जाएंगे तो बेटा सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और देखो आज का अपन जो रिवीजन करने वाले हैं अपन देखो मैं नहीं चाहता कि वही अपन वापिस स्टार्टिंग से शुरू करें टेबल केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन पी ब्लॉक ऐसे आगे बढ़े ऐसे नहीं करेंगे अपन हम क्या करेंगे आज आप मुझे बताओगे कि सर पहले कौन सा चैप्टर कराना है मैं आपको ऑप्शन दूंगा पोल लगाऊंगा और आप चूज करोगे सबसे ज्यादा वोट जिस चैप्टर को मिलेंगे सबसे पहले वही चैप्टर चालू किया जाएगा देखो अब अगर अपन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं तो बात है कि अपन जीरो से तो नहीं पढ़ रहे होंगे आज है ना भाई ऐसा तो नहीं होगा कि इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मुझे आता ही नहीं सर, है है सर ये ये क्या होता है? ये क्या होता होता है ऐसा तो नहीं है ना सीन अपने साथ अब अगर, अगर अपन पूरी इनऑर्गेनिक आज रिवाइज करने आए हैं तो इसका मतलब एक बार तो अपन ने सब कुछ पढ़ा हुआ है रिवाइज भी किया हुआ है अब अपन चाहते हैं कि एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए हमारा ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भैया इनऑर्गेनिक तो पूरी एक साथ तैयार कर लिया ठीक है सॉल्ट अभी नहीं करूंगा करेंगे शुरुआत में एक दो अच्छे इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स लेंगे जो आप कहोगे उसमें से फिर उसके बाद सॉल्ट चालू करेंगे भले ही मिड में सॉल्ट चालू कर देंगे या फिर लास्ट में सॉल्ट को रखेंगे ठीक है तो एक काम करते हैं बेटा अपन पी ब्लॉक तो क्या अपन स्टार्ट करते हैं चलो मैं ऑप्शन देता हूं तुमको है ना पहला मैं देता हूं केमिकल बॉन्डिंग ठीक है तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के रिवीजन की अब जरूरत पड़ेगी दूसरा देता हूं कोऑर्डिनेशन है ना ये तुम लोग मुझे बताओगे कि कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करना है मैं पहले ही बता देता हूं क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आज अपन बिल्कुल भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थ्योरी बताऊंगा नहीं तुम लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि बेटा अपन ने ये पढ़ा हुआ ये वहां पढ़ा है इसमें ये होता है इसमें ये होता है सब कुछ बताऊंगा टेंशन मत लेना ठीक है फिर पी ब्लॉक और फिर डी ब्लॉक नहीं टेबल कुछ होंगे जो चाहते हैं कि सर शुरुआत से ही शुरू करो तो अपन वो भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बेटा ये चार ऑप्शन है मैं लगा रहा हूं पोल अब तुम लोग मुझे बताओ टू थ्री फोर में से कि कौन सा चैप्टर पहले चालू किया जाए सबसे ज्यादा वोट जिस चैप्टर को मिलेंगे उसी चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि चैप्टर भी ऐसे सीक्वेंस से नहीं डाले मैंने ऐसे रैंडम चैप्टर डाल दिया पहले पी ब्लॉक डाल दिया फिर डाल दिया फिर बॉन्डिंग फिर कोऑर्डिनेशन ऐसे डाल दिया तो जो तुम लोग कहोगे वो तुम्हारे लिए जान हाजिर है तुम बस सेलेक्ट होके दिखाओ नीट में है ना तुम्हारे लिए हम तो सब कुछ लुठाने को तैयार है चलो फटाफट फड़ से वोट करो देखते हैं किसको आ, कोई भी चूज कर ले देखो मेरा मन तो कोऑर्डिनेशन से चालू करने का है तो देखते हैं किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं कोऑर्डिनेशन को यानी कि समझदार जनता प्रेजेंट है समझदार लोग प्रेजेंट है ठीक है भैया स्वैग ओ माय गॉड स्वैग ने सबसे पहले तो स्वैग से कोऑर्डिनेशन चालू करेंगे बेटा चलो कॉर्डिनेशन ढूंढते हैं अब कॉर्डिनेशन कहाँ है आज बहुत लंबी स्लाइड है ये देख रहा हूं क्वेश्चन की भरमार क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन जितने कहो उतने क्वेश्चन कहा है भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चलिए तो हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ठीक है बेटा है ना तो बहुत सही चैप्टर चूज किया तुम लोगों ने क्योंकि अपनी केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया हो गया अब अब कमेंट में वन या टू या थ्री या लिखने से कुछ नहीं होगा अब कोऑर्डिनेशन ही चालू होगा ठीक है और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर है तो सभी को मजा आएगा क्वेश्चंस करने में देखो मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग क्वेश्चन करो अब वो समय आ गया है अब तुम्हें परफॉर्म करके दिखाना है तुम्हें दिखाना है कि हाँ हमने साल भर कितनी मेहनत की है तो मैं बस मैं तो बस जरिया हूं अब जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है मैं क्वेश्चन ले आऊंगा जैसे क्वेश्चन सामने आएगा तुरंत आंसर आपको बताना है आंसर कमेंट में चलते रहने चाहिए धड़ाधड़ जैसे क्लास में तुम लोग खटाखट खटाखट आंसर देते देना बिल्कुल वैसे ही आंसर आने चाहिए बेटा बिल्कुल वैसे आंसर आने चाहिए ठीक है मतलब अपन बिल्कुल जोश के साथ ये जोश अपना कम नहीं होना चाहिए और आज की क्लास छोटी तो नहीं रहेगी कई लोग स्टार्टिंग में ही पूछ रहे थे कि सर क्लास कितने घंटे की रहेगी सर क्लास कब खत्म होगी तो देखो बेटा अपन शुरू कर रहे हैं खत्म होने की गारंटी कितने बजे की है वो अपने को नहीं पता नौ भी बच सकते हैं दस भी बच सकते हैं बारह भी बच सकते हैं दो तीन भी बच सकते हैं डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर तुम जितने अच्छे से आंसर दोगे जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना जल्दी ये क्लास खत्म होगी ठीक है मुझे जहां पर लगेगा कि जहां थ्योरी बतानी है वहां मैं आपको थ्योरी बताऊंगा मुझे जहां लगेगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फटाफट से आंसर बता के अपन आगे निकल जाएंगे जहां मुझे लगेगा वहां मैं पोल करवाऊंगा जहां मुझे लगेगा कि पोल की जरूरत नहीं है अपन सीधे आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं क्या आप सभी लोग तैयार हैं जनता आ गई है तो फटाफट से कमेंट में आग लगाओ वीडियो को लाइक करो और उसके बाद अपन शुरू करते हैं उसके बाद फिर रुकेंगे नहीं अपन ब्रेक लेंगे लंबा मतलब लंबा खींच के फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे ठीक है तो अब जब तक है जान तब तक लगे रहेंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आग लगाओ जल्दी से मुझे आग दिखनी चाहिए तुम्हारे अंदर नीट को क्लियर करने की ठीक है अकॉर्डिंग टू डिलीटेड सिलेबस ही है बेटा बीच बीच में मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो डिलीटेड सिलेबस के हैं बट फिर भी मैंने डाले हैं क्योंकि वो पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं उनको मैं एक बार बस ऐसे बता दूंगा कि बेटा इसमें ऐसा ऐसा होता है ध्यान रख लेना एक दो क्वेश्चन है ज्यादा नहीं है ठीक है आग दिखनी चाहिए पांच मई अब दूर नहीं है अब ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए लगा दो आग और अब ये खून में जो उबाल है ना तो पांच मई तक तो ठंडा नहीं होना चाहिए बस चले शुरू करें बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही कमेंट सेक्शन दिखना चाहिए अब पूरे टाइम ऐसे घर से चलना चाहिए ऊपर ठीक है तुम्हारे आंसर से तो आंसर देते रहना हम शुरू कर रहे हैं ठीक है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आ जाओ ठीक है, शुरू करें तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने बहुत आसान एकदम बेसिक क्वेश्चन है बेटा लिगेंड्स पर क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो लिगेंड के बिना इस चैप्टर का एक क्वेश्चन नहीं हिला सकते तुम हिलेगा ही नहीं तुमसे कितना ही जोर लगा लो तो लिगेंड्स बेटा सारे रिवाइज होने चाहिए सारे याद होने चाहिए अगर आपको लिगेंड सारे याद हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर लिगेंट याद नहीं है आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे तो अगर आपका ये सेक्शन रिवाइज नहीं है बेटा पहली फुर्सत में रिवाइज कर लेना पहली फुर्सत में रिवाइज कर ठीक है समझ में आ गई बात चलो बेटा तो क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट अ लिगेंड इसके लिए मुझे पोल की जरूरत नहीं है तुम लोगों के आंसर कमेंट में आ जाने चाहिए ठीक है चलिए इट कैन एक्ट एज बेस ये तो हमें पता ही है कि लिगेंड की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही यही है कि लुइस बेस होना चाहिए अरे भाई देने के लिए जब तक लोन पेयर नहीं होगा तब तक लिगेंड की तरह तो बिहेव नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट तो सही है हमें क्या बताना है जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है एग्जाम में ये जरूर कर लेना करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स नॉट ट्रू इनको अंडरलाइन जरूर कर लेना ताकि थ्रू आउट द क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये जरूर रहे कि मुझे इनकरेक्ट बताना है या करेक्ट बताना है ठीक है इट कैन बी मोनोडेंटेड और मल्टीडेंटेड हां बात सही है डेंटिसिटी क्या होती है साइमल्टेनियसली कितने लोन पेयर दे सकता है वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है मोनोडेंटेड लिगेंड कैन नॉट बी चिलेटिंग लिगेंड ये भी सही है मोनोडेंटेड मतलब जिसकी डेंटिसिटी वन हो वो चिलेटिंग लिगेंड नहीं कहलाता क्योंकि चिलेशन के लिए एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बनाने पड़ेंगे चिलेटरिंग तभी तो बन पाएगी ना और याद है चिलेटरिंग कितने मेंबर की स्टेबल होती है फाइव या सिक्स मेंबर की याद रखना ठीक है फाइव या सिक्स मेंबर चिलेटरिंग स्टेबल होती है ठीक है नेक्स्ट मल्टीडेंटेड लिगेंड कैन नॉट कॉज चिलेशन नहीं मल्टीडेंटेड ही तो चिलेशन कॉज करते हैं तो इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा डी आसान है, है ना ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं Na+2 चलो इसका पोल लगाएंगे अपन फटाफट से आंसर देंगे बेटा Na+2 आयन कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम एंड फॉर्म्स अ चेरी रेड प्रेसिपिटेट बेटा आपको ये चेरी रेड भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये आपको रोजी याद है भूल तो नहीं गए रोजी को ये रोजी रेड भी लिखा हुआ मिल सकता है हमने नोट्स में रोजी रेड लिखा हुआ है क्योंकि बुक्स में रोजी रेड भी लिखा होता है और चेरी रेड भी लिखा होता है आपको कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा आप समझ जाना आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि एनआई प्लस टू और डीएमजी की रिएक्शन से क्या बनता है वो चेरी रेड हो रोजी रेड हो या रेड हो ठीक है हमें कलर से मतलब नहीं है पता है ना ये सब मोम आया है हमें तो मेन मतलब तो इस तो इसको जरूर याद रखना वैसे तो खैर याद होगा तुम लोगों को तो आपने से क्या पूछा है एस्टिमेटेड बाय ये एनआई प्लस टू का आइडेंटिफिकेशन में काम आता है सॉल्ट में भी अपन इसको पढ़ते हैं निकिल का जब अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो डीएम का यूज करके अपन निकिल को कंफर्म करते हैं कि हाँ ये निकिल प्लस टू आयन ही है ठीक है द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय वो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलाईज कैसे होता है फटाफट से उसकी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं क्या आपको पहले तो मैं आंसर बता देता हूं चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज स्टेबिलाईज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी गुड बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया तो एन ये अपना मेटल uh, कैटायन है इससे दो तो डीएमजी लगेंगे तीन चार ये कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर था ठीक है ठीक है दोनों नाइट्रोजन ही डोनर एटम्स होते हैं इसमें है ना एक सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड है अब होता क्या है यहां पर अब होता क्या है यहां पर कि भाई ये कॉम्प्लेक्स तो बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो किसकी वजह से गेन कर लेता है यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसकी वजह से तो बेटा दो फाइव मेंबर चिलेट रिंग तो यहां पर बनती ही है

हाइब्रिडाइजेशन डाया मैग्नेटिक होता है ये सारी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ याद रखना पूछी जा सकती है कुछ भी इसके बारे में ठीक है इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है आ, इसकी ज्योमेट्री पूछी जा सकती है ज्यादातर तो ये भी इंपॉर्टेंट है डाया वगैरह तो वो तो तुम पहले ही निकाल लोगे ठीक है ठीक है आ गया याद बी टी एस आर्मी हाँ भाई बी टी एस आर्मी हाँ अरे वाह यार बहुत वेरी गुड वेरी गुड बी टी एस आर्मी लो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ना लायक हूँ बी टी एस आर्मी इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई पोल लगा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छा क्वेश्चन है एक पी वाई क्यू भी है ये सर हिंदी में भी क्वेश्चन बता दीजिएगा बेटा हिंदी में ही तो पढ़ रहे हैं अपन बस लिखा है इंग्लिश में बाकी तो सारा कन्वर्सेशन अपन हिंदी में ही कर रहे हैं सर जी आई एम फ्रॉम युगांडा अरे वाह भैया युगांडा वालों नीट क्लियर करना है इस बार याद रखना सर ब्रेक कब मिलेगा ये देखो अभी तो चालू ही नहीं किया और ब्रेक चाहिए इनको नालायकों को अरे सुधर जाओ तुम सुधर जाओ अब तो नीट ही आ गया है अभी भी तुम्हारी वही हरकतें हैं स अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स बना लेता है सोल्यूशन तो बेटा जो है यू कह रहा है कि अमोनिया अल्कलाइन मीडियम के साथ सोल्यून कॉम्प्लेक्स uh, बना लेता है लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में नहीं बनाता ऐसा क्यों क्योंकि बेटा अगर एसिडिक सोल्यूशन कर दिया तो उसमें आपने एच प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ा दी एच प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ा दी तो अमोनिया क्या होता है एक लुइस बेस होता है क्या इसके पास लोन पे रे ये लुइज बेस होता है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल शक्ल से ही गरीब है H प्लस शक्ल से ही गरीब है इनके बीच में क्या हो जाएगा अरे जब भी लुइस एसिड लुइस बेस टकराएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा ये अमोनिया जो है अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन बन जाएगा और अमोनियम आयन अब इसके पास कोई लिगेंड इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है लोन पेयर नहीं है तो क्या ये लिगेंड की तरह बिहेव कर पाएगा क्या और लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा तो इन एसिडिक सोल्यूशन प्रोटोन आर कोऑर्डिनेटेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल टू फॉर्म अमोनियम आयन यानी कि आंसर आ जाएगा डी अरे गधो ये क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम लोग ये तुमको देख कर पता नहीं लगा कि क्या आंसर होना चाहिए ऐसे मजा नहीं आएगा ऐसे नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा ऐसे मजा नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जवाब सही सही आना चाहिए सबका ठीक है लीडर बोर्ड लो भैया लीडर बोर्ड भी दिखा रहा हूं तुमको ठीक है देखो और अपने घर वालों को दिखाओ कि देखो मेरा नाम आया है लीडर बोर्ड पे और अच्छा कर रहे हो तुम लोग तारीफ मिलनी चाहिए तुम्हें ठीक है चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट द एनाइन एसिटाइल एसिटोनेट फॉर्म्स चिलेट विद कोबाल्ट प्लस थ्री द रिंग ऑफ द चिलेट इज कितने मेंबर रिंग बनाएगा तो बेटा तो बेटा <laughs> थ्योरी भी बताते तो रहूँ बेटा अब जैसे अब लिगेंड के बारे में ये बता तो रहा हूँ कि लिगेंड कौन होते हैं थ्योरी ऐसे ही कवर होगी बेटा अब आपको अगर ऐसा लगे कि सारी की सारी थ्योरी अपन रिवाइज इस सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे थ्योरी क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करवाई जाएगी अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं बेटा कि अपन थ्योरी भी यहीं पढ़ लें और फिर क्वेश्चन भी कर लें तो मैं क्या लगता है मतलब ऐसे दो दिन तक लेक्चर चलता ही रहेगा लगातार है ना तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्वेश्चन के थ्रू पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे पूरी ठीक है और अगर थ्योरी रिवाइज करनी तो थ्योरी तो पहले ही अपन इस चैनल पे करवा चुके कंप्लीट वन शॉट है ना तो अब क्वेश्चंस की बारी है ठीक है सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है ना इसलिए पढ़ा रहे हैं ना है ना क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का स्तर वो घुटनों तक ही है उसको ऊपर लाना है इसलिए पढ़ा रहे हैं है, है ना इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा चलो आगे बढ़ते हैं तो बेटा एसिटाइल एसिटोनेट चलो फटाफट से जब तक तुम लोग आंसर लगाओ मैं एसिटाइल एसिटोनेट का स्ट्रक्चर तुम्हें बता देता हूं ठीक है तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक तो हमें क्लियर नहीं होगा तो एसिटाइल एसिटोनेटो ए सी याद है जब लिगेंड्स करवाए थे तब मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर बताया था यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड होता है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है और ये रेजोनेंस में होता है तो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन रहता है इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो रेजोनेंस करवा के ऐसे ठीक है आप ऐसे भी बना सकते हो इसमें ये दोनों ऑक्सीजन आइटम बेटा डोनर होते हैं और मेटल आपका यहां पर है ये इसको लोन पेयर डोनेट करेंगे ये भी करेगा ये भी करेगा तो आप काउंट कर लो मेंबर्स कितने मेंबर हुए एक दो तीन चार पांच छह मेंबर की रिंग बनाएगा कितने मेंबर की रिंग बनाएगा बेटा छह मेंबर की रिंग बनाएगा वेरी गुड बढ़िया अब इस नंबर को अपने को बढ़ाना है इस नंबर को हमें बढ़ाना है बेटा वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्सेस में और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इस बार नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, है ना मुझे लगता है इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर देखने को मिलेगा अपने को इस बार ठीक है आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही है ना तो ये भी देखा देखा सा लग रहा है और ये भी थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है तो इन दोनों का नाम बताओ मुझे पहले तो तुम लोग मेरी जान जल्दी से नाम बताओ इसका जल्दी से आंसर तो बता ही दो इनके नाम तो बताओ ना इसका नाम चाहिए मुझे और इसका नाम चाहिए पहला वाला पहला वाला पहला वाला पहला वाला हाँ भैया हाँ एच एस आर में बढ़ते रहो पढ़ते रहो जल्दी 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 हाँ अब आया ना नाम अरे नालायक हो ये देख के पता नहीं लग रहा क्या तुम लोगों को ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने इतना टाइम लगाओगे आंसर देने में शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को ऐसा ऐसा करके कुछ पढ़ा था क्या मन ने क्या था ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और ये उसका चाचा का लड़का ये है ना इसके जैसे ही दिखता है ये भी ये उसके चाचा का ही लड़का है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है बस एच टू की जगह पे यहां पर सीएन लगा हुआ है और इन दोनों में एक खास बात ये दोनों मैंने आपको याद करवाए थे और इन दोनों में एक खास बात है जो आपको याद रखनी है वो मैंने बताया था क्या कि इन दोनों में ही NO पे प्लस वन चार्ज होता है ये आपको याद रखना है मैंने आपको बोला था ना कि बस इन दोनों में याद रखना है बाकी और किसी में एनओ पे प्लस वन है या ये न्यूट्रल है ये याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है ये है अपना सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये वाला एन ए टू ठीक है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे बेटा

वाह सारे गधे बैठेंगे आज अरे क्या हो गया तुम लोगों को कौन से नशे कर लिए तुम लोगों ने आज इतने आसान आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे हो ने? कमेंट में बीटीएस लिखने से कुछ नहीं होगा पढ़ना पड़ेगा नालायकों वहां एग्जाम में फिर वो वो गाने तुम्हारे बीटीएस वाले चलेंगे दिमाग में पढ़ लो अभी गधों कॉम्प्लेक्स इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज जीरो ये तो बहुत आसान है यार ये तो कर दोगे तुम लोग ये तो कर दो बताओ इनमें से किस में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा जल्दी से रिवाइज नहीं किए हो कोई दिक्कत नहीं बेटा क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएगा सब कुछ क्वेश्चन लगाते रहो साथ साथ क्वेश्चन लगाओ मेरी गारंटी है पूरा चैप्टर रिवाइज होगा क्वेश्चन के थ्रू पक्का क्वेश्चन अभी चैप्टर खत्म होने के बाद तुमको खुद को लगेगा कि हां चैप्टर के क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं अब बन जाएंगे क्वेश्चन टेंशन नॉट कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज जीरो तो बेटा ये है बेंजीन इस पर चार्ज जीरो होता है तो इस पर चार्ज जीरो है तो मेटल पर भी जीरो आ जाएगा निकाल लेंगे अपन सी ओ एक न्यूट्रल लिगेंड होता है अगर इस पर जीरो है तो एम एन पर भी जीरो हो जाएगा इधर भी ये न्यूट्रल है इस पर जीरो है तो एन आई पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आ जाएगा तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है आंसर आ जाएगा डी बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन अच्छा ये भी देखा देखा सा कंपाउंड लग रहा है क्या इसको कहीं पर पहले भी सुना है क्या अपन ने कहीं पर जल्दी से इसका नाम बताएंगे और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसको जल्दी से बताओ सर तुनक तुनक गाना गाइए ये कौन सा गाना है बेटा बीटीएस का तो नहीं है कहीं और मैं इसीलिए तो आया हूं नालायकों गाने सुनाने आया क्या मैं तुम लोगों को रिवाइज कर लो गधो गाना सुनाइए नहीं है अरे सिस प्लेटिन बोल रहे तुम लोग शर्म नहीं आई तुमको सिस प्लेटिन बोलते हुए ये है सिस प्लेटिन बेवकूफो है तुम्हारे घुटनों में कैंसर हो गया क्या भूल गए सब कुछ तुम लोग अरे सिस प्लेटिन जब सिस में ये लगे हुए हो ये होता है सिस प्लेटिन इसको कहां से सिस्ट प्लेटिन बोल रहे हो तुम लोग सोल्ट भी नहीं है तुम रह दो यार तुम्हारे बस का नहीं है लो तुम लोग आंसर लगाओ अरे गधों इसका नाम है है ना यही करते रह जाओ तुम बस ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद खाली एच एस में जिंदाबाद नारे लगाने से कुछ नहीं होगा बेटा जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे पढ़ाई नहीं करोगे तुम कितने जिंदाबाद कर लो बेटा खुद को जिंदाबाद बनाओ खुद को ठीक है दूसरों के लिए नारे बाद में लगा लेना खुद को जिंदाबाद बनाओ मेहनत करो यार ये इतनी मेहनत तुम ही लोगों के लिए तो की जा रही है तो वेरी गुड वेरी गुड स टू ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा बेटा इस पर जीरो चार्ज होता है इस पर माइनस वन होता है तो टोटल माइनस थ्री हो गया और इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा तो जीरो माइनस टू माइनस वन इसको एक्स मान लेना उधर जाएगा तो प्लस टू निकल के आ जाएगा ठीक है प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा प्लस टू आंसर आ जाएगा बी वेरी गुड चले आगे बढ़े आसान आसान से क्वेश्चन है अभी अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे टेंशन नॉट ठीक है फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गे वेरी गुड वेरी गुड बेटा इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है अपना जी सॉल्ट ठीक है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं जहां मेटल और कार्बन के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं याद है ना अपन ने पढ़े थे सिग्मा बॉन्डेड पाई बॉन्डेड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड तो बेटा ये सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में आता है क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है यहां पर ये जो C2H4 है प्लेटिनम के साथ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है बेटा ये एक इधर इधर एक एक इधर और एक C2H4 ऐसे लगा हुआ है यहां पर ये ठीक है तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है ये पाई डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप का, का लिगेंड है C2H4 कौन है डोनर एक्सेप्टर जो अपना पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही करते हैं और से अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंपाउंड भी है ठीक है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड वुड कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कितने तो बेटा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है सर एड तो बेटा यूट्यूब रखता है ना अब देखो दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है किसी ना किसी रूप में अपने को कीमत चुकानी पड़ती है तो अगर आपको फ्री में क्लास अटेंड करनी है बेटा तो यूट्यूब पर ऐड तो देखने पड़ेंगे ठीक है या तो आप यूट्यूब प्रीमियम खरीद लो है ना जिसकी मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कोई दिक्कत नहीं है आ गया बीच में अगर तो इग्नोर मारो तब तक आंखों को रेस्ट दे लो पांच दस सेकेंड ठीक है चलो बेटा तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है बेटा के फोर एफ एन सिक्स क्या होता है बेटा के फोर एफ सी एन सिक्स के फोर एफ सी एन सिक्स इसको फेरोसाइनाइड क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें एफ ई प्लस टू में होता है फेरस आयन होता है अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम फेरी साइनाइड क्या होता है तो आप बोलेंगे के 6, क्योंकि इसमें Fe+3 में होता है तो ये पोटेशियम फेरिक आयन इसमें प्रेजेंट है तो फेरी साइनाइड पोटेशियम फेरी साइनाइड और इसमें फेरस प्रेजेंट है इसलिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड तो अपने को इसमें बताना है टोटल कितने आयन होंगे तो अब तो पता लग ही गया होगा कितने आयन होंगे चार तो के प्लस होंगे इसमें चार तो के प्लस होंगे ये तो होंगे कैटायन और एक होगा एफ नेगेटिव एक अपना एनायन तो टोटल पांच नंबर ऑफ आयन होंगे और आप सभी के आंसर आ गए हैं कमेंट में बी ठीक है बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट द डोनर एटम इन ईडी बेटा फटाफट से तुम्हारे जो नोट्स है ना उनमें फटाफट खोलो और ईडीटीए का स्ट्रक्चर निकालो जल्दी से ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है बेटा इडिटी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है पता नहीं कितनी बार काउंट ही नहीं कर सकते तुम लोग हर एक एग्जाम में हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है बी लेवल के एग्जाम में भी आ जाता है ये वगैरह e ठीक है तो ये तो मैंने बोला ही था कि तुम अपने रिश्तेदारों को भूल जाना पर इसको मत भूलना लिगेंड्स के नाम और स्ट्रक्चर मत भूलना याद है है ना तो बेटा ईडीटीए का स्ट्रक्चर बनाएंगे ईडीटीए का स्ट्रक्चर बनाएंगे ईडीटीए का स्ट्रक्चर ये लो ठीक है तो इसमें डोनर एटम कौन कौन से होते हैं डोनर एटम होते हैं बेटा चार तो ऑक्सीजन है इसमें डोनर एटम ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि कैसे लिंकेज निकालने हैं कि ओ एम ओ लिंकेज कौन कौन से हैं ओ एम एन लिंकेज कौन कौन से हैं ऐसे बताया था ना कि ओ एम एन ओ एम एन ओ एम एन ओ एम एन ऐसे करके अपन ने लिंकेज भी निकाले थे याद करो वो दिन पढ़ा था अपन ने करवाया था हाँ हाग्जा डेड होता है बेटा तो इसमें चार तो ऑक्सीजन और दो नाइट्रोजन चार ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन टू एन एंड एन, एन आंसर आ जाएगा अपना ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं याद है बेटा तो अभी के क्या याद करो अभी, के अभी याद करो हो सकता है इस बार एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन आ जाए ठीक है डायमंड स्ट्रक्चर हाँ ऐसा बोल सकते हो तुम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल सॉल्ट बट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉल्ट बेटा डबल और सॉल्ट की अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया जाता है कि डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है याद है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते पानी में डालने पर जिसमें प्रेजेंट सारे मेटल आयंस अपना टेस्ट नहीं देते लेकिन डबल सॉल्ट क्या होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इसमें प्रेजेंट सभी आयंस अपना टेस्ट जरूर देते हैं तो डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में यही डिफरेंस था कि जो डबल सॉल्ट होते हैं इसमें प्रेजेंट सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस अपना टेस्ट देते हैं हैं अपनी प्रेजेंस शो करते एक्वा में ठीक है जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा नहीं होता तो बेटा याद है इसका नाम बताएंगे इसका नाम बताओ क्या है इसका नाम बताओ क्या है इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ तो देखकर तो वैसे ही पता लग रहा है कि इनमें से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो यही है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है मैंने आपको इन सभी के नाम लिखवाए थे खास करके ये तीन क्योंकि ये अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए बेटा इनके नाम पता होने जरूरी है आपसे सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जा सकता है वो आपसे सीधे सीधे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताओ कार्नेलाइट का सही फॉर्मूला क्या है बहुत सही बेटा बहुत बढ़िया एक ने तो लिख दिया नाम बहुत बढ़िया बस यही तो उम्मीद करते हैं हम तुमसे बस इतना सही तो चाहिए तुम लोगों से है ना अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट मार दो पता है तुम अपनी तरफ से एक कदम चलोगे ना टीचर सौ कदम भागा भागा आएगा तुम्हारे पीछे तुम अपनी तरफ से मेहनत करोगे ना टीचर को इतना बूस्ट मिलता है उससे कि यार देखो बच्चा मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से देखो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स मार रहा है टीचर दो सौ परसेंट देता अपने बाद उसके बाद अपना पूरी जान लगा देता है टीचर तुम्हारे लिए है ना तो बस यही उम्मीद है तुमसे और मुझे भरोसा है तुम लोगों पर बेटा कि तुम लोग जरूर अच्छा करके दिखाओगे जरूर तो क्या इसका नाम कार्नेलाइट है हां हमने इसका फॉर्मुला लिखा था क्या इसका नाम फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि सॉल्ट है ये सॉल्ट है और ये तो आपको पता ही है फिटकरी, पोटैश एलम है ना और ये तो पोटेशियम इसका कॉमन नेम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और आईयूपीएसी नेमिंग तो अपन अभी लिखेंगे इसे ही आईयूपीएसी नेम अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड ठीक है ये फेरोसाइनाइड है ठीक है बाकी तो आईपीएससी नेम तो आपको आते ही लिखना अभी अपन लिखेंगे तो याद है थ्योरी अपन ऐसे रिवाइज करेंगे अब तो मैं आपको एम्बीडेंटेड के बारे में बता दूंगा एम्बीडेंटेड क्या होते वेरी है? गुड है? बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं याद याद करो याद करो जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट है लेकिन डोनेट एट ए टाइम एक ही साइड से करते हैं उन्हें एम्बीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है और शकल देख के पहचान जाओगे तुम लोग कि इनमें से ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन भी लिगेंड पर पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन एम्बीडेंटेड है इनमें से कौन फ्लेक्सीडेंटेड है ठीक है तो अपना जो इडीटी है ना बेटा इडीटी ये ये फ्लेक्टेड की तरह भी बिहेव करता है ये आपको बताया था मैंने याद है ना ये फ्लेक्टेड भी होता है क्योंकि अगर आपने मीडियम एसिडिक कर दिया ना तो यहां पर क्या एच प्लस एच प्लस जुड़ते जाते हैं तो जब H प्लस यहाँ पर जुड़ जाता है ना तो फिर ये साइड अपना लोन पेयर नहीं देती है तो जैसे मान लो आपने मीडियम में H प्लस आइन कंसेंट्रेशन बढ़ा दी एक H प्लस यहां पर आके जुड़ गया तो अब यह ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नहीं देगा तो फिर ये पेंटाडेंटिटी रह जाएगा एक और ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर जुड़ गया एक और ऑक्सीजन ने देना बंद कर दिया तो यहां पर अब इसकी डेंटिसिटी चार रह जाएगी तो टेटा टेट्राडेंटेड हो जाएगा तो डिपेंडिंग ऑन द पी ऑफ द मीडियम ईडी एक फ्लेक्सिडेंटेड होता है कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले अगर कि क्या एडीटी एक फ्लेक्सिडेंटेड है तो हाँ आप बोलेंगे एडीटी एक फ्लेक्सिडेंटेड होता है बट डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम लेकिन क्योंकि अपनी एनसीआरटी में ऐसा कुछ गिवन नहीं है इसलिए एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता और आपको इतना डिटेल में इसको नहीं बताया जाता ठीक है बस आपको याद रहे इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है ठीक है तो एमबीडेंडेड ने पता लगा लिया बेटा एस सी एन है अपना एनओ टू भी है साइनाइड भी है है ना ये भी सब क्या है कोई भी इनमें से कोई भी दिख जाए एनओ एस भी है मतलब इधर एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर लगा दो इसको बोलते हैं नाइट्रो इसको बोलते हैं थायोनाइट्रो क्या बोलते हैं इसको नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो भी बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं बेटा थायोनाइट्रो या फिर थायोनाइट्राइटो भी बोल सकते हैं इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बस फिर इनमें वही याद रखना है आपको कि जब इनकी नेमिंग करते हैं अपन तो जैसे अगर एस सी एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब सल्फर डोनेट कर रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे यह थायोसाइनेट आयन ऐसे ही साइनेट आयन भी होता है ओ सी एन नेगेटिव इसको साइनेट आयन बोलते हैं इसको थायोसाइनेट बोलते हैं ये नाइट्राइड हो गया यह साइनाइड हो गया ये थायोनाइट्रो हो गया ठीक है तो अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो इसको क्या लिख देंगे थायोसाइनाइडो थायोसाइनेटो एस और अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेटो जो डोनेट कर रही है नेम में उसी का यही हाँ, तो क्वेश्चन पूछते हो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लिगेंड इज एसिड लिगेंड पाई एसिड लिगेंड कौन से होते हैं बेटा पाई एसिड लिगेंड कौन से होते हैं वो लिगेंड जो सिनर्जिक बॉन्डिंग करेंगे ऐसे याद रख लो आप इसको पाई एसिड लिगेंड मतलब जो सिनर्जिक बॉन्डिंग करेंगे वो पाई एसिड लिगेंड कहलाएंगे ठीक है मतलब जो मेटल से वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं उनको

इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है जो एनसीआर में हेडिंग है ना बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस वो सिर्फ सीओ के रिगार्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करती है एनसीआर पर ये भी करता है बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग ये भी करता है ठीक है ऑल ऑफ दीज आर ये आपको लिखवा रखे पाई एसिड लिगेंट के एक्साम्पल न तुम्हारी कॉपी में लिखे हुए हैं सब है ना ऐसे गदो जैसी शक्लें मत बना लिया करो कि या। ओ, ये तो सर ने बताया ही नहीं है ये कब सिनर्जिक बॉन्डिंग में तो सर ने सिर्फ सीओ ही कराया हुआ है सिनर्जिक बॉन्डिंग से पहले ही एक हेडिंग लिखवाई थी पाई एसिड ऐसे, ऐसे दो क्लासिफिकेशन करवाए थे और उसमें ये लिखवाए थे सारे वो जो एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करते हैं और वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं ना लायक हो <laughs> सर अभी 580 आ रहे हैं बस थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो बेटा 580 50 60 नंबर और बढ़ा लो बस सेलेक्ट होना ही है किसी भी हाल में हम नहीं रुक सकते इस बार ठीक है इस बार मैं चाहता हूं रिकॉर्ड टूटे ज्यादा से ज्यादा से सेलेक्शन हो इस बार मतलब दिमाग चकरा जाए लोगों के बेटा बस इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत सफल हो जाए बस चलो भाई वर्नर्स थ्योरी पर आ गए अपन वर्नर्स थ्योरी वर्नर ने क्या बोला था याद है वर्नर को बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब अपने को यह भी नहीं पता था कि बॉन्ड बॉन्ड क्या क्या होता आइनिक क्या होता है है आयनिक उन्होंने तभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बता दिया था और वर्नर ने हमें यह बताया कि मेटल में दो प्रकार की वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते याद है ना ऑक्सीडेशन स्टेट को सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते याद है ना कॉर्डिनेशन नंबर को यह आयनाइजेबल होती है यह नॉन आयनाइजेबल होती है यह नेगेटिव आइन सेटिस्फाई करते हैं ये नेगेटिव आइन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और न्यूट्रल स्पीशी भी कर सकती है यही सब बताया था वर्नर ने अब अपने को बताना है कि इसमें प्लेटिनम की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नजर आ रहा है यहां पे प्लस टू नजर आ रहा है क्या तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस टू है तो प्राइमरी वैलेंसी तो हो गई टू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना नजर आ रहा है यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ई एन बेटा बाइड है तो एक एन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो दो EN कितने बना लेंगे चार बना लेंगे क्या और इधर एक सीएल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो दो सीएल दो बना लेंगे तो, तो टोटल कॉर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा अपना छ आ जाएगा तो प्राइमरी वैलेंसी दो है और कॉर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी छ है आंसर आ जाएगा हमारा टी वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं आप सर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलो बोल ही दो तुम वैसे भी तो बोल ही देते हो है? तुम बड़ा ध्यान रख लेते हो हमारा कि क्या बुरा लगेगा क्या नहीं लगेगा टीचर की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना इतना पूछ लिया मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने पूछ कैसे लिया कि सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ तुम वैसे भी बोलोगे सही बोल दो अरे हम बुरा नहीं मानते बोलो क्योंकि हमें तुम्हें ठीक करना भी आता है इसलिए बोल दिया करो टेंशन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन जी सॉल्ट चलो भैया इसका आंसर लगाएंगे फटाफट भड़ से जी सॉल्ट का फॉर्मला मैंने तुम्हें बता दिया है अब तुम लोग इसका आंसर लगाओगे सर <laughs> पोल शो नहीं हो रहा पोल शो हो जाएगा ऐप वगैरह में देखो ना बेटा ऐप पे बीटीएस इज द बेस्ट हाँ भैया ठीक है हाँ हाँ भैया वो मीम नहीं है कि हाँ भाई ठीक है हाँ हाँ मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच वाली है मान लिया तेरे को सर वेटेज बताइए बेटा इस चैप्टर का वेटेज भयंकर है मैंने बोला ना केमिस्ट्री में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनमें से एक चैप्टर है अपना कोऑर्डिनेशन ठीक है तो इसके वेटेज की तो बात ही मत करो इसको तो बस पढ़ते जाओ तुम लोग पढ़ते जाओ और अपन ने इस लेवल पर पढ़ा है इसको कि इससे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं होना भी नहीं चाहिए हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब

बेटा जी सॉल्ट का फॉर्मूला ये था क्या इसमें देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आ जाता है तो क्या बोल रहा है आपने को ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू प्लस टू वाला एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है प्लस टू देखते ही आप आंसर बी लगा देना प्लस टू देखते ही आंसर बी लगा देना चलिए बहुत बढ़िया डी क्या सोच के लगा रहे हो तुम लोग है कुछ भी जान के गलत लगा रहे हो सॉरी <coughs> 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 बोरोन पार्ट ऑल्सो रिमूवड बोरोन फैमिली रिमूव थोड़ी हुई है बेटा बोरोन वाली जो रिएक्शंस हैं वो रिमूव हो गई हैं कि बोरोन से कैसे बोरेक्स बनाएंगे अपने पास बोरोन है इसको कैसे बोरेक्स तक ले जाएंगे नहीं वो वाला पार्ट हट गया इसके बाद पी ब्लॉक ले लेंगे टेंशन क्यों लेते हो कोऑर्डिनेशन के बाद पी ब्लॉक इसके बाद इस चैप्टर को खत्म होने के बाद वापस से एक बार पोल करवा लेंगे कि बताओ आप कौन सा चैप्टर ले ठीक है तुम चिंता मत करो जो तुम कहोगे वही करेंगे आज नेक्स्ट द टू कॉम्प्लेक्स पर देखो जल्दी जल्दी करेंगे है ना मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम तक मैं खींचू तुम लोगों को जबरदस्ती अपन दो तीन बजे तक जग रहे बिना मतलब ही जो काम बारह बजे तक हो सकता है उसके लिए क्यों जबरदस्ती दो तीन घंटे में आप लोगों की नींद खराब नहीं करना चाहता अब इस टाइम पे मैं चाहता हूं नींद प्रॉपर लो और नालायकों याद रखना और नींद प्रॉपर लिया करो तुम लोग एग्जाम टाइम आ रहा है अभी से नींद पूरी लो छह से आठ घंटे की ठीक है एक घंटा रात में एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है नींद पूरी करके सुबह एक घंटा पढ़ लेना ठीक है एग्जाम में दिमाग काम नहीं करेगा पहले बता रहा हूं नींद पूरी रखना डाइट का ध्यान रखना खाना पीना अच्छे से रखना बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हम आंसर बताओ फटाफट से ठीक है मुझे बस मुझे चिंता तुम्हारी बस इसी चीज की होती है तुम लोग क्या भावनाओं में बहके पढ़ने बैठे आज तो दो तीन दिन से पढ़ाई नहीं करी शादी में चला गया था आज ऐसा करता हूं आज फोट डालूंगा एक एक करके सारे सब्जेक्ट आज ही कर दूंगा बैठे रात भर पढ़ रहे हैं सुबह आंखें ऐसी मोटी मोटी हो रही है आंखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे भाई साहब आज तो मैं रात भर पढ़ लिया अब मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता नीट के पहले सो ही नहीं रहे हैं दो दो तीन तीन घंटे सो रहे हैं पता चल रहा है कि वहां जा रहे हैं तो ऑटो में बैठ के जा रहे हैं तो ऑटो में नींद आ रही है वहाँ एग्ज़ाम में दिमाग काम नहीं कर रहा है वहां दिमाग में गाने चल रहे हैं ये सब हो जाएगा अगर नींद पूरी नहीं लोगे तो अपने को दो कॉम्प्लेक्स दे रखे बेटा अच्छा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हम एनटीए से इस बार कि हां ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थीके? तो अपने को बोला जा रहा है बेटा टू कॉम्प्लेक्सेस पीटीसीएल फोर डॉट टू एन एस थ्री एंड पीटीसीएल टू के सीएल डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ एजीसीएल वेन ट्रीटेड विद एजीएनओ थ्री अब ये ये लाइनें सुन के तो अपने को पहले याद आ जाता है कि भाई जो सीएल बाहर होगा वो AgNO3 थ्री के साथ रिएक्ट करके एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी दे देगा इतना अपने को याद आ जाता है, है ना द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सिस आर अपने को बताना है वो बोल रहा है कि इनमें से कोई भी एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी नहीं देता यानी कि ब्रैकेट के बाहर सीएल नहीं होना चाहिए है ना तो अब देखो इसमें जरा यहां पर इसमें भी सारे सीएल ब्रैकेट के अंदर है इधर भी सारे सीएल ब्रैकेट के अंदर है इधर 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 सीएल 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 बाहर 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 है दे है है ये 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 दे 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 देगा CL बाहर है, CL बाहर है, ये भी दे देगा देगा भी भी और वैसे भी अगर इनका स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो प्लेटिनम जो प्लस फोर में है वो छह कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है छह कोऑर्डिनेशन नंबर रखने के लिए आपको चार सीएल और दोनों एन थ्री अंदर ही रखने पड़ेंगे यानी कि इसका फॉर्मुला बन जाएगा पीटी एन एच थ्री होल्ड ट्वाइस सीएल फोर चार को अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि प्लेटिनम प्लस फोर में छह कोऑर्डिनेशन शो करता है ठीक है और यहां पर इसका फॉर्मुला क्या बनेगा दो दो पोटेशियम दो सीएल और चार सीएल इधर तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर छ रखना है तो चार और दो छ के सीएल को अंदर रखना पड़ेगा और पोटेशियम को बाहर रखना पड़ेगा तो इनमें से बेटा एक भी सीएल बाहर नहीं है तो ये अपने को नहीं देगा आंसर आ जाएगा ए देखे जरा कितने लोगों का सही हुआ है ये क्या चीज है शक्ल दिखाना जरा ही लोग हो गया ये अचानक से ऐसे कैसे लीडर बोर्ड देखे लीडर बोर्ड में भी खतरनाक आंसर सही है भूत भूत ही लिखा है अबे तुम लोग ये ऐसे ऐसे नाम रख कैसे लेते हो यार ये देखो पैरासिटामोल वी आर गेमिंग आर डी एक्स ऑरेंज आर्मी ये अलग ही नीट एस्पिरेंट प्लेटफॉर्म साइनो बैक्टीरिया मतलब किसी को भी अगर नया अपना यूट्यूब चैनल खोलना हो या फिर अपना कोई बढ़िया सा यूजर नेम रखना हो तो मैं उसे यही कहूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं भैया इनकी एडवाइस ले लिया करो इनसे पूछ लिया करो ये तुमको बहुत अच्छे अच्छे नाम दे देंगे इस यही तो किया है इन्होंने साल भर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बताओ फटाफट से याद है इफेक्टिव होता है अटोमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंटू कॉर्डिनेशन नंबर ये होता है निकाल दोगे बहुत आसान है एकदम आसान क्या हो जाएगा बेटा एफी uh, ट्वेंटी सिक्स होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है और कॉर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा टू इंटू कॉर्डिनेशन नंबर फाइव तो ये हो जाएगा बेटा थर्टी सिक्स एकदम आसान एकदम हलवा क्वेश्चन एकदम हलवा इसीलिए तो गलत किया तुम लोगों ने मुझे पता है जानबूझ के गलत करते तुम लोग जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो क्वेश्चन तुम तो मतलब नाइन्टी फाइव परसेंट लोग सही कर रहे हैं उसको ये जो एकदम आसान है इसमें जानबूझ के गलत लगा रहे हैं है? अभी तो मैं कहता तुम्हारी बुद्धि जो है तुम लोगों की पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि घुटने से खिसक के नीचे एडियो में आ गई है अब कभी लगता मुझे ऐसा हाँ चलिए अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इसको करेंगे फटाफट से एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद मॉलिकुलर फार्मूला दिस हैज टू आइसोमर्स बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो मैंने स्पेशली डाला है तुम लोगों के लिए the solution a gives white precipitate with agno3 and solution b gives white precipitate with BaCl2 solution the type of isomerism exhibited by the complex चलिए आंसर लगाएंगे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन है देखो चलो बेटा अपने को वो ये बोल रहा है सबसे पहले तो आप इसमें पता है उसने थ्योरी और आइसोमेरिज्म का कॉम्बिनेशन करके इतना प्यारा इतना सुंदर क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन टफ तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं जो टफ ना हो लेकिन सुंदर बहुत हो जिनमें आप अपने जो भी आपने पढ़ा है उन स्किल्स का यूज कर सके उन कॉन्सेप्ट का यूज कर सके ठीक है तो बेटा यहां पर आपको उसने एक जनरल फॉर्मुला दिया हुआ है अब आप सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मुला लिख लो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि कोवाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी शो करेगा ये? शो करेगा करेगा ये तो इसका बना लो पहले कोबाल्ट के साथ पांच तो एन घुसा दो अंदर और एक सी घुसा दो सीएल भी जा सकता है सल्फेट भी जा सकता है ठीक है अब वो ये बोल रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ना ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके दो आइसोमेरिज्म है जिनमें से एक तो AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और दूसरा BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है तो बेटा अब इतने मैच्योर तो तुम लोग हो ही गए हो कि यहां से देख के समझ जाओ कि ये किसके साथ AgNO3 के साथ या BaCl2 के साथ किसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है क्या अगर मैं Cl को बाहर और SO4 को अंदर कर दूं तो क्या ये अपने को इस प्रकार से मिलेगा देखना जरा ये इस प्रकार से मिल जाएगा क्या तो बेटा अगर आप यहाँ पर इसको बी ए सी एल टू के एक्व सोल्यूशन से पास करवाओगे तो यहाँ से जो सल्फेट है यहाँ से बी ए प्लस टू जो है ये आपको दे देगा बी ए एस ओ फोर क्या दे देगा बी एस ओ फोर और ये इन है एच सी एल में एज वेल एज एच एन ओ थ्री में ये अपन सॉल्ट में पढ़ते हैं

अमोनिया का सॉल्यूशन, सिल्वर के सॉल्ट जो है वो अमोनिया सॉल्यूशन में सोलबल होते हैं है तो साइनाइड है? इससे कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बना लेगा सॉल्ट नहीं पड़ा बेटा सॉल्ट पढ़ना चाहिए था ना देखो इस बार एड हुआ नया नया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे है ना? कोई बात नहीं अभी सॉल्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां से सॉल्ट का भी रिवीजन हो जाएगा टेंशन नॉट और तीसरा क्या था बेटा थायोसल्फेट थाफेट थायो थायो याद है ना तीनों अमोनिया साइनाइड और थायोसल्फेट आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं नालाएको ठीक है तो अच्छा अब ये दोनों जो आइसोमर्स हैं ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है आपने आयंस को इंटरचेंज कर दिया अंदर वाले आयन को बाहर कर दिया बाहर वाले को अंदर कर दिया तो जब अपन ऐसा करते हैं तो कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाता है आइनाइजेशन आइसोमेरिज्म आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा बी कुछ तो भी आंसर लगा रहा तुम लोग यार मुझे लग रहा है तुम लोगों ने आज सत्तर नशे कर लिए मोटिवेशन वाले किससे मोटिवेशन ले लिया सुबह-सुबह तुम लोगों ने हैं नेक्स्ट द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट गिव टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन इन एक्वस मीडियम बताओ चलो फटाफट से इसका इसका तो आंसर सही सही दे दो यार इसका तो आंसर सही तुम लोग दे ही दोगे इनमें से कौन सल्फेट आयन का टेस्ट नहीं देगा तो बेटा डबल सॉल्ट पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं होते हैं। तो इनमें सबसे पहले तो ये देख लो कि डबल सॉल्ट कौन कौन से हैं तो इसकी शक्ल देख के और इसकी शकल देख के इन दोनों की शक्ल देख के आप बता सकते हो कि ये दोनों डबल सॉल्ट हैं डॉट ट्वेंटी फोर एच टू यानी कि एलम है और कोई भी एलम हो वो डबल सॉल्ट होता ही है यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है ठीक है तो ये तो डबल सॉल्ट है तो इसमें से तो जो सल्फेट आयन निकलेंगे ये अपना टेस्ट देंगे ऑब्वियसली ये भी एक डबल सॉल्ट है तो इसके जो सल्फेट आयन है ये भी अपना टेस्ट देंगे ठीक है तो इन दोनों को तो हटा दो अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं इसमें सल्फेट बाहर है आयोनाइेशन फेर में ये आयनाइज होगा ये अपना टेस्ट दे देगा इसमें सल्फेट अंदर है ये आईनाइज नहीं होगा ये लिगेंट की तरह प्रेजेंट है ये अपना सल्फेट टेस्ट नहीं देगा आंसर आंसर आ आ जाएगा जाएगा सी सी वेरी गुड बहुत 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 बढ़िया बहुत अच्छे चलिए भाई आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं अब आइसोमेरिज्म में देखो मैंने तुमको आइसोमेरिज्म में मैंने तुमको एक टेबल बना के दी थी याद है उस टेबल से अपना काम हो जाएगा और वैसे तो नीट में तो उस टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो सिर्फ यही पूछता है कौन आइसोमेरिज्म कौन सा वाला शो करेगा कौन सा नहीं करेगा इस तरीके से पूछता है ठीक है चलो फटाफट से आंसर लगाओ इसका क्वेश्चन अच्छा। तो ही नहीं है ये तो वर्नस थोड़ी का क्वेश्चन तो है आपने से पूछा है कि इनमें से कौन जो है डार्क ग्रीन कलर का है अब हमें कैसे पता डार्क ग्रीन कलर किसका है पता रखने की जरूरत भी नहीं है हमें याद रखने की जरूरत नहीं है किसका कौन सा कलर है अपने नोट्स में जितने कॉम्प्लेक्स के कलर पढ़े हैं बस उनके ही कलर याद रखने कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कलर याद रखने की जरूरत नहीं है तो इनमें से डार्क ग्रीन कौन है हमें नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है अब क्वेश्चन में जो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे अपना आंसर आ जाएगा वो बोल रहा है कि वन मोल एजी का पीपीटी देना चाहिए यानी कि ब्रैकेट के बाहर एक सीएल होना चाहिए ऑब्वियसली तो यहां पर तीन है यहां पर दो है यहां पर एक है और इधर एक भी नहीं है एक तो यही देगा यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा सी अरे वाह बहुत बढ़िया वेरी गुड क्या बात है धीरे धीरे माहौल बना रहे हो सी एसो रिएक्ट विद केसीन ये स्टार्टिंग में एक रिएक्शन पढ़ाई जाती है बेटा आपको जब आपको स्टार्टिंग uh, में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में बताया जाता है परफेक्ट और इम कॉम्प्लेक्स तब आपको एक रिएक्शन करवाई जाती है परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल समझाने के लिए ये उस रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है आपको पता होना चाहिए पता होना चाहिए कॉर्डिनेशन लिंकेज क्या होता है कॉर्डिनेशन लिंकेज है लिंकेज तो आइसोमेरिज्म होती है और कॉर्डिनेशन भी आइसोमेरिज्म होती है दो अलग अलग टाइप की आइसोमेरिज्म होती है इसका आंसर लगाओ इसका आंसर मुझे पता है तुम लोग गलत ही दोगे वैसे तो पर अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है बेटा तो ही तुम इसका आंसर सही दे पाओगे यहां से पता लगेगा कि तुमने कितना नोट्स रिवाइज किए हैं अगर नोट्स अच्छे से रिवाइज़ किए होंगे तभी आंसर आएगा तो बेटा नोट्स खोल के बैठो ना नोट्स खोल के बैठो इस भी टॉपिक से तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन है मैं टॉपिक तुमको बता ही देता हूं वो टॉपिक खोल लिया करो ना यार कॉपी में देख लो ना उसके पन्ने पलट लो फटाफट से तो थ्योरी भी रिवाइज होगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा साथ के साथ है ना चलो बेटा अपने को बोला जा रहा है कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद के तो ये क्या बनाएगा तो बेटा कॉपर प्लस टू जब के से रिएक्ट करेगा कॉपर प्लस टू में है जब ये के से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा सी यू सी एन टू और याद है कॉपर प्लस टू एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सी एन माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे सी यू आई टू एक्ट नहीं करता वैसे सी यू सी एन टू भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आई माइनस और सी एन माइनस ये क्या है मेरे चचेरे भाई हैं अरे मतलब वो हैलाइड है तो ये सूडो हेलाइड है सी एन माइनस सूडो हेलाइड कहलाता है क्योंकि उसके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है तो ये उसके चाचा के लड़के के जैसा है तो ये टूटता है और सी यू सी एन बनाता है और यहां से साइनोजन गैस रिलीज हो जाती है कौन सी गैस रिलीज हो जाती है साइनोजन जैसे अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते तो ये क्या बना लेता सी यू आई बना लेता और आई टू रिलीज कर देता सेम वैसी रिएक्शन यहां पर देखने को मिलती है अब जब इसमें आप एक्सिस में के सी एन डालते हो एक्सिस में के सी एन डालते हो तो क्या मिलता है आपको के थ्री सी यू सी एन फोर एक कॉम्प्लेक्स क्या कॉम्प्लेक्स मिलेगा थ्री सी यू सी एन फोर आंसर क्या आ जाएगा मुझे पता था मुझे पता था तुम लोग यही करोगे इसीलिए रिएक्शन पूरी लिखवाइए नालाय को इसको अभी के अभी लिखो और अभी के अभी याद करो ये एग्जाम में आ चुकी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये याद करो इसको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है तुमको तुम्हारी कॉपी में लिखी हुई है ये और ये भी याद करो कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल कैसे दिया था इसमें से एच टू एस पास करवाई थी एच टू एस पास करवाने पर अगर ये ब्लैक पीपीटी देगा सी टू एस दैट मीनस ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या इसने ब्लैक पीपीटी दिया था नहीं दिया था तो अपन ने क्या बोला था कि इसने ब्लैक पीपीटी नहीं दिया इसका मतलब सीयू टू एस नहीं बना इसका मतलब ये डिसोजिए नहीं हुआ इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है ठीक है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जिसमें दो कोऑर्डिनेशन फेयर वाले कटाइन और एनाइन जुड़े हुए होते हैं आपस में और उनमें लिगेंड्स इंटरचेंज होते हैं और वहां आपको ट्रिक भी बता रखिए बेटा कैसे निकालने होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स निकालने की ट्रिक आपको बता रखी है मैंने वो ट्रिक का यूज करके आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाए चाहे मोनोडेंटेड चाहे बाइडेंटेड आप वहां से निकाल सकते हो आंसर अपना डी आ जाएगा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे गलतियां नहीं करनी है अपने को याद रखेंगे नेक्स्ट हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बेटा और पूछा जा रहा है ट्राई अमाइन डाई एक्वा क्लोराइडो अब एक तो अपन कॉम्प्लेक्स को देख के आई नेमिंग लिखते हैं दूसरा आयूपीएससी नेमिंग से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये कैसे करते हैं अपन लीडर बोर्ड दिखाए अभी दिखाता हूं अभी दिखाता हूं चलो ये वाला अटेम्प्ट कर लो उसके बाद लीडर बोर्ड दिखाएंगे फिर अपने अपने मम्मी पापा को दिखाना कि देखो लीडर बोर्ड में मेरा भी नाम है ठीक है एक्सेप्शन ने मार डाला है कोई एक्सेप्शन नहीं है नॉर्मल सी रिएक्शन है वो एक्सेप्शन जबरदस्ती एक्सेप्शन कुछ भी पोल आंसर नहीं आ रहा है बेटा अरे पोल जो लोग जिन लोगों का पोल पे आ रहा है वो लोग बताओ ना यार दूसरों को बताओ बेचारों को क्यों तुम परेशान कर हो यार हेल्प करो एक दूसरे की अरे भैया हेल्पिंग नेचर रखा करो अपना तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं मैं मेरे जो साथ वाला है इसको नहीं पढ़ाऊंगा या इसकी हेल्प नहीं करूंगा अगर मैंने इसको पढ़ा दिया इसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे ऐसा कभी भी नहीं होता है ऐसा कभी भी नहीं होता है पता है मैं आज जो यहाँ पर हूँ ना मैं कभी भी मैंने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा एक है ना एक तो मेरी आदत कि मेरे को पढ़ाना पसंद था शुरुआत से लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था मैंने पता है मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने यही सोचा था कि मैं एक अच्छी सी पावर प्लांट में बड़े से पावर प्लांट में एक बढ़िया सी जॉब करूंगा ठीक है और मेरा सपना था कि अपन अपने खुद के पावर प्लांट्स खोलेंगे पर वो मतलब वो बचकाना सपना था अपने को आइडिया नहीं था कि नहीं बस हाँ बोल दिया इलेवन ट्वेल्थ क्लास में सोच लिया जैसे तुम लोग सोचते हो ना कि हाँ मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा वैसे मैं ये सोचता था कि हाँ अपन खुद के पावर प्लांट्स खोलेंगे तो ऐसा है कि मेरी यह आदत थी कि मुझसे कोई भी पढ़ने आता था मैं उसको डिटेल में पढ़ाने लग जाता था है ना तो इसीलिए तो बहुत सी बार लोग पूछते ही नहीं थे कि यार अभी इससे पूछेंगे जबरदस्ती ज्ञान देने लग जाएगा तो हेल्प किया करो एक दूसरे की क्या पता ये तुम्हारे कभी ना कभी वापस काम आ जाए है ना तुम हेल्प करोगे तो वो एक दिन पलट के तुम्हारे पास जरूर आएगी वापस ठीक है आपने से पूछा है कॉम्प्लेक्स ट्राई अमाइन डाई एक्वा ये बोलता रहा है सेंड आंसर इन द यूट्यूब चैट है ना तो वहां चैट में आंसर क्या दिक्कत है एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट तो अपन ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्या ट्राई अमाइन ट्राई अमाइन मतलब एनएच थ्री है तीन डाई एक्वा मतलब एच टू ओ है दो क्लोराइडो मतलब सीएल है एक और कोवाल्ट भी है और वो भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोवाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री तो बेटा यहाँ पर अगर कोवाल्ट प्लस थ्री में है तो इस पर जीरो चार्ज है इस पर जीरो चार्ज है इस पर माइनस वन है तो ओवरऑल प्लस टू चार्ज आ गया और प्लस टू को कंपनसेट करने के लिए कितने क्लोराइड लगा दूँ दो क्लोराइड लगा देंगे तो बाहर सी आ जाएगा देख लो कहाँ पर दिया हुआ ऐसा फॉमूला सी ओ एन एच थ्री टू एच टू ये रहा पहला वाला ही पहला वाला ही आ गया ना पहला वाला ही आ गया आंसर ठीक है और तो कोई सा नहीं दिख रहा और तो कोई सा भी नहीं दिख रहा ठीक है ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट इफ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्व सोल्यूशन बेटा इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर देना है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे चेक करेंगे आप नंबर ऑफ आयंस देख लो क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगी तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे सोल्यूशन में उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी तो आप यहां पर देख लो ये कितना आयंस देगा ये पांच आयंस देगा ये तीन और एक चार आयन देगा ये दो आयन देगा और ये तीन आयन देगा तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो कर रहा है अपना फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा तो मतलब ये हटा दो और ये हटा दो ठीक है फिर उसके बाद सेकंड तो फर्स्ट के बाद सेकंड इसी ऑप्शन में है यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा ए आसान है एकदम है ना आसान है आगे बढ़े नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आईपीएससी चलो भैया फटाफट पट से आंसर लगाएंगे सभी लोग आंसर लगाएंगे सोडियम नाइट्रोपोसाइड का फॉर्मूला अभी अभी तुमको बताया थोड़ी देर पहले सोडियम नाइट्रोपोसाइड का फॉर्मूला अब तुम उसका आई यूपीएस नेम लिखो ता हो तो मैं उसका फॉर्मुला वापस लिख देता हूँ सोडियम नाइट्रोक्साइड का क्या था सोडियम एफी याद है ना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के चाचा का लड़का है ये इसमें एन ओपर प्लस वन चार्ज होता है और इसमें एफी, एफी का ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम लोग निकाल ही चुके हो पता है यूपीएससी नेमिंग में ना मोस्ट ऑफ द केस में नाइन्टी परसेंट केस में तो मात्र ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आंसर आ जाता है

मतलब आंसर जाएगा डी वाह 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 देखो सोडियम नाइट्रोफेरी साइनाइड कुछ तो भी लगा रहे हैं अपन कुछ तो भी लगा रहे हैं हैं फर्जीवाड़े में ही लो लीडर लीडर बोर्ड पे देखो आंसर जरा कितने बच्चों का सही गया है नाइन स्टूडेंट्स ओनली मात्र नौ स्टूडेंट ये तीन हज़ार में से नौ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर लगाया है तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी सभी ने जो है गलत लगा दिया हो गया उन्तीस सौ इकानवे जो लगभग लगभग बच्चे हैं उन्होंने गलत नहीं जानबूझ के तुमने गलत लगाया है कुछ भी लगा दो ए लगा दो जो मर्जी आए वो लगा दो है ना कोई बात नहीं मेरा तो नुकसान है नहीं इसमें भाई तुम गलत आंसर भी लगाओगे तो तुम्हें क्या लगता है मेरा नुकसान हो जाएगा है बहुत तगड़ा नुकसान करवा दिया यार तुम लोगों ने मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया ओ माय गॉड मैं तो दुख से एकदम नालायकों सुधर जाओ बताओ इसका आंसर अब सही सही लगाना ठीक है पोल लगा रहा हूँ सही सही आंसर लगाना <laughs> और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आंसर आ जाता है ठीक है अब देखो इसमें चारों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ही मत अब वो वाला फैक्टर निकालो जहां से अपन आंसर करेक्ट ढूंढ सकते हैं ठीक है सही आंसर लगाना वरना सच कह रहा हूं गुद्दी पे दूंगा एक खींच के बेटा पोल अगर शो नहीं हो रहा है तो आप चैट में आंसर दो चैट में मैं चैट पर ध्यान दे रहा हूं तुम्हारे आंसर्स देख रहा हूं मैं है ना वो तो तुम जो फालतू की बातें करते रहते हो वो कम देखता हूं मैं बाकी मैं चैट पर ध्यान दे रहा हूं ठीक है टेंशन ना लो चलो फटाफट से बताओ <laughs> ये है अपना ट्राइफेनिल फॉस्फिन यह टी से चालू होता है यह अपना क्लोराइडो ये सी से चालू होता है तो पहले इसकी नेमिंग कर देंगे डाइक्लोराइडो अब देखो इसमें यह तो बिस डाइक्लोराइडो से चालू हो रहा है यह गलत हो गया ये ट्राइफेनिल फॉस्फिन से चालू हो रहा है यह भी गलत हो गया है ना डाइक्लोराइडो और फिर उसके बाद ट्राइफेनिल फॉस्फिन है तो इसके आगे अपन दो है तो क्या लगा देंगे बिस लगा देंगे तो डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन फिर निकल आ जाएगा और टू आ जाएगा यही सही लग रहा है आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा बी और वैसे भी देखो डाई के बाद ट्राइफेनिल लिखा हुआ है सिर्फ जबकि यहाँ पर दो है यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है तो वो भी गलत हो जाएगा आंसर आएगा हमारा बी वेरी गुड मैंने कहा ना तुम लोग जानबूझ के गलत लगा रहे हो मार लगाऊंगा बहुत चलो आईसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड ऐसे डबल कॉम्प्लेक्स वाले भी आपने नीट के एग्जाम में आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स के टाइम कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं तो चलो फटाफट से आंसर लगाओ इसका भी जल्दी से आंसर लगाएंगे और एकदम सही सही लगाएंगे ठीक है फटाफट बट से लगाओ सर इस बार आपकी कोई ऑफलाइन बैच है क्या नहीं बेटा अभी फ़िलहाल सिर्फ ऑनलाइन बैचेस ही पढ़ा रहे हैं आ, इस साल भी ऑनलाइन ही पढ़ाया और इस साल भी ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो ऑफ़लाइन बैचेस अभी तक तो नहीं है मेरे पास एक भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं अपन पानी पी लो सर धन्यवाद इतना ध्यान रखने के लिए कितना ध्यान रखते हो यार तुम लोग आंखों में आंसू ही आ जाते हैं कभी कभी तो इतना ध्यान इतनी इज्जत वो भी तुम लोगों से नाक से आंसू आ जाते हैं कभी कभी तो चले आगे बढ़े लिख लिया सभी ने तो बेटा ये रहा कैटाइनिक पार्ट ये रहा है पार्ट जनरली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में पहले कैटाइन ही लिखा हुआ होता है पर आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हो निकिल प्लस टू में है इस पर माइनस फोर है तो ऑब्वियसली माइनस टू बाहर आ जाएगा उस पर माइनस टू है तो इस पर प्लस टू आ जाएगा और इधर भी निकिल प्लस टू में है भाई प्लस टू में है सर आपको कैसे पता चला देख लो ना आंसर में चारों में प्लस टू दे रखे हैं है ना चारों में प्लस टू दे रखे इसका मतलब ये निकल तो प्लस टू में है ही ठीक है अब ये कैटाइन हो गया तो पहले इसका नाम लिखेंगे टेट्रा अमाइन तो टेट्रा अमाइन इसको भी काट दो इसको भी काट दो यही दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें पहले लिखा हुआ है ठीक है और अमाइन में भी डबल एम लिखा हुआ होना वो चेक कर लेंगे। तो दोनों में डबल एम लिखा हुआ है। बेटा नेगेटिव पार्ट है तो एट लगाकर लिखेंगे निकलेट एट लगना जरूरी है क्योंकि जो मेटल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है उसके पीछे एट लगाया जाता है तो टेट्रा अमाइन निकिल टू टेट िकलेट टू आंसर विल बी सी आंसर विल बी सी कदम नेक्स्ट क्वेश्चनिप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है बेटा इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा यह बताना है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से शो करते थे बेटा देखो ये कौन सा है एम ए फोर बी टू वाला केस है? है ना ये कौन सा है एम ए थ्री बी थ्री वाला केस है ये कौन सा है एम ये वाला ए ए ट्वाइस अच्छा इसमें भी सिस और ट्रांस दे रखे हैं होल ट्वाइस B2 ये वाला केस है तो इसमें ट्रांस वाला जो होता है याद है ना अगर दो सेम लिगेंड ट्रांस पर आ जाए या फिर दो <laughs> दो रिंग्स सेम प्लेन में आ जाए तो वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है ठीक है तो ये भी ऑप्टिकली इनेक्टिव है ये भी ऑप्टिकली इनेक्टिव है ये भी ऑप्टिकली इनेक्टिव है लेकिन ये जो सिस वाला स्ट्रक्चर है ये जो सिस वाला स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है है एक यहां लगा दो एक यहां लगा दो और एक ऐसे ऐसे यहां पर लगा दो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है सिस वाला ठीक है और ये इंपॉर्टेंट केस है बेटा एम ए ए होल्ड टूज बी टू यानी कि दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड और दो मोनोडेंटेड अगर लगे हुए हैं तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है ये सिस वाला जो केस होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है इसके दो ट्रा, अपने आइसोमर बनते हैं जीआई एक बनता है सिस एक बनता है ट्रांस तो ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है आंसर आ जाएगा डी ठीक है इसकी वो एक टेबल बनवाई थी मैंने याद है ना अरे नालायकों ये वाली एम ए सिक्स ए फाइव बी ए फोर बी टू याद है कि भूल गए नालायकों ए फोर बी सी एम ए फोर एम ए थ्री बी थ्री ए थ्री बी टू सी ए थ्री बी सी डी एम ए टू बी टू सी टू आपको के, के केसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप अगर ये टेबल याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ अब इनके कितने जी आई हैं कितने उनमें से ऑप्टिकली एक्टिव हैं और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं ये आप बता सकते हो बेटा ठीक है तो ये तो आइसोमेरिज्म शो करते नहीं है इनके तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स अगर पूछे जाए तो एक ही मिलते हैं फिर इसके बाद अपन ने कैसे याद किया था ट्रिपल टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन फिफ्टीन और ए थ्री बी टू सी तक सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं इनका कोई भी आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है उसके बाद डबल वन टू सिक्स फिफ्टीन ये इनके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स थे मतलब जैसे ये वाला केस है अगर तो इसके पंद्रह जी आई अगर तो पंद्रह के पंद्रह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो टोटल तीस स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं इन दोनों का सम कर देना तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे इन दोनों का सम कर दिया तो इसके टोटल पंद्रह स्टीरियो आइसोमर्स आ गए मतलब नौ जोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं इस केस के और उसमें से छह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ठीक है पर अपने से आज तक कभी नीट के एग्जाम में नहीं पूछे गए नीट के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है ये है ये है और अगर मान लो कुछ नया देना ही एग्जामिनर को तो वो ज्यादा से ज्यादा ये दे देंगे या ये दे देंगे ठीक है आज तक ये भी नहीं आए हैं ये तीन ही आए हैं मोनोडेंटेट में तो ठीक है और बायोडेंटेट तो आपको पता ही है ये वाला केस एम ए ए थ्राइस एम ए ए होल्डस बी टू या एम ए ए ट्वाइस बी सी ठीक है और एक अपना ये वाला केस ट में बस इतने कर लेना कोऑर्डिनेशन नंबर छह में बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर चार स्क्वायर प्लेनर में तो सारी केसेस आपको याद रह जाएंगे ठीक है सर आप जिम ज्वाइन कर लो नहीं मैं नहीं कर सकता जिम ज्वाइन बेटा डॉक्टर ने मना कर रखा मुझे कि जिम में मत करना मशीनें वसीने तोड़ दोगे वहां पे आप इसलिए पावर थोड़ी ज्यादा है न, अंदर ना अंदर से इसलिए अमिता नालायक पढ़ लो ठीक है पी ब्लॉक में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो पी ब्लॉक अबे अब तो पी ब्लॉक में कुछ बचा ही नहीं है बेटा पी ब्लॉक में तो कुछ बचा ही नहीं है अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लाइफ सोन बाय लो अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये वाले जो क्वेश्चन है अपने ये हो जाएंगे आराम से है ना तो देखो ये आपको केस दे रखा है एम ए फोर बी टू वाला तो देखो एम ए फोर बी टू यहां पर क्या इसके जी आई है हाँ दो जी आई है ठीक है तो ए फोर बी टू तो जी आई शो करता है और ये तो आसान है आपको पता भी होगा ठीक है ये अपना एम ए एल्थराइस तो बेटा ये जी आई शो नहीं करता लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है।, है ना जी आई तो शो नहीं करता लेकिन ये ओ आई शो करता है ये अपना वही वाला केस आ गया M A A होल ट्वाइस बी टू वाला तो ये जी आई भी शो करता है एक से एक ट्रांस बनाता है और उसमें से सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ये जी आई भी शो करता है ओ आई भी शो करता है और ये वापस से वही M ए फोर बी टू वाला केस आ गया तो अपने से क्या पूछा है नॉट शोन बाय तो ये जी आई शो नहीं करता आंसर आ जाएगा अपना B ठीक है बाइडेंटेट में ऑप्टिकल कैसे बोले बेटा ये जो है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसका सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका भी सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो दोनों सेम ही है बस इसमें एक बी को छोड़ के सी लगा दिया बाकी और कोई डिफरेंस नहीं ये दोनों सेम ही है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब बाइड अगर लगे हुए हैं दो या दो से ज्यादा तो वो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी तो जरूर शो करेगा अब उसमें से कौन सा वाला ऑप्टिकली एक्टिव है सिस वाला या ट्रांस वाला तो ऐसे याद रख लेना कि सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनमें ठीक है ये शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लो ठीक है चलिए आगे बढ़े ये भी हो गया नेक्स्ट चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है बोल लगा रहा हूं अटेम्प्ट करना है टू कॉम्प्लेक्सेज आर गिवन मिलो आपको दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको बताना है कि ये कौन से आइसोमर्स हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है पोजीशन है ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या फिर ये आइडेंटिकल हैं ये आपको बताना है चलो अच्छे से देखना ध्यान से अपने आप पता लग जाएगा देख ही बताओ फटाफट भड़ से हो गया <कुण> देखो अब ध्यान से देखो कैसे पता लगाएं आपको कैसे पता लगाना होता है यहां पर दो इथाइलिन डायमाइन लगे हुए हैं दो तो बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं और ये दोनों बाइडेंटेड देखो एक रिंग तो आपको ये बनती नजर आ रही है और एक ये बनती नजर आ रही है ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में हैं आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं और ये दोनों ए भी आपस में 180 डिग्री पर हैं ठीक है अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो ये भी दोनों रिंग आपस में आमने-सामने एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं और ये दोनों भी 180 डिग्री पर हैं यानी कि ये दोनों तो सेम ही कॉम्प्लेक्स है बस इनका अरेंजमेंट अलग किया हुआ है अलग अलग जगहों पर लगा दिया पर वैसे तो स्ट्रक्चर सेम ही है इसमें भी दोनों रिंग आपस में 180 डिग्री पर है और दोनों ए आपस में 180 डिग्री पर है इसमें भी दोनों रिंग 180 डिग्री पर है दोनों ए आपस में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है जीआई के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एंगल चेंज हो रहा है या नहीं तो इसका मतलब ये जीआई तो नहीं है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो अपन ये देखते हैं कि मिरर इमेज ठीक है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर ही नहीं रहा है पोजिशन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है और इसमें पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करने वाला लिगेंड भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे है? आइडेंटिकल हैं ये कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे बेटा आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि की तरह सबकी बुद्धि आइडेंटिकल हो रखी तुम्हारी अभी सर मैंने आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर देखा रिकॉर्डेड बहुत अच्छा लगा हाँ बेटा बाकी भी देखो बहुत अच्छे लगेंगे उनमें कंप्लीट थ्योरी अच्छे से रिवाइज करवाइए है ना और केमिकल बॉन्डिंग तो सबसे लंबा था साढ़े दस पौने ग्यारह घंटे तक चला था वो तो याद है ना रात में अपन लंबा एकदम खींच रहे थे जा रही है तीन बज रही है लेकिन पढ़े जा रहे हैं बिना रुक के है ना लेट हो गए एक घंटा नालायक हो कोई बात नहीं आ जाओ ये लो बताओ ये अच्छा क्वेश्चन है ये तुमने जब क्लास में पढ़ाया था तब भी ये क्वेश्चन करवाया था चलो इसका एकदम सही सही आंसर लगाना है बताओ फटाफट भड़ से हाँ हाँ बेटा स्पीड भी बढ़ाएंगे अभी रुक जाओ शुरुआत में अगर राजधानी भगा दी ना तो तुम्हारे घुटने छिल जाएंगे इसलिए चिंता मत करो कब भगाना है मैं भगा लूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा टेंशन नॉट सर ये पूरे क्वेश्चंस मेरे मॉक में थे हाँ तो बेटा ऐसे ही तो क्वेश्चन देखो इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप सिर्फ वैल्यू चेंज करके अलग क्वेश्चन नहीं बना सकते फिजिकल में या फिजिक्स में आप ऐसा कर सकते हो कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दूं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दूं तो एक नया क्वेश्चन डिराइव किया जा सकता है पर इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कर सकते है ना कि मैंने इस मॉलिक्यूल की जगह दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिया और ऑप्शन वही रख दिया नहीं इनऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन लिमिटेड ही मिलते हैं और अपन ने अब अप जिस लेवल पर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना तो उस लेवल पे अपन ने लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन टच कर लिए तो लेवल सबके निकलेंगे इस बार एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन तुमको देखे हुए ही मिलेंगे है ना पर लेवल उसी के निकलेंगे जो खड़ा रहेगा मतलब जो लास्ट तक मेहनत करता रहेगा उसी के लेवल निकलेंगे तो बेटा लेवल निकाल लेते हैं आ जाओ फटाफट से इसमें क्या आंसर आ रहा है बताओ ये अपने को बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा तो बेटा NO2 कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंट अगर नजर आए इसका मतलब समझ जाना कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही करेगा तो आंसर या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा ये भी जा सकता है कोई बात नहीं तो सी तो नहीं जाएगा सी में लिंकेज नहीं है हटा दो इसको ठीक है और अगर इसको अंदर इसको बाहर कर दूं तो ये आयनाइजेशन भी शो कर जाएगा आयनाइजेशन भी है क्या इसमें भी है इसमें भी है और इसमें नहीं है इसको काट दो ठीक है और ये ए फोर बी टू वाला केस है देखो ए फोर बी टू वाला केस है तो ए फोर बी टू तो जी आई भी शो कर जाएगा तो लिंकेज आइनाइजेशन और जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा ये ऑप्टिकल शो नहीं करता क्योंकि ए फोर बी टू वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कहां गई अपनी वो टेबल ए फोर बी टू वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता तो अपना आंसर आ जाएगा बी निकल गए लेवल फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों के लेवल निकल गए चलो आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन अब वीबीटी और सी के क्वेश्चन आएंगे तो वीबीटी और सीएफटी खोल के रख लो सामने वहां पर जो भी छोटी छोटी ट्रिक्स तुम्हें बता रखी है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने वो अब काम आएगी अपने ठीक है बेटा है ना नोट्स खोल के रखो अपनी आंखों के सामने ऐसे बस आराम से तकिया लगा के बैठ गए मोबाइल लैपटॉप खोल लिया सामने सर क्वेश्चन करा रहे हैं अपन मस्त मजे से एकदम न्यू बैठ के देख रहे हैं हाँ ये तो मैंने पढ़ा है हाँ। अरे ये तो हाँ, किया हुआ था ठीक है अच्छा ऐसे नहीं करना है ठीक है नोट सामने खोल के बैठो कॉपी पेन रफ वाली बाजू में रखो क्वेश्चन लगाते जाओ नालायकों एस पी थ्री डी टू हाइब्रिटाइजेशन किस में होगा तो बेटा एस पी थ्री डी टू किसी स्ट्रोंग फील्डेंड में तो कम ही चांसेस होते हैं सबसे पहले तो ये देख लो कोई वीक फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स है क्या है ना तो ये स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है ठीक है अब इसमें निकाल के देख लो पहले कोबाल्ट है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस थ्री में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा डी सिक्स बन जाएगा डी सिक्स अगर बन जाएगा तो अपन यहां पर छह इलेक्ट्रॉन भर लो और लिगेंड कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है तो एक दो तीन चार पांच और ये छह इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने तो ये रहा अपना थ्री डी 4d ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो अब छह वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो आगे वाले जाएंगे और sp3d2 थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा ये तो हो गया तुम्हारा सीधे सीधे तरीके से आंसर ठीक है लेकिन अगर मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी उसके थ्रू बताऊं तो बेटा याद करो याद करो क्या बोला था कि D1 से लेकर D3 तक कोई भी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए चाहे वीक फील्ड लिगेंड आ जाए दोनों ही केस में D2 sp3 ही मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है तो D2 sp3 ही मिलेगा बिना देखे लगा दो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है अगर तो आप बिना देखे डी टू एस थ्री लगा दो अगर डी एट से डी टेन है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए चाहे वीक फील्ड लिगेंड आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज एस थ्री डी टू ही जाएगा बिना देखे लगा दो और सिर्फ डी फोर से डी सेवन में ऐसा बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डी टू एस थ्री आएगा और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एस थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन आएगा अगर आपको ये पॉइंट याद है सर क्वेश्चन की पीडीएफ, डी हाँ बेटा ऐप पे मिल जाएगी है ना अभी आपको यहाँ पर ये जो अपना यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक मिलेगा वहाँ से आप ऐप पर जाना ऐप पर आपको आप इस बैच में रजिस्टर हो जाओगे वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अपने जो भी यूट्यूब के बैचेज़ होते हैं ना उन सबकी पी अपने को अपनी ऐप पर मिल जाती है ठीक है तो अगर आपको ये की पॉइंट याद है तो आप देखकर ही आंसर लगा दोगे अब जैसे आपने यहां पर देखा कि कोबाल्ट कोवाल्टी कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड वीक लिगेंड है ठीक तो <coughs> है लीडर बोर्ड दिखाएं लीडर बोर्ड दिखा देंगे पहले आंसर तो लगा दें लीडर बोर्ड ये, ये का लीडर बोर्ड है एकदम रैंकअप हो गई है भैया रेशमा की और आयुष की वेरी गुड बेटा और साइनो बैक्टीरिया की भी रैंकअप चल रही है बढ़िया है इसको कहते हैं रैंक पुश ये वाली रैंक पुश करनी है आपको है ना वो आप पबजी फ्री फायर में रैंक पुश के चक्कर मत लग जाया करो तुम लोग है ना यहाँ रैंक पुश के चक्कर में लगो यहाँ लगोगे तो कॉलेज में ये सारे काम अच्छे से कर पाओगे ये देखो अभी मैंने पबजी का नाम लिया और ये देखो पबजी गुरु आर थर्टी सिक्स उस तो भी नाम रख तुम अरे डॉक्टर बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। अच्छा कर, कर रहे हो बस ऐसे ही करते रहो जिन लोगों के नाम नहीं भी हैं इसका मतलब यह नहीं है ये लीडर बोर्ड सिर्फ तुम्हें चेयर अप करने के लिए है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसे ही करते रहो नेक्स्ट चलो बेटा अब आगे और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे जल्दी जल्दी आंसर जल्दी जल्दी आंसर बताने ठीक है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ये वाला कॉम्प्लेक्स ये आपको कॉपी में करा रखा है बहुत डिटेल में करा रखा है चलो फटाफट से आंसर देंगे इसका टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन विद वन अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें फिर बोल रहा है दूसरा ऑप्शन स्क्वायर प्रेनर कॉन्फ़िगरेशन है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है फिर बोल रहा है टेट्राहेड्रल है और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड और स्क्वायर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पेड तो बेटा देखो यहां पर कॉपर प्लस टू में है और कॉपर प्लस टू जो होता है बेटा डी नाइनफिग्रेशन होता है डी में नौ इलेक्ट्रॉन है तो बात है एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही मिलेगा यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते अब आंसर या तो ए जाएगा या बी जाएगा और ये अपन ने तो स्पेशली किया था बेटा ये तो स्विट्जर सॉल्ट है स्विट्जरलैंड से मंगाया था इसको स्विट्जर सॉल्ट है सी यू एन एच थ्री होल फोर बाहर सल्फेट ब्लू का कॉम्प्लेक्स है ना तो ये तो स्विजर सोल्ट है इसमें याद है ना क्या हुआ था कॉपर डी नाइन कॉन्फिग्रेशन था ने D के को उठा के बाहर पटक दिया था कॉपर के थ्री डी में नौ इलेक्ट्रॉन थे एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ ये थ्री डी था ये फोर एस है ये फोर पी है तो यहां पर डी टू हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए कॉपर ने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां पटक दिया था है ना? ये ऐसे पटक दिया था कैसे पटका था ये ऐसे। तो ये खाली हो गया और ये अगर खाली हो गया ये अगर खाली हो गया तो यहां अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट अगर करेगा तो डी एस पी टू यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो स्क्वायर प्लेनर होगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा आंसर आ जाएगा इसका बी वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे नेक्स्ट अभी जब चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तब लास्ट में लीडर बोर्ड दिखाऊंगा कि भाई कोऑर्डिनेशन में किसने कितना अच्छा किया ठीक है देखते हैं कोऑर्डिनेशन में टॉप कौन करता है ठीक है देखते हैं इस चैप्टर में टॉप कौन करता है फिर ऐसे अगले चैप्टर में देखेंगे कौन टॉप करता है है ना तो आज रियल में तुम्हारा टेस्ट है रियल टेस्ट तुम लोगों ने दिया होगा ये आज तुम्हारा रियल में टेस्ट है चलो बेटा लाइव टेस्ट है ये लाइव टेस्ट और हाँ इस टेस्ट में आप अपनी नोटबुक खोल सकते हो मतलब ओपन बुक टेस्ट है ये आप आराम से नोटबुक खोल के रखो आंसर दो बस आपको टॉप पे आना है ठीक है, है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर आपको इनमें से कौन स्क्वायर प्लेनर है तो सबसे पहली बात तो उसके लिए कॉर्डिनेशन नंबर चार होना चाहिए और होल फोर बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये तो तुम है ना मतलब कभी भूलना ही मत ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट कॉम्प्लेक्स है एनआईसी याद है ना इसमें हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होता है ये टेट्राइट्रल होता है एग्जामिनर का बहुत फेवरेट कॉम्प्लेक्स है बेटा यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है एनआईसीओ होल होलफोर बहुत बार आ चुका है यह ठीक है इधर अगर आप देखोगे बेटा कॉपर प्लस टू में है डी नाइन कॉन्फिग्रेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर ट्रांसफरेंस हो जाएगा जैसा यहां पर हुआ था यहां पर ट्रांसफरेंस हो जाएगा

कोई पेरिंग नहीं होगी इसका मतलब ये टेट्रा ही रहेगा और यह भी यहाँ तो पेयरिंग होने के बाद भी ये टेट्रा हेड्रल होता है क्यों क्योंकि निकिल जब इसका कॉन्फिग्रेशन भरेंगे यह है थ्री डी ये है फोर एस और इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार का है निकिल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका कॉन्फिग्रेशन रहेगा फोर एस टू थ्री डी एट ये रहा फोर एस टू अब अगर सीओ को जुड़ना है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा पहले और हाइब्रिडाइजेशन बिना ऐसे होता नहीं है तो फोरस के इलेक्ट्रॉन ऐसे पीछे जाकर पेयर होंगे अगर ये पीछे जाकर पेयर होंगे अरे यार अरे वाह आ गया आ गया आ गया, आ गया गया बच गए बच गए बच गए बच गए बच गये, बच गए गए तो ये अगर पीछे जाकर पेयर होगा तो ये खाली हो जाएगा बेटा है ना ये खाली हो जाएगा हाँ ये खाली हो गया तो इधर हो जाएगी पेयरिंग और ये रहा पी तो एस पी थ्री यहाँ पर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा सर ई एन एस एफ एल वाई बेटा ई एन एस एफ एल सी है बात है इसमें नाइट्रोजन डोनर आइटम है ना EN का स्ट्रक्चर कैसा है सी एच टू सी एच टू एन एच टू ये भी nh2 टू तो इसमें नाइट्रोजन डोनर आइटम है इसमें नाइट्रोजन डोनर आइटम है तो जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन डोनर आइटम हो वो कैसा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ठीक है ठीक है अरे आंसर टाइप कर दिया करो वो कैच हो जाएगा ठीक है गधो नेक्स्ट अभी तक पोल के पीछे पड़े हो तुम लोग पोल नहीं आ रहा पोल नहीं आ रहा नेक्स्ट बताओ भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा चलो पोल लगा रहे हैं आंसर देना तुम लोगों को ये इतना चौड़ा कैसे हो गया बताओ तुम लोग आंसर लगाओ तब तो तक मैं इसका जुगाड़ करता हूँ कुछ अरे हो जा भाई छोटा ठीक है मत हो मत हो ठीक है तू चौड़ा ही रहे हाँ भाई आंसर लगाओ ये भी चौड़ में आ रहा है मतलब बताओ नहीं रहा है चलो फटाफट से आंसर लगाएंगे बेटा आपसे पूछा गया ओ होल फोर एन फोर और एल फोर स्पीशीज द हाइब्रिडाइजेशन ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स आपकी कॉपी में हैं ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स आपकी कॉपी में प्रेजेंट हैं तो आंसर बता देता हूं मैं ये तो अभी अभी अपन ने निकाला एसपी थ्री होता है एन आई सी एन फोर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा और एन आई प्लस टू में है यहाँ पर एनआई जीरो में था यहाँ पर एनआई प्लस टू में तो फोर एस जीरो थ्री डी एट ये पेयरिंग करवा देगा पेयरिंग करवा के डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ले आएगा क्या ले आएगा डी एस पी टू और ये पेयरिंग नहीं करवाएगा यहाँ पर भी एन आई प्लस टू में ये पेयरिंग नहीं करवाएगा तो ये एस पी थ्री ही रहेगा तो एस पी थ्री डी एस पी टू एस पी थ्री एस पी थ्री डी एस पी टू एस पी थ्री आंसर हो जाएगा हमारा डी ठीक है और डी एस पी टू में कौन सा वाला डी पार्टिसिपेट करता है जल्दी से लिख के बताओ फटाफट से कौन सा वाला डी पार्टिसिपेट करता है डी टू में जल्दी बताएंगे सर एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर बता दीजिए अभी बताता हूं ना आगे लिगेंड्स का पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा दूंगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है सबसे वीक कौन है वो वापस से लिखवा दूंगा ठीक है डी जेड स्क्वायर नहीं बेटा डी जेड स्क्वायर नहीं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तुम्हारी बुद्धि में घाटा सा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ खा लिया तुम लोगों ने इसकी वजह से इसकी वजह से सिक्सटी टू परसेंट आंसर सही है इसकी वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स चलो बताओ फटाफट फड़ से इनमें से कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा अभी ट्रिक बताई थी तुमको अभी ट्रिक बताई थी है ना पहले तो आंसर लगाओ तुम लोग पोल पे अरे भाई ये सब क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये सब आंसर बताओ इसका आशीष कुमार आशीष बेटा यूट्यूब पे ये सब नहीं करते कूल बनने के लिए अगर धर लिए गए अभी तो दिक्कत हो जाएगी हाँ अगर यूट्यूब पे कूल बनने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो बेइज्जती भी उतनी ज़्यादा ही होती है ठीक है आंसर बताएंगे फटाफट से बेटा ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो देखो सारे के सारे फील्ड लिगेंड दिख रहे हैं अब सबसे पहले अगर आपको ट्रिक याद है तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था D1 से D3 थ्री यहाँ कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स सभी में कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है अगर कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो ऑलवेज डी टू हाइब्रिडाइजेशन आएगा अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब D1 D2 D3 अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा ठीक है और यह भी बताया था कि D8 से D10 कैसा ही लिगेंड आ जाए ऑलवेज एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलवेजर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सबसे पहले तो यह देख लो कहीं D8 D9 D10 तो नहीं आ रहा तो यहां पर हमने देखा तो निकिल प्लस टू में है और निकिल प्लस टू में रखता है फोर एस जीरो थ्री डी एट कॉन्फिग्रेशन डी एट कॉन्फिग्रेशन मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हंड्रेड परसेंट होगा ही होगा तो आंसर तो आ गया बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं आ जाओ एम एन प्लस टू एम एन प्लस टू क्या होता है बेटा डी फाइव कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा डी फाइव के लिए क्या होता है बेटा डी फोर से डी सेवन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है d5 है तो इनर ऑर्बिटल बन जाएगा इधर d6 सिक्स कॉन्फिग्रेशन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इधर d6 सिक्स कॉन्फिग्रेशन है इनर और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आंसर आएगा ए क्या आंसर आ जाएगा बेटा ए आंसर आ जाएगा वेरी गुड अरे यार ये बड़े पे बड़ा हुए जा रहा है ये छोटा हो ही नहीं रहा है बोटे में भी ये इतना बड़ा है ये पता नहीं क्या हो गया इसको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एम एन सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव इसके रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है तुम लोग आंसर लगाओ तब तक मैं इसके ऑप्शन तुमको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है अपने को बेटा यहाँ पर एम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है पहले तो एम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आ गया क्या एम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस थ्री आ गया तो इसका कॉन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा आर्गन फोर एस टू थ्री डी फाइव होता है तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो थ्री डी फोर हो जाएगा ठीक है डी फोर अगर हो गया तो ये लो ऐसे स्प्लिटिंग करवा के बनाएंगे अपन तो ठीक है ये थ्री डी है ये फोर एस है ये 4p है ठीक है अब लिगेंड कैसा बेटा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा के डी फोर भर दो डी में चार इलेक्ट्रॉन कर दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग भरवा पेयरिंग करवा के एक दो तीन और ये चार ठीक है ये आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा इसका डी टू एस पी थ्री अपने को हाइब्रिडाइज गलत है और ये भी गलत है ये भी गलत है डी एस पी टू तो होगा ही नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो लो हाइब्रिडाइजेशन से आंसर आ गया आंसर आ जाएगा बी इट इज डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज एंड ऑक्टाहाइड्रल ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो ऑक्टाहाइड्रल होगा और यहां से देखकर ही पहचान जाना चाहिए था अपने को कि अगर डी अपना डी फोर कॉन्फिग्रेशन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी टू थ्री आएगा है ना इसको फटाफट से भी सॉल्व कर सकते थे अपन आंसर क्या है अपना बी कितने लोगों ने दिया वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स सीओ एच टू ओ होल सिक्स प्लस टू करेक्ट स्टेटमेंट सीओ एच टू ओ होल सिक्स प्लस टू करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा देखो कोबाल्ट प्लस टू में है

छह और ये सात कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तीन तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट थ्री पॉइंट एट सेवन बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा ठीक है और तीन अनपेड है तो पैरा अपना डी आंसर आ जाएगा डी ठीक है सही चल रही गाड़ी आगे बढ़े द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोवमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज टू पॉइंट एट फोर बोर मैग्नेटॉन द करेक्ट वन इज इनमें से किस में यह मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए दो तो आपको कॉन्फिग्रेशन भरना है और यह चेक करना है इनमें से किसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे चलो फटाफट से पोल लगा रहा हूं आंसर देंगे बताएंगे बेटा तो डी फोर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो आप ऐसे बेटा पेरिंग करवाने के लिए ना पहले से स्प्लिटिंग करवा के ऐसे तैयार रखो ठीक है अब D5 फाइव फील्ड लिगेंड D7 सेवन वीक फील्डेंड डी फाइव वीक लिगेंड ऐसे बताना है आपको तो सबसे पहले दे रखा डी फोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक दो तीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के पेयरिंग करवा देंगे ये हो गई पेयरिंग लो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यहीं आ गया पहला ही आंसर आ गया अपना तो पहला ही आंसर हो जाएगा डी फाइव में क्या होगा एक दो तीन चार अच्छा वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड इगेंट है अगर तो यहां से इसको हटा दो एक बार हाँ ठीक है एक दो तीन ये चार और ये पांच वीक फील्ड लिगेंड मान लिया तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे डी सेवन वीक फील्ड और स्ट्रॉग फील्ड दोनों में तो एक दो तीन चार पांच छह और सात ये तो हो गया वीक फील्ड लिगेंड मान के और एक दो तीन चार पांच छह सात वीक फील्ड लिगेंड में तीन आ रहे हैं स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड में एक अनपेड आता दो तो फिर भी नहीं आते और डी फाइव स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड में एक दो तीन चार पांच एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता आंसर आ गया अपना ए आंसर आ गया ए नेक्स्ट. स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताओ इसका तो आंसर सही बता दोगे नालायकों इसमें तो कम से कम हंड्रेड परसेंट आंसर दे दो हाथ जोड़ू तुम्हारे ऐसे कोनी तक नालायकों बताओ इसका आंसर बताओ ये तो अभी अभी बताया भी है फटाफट पट से इसका आंसर देंगे हाँ, हो गया तो आंसर आ जाएगा बी चलो आगे बढ़े नेक्स्ट ऑफ़ द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल तुम लोग आंसर छापो फटाफट से तब तक मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए अपने को, तो है बेटा और वीक लिगेंड है डी फाइव कॉन्फिग्रेशन है और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे प्लस थ्री यानी कि डी थ्री कॉन्फिग्रेशन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो डी थ्री कॉन्फिग्रेशन में पेयरिंग नहीं होती है तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे Ni प्लस टू डी एट कॉन्फिग्रेशन है एट कॉन्फिगरेशन है तो इसमें भी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो पेयरिंग नहीं होती है और डी एट कॉन्फिग्रेशन जब आप भरोगे तो आपको दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ऐसी कोबाल्ट प्लस थ्री है कोबाल्ट प्लस थ्री में डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग हो जाने पर जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ए क्या आंसर आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा ये बी क्या सोच के लगा रहे हो तुम लोग कहा गया इधर आ ठीक है आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट विच ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी इनमें से सबसे कम स्प्लिटिंग किसमें है तो बेटा लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है ये जो स्प्लिटिंग होती है ना ये किस पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा तो आपसे पूछा है कि सबसे कम स्प्लिटिंग किसमें है तो सबसे कम स्ट्रेंथ जिस लिगंड की होगी वो सबसे कम स्प्लिटिंग करवाएगा सी एन एन तो एच थ्री सी एल एच टू इनमें से सबसे वीक है ये वाला तो आंसर आ जाएगा सी अब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है सर कैसे याद रखे कौन स्ट्रॉग है और कौन वीक है तो याद है इसको कैसे याद किया था अपन ने आई बहार सनी क्लास से फरार ओ ऑक्स पानी में नाचा इतना ठीक है? एक तो ये है और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे कौन से अमोनिया पिरीडिन डाइपिरीडिन बीच में फंस गया इन NO2, CN, टू सी एन सी ओ ये आपकी प्रायोरिटी सीरीज है ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने इनको जमाया हुआ है ठीक है आई बाहर सनी क्लास से फरार ओ ऑक्स पानी में नाचा इतना अमोनिया पिरीडीन डाइपिडिन बीच में फंस गया इन एनोडोसुन सीओ इस तरीके से हमने इसको याद किया था ठीक है हो गया याद ओ ऑक्स पानी में नाचा इतना ठीक है, है ना तो बेटा कई बार इसी पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं इसी पर बेस ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े तो आंसर आ गया अपना सीएल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इनकरेक्ट अपने को बताना है स्टेबिलिटी का इनकरेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी का इनकरेक्ट ऑर्डर अब स्टेबिलिटी भी किस पर डिपेंड करती है बेटा स्प्लिटिंग पर स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो आपको बस ये देखना है और स्टेबिलिटी की जब बात आ जाती है तो इसमें सबसे मेन फैक्टर आ जाता है कौन सा बेटा चिलेशन ये मैंने आपको कैसे याद करवाया था याद है कि अगर चिलेशन नजर आ जाए तो सारे फैक्टर छोड़ दो और चिलेशन से नाता जोड़ दो यानी कि सारे फैक्टर छोड़ दो और चिलेशन के बेस पे आंसर लगा दो तो यहां पर चिलेशन दिख रहा है तो अगर इनमें करना है तो इधर अपने तो चिलेशन से ही अपने चेक करेंगे ठीक है आ जाओ इसको चेक कर लेते जैसे कि यहां पर बेटा चिलेटिंग बन रही है इसमें चिलेशन है इसमें चिलेशन नहीं है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा अपने को क्या बताना है इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है

चार रिंग बनती है एक डीएमजी दो रिंग बनाता है तो दो डीएमजी कितनी बना लेंगे आ, एक डीएमजी एक रिंग बनाता है दो डीएमजी दो रिंग बना लेंगे और दो बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो टोटल इसमें कितनी रिंग बन जाएगी चार तो इसमें चार रिंग है इसमें दो ही रिंग है फिर भी इसको ज्यादा स्टेबल दे रखा है यानी कि ये इनकरेक्ट ऑर्डर है आंसर जाएगा हमारा सी और यहां पर कौन सा फैक्टर लग रहा है देखो इधर एफ e पे प्लस थ्री चार्ज है इधर एफ e पे प्लस टू चार्ज है एफ e पर प्लस थ्री एफ पे e प्लस टू जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उसमें स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी बेटा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये करेक्ट ऑर्डर है आंसर आ जाएगा सी ठीक है इस पर क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने सी में ठीक है नेक्स्ट ऑक्टा क्रिस्टल फील्ड द जी तो अपने को पता ही है ऑर्बिटल्स अपने जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना में वो ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं टी टू जी और ईजी ये होते हैं EG, ये टी टू जी ये ओवरऑल एनर्जी लेवल होता है जिसको बैरी सेंटर बोलते हैं तो टी टू जी वाले एनर्जी में गिर जाते हैं और ईजी वालों की एनर्जी बढ़ जाती है ई जी वालों की एनर्जी बढ़ जाती है बेटा तो अपने से टी टू जी के बारे में पूछा है तो दे आर लोअर्ड बाय और कितने जितनी इनकी बढ़ती है उतनी इनकी कम हो जाती है तो अगर ये पॉइंट सिक्स से बढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट फोर से कम हो जाते हैं तो इट इज लोअर्ड बाय पॉइंट फोर आंसर आ जाएगा बी इट इज लोअर्ड बाय पॉइंट फोर ठीक है नेक्स्ट चूज इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें भी स्टेबिलिटी बताना है ठीक है तो देख लेते हैं देखो अपने को क्या दे रखा है एक तो दे रखा है सी यू एन एच थ्री फोर एक दे रखा सी होल होल्डवाइज और एक दे रखा सी यू ट्राई इन ट्राई इन जो है बेटा ये टेट्राडेंटेड लिगेंड है ट्राई इन कैसा है टेट्राडेंटेड याद है ना भूल तो नहीं गए नालायकों ये रहा आपका ट्राई इन तो बेटा ये कितना टेट्राडेंटेड है कितनी रिंग बना लेगा ये लो इतनी सारी रिंग्स बना लेगा तो ये कितनी रिंग बना रहा है एक दो तीन ठीक है ये तीन रिंग रिंग बना रहा है 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 एक 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 बनाता इसमें तीन रिंग है इसमें दो रिंग है इसमें एक ही रिंग है चिलेशन प्रेजेंट है तो चिलेशन के बेस पे आंसर देंगे सबसे ज्यादा चिलेशन इसमें है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी इसी की होगी सबसे ज्यादा इसमें फिर इसमें और फिर इसमें आंसर क्या आ जाएगा ए क्या आंसर आ जाएगा बेटा ठीक है पोल दू ठीक है पोल दे देता हूं तुम लोग सीरियसली आंसर कर नहीं रहे थे इसलिए मैंने पोल देना छोड़ दिया लो अभी दे देते हैं ये लो लगाओ आंसर ये अभी अभी तुमने सीरीज याद की है अभी अभी तुमने सीरीज याद की है सीरीज के बेस पे क्या आंसर आ जाएगा जल्दी से बताओ कैसे याद किया था आई बहार सनी क्लास से फरार ओ ऑक्स पानी में नाचा इतना अमोनिया डाई बीच में फंस गया इन N O two C N C O। मेरा डाटा खत्म हो गया आ, लो डाटा पे देख लो बेटा 144 P पे फिर तुमको मैं नहीं नजर आऊंगा फिर कोई और ही नजर आएगा तुमको वो नजर आएगा B T S में नाचता हुआ लिपस्टिक लगा के जो भी वो करता है ना वो वैसा 144 P में देख लो जाओ जिसका डाटा खत्म हो गया है <laughs> 144 P में देख लो इनकरेक्ट बोला है कौन सा ओ अच्छा ओ सॉरी सॉरी इधर इनकरेक्ट बोला है क्या तो फिर ठीक है आंसर अपन इनकरेक्ट वाला लगा लेते हैं। मतलब ये तो करेक्ट है ये तो करेक्ट ऑर्डर है अपने से इनकरेक्ट बोला है इनकरेक्ट तो देख लेते आ जाओ अब यहां पर देखो यहां पर चिलेशन नहीं है मैंने बाकी के ऑप्शंस देखे ही नहीं यहां पर चिलेशन नहीं है तो अगर चिलेशन नहीं है तो किस बेस पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेस पे आंसर लगा देंगे अमोनिया और एनो में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है कहां गया वो अपनी सीरीज कहां गई ये रही अमोनिया और एनो में से किसकी एनो की स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एनो की तो ये गलत हो गया यही आंसर आ जाएगा ये लो इनकरेक्ट पूछा था इनकरेक्ट लगा दिया इधर देखो यहां पर कोबाल्ट रोडियम और इरिडियम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बढ़ती है क्योंकि स्प्लिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ये बढ़े स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी है ना डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है ठीक है तो ये भी ऑर्डर करेक्ट है और क्रोमियम प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री चार्ज बढ़ता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो भी स्प्लिटिंग बढ़ती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जड इफेक्टिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी ये ऑर्डर भी करेक्ट है तो आंसर बेटा बी आ जाएगा आपका ठीक है ये भी करेक्ट ऑर्डर है ये भी करेक्ट ऑर्डर है ये भी करेक्ट ऑर्डर है नेक्स्ट हाँ भाई इसका वाला आंसर लगा रहे थे अपन इसका वाला आंसर लगा रहे थे तो कर लोगे तुम लोग ये तो अब है ना तुमको याद है ही अः देख लो क्या आ जाएगा सी दे रखा है ना तो सी सबसे आगे आएगा सी सबसे आगे एक ही ऑप्शन में है आंसर आ गया डी सी से ज्यादा स्ट्रांग तो कोई लिगेंड ही नहीं है स्ट्रो दिखने में सी जो है वो दिखने में छोटा है और बाकी वैसे स्ट्रेंथ के मामले में वो सबसे आगे रहता है वो ठीक है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड इनमें से कौन कलर्ड है इनमें से कौन कलर्ड है तो कलर के पीछे रीजन क्या होता है बेटा डी डी ट्रांजिशन क्या होता है डी डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर ये दो रीजन पड़े अपन ने तो मेनली कॉम्प्लेक्सिस में जो कलर का रीजन होता है वो तो होता है डी डी ट्रांजिशन फिर अगर डी जीरो आ जाए और चार्ज ज्यादा हो तब चार्ज ट्रांसफर से अपने को कलर देखने को मिलता है तो ये तो सारे अपने को डी डी ट्रांजिशन वाले ही नजर आ रहे हैं

वेनेडियम तो और स्कैंडियम मतलब मतलब तो वैसे भी कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि सिर्फ प्लस थ्री में रहता है और प्लस थ्री है डी जीरो डी अपना नो डी डी ट्रांजिशन आंसर आ जाएगा हमारा सी आंसर क्या आ जाएगा बेटा सी आंसर विल बी सी नेक्स्ट कैटलिस्ट कौन सा है इनमें चलो फटाफट से पोल लगा रहा हूं आंसर देंगे बेटा इनमें से कौन विल्किसन कैटलिस्ट होता है याद रखना है आपको ये फॉर्मूला ये तो ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने विलकिंसन नजर आ रहा है जिगलर नाटा नजर आ रहा है देखो <coughs> बताओ फटाफट भड़ से आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए सभी का हो गया बढ़िया आंसर ये अपना विल्किंसन कैटलिस्ट होता है बेटा है ना ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में नेक्स्ट ये एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन आपको एनसीआर का जो एक लास्ट पैराग्राफ है वो मैंने पढ़ा रखा है है ना वहां से अगर क्वेश्चन आया तो कुछ इस प्रकार का आएगा वहां पर कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं आपको एक छोटा सा मैंने आधे पौन घंटे का वीडियो है वो मतलब वो क्लास का ही है अपना वो जरूर देख लेना आपको एप्लीकेशन अगर रिवाइज करनी है तो है ना उसमें आपको मैंने सारी एनसीआरटी की एप्लीकेशन डिटेल में बता रखी हैं आपने से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायो बायोमोलिक्यूल कंटेनर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट तो तुम लोगों से ज्यादा बेटर कौन ही जानता होगा इसका आंसर तो चलो बताओ फटाफट से बताओ फटाफट से विटामिन बी ट्वेल्व क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन और इंसुलिन इनमें से किस में एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है तो बेटा विटामिन बी ट्वेल्व की बात करें तो इसमें कौन होता है साइनो ये इसका नाम होता है कोबाल्ट होता है क्लोरोफिल में कौन होता है एम जी हीमोग्लोबिन में कौन होता है आयरन और इंसुलिन में कौन होता है जिंक आंसर क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा अपना बी आंसर आ जाएगा बी बी विल बी द राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर तो ये था अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने लगभग लगभग पूरा चैप्टर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज किया ठीक है अब इसके बाद डी ब्लॉक डी ब्लॉक ही कर लें दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं जल्दी हो जाएगा डी ब्लॉक है ना डी ब्लॉक पर आ जाए है ना चलो फिर डी ब्लॉक के बाद अपन वापस से पोल करवाएंगे कि डी ब्लॉक के बाद क्या लेना चाहिए पी ब्लॉक या फिर पीरियडिक टेबल या फिर केमिकल बॉन्डिंग ठीक है ना पक्का पक्का है ना भाई कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक क्या है मिलते जुलते चैप्टर हैं तो फिर इसके बाद अपन पी ब्लॉक लेंगे या फिर पीरियडिक टेबल या फिर केमिकल बॉन्डिंग वो उसके लिए अपन पोल करवा लेंगे ठीक है पक्का चलेगा पीरियडिक टेबल तो वैसे ही इतना पढ़ चुके तुम लोग अब कितना रिवाइज करोगे पीरियडिक टेबल को लीडर बोर्ड देखते हैं अब ना चलो किसने टॉप किया लीडर बोर्ड पे चलो पता लगाते हैं तो मयंक बेनीवाल करेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन अटेम्प्टेड ट्वेंटी सिक्स वेरी गुड बेटा मयंक बेनीवाल बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बस ऐसे ही लगे रहो तुम लोग मजा आ जाएगा सीरियसली डॉक्टर uh, युवराज रेशमा आयुष ऋत्विका कुणाल विजय ज्योति और मिष्ठी और द शील्ड जो कि रैंक अप करके टॉप टेन में पहुंच चुके हैं बहुत बढ़िया है बेटा वेरी गुड वेरी गुड बेटा ठीक है आगे बढ़ें कितना टाइम लगेगा डी ब्लॉक में इससे तो कम ही लगेगा कॉर्डिनेशन से तो कम ही लगेगा डी तो ब्लॉक में कम है क्वेश्चन है ना क्योंकि चैप्टर भी छोटा है है ना डी एंड एफ चालू कर दें फटाफट से पूरे क्वेश्चन हाँ मतलब कोऑर्डिनेशन के ओवरऑल तो पचास के लगभग क्वेश्चंस होंगे है ना डाउट बॉक्स चेक करूँ डाउट बॉक्स चेक कर लेते हैं सर आपके साथ मज़ा आया आयोसी पढ़ के अरिगाटोसी ये क्या होता है वैसे इसका मतलब बता दो ये तो समझ में आ गया मेरे को मज़ा आया वो तो ठीक है ये जो तुमने लिखा है इसका मतलब मुझे नहीं पता है ना इसके लिए सॉरी और जिंक भी तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना हाँ उरे ये बात तो सही कही तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने बहुत बढ़िया बेटा आ गया तो क्वेश्चन कहाँ गया वाला बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया ध्यान अच्छा दिया है ना लेकिन फिर भी इसका आंसर अपन बी ही देंगे हाँ हालांकि जिंक भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो आंसर ये भी जाएगा बट मान लो अब एग्जाम में नीट में मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ये ऐसा पहले भी हो चुका है हाँ ऐसा पहले भी हो चुका है जेई मेन में, में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और उसमें आंसर जिंक गया था मतलब ऐसा बोला था इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ठीक है तो आंसर जिंक गया था अभी अपने को अगर अपन यहां पर देखे तो उसकी भावनाओं से ये लग रहा है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है है ना तो अगर ये क्वेश्चन नीट में भी आता बेटा तो इसका आंसर बी ही जाता ठीक है तो है ना ठीक है जापानीज में थैंक यू ओके ओके जापानीज में थैंक यू ऐसे बोलते हैं तो बेटा ऐसे यू नॉर्मली बोल देते धन्यवाद बोल देते या फिर थैंक यू बोल देते तो मैं वैसे समझ जाता जंग कुक जियन जापान से क्लास अटेंड कर रहे हो क्या आप अगर जापान से अटेंड कर रहे हो तो फिर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अरीगाटो सेंसी अरीगाटो सेंसी सब जापानी कार्टून देखने के नतीजे हैं ये उधर जाओ नालायकों चलिए बेटा फटाफट से डी एंड एफ ब्लॉक शुरू करते हैं फटाफट से डी एंड एफ को भी रिवाइज करते हैं बेटा ये दो चैप्टर ना इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा बढ़ गई है ट्वेल्थ वाले पार्ट में क्योंकि मेटलर्जी हट गया पी ब्लॉक 80 परसेंट हट गया तो अब इन दो चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है डी ब्लॉक से देखना इस बार भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे कॉर्डिनेशन और डी ब्लॉक दोनों से अच्छे क्वेश्चन आएंगे सच बोल रहा हूं मैं ये तुम हंस रहे हो तुमको ऐसा लग रहा है ये जापानी कार्टून देख देख के तुम लोग ऐसे हुए हो है ना कौन कौन से जापानी कार्टून देखते तुम लोग सब मालूम है मुझे चलिए डी एन डेवलॉग शुरू करते हैं नेक्स्ट चलिए जग मगाता हुआ पहला क्वेश्चन यहां पर एंटर कर चुका है और कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है देखो डी ब्लॉक से जो सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे बेटा वो आएंगे कॉन्फ़िगरेशन से तो आपको सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने चाहिए मैंने आपको सभी के कॉन्फिगुरेशन अच्छे से याद करवा रखे हैं कॉन्फिग्रेशन याद है ना मैंने कैसे करवाए थे जो अपनी थ्री सीरीज है उसमें बस ये याद रख लो कौन से एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर फिर इनका एक्सेप्शन वाला कॉन्फिगुरेशन कैसे दिख रहा था 4s एस का इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाता है थ्री डी में तो इधर फोर एस वन थ्री डी फाइव हो जाता है और इधर फोर एस वन थ्री डी टेन हो जाता है बात समझ में आ रही है क्या ठीक है ऐसे फोर डी सीरीज की बात करें अगर बेटा तो फोर डी सीज भी मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेज है फिर ऐसे फाइव डी सीरीज में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेज है ऐसे दो ही थे प्लेटिनम और गोल्ड ऐसी सिक्स डी सीरीज यानी कि लास्ट वाली सेवंथ सीरीज में भी बता दिया था सबसे ज्यादा मुश्किल लगने वाली सीरीज के सबसे आसान कॉन्फिग्रेशन है याद है ना आर डी शर्मा बुक में है मैथ के डिजाइनर रंगीन कंफ्यूजन उसमें से सिर्फ रॉइंट ग ऐसा था जिसका एक्सेप्शनल कॉन्फिगुरेशन था मतलब उसका कॉन्फिग्रेशन वो वाला था सेवन एस वन सिक्स डी टेन बाकी सबका नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन था याद है ना तो कॉन्फिग्रेशन वाला पार्ट देख लेना एक बार और अब यहां पर आपको यह बताना है कि इनमें से किसका द uh, बेटा तो थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज और फाइव डी सीरीज थ्री डी सीरीज वाले फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है ये फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं और ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं है ना 5d सीरीज वाले 6th पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो 6th पीरियड में कौन-कौन से सबशेल फिल होंगे 6th पीरियड में याद है ना एक पीरियड में भरने वाले सबशेल कौन-कौन से होते हैं ns सबसे पहले भरता है np सबसे लास्ट में फिर n-1 d फिर n-2 f तो 6th पीरियड में अगर आप भर रहे हो तो 6s भरेगा 6p भरेगा n-1 d यानी कि फाइव डी भरेगा और बेटा फोर एफ भरेगा ठीक है तो देख लो ये वाले कॉन्फिग्रेशन इधर से और सीरीज के एलिमेंट्स जो हैं उनमें एक से चौदह तक नहीं चौदह इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे ही मिलेंगे इधर जीरो से दो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इधर एक से दो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ठीक है चलो देख लेते हैं फाइव एफ वाला तो वैसे ही काट दो सिक्स एस में एक से दो और जीरो से चौदह मेरे ख्याल से यही आंसर जाना चाहिए फाइव डी में एक से लेके दस तक और सिक्स एस में जीरो से लेके दो तक हो सकते हैं पॉसिबल है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है और फोर एफ फोर्टीन अब फोर एफ फोर्टीन की बात करें तो अपनी जो थ्री डी मतलब थर्ड ग्रुप वाली जो लाइन है वहाँ पर फोर एफ फोर्टीन जो कि लेंथेनम है बेटा लेंथेनम में एफ uh, जो होता है वो जीरो होता है तो फोर एफ में अगर एक दे रखा है या चौदह दे रखे तो ये तो वैसे ही गलत हो गया इसका मतलब आंसर आना चाहिए आपका क्या सी करेक्ट आंसर विल बी सी क्या आंसर आ जाएगा करेक्ट कितने लोगों ने दिया है ओ माई गॉड ओ मा गो टूरू लव हो गया तुम्हारा अरे बेटा 4f14 एफ फोर्टीन लिखा हुआ है यहां पे अब अगर आप 5d सीरीज एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो 5d सीरीज एलिमेंट लेंथेनम भी तो है और लेंथेनम में तो 4f0 होता है, तो यहां पर 4F14 लिखा हुआ है अगर जीरो से 14 लिखा होता तब यह आंसर सही जाता तो जीरो से 14 तो यहीं पर लिखा हुआ है बस ठीक है नोबल गैस भी तो देखो हाँ अच्छा हाँ नोबल गैस भी तो देख सकते हैं ना यहाँ पर क्रिप्टॉन दे रखी है तो क्रिप्टॉन से तो वैसे ही गलत हो गया ये रिडॉन से गलत हो गया बचे ये दोनों बचे ये दोनों है ना तो फिफ्थ पीरियड की नोबल गैस आ गई बस उसी के बेस पे आंसर आ जाएगा नेक्स्ट वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट पट से द ट्रेंड इन आइनाइजेशन एंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट रेगुलर बिकॉज रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अल्टर द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ फोरस एंड थ्री डी ऑर्बिटल हाँ एनसीआरटी की लाइन है बेटा ये तो एनसीआर में ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है मतलब जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो अब ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो उसकी वजह से जो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती है सर मैंने अभी ज्वाइन किया है क्या क्या हो गया बेटा सिर्फ कॉर्डिनेशन हुआ है कॉर्डिनेशन वाला पार्ट देख लेना फटा फटाफट से टू पे लगा के अभी डी ब्लॉक जस्ट चालू किया है अभी तक सिर्फ कॉर्डिनेशन खत्म हुआ है ठीक है तो ठीक है ये हो गया ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी से तो जा ही सकता है पर हर किसी केस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही जो है इरेगुलर अपने को आयनाइजेशन एनर्जी मिले मतलब इसको आप अपन ऑलवेज नहीं बोल सकते ऐसा ऑलवेज होता है ऐसा अपन नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बेस पे अपन आंसर लगाते हैं पर और दूसरे फैक्टर भी तो होते हैं और दूसरे फैक्टर भी तो होते हैं स्क्रीन अपना पेनिट्रेशन uh, पावर हो गया अपना स्टेबल कॉन्फिग्रेशन हो गया है ना साइज हो गया और भी तो फैक्टर्स होते हैं तो रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द रिलेटिव स्टेबिलिटी हाँ ठीक है आंसर सही है ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ये भी सही है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ फोर एफ नहीं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में थोड़ी ना ये सही है 4F की की पुअर स्क्रीनिंग वजह से आइनाइजेशन एनर्जी फाइव डी वालों की बढ़ती है सिर्फ पर यह तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं जा सकता ये स्टेटमेंट सही जाता अगर आंसर ए और बी होता तो अपन इसको और इसको भी बोलते पर अपना तो आंसर सिर्फ यहां पर अभी ए ही जाएगा यहां पर आंसर सिर्फ ए जाएगा नलायको ठीक है नेक्स्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज एंड आयरन आर रेस्पेक्टिवली दिस 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 विच वन ऑफ द मे एक्सपेक्टेड ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है फटाफट से इसका आंसर लगाएंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है इसका आंसर लगाएंगे फटाफट से लगाओ फटाफट एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम क्रोमियम मैगनीज आयरन आर रेस्पेक्टिवली ये दे रखे हैं सेकेंड आइनाइजेशन हाइएस्ट किसकी हो जाएगी तो बेटा कॉन्फिगुरेशन अगर आप देखोगे तो कॉन्फिगुरेशन क्या होता है आर्गन फोर एस टू थ्री डी फोर एस टू थ्री डी थ्री क्रोमियम क्या हो जाता है आर्गन फोर एस वन थ्री डी फाइव और, S2, 3D, 5, और S2, 3D, अब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नहीं आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा हाईएस्ट किसकी है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनमें से कौन स्टेबल हो जाएगा बेटा इनमें से कौन स्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालती फोर एस जीरो थ्री डी फाइव कॉन्फिगुरेशन बन जाएगा बाकी सब में फोर एस वन फोर एस वन फोर एस वन तो बाकी सब में फोर एस इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा इसमें थ्री वो भी हाफ फील्ड से निकालना रहेगा तो सेकंड आइनाइजेशन एनर्जी हाइएस्ट किसके लिए आ जाएगी बेटा क्रोमियम के लिए आ जाएगी क्रोमियम के लिए आ जाएगी नालायकों कर क्या रहे हो तुम लोग मुझे चिंता हो रही है अब धीरे धीरे मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है तुम्हारे लिए आंसर आ जाएगा बी अरे सेकंड आइनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट पूछी है ना ये अगर थर्ड पूछी होती तो क्या आंसर जाता जल्दी से लिखो थर्ड पूछी होगी तो क्या आंसर जाएगा थर्ड पूछी होगी थर्ड हाईएस्ट पूछी होगी तो फिर आंसर क्या जाएगा जल्दी से लिखेंगे हाँ वेरी गुड बेटा थर्ड पूछी होती तो आंसर सी जाता क्योंकि फिर दो इलेक्ट्रॉन निकालने पर यहां से अब देखो जब तुमको डी ब्लॉक पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पर जनरल प्रॉपर्टीज पर आए थे उसमें अपन ने क्या पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट वगैरह पढ़ा था याद है मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग अपन ने क्या पढ़ा था स्कैंडियम से आगे बढ़ते हैं तो क्रोमियम तक तो मेल्टिंग पॉइंट इनक्रीज करते हैं क्यों क्योंकि मिटैलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है मेटैलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है फिर उसके बाद एम में एकदम से डिप आता है और फिर आयरन के बाद वापिस से कॉपर और जिंक तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं ऐसा पढ़ा था अपन ने है ना तो अपने से पूछ रहा था मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं ठीक है तो स्कैंडियम से लेके

ज़्यादा होती है मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आंसर क्या हो जाएगा सी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये शो करते ही है तुम्हें तो बचपन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यही याद है जब भी तुमसे पूछो तुम यही कहते हो कि हाँ सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम लो तुरंत हाँ सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था याद है क्या एन एस वन से टू एन माइनस वन डी वन टू टेन या फिर वैसे तो यही आपको मिलेगा या फिर यह भी लिखा हुआ मिल सकता है एन एस जीरो से टू एन माइनस वन डी वन टू टेन ये भी सही है ये भी सही है ठीक है तो इनमें से अपने को क्या लिखा हुआ मिला हुआ है देखो पहला वाला ठीक है सी सी विल बी द राइट आंसर बहुत अच्छे बेटा बहुत बढ़िया ठीक है अभी वापस से पोल स्टार्ट करते हैं अपन फिर डी ब्लॉक में लीडर बोर्ड में कौन टॉप टेन में रहता है वो भी देखेंगे अपन ठीक है चलिए अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को वैसे तो सब कुछ ही पढ़ाया हुआ है बताएंगे फटाफट से क्या आंसर जाएगा यहां पर विद फ्लोरिन हाइएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम एन एम एन की हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी जाती है फ्लोरीन के साथ तो की वैसे तो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस सेवन है एमएन की हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो प्लस सेवन है पर फ्लोरीन के साथ कहां तक जाएगा ये आपको बताना है ठीक है तो याद है जब अपन ने लिखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये अपनी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही शो करते हैं उसमें भी ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं ऑक्सीजन को क्यों क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन लगने पर दो प्लस दो की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने उसमें ऐड हो जाती है तो मैंगनीस को अगर प्लस सेवन तक जाना है तो वो एम एन टू ओ सेवन बनाना ज्यादा पसंद करेगा या एम एन एफ सेवन बनाना ज्यादा पसंद करेगा वो एम एन टू ओ सेवन बनाना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि अगर फ्लोरीन के साथ प्लस सेवन में जाना है तो साथ साथ फ्लोरीन लगेंगे साथ साथ फ्लोरीन लगेंगे अगर एम एन के चारों तरफ तो स्टेरिक रिपल्शन होगा उसकी वजह से MnF7 एग्जिस्ट नहीं कर पाता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो जाती है वो प्लस फोर तक जाती है फ्लोरीन के साथ MnF4 एग्जिस्ट करता है जबकि अपना जो क्रोमियम है क्रोमियम तो प्लस सिक्स तक चला जाता है CrF6 बना लेता है CrF6 तो एग्जिस्ट करता है पर MnF7 नहीं करता है Mn फ्लोरीन के साथ सिर्फ +4 तक जाता है अगर फिर इसको प्लस सेवन तक जाना है तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा या फिर ऑक्सीफ्लोराइड बनाएगा मतलब ऐसा बना लेगा एम एन एम एन ओ थ्री एफ बना लेगा ठीक है या फिर एम एन टू ओ सेवन बना लेगा ऐसे बना लेगा मतलब ऑक्सीफ्लोराइड बना लेगा पर वो प्लस सेवन में सिर्फ फ्लोरीन के साथ नहीं जाएगा हाँ ज्यादातर लोगों ने सी आंसर लगाया गधों

तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इसके लिए है तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी प्लस टू में जाने की जैसे कि अपन ये बोलते हैं ना कि लिथियम के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है दैट्स वाई लिथियम इज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल वैसे ही आप यहां पर वैल्यू देखकर आंसर लगा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट द रिएक्शन कॉपर प्लस वन से ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो तुम देखते ही पहचान लोगे <coughs> ये तो तुम देखते ही पहचान लोगे बताओ फटाफट से रिएक्शन कॉपर प्लस वन ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर जीरो में एंड कॉपर प्लस टू में तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है डिस्प्लेसमेंट है, है या फिर डिस्प्रपोशनेशन है ये तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और ये इसलिए डाला है क्योंकि याद है कॉपर प्लस वन एक्वस मीडियम में डिसप्रपोशनेट होता है ये आपको मैंने बताया था यह डिस्प्रपोशनेट हो जाता है क्योंकि एक्वस मीडियम में कॉपर प्लस टू इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है इसलिए कॉपर प्लस वन एक्वस मीडियम में डिस्प्रपोशनेट होके इसमें कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन कौन सी है ये रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्रपोशनेशन रिएक्शन ये भी नहीं पता लग पा रहा तुम लोगों को ये डिस्प्रपोशनेशन है या फिर क्या है, है? बुद्धि कहा चली गई तुम लोगों की <laughs> मयंक बेनीवाल डॉक्टर अभी तो वही लोग चल रहे हैं भैया है टॉप में लेकिन कुछ लोग रैंक अप करके ऊपर आ रहे हैं वेरी गुड शिवम बहुत बढ़िया बेटा ज्योति वेरी गुड कुछ लोग रैंक अप कर रहे हैं वेरी गुड करते रहो करते रहो बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय देखो देखो किसी भी है ना ध्यान से समझना जैसे कि लिथियम के लिए बोता है बोला जाता है कि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सब किस पर डिपेंड करता है ये सब डिपेंड करता है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर ठीक है अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या तो आपको वैल्यू दे रखी हो या फिर आपको वैसे थ्योरिटिकली अगर आइडिया लगाना है कि कौन ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जिसमें यह कन्वर्ट हो रहा है अपना रिडक्स रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या है तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो depend करती है वो डिपेंड करती इस ओवरऑल रिएक्शन पर ठीक है तो जब लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो स्टेप बाय स्टेप अगर, अगर अपन रिएक्शन देखें तो लिथियम अभी सॉलिड स्टेट में है सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होगा लिथियम सॉलिड से पहले गैसेस में कन्वर्ट करेंगे इसको फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे और फिर इस आयन का हाइड्रेशन होगा तो जो ओवरऑल एंथेल चेंज है इस रिएक्शन का वो इस पर इस पर और इस पर इन तीन स्टेप्स पर डिपेंड कर रहा है तो यहां पर इसका सब्लिमेशन हुआ है तो सब्लिमेशन एंथेल लगेगी यहां पर इसका आयनाइजेशन हुआ है तो आयनाइजेशन एंथेल लगेगी और क्योंकि पानी में बात हो रही है हाइड्रेशन हुआ है तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी लगेगी ठीक है तो ये सभी वैल्यूज काम आती है इसकी स्टेबिलिटी को बताने में और इसकी स्टेबिलिटी से अपन आइडिया लगाते हैं कि इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा तो अब अपने को कौन कौन सी वैल्यूज दे, दे रखी है देखो अपने को ऑफ ऑफ सब्लिमेशन दे दे रखी रखी है है फाइनाइजेशन हाइड्रेशन भी दे रखी है मतलब इन तीनों पर ही डिपेंड करता है यानी कि आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज अब ये जो ओवरऑल वैल्यू है ना ये वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ज्यादा ये रिएक्शन आगे जाएगी मतलब उतना बेटर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा मतलब ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा तो ये किस पर डिपेंड कर रही है ये जो ओवरऑल एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल आई प्लस है ये किस पर डिपेंड कर रही है बेटा सब्लिमेशन पर डिपेंड कर रही है आइनाइजेशन पर डिपेंड कर रही है और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड कर रही है इन तीनों पर डिपेंड करती है ठीक है आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज क्या ऑल ऑफ दीज ठीक है नेक्स्ट इंटस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स सही है इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसे ही बनते जब इंटरस्टिशियल साइट में विच फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनमें से कौन सी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है तो आ, अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़े थे है ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अलॉय फॉर्मेशन एंड कैटेटिक प्रॉपर्टी ये तीन चार प्रॉपर्टी है जो एक साथ दे रखी है एनसीआरटी में और अपने उसी ऑर्डर में पढ़ी है एक बार फटाफट से इनको रिवाइज कर लो देख लो अपनी नजरों के सामने से इनको गुजार लो ठीक है

इनकरेक्ट स्टेटमेंट चलो इस पर पोल लगाते हैं अपन है ना अभी देखना तुम लोग ऐसे गधों जैसे जवाब दोगे है ना कुछ तो भी आंसर लगाओगे चलिए पहला ऑप्शन आईनाइजेशन एनर्जी ऑफ फाइव डी सीज एलिमेंट आर पहले तो तुम लोग अटेम्प्ट कर लो पांच दस सेकेंड का टाइम देता हूं फिर उसके बाद मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ देख लो <coughs> बढ़िया बढ़िया कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा कुछ लोग नहीं काफी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं दिख रहा है दिख रहा है मतलब चैट में तुम लोगों के आंसर में देख रहा हूँ यहाँ तो खैर पोल में कई लोग जो आंसर दे रहे हो जानबूझ के गलत दे रहे हैं पर हाँ चैट में तुम लोग ठीक आंसर दे रहे हो अच्छा है तो बेटा आईनाइजेशन एनर्जी ऑफ फाइव डी एलिमेंट आर ग्रेटर देन दो हाँ आईनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको बताया था क्या ये वाला याद है क्या फाइव डी थ्री डी एंड फोर डी यही वाला ऑर्डर था फाइव डी थ्री डी एंड फोर डी ठीक है और ऐसा क्यों होता है ड्यू टू

तो ये स्टेटमेंट भी सही है ट्रांजिशन एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म ये तो देखकर ही पता लग रहा है आंसर डी आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही तो प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की 88% एट परसेंट क्या बात है दिल पर लग गई क्या है, सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि हम गलत कर रहे हैं अब भी सही आंसर फेंक के मारता हूँ अब भी सही आंसर फेंक के मारता हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी चलो तो फिर इसका भी लगा दो सही आंसर है ना ये सब सीधे सीधे तुम्हारे उसी सीक्वेंस में रिवाइज हो रही है NCRT वाली चीजें अगर आपने एनसीआर है जो कि अपन ने डी पढ़ते टाइम कंप्लीट से ही पढ़ा था सारी सीक्वेंस अपनी हेडिंग के NCRT वाली थी सारा कंटेंट एनसीआरटी वाला था तो ये भी अपन ने वहां पर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की मात्र यही तीन कंडीशन है मैंने वहां पर आपको पता है ये बोला था जब वन शॉट पढ़ाया था इसी चैनल पर तब ये बोला था क्या कि बस यही तीन याद रखना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मत लिख देना याद आ रहा है कुछ ठीक है तो हाई चार्ज होना चाहिए स्मॉल साइज होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफेंडीटल होना चाहिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कोई कंडीशन नहीं होती है जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता फिर भी वो कॉम्प्लेक्स बनाता है स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता फिर भी वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं कैटलिटिक प्रॉपर्टी की कंडीशन है ठीक है लव फ्रॉम चंबल घाटी अरे वाह चंबल घाटी से लव थैंक यू सो मच ऑल ऑफ दिस आंसर विल बी डी आंसर आ जाएगा अपना डी कौन सी चंबल वाली घाटी भिंड मुरैना वाली नाइनटी सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन क्या बात है दिल पे लग गई क्या बढ़िया ऐसी चोट दिल पे लगती रहनी चाहिए है ना भाई तो इधर उधर किसी से भी दिल तुड़वा लो उससे अच्छा है तुम मुझसे ही दिल तुड़वा लिया करो ठीक है तुम्हें कभी ऐसा लगे ना मोटिवेशन चाहिए तो मुझे आकर बोल दिया करो कि सर मेरा दिल तोड़ दो एक बार ठीक है ऐसा तोड़ूंगा जीवन भर जुड़ने नहीं दूंगा जीवन भर मोटिवेशन बना रहेगा तुम्हारे अंदर ठीक है सिली मिस्टेक कैसे कम करें ध्यान देकर प्रैक्टिस करके सिली मिस्टेक कैसे कम करें ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता एक आसान सा उपाय है थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ क्वेश्चंस जब कर रहे हो आप तो आपका फोकस कम है क्वेश्चंस पर इसलिए सिली मिस्टेक हो रही है दूसरा मतलब सिंसियरिटी की कमी है अगर आप क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हो तो आप सिली मिस्टेक करोगे ठीक है दूसरा प्रैक्टिस इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका बाकी तो आप ज्ञान लेते जाओ यूट्यूब पर भरमार पढ़िए और जो सेलेक्ट हो गए एम्स में पहुंच गए किसी अच्छे जीएमसी में पहुंच गए ना वो भी वीडियो बना रहे हैं कौन कौन से चैप्टर छोड़े हैं? ये चैप्टर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए ये चैप्टर छोड़ दो फिजिक्स में ये छोड़ दो मत देखना वो वाले वीडियो टाइम भी खराब होगा और दिमाग में सेकेंड थॉट क्रिएट हो जाएगी कि यार ये मुझसे तो नहीं बन रहा ऐसा करता हूं छोड़ ही देता हूं ये तो पागल हो रहे सब व्यूज के लिए ठीक है तुम्हें सब पढ़ना है हर एक चैप्टर पढ़ना है क्योंकि तुम्हारा सिलेबस वैसे रिड्यूस हो चुका है बेटा वैसे रिड्यूस हो चुका है अब उसके बाद भी तुम चैप्टर हटा के अगर पढ़ोगे तुम्हें कभी तुम्हारे फिजिक्स के जो सर हैं तुम्हें एम सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें तरुण सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं तनुज सर पढ़ा रहे हैं सॉरी है ना उन्होंने आज तक तुमको कभी ऐसा बोला अरे बेटा ये चैप्टर ये तो छोड़ देना तो यार कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चैप्टर पे कितनी मेहनत की तुम्हारे साथ तुमने मेहनत की है अपन ने इनऑर्गेनिक में टेबल ऐसे बोल दूंगा कि छोड़ दो सबसे पहला सबसे आसान चैप्टर है। क्या बोला छोड़ देना है? कुछ नहीं छोड़ना इस बार मत छोड़ना कुछ भी सब पढ़ना है क्योंकि हमने खुद से वादा किया था सात सौ पार जाने का अपन वो आम जनता थोड़ी कि बस मेरा तो ये है कि 520 कट ऑफ जाता है तो 530 आ जाए ताकि मेरे को कोई ना कोई सी सीट मिल जाए या फिर अपने साथ वैसा थोड़ी है कि पिताजी के पास है वो गांव वाली जमीन बेची है पैसा तो आया हुआ है ही प्राइवेट कॉलेज तो दिलवा ही देंगे ठीक है कम फीस वाला ले लेंगे कोई सा ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे नहीं तो रशिया जाने का प्लान तो अपना है ही पहुंच जाएंगे रसिया कर लेंगे वहां से उल्टा वहां से तो सस्ता पड़ रहा है इंडिया में तो और महंगा एम हो रहा है रसिया से कर लेंगे ऐसे सपने मत सजाना बेटा खुद की मेहनत से जो चीज़ तुम्हें मिलेगी ना उसका मजा ही अलग है है ना थैंक यू बेटा नमिता थैंक यू सो मच वैभव थैंक यू सो मच चलो आ जाओ वैभव नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या अपना ओह ये तो हुआ ही नहीं आ, ये वाला क्वेश्चन द कलर होता है ऑरेंज ऑरेंज और ये किस लिए आता है D0 configuration है क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट डी जीरो होते हुए भी कलर शो कर रहा है इसका मतलब dd ट्रांजिशन तो नहीं है और dd ट्रांजिशन नहीं है डी जीरो है फिर भी कलर है इसका मतलब एक ही रीजन हो सकता है कौन सा कौन सा चार्ज पर के टू सीआर टू सेवन में चार्ज ट्रांसफर से है तो ये हटा दो ये हटा दो ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो सकता है और आंसर आ जाएगा बी एफ प्लस टू में तो डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन है ये तो डी डी ट्रांसमिशन से कलर शो कर जाएगा आंसर विल बी बी नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट लो भैया तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है ये तो इसको तो देखते ही तुम्हारे दिल में गुदगुदी होने लग जाती है क्योंकि तुम्हें वो बोलने के लिए मिलता है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए चलो फटाफट सा आंसर लगाओ फटाफट सा आंसर लगाओ मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि जो अपना ये जो डिले चल रहा है ना डिले पंद्रह से बीस सेकंड का जो डिले चल रहा है लाइव में है ना ये आंसर जो गलत जा रहे हैं ना ये उसकी वजह से जा रहे हैं क्योंकि जब मैं पोल लगा देता हूं, तो तुम शायद पिछले क्वेश्चन का ही आंसर कर रहे हो तो तब इसीलिए ऐसा होता है मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तब जाके तुम लोग सही आंसर दोगे है ना क्योंकि कमेंट में तो तुम्हारे आंसर सही आ रहे हैं इधर पोल में गलत क्यों आ रहे हैं कोई बात ठीक है तो बेटा तुम्हारी फेवरेट लाइन ट्रांजिशन एलिमेंट सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करने का रीजन भी एकमात्र यही है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते इसीलिए अपने को हमेशा डी ब्लॉक वाले ही मिलते हैं और बड़ा हो ले थोड़ा फैले जा रहा है ये तुम लोगों की तरह है बिल्कुल फैले जा रहा है बिना मतलब व्हाइट विट्रीओल और ब्लू विट्री ऑल व्हाइट और ब्लू विट्री देखो वैसे तो अपने सिलेबस में सिर्फ ब्लू विट्री है और वो भी ऐसे नाम से नहीं है पर मैंने डाल दिया ऐसे ही तुम्हें जानकारी देने के लिए कि बेटा सी यू एसओ डॉट फाइव एच टू कहलाता है ब्लू विट्रीओल और जो पुराने मतलब जिनका दूसरा तीसरा ड्रॉप है उनको तो पता ही होगा क्योंकि ये पहले तो पढ़ाया जाता था इस साल नहीं पढ़ाया जा रहा है ये कहलाता बेटा अपना विट्रियल आंसर आ जाएगा हमारा ए कोई बात नहीं ये बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए तुम्हारी जीके बढ़ाने के लिए था नेक्स्ट द कलर ऑफ पीपीडी ए बी एंड सी अच्छा क्वेश्चन है इसको करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को करो पहले सॉल्व करो फिर मैं पोल लगाऊंगा तब तुम लोग आंसर लगाना ठीक है देखो कितने सारे लोगों का आंसर आ रहा है ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है मैं कह रहा हूँ ना वो जो डिले आ रहा है ना अपने बीच में जो डिले आ रहा है ना उसकी वजह से हो सकता है तुम्हारे आंसर गलत लग रहे हो या तो तुम्हारी बुद्धि में ही डिले आ गया या फिर हमारे बीच ये जो डिले चल रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है यही दो रीज़न हो सकते हैं ठीक है चलिए बेटा तो हम अपन आंसर लगाते हैं द कलर ऑफ पीपीटी ए बी एंड सी क्वेश्चन सॉल्व करो मैं पोल स्टार्ट करता हूं तुम लोग आंसर लगाना स्टार्टिंग पोल येलो प्रेवर 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 ए बी सी ए जी एन थ्री एन ए टू एस से रिएक्शन करेगा बेटा क्या बनाएगा एजीएस ठीक है और इधर क्या बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा एजीआई अब आपको कलर बताना है तो एजीआई का तो आपको मालूम ही है ये डार्क येलो कलर होता है ए जी टू सी आर फोर का कलर रेड या रेडिश ब्राउन होता है और एजी टू इसका कलर ब्लैक होता है तो देख लो एजीआई का येल्लो कहाँ पर दे रखा है पहले तो ये देख लो येल्लो येल्लो वाइट रेड तो ऑप्शन होगा बेटा अपना आ, ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा या तो ये होगा या ये होगा डीप येल्लो क्या होता है डीप येल्लो मैंने पहली बार सुना है येल्लो रेड और ब्लैक आंसर आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा बी आंसर विल बी बी कोई बात नहीं अरे सिल्वर का जो क्रोमेट होता है बेटा सिल्वर का जो क्रोमेट होता है वो रेड कलर का होता है देखो सिल्वर और एच इनका रेड होता है याद रखना ठीक है बाकी कोई क्रोमेट दिखे तो उसको येल्लो लगा देना जैसे कैल्शियम का पूछा जा रहा है क्या बोल दोगे, येल्लो होगा आपसे पूछा जा रहा है लेड का कैसा होगा येल्लो होगा है ना पीबीसीआरओ फोर का कलर कैसा होगा आपसे पूछा कि बताओ पीबीसीआरओ फोर का कलर कैसा होगा क्या बोलेंगे आप येल्लो येल्लो ठीक है नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने डिले की वजह से हो रहा है नहीं तुम्हारी बुद्धि में ही डिले आ गया है तो उसी वजह से गलत हो रहा है मोए मोए हो गया हाँ इस बार तो मेरा ही मोए मोए हो गया मैं सोच रहा था कि शायद से पोल में डिले आ रहा है उस वजह से तुम्हारे आंसर गलत हो रहे हैं पर तुम्हारा तो सीन ही अलग चल रहा है हाँ? तुम्हारा तो सीन ही अलग चल रहा है तुम वैसे आंसर गलत लगा रहे हो हाँ बिल्कुल अभी मेरी ऐसी इच्छा कर रही है तुम्हारी गुद्दी किधर है तुम्हारी गुद्दी पकड़ के ऐसे बोर्ड के अंदर घुसा के एकदम आंसर टिक करवाऊ तुम्हारी ऐसे गुद्दी पकड़ के तुम्हारी नाक से रगड़ के ऐसे आंसर टिक लगाऊ नालायको सब कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने उसके बावजूद भी गलत कर रहे हो आंसर चलो अब ये भी तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन तुम्हारी जीके बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये तो ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है बेटा अमलगम आपको पता ही है मरकरी जब भी किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सर बनाता उसको अपन बोलते हैं जैसे मरकरी अगर गोल्ड के साथ मिक्स हो गया तो ये अमलगम बना लिया इसने तो ये तो एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग होती है इनकी इनमें कंपाउंड नहीं बन रहा है ये तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है तो यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बेटा कैलोमल और सबलिमेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए केलोमल होता है एच जी टू सी एल टू और कोरोजिव सबलिमेट होता है एच जी सी एल टू अमलगम कैलोमल कोरोजिव सब्लिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है उसमें जीरो आ जाएगा इसमें प्लस वन आ जाएगा इसमें प्लस टू आ जाएगा जीरो प्लस वन प्लस टू आंसर ए हो जाएगा मेरी हंसी नहीं रुक रही आ? कैसे रुकेगी तुम, <laughs> रुके तुम, तुम लोग की हंसी कैसे रुकेगी तुम लोग हो ही नालायक तुम लोग हैं बेसरम एकदम शर्म नाम कोई चीज नहीं तुम लोगों में ऐसा मतलब इस टाइम पे भी तुम एकदम बेसरमों की तरह हंस रहे होंगे घर बैठ के है ना सच में भी अगर तुम होते ना तुम्हारी ऐसी गुद्दी पकड़ के मैं लगवाता ये ले फर्स्ट अब याद रहेगा चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ, एडिशन ऑफ के फोर एफी अब ये सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है एक दो डी ब्लॉक के हैं वैसे तो पर ये सॉल्ट से रिलेटेड हैं सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं अपन अब अब से इन क्वेश्चंस को सॉल्ट में पढ़ते हैं पर मैंने यहीं पर डाल दिया इनको है ना के फॉर एफिसियंसिक्स की एफी प्लस थ्री के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन याद करो रिएक्शन याद करो कौन सा कलर आया था अरे एफ प्लस थ्री की रिएक्शन आप बेटा इससे करवा रहे हो K4, FE, से FE, CN6, 3 से 4 से से, से रिएक्शन करवा रहे हो ना तो देखो बेटा इस पर वैलेंसी कितनी चार्ज कितना नजर आ रहा है फोर इस पर चार्ज कितना नजर आ रहा है थ्री ऐसे कर दो क्रिस क्रॉस कंपाउंड बन जाएगा क्या बन जाएगा एफी थ्री एफ सिक्स गलत लिख दिया क्या मैंने ऐसा सा लग रहा है मुझे हाँ गलत लिख दिया इधर फोर और इधर थ्री लिखना पड़ेगा तभी तो ही सेटिस्फाई होगी और ये जो कंपाउंड है ये जो कंपाउंड है ये देखा देखा सा लग रहा है क्या देखा देखा सा लग रहा है बता दो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा बता दो क्या आंसर आ जाएगा रशियन ब्लू अरे मतलब पुरुषियन ब्लू पुरुषियन ब्लू है ना रशियन तो ब, आ, मतलब पुरुषियन तो ब्लू होता है ठीक है पुरुषियन ब्लू होगा ये और पुरुषन ब्लू के अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो बाहर वाले की होती है वो प्लस थ्री और अंदर वाले की होती है प्लस टू ठीक है अंदर वाले की प्लस टू होती है तो बाहर वाला फेरी अंदर वाला फेरो इसको बोलेंगे फेरी फेरो साइनाइड क्या बोलेंगे बेटा इसको फेरी फेरो साइनाइड इधर देखो फेरी फेरो साइनाइड ये रहा ऑप्शन सी फेरी फेरो साइनाइड अच्छा एक और होता है इसके जैसा टर्न बुल्स ब्लू एक और होता है टर्न बुल्स ब्लू टर्न बुल्स ब्लू में क्या होता है बाहर वाला प्लस टू में अंदर वाला प्लस ट्री में होता है तो उसको फेरोनाइड बोलते हैं उसको फेरो बोलते हैं मार लगाऊंगा ना इधर आंसर लगाओ आंसर अभी देखते हैं ना कितनों का सही हो रहा है, है? ये वाला है? ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन तो सही कर दिया तुम लोगों ने मतलब मैं समझ गया तुम लोगों को क्या चाहिए तुम्हें चाहिए गुलाबी पेन से लिखू में तुम्हें यही चाहिए क्योंकि वो भी गुलाबी पेनसिल लिखा तो तुमने सही किया होगा चलो भैया इधर देखो कॉपर प्लस टू की रिएक्शन है के फोर एफ सी एन सिक्स के साथ ये भी अपन सॉल्ट में पढ़ते हैं जब कॉपर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये कॉपर के <laughs> ये कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट है पढ़ लो नालायकों कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट है ठीक है तो कॉपर प्लस टू की रिएक्शन बेटा जब एफ सी एन सिक्स के फोर एफ सी एन सिक्स से करवाते हैं अपन ठीक है तो एक चॉकलेट ब्राउन पीपीटी मिलती है याद है ना सी यू टू एफी सी एन सिक्स चॉकलेट ब्राउन इस पीपीटी का कलर कैसा था चॉकलेट ब्राउन बेटा देखो ऐसा है कि जो पिंक विंग है ना पिंक कलर नहीं होता पिंक इज एन एल्यूजन तो तुम ज्यादा पिंक विंग के पीछे मत पड़ा करो मैं पिंक से ज्यादा नहीं लिखूंगा है ना तुम्हें क्या है फिर धोखा हो जाता है तो पिंक नहीं ब्राउन से ही लिख दूं क्या ब्राउन से ये नजर आ रहा है क्या नहीं ये तो ग्रे हो गया तो चॉकलेट ब्राउन जो है बेटा चॉकलेट ब्राउन मिलता है और आंसर आ जाएगा अपना बी क्या आंसर आ जाएगा बी चॉकलेट हाँ देखो ये चॉकलेट आने में लग गई हाँ चॉकलेट ब्राउन कलर होता है पिंक कलर नहीं होता है <laughs> क्या बोल रहा हूँ यार भे? चलो इधर देखो ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद इसका याद रखना कलर इंपॉर्टेंट है ऐसे जब जिंक होता है तो जिंक के केस में कौन सा कलर मिलता है ब्लू याद है ना भूल तो नहीं गए जिंक के केस में कौन सा कलर मिलता है ब्लू नेक्स्ट ब्लड रेड कलर सोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड वेन फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद अरे एफी प्लस थ्री के कंफर्मेशन वाली टेस्ट है ये एफी प्लस थ्री की रिएक्शन जब थायोसाइनाइड से करवाते हैं याद है ना अपने को क्या मिलता है एफ और बाहर माइनस टू एक ब्लड रेड कलर का खूनी लाल रंग खूनी लाल रंग का कॉम्प्लेक्स मिलता है याद आ रहा है क्या ठीक है तो किससे रिएक्शन करवाएं अपने को थायोसाइनेट चाहिए थायोसाइनेट तो इनमें से कौन देगा थायोसाइनेट अपने को थायोसाइनेट यहां पर मिलेगा ये एफी प्लस थ्री का टेस्ट है ये स्पेसिफिकली एफ प्लस थ्री ही देता है अगर आप ये रिएक्शन एफ प्लस टू से करवाते तो ये रिएक्शन नहीं होती आपको ब्लड रेड कलर नहीं मिलता आंसर विल बी ए नेक्स्ट फेरस सल्फेट ऑन स्ट्रॉगली हीटिंग गिव्स बेटा ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आपकी जीके बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं है ना वैसे तो अब ये काम नहीं आएगा पर फिर भी फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे ग्रीन विट्रियल भी बोलते हैं इसको ठीक है तो जब आप इसको हीट करोगे बेटा तो यहां पर पहले तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा एफ एसओ फोर मिल जाएगा जनरली सल्फेट्स को अपन हीट करते हैं बेटा तो यहां पर क्या होता है मेटल ऑक्साइड मिलता है और एसओ थ्री मिलता है ठीक है पर फेरस सल्फेट को हीट करने पर एसो थ्री भी मिलता है और एसओ टू भी मिलता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है ठीक तो यहां पर जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा एफ्री एंड एसो टू एंड ऐसे ही बस रिएक्शन एक्स्ट्रा में लिख के छोड़ दो अगर इन केस कभी पूछ लिया जाए तो आपके ये काम आ सकती है ठीक है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो लास्ट ईयर तक अपने सिलेबस में था अभी ये हट चुका है ठीक है नेक्स्ट दस स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ के एम ए फोर को किससे बनाते हैं याद करवाया था मैंने याद है के एम फोर को किससे बनाते हैं के एम फोर की प्रिपरेशन में अपन लेते हैं एम एन टू और एम एन टू का नाम क्या है पारोलुसाइट. क्या नाम है बेटा इसका पायरोलुसाइट मैग्नेटाइट 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 तो कुछ होता ही नहीं है मैग्नेटाइट तो आयरन का ओर है हेमेटाइट भी आयरन का ओर है ठीक है तो ये तो आयरन के ओर है अपने को क्या चाहिए मैग्नीज़ का ओर जो कि एमेनो टू पायरलोसाइड तो मैग्नीज़ का ओर MnO2 टू है और जो अपन के टू हैं टू ओ सेवन बनाते बेटा वो किससे बनाते हैं अपन क्रोमाइट ओर से एफ सी आर टू ओ फोर मतलब एफ डॉट सी आर टू ओ थ्री ये क्रोमाइट ओर है दोनों के नाम याद रखना ठीक है मेटलर्जी तो हट गया लेकिन ये डी ब्लॉक में है ये क्रोमाइट ओर है ये पायरलोसाइट ओर है ठीक अच्छा है नेक्स्ट द केमेनो फोर रिएक्ट विद बी आर टू चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन है रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है तो बताएंगे फटाफट से जब ये बी आर टू से रिएक्ट करेगा वीक अल्कलाइन मीडियम में गिव्स ब्रोमेट आयन ये अपने को देता है बी आर ओ थ्री नेगेटिव आयन ऐसा वो बोल रहा है देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम एन चेंजेस फ्रॉम प्लस सेवन तो एम एन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन से बदल के कहां पर जाएगा ये आपको बताना है फटाफट से आंसर लगाएंगे बेटा आंसर आ जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर विल बी बी नेक्स्ट फायरल इन एम एनोटू इज यूज टू प्रिपेयर के एम हाँ अभी अभी देखा अपन ने स्टेप्स आर एम एनोटू एम टू याद करो बेटा तीन मेथड बताए थे आपको मैंने के एमेनोफोर बनाने के एक पहला मेथड बताया था जिसमें एम टू को अपन के ओ एच के साथ फ्यूज करते फिर उसके बाद अपन उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो के एम में कन्वर्ट होता है दूसरा मेथड बताया था जिसमें अपन एम एन को के ओ एच के साथ फ्यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ओजोन फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये रहा वो वाला मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ये रहा वो मेथड ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं करते ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर क्या होता है जब आप इसको के और इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ओजोन फ्यूज करवाते हो तो ये मैग्नेट आयन में बनता है ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है कैसा मिलता है ग्रीन कलर का कंपाउंड फिर इसका आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा दोगे या फिर इसमें एसिड एड कर दोगे तब यह मैग्नेट से पर मैग्नेट यानी कि पर्पल या वायलट कलर का अपने को कंपाउंड देता है पर मैगनेट आयन ठीक है फर्स्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट H2O2 ऑक्सीडाइजेस आइस कोल्ड एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन चलिए भैया इसका तो पोल लगाएंगे अपन आसान सा क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं लगाओ फटाफट से ब्लू कलर्ड CrO5 व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कन्वर्जन K2Cr2O7 से CrO5 बना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया जल्दी से बता दो फटाफट से आंसर लगा दो मजा आ जाएगा एकदम अभी देखना ऐसे गदों जैसे आंसर आएंगे तुम्हारे इतने आसान से क्वेश्चन में भी तुम्हारा आंसर आएगा बैगन तुम लोग वही हो कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बैगन इंग्लिश में कौन सी पोएम आती है आ, अभी वो फिफ्टी फाइव का स्पेलिंग तुम ऐसे ही हो तुम लोग नालायक हो गो हां भाई तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा प्लस सिक्स और सीआरओ फाइव में भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स ही है प्लस टेन नहीं है प्लस सिक्स ही होती है इसमें भी तो चेंज कितना आया जीरो आंसर विल बी ये देखो ये देखो बैगन आ गया बैगन नालायको विच ऑल विल नॉट गिव अ पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बताया था इसकी कंडीशन क्या होती है पोल लगा रहा हूं आंसर देंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में सी यूसी मतलब कंडीशन क्या होती है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की कि क्लोराइड आयन का आयनाइजेशन बेटर होना चाहिए जब तक अच्छे से क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं होंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं आएगा तो क्लोमिल क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट यह आयनिक कंपाउंड है जी देगा HgCl2 टू यह जो है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है और यह कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है हाई पोलराइजेशन ऑफ एच जी प्लस टू एच जी सी एल टू में तो हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं अपन ये तो आइनाइज नहीं होता यहां पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है डिग्री एंगल होता है है ना तो क्योंकि कोवेलेंट है तो लेस आयनाइजेशन होगा सीएल का तो सीएल नेगेटिव नहीं होंगे सॉल्यूशन में तो ये टेस्ट नहीं देगा आंसर जाएगा हमारा बी ये भी सीएल देगा ये भी सीएल देगा एच जी सी एल टू नहीं होगा आंसर क्या है हमारा बी आंसर विल बी बी चलो बोले बहुत लोगों ने तो सही आंसर दिया नेक्स्ट केमनोफोर इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड एसिडिक मीडियम H2SO4 इज यूज्ड HCl HCl क्यों यूज नहीं करते भाई बताओ HCl का है यूज नहीं करते हम बताएंगे लगाओ लगाओ आंसर लगाओ फटाफट से H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl अह uh -huh. HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बाय केमनोफोर टू Cl2 रेड इज फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ एस्टोसोफोर ओनली एस्टोसोफोर इज कंप्लीटली आयोनाइज ना ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे बेटा फटाफट से आंसर लगाएंगे जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से देखो जितना जल्दी करेंगे अच्छा एक तो है ना मुझे ये समझ नहीं आता तुम लोग सुपर चैट काई को करते हो कोई दस रुपए भेज रहा है कोई चालीस रुपये भेज रहा है मतलब क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग तुम्हें क्या लगता है ये वो वाली स्ट्रीमिंग चल रही है कि हे गाइज वेलकम बैक टू माई स्ट्रीम तो गाइज सुपर चैट करना ना भूलें हे हे क्या नाम था जिसने सुपर चैट करी थी थैंक यू सो मच फॉर टेन रुपीज बेटा ये वो वाली चीज नहीं चल रही है ये तुम्हारे काम की चीज चल रही है है ना हम वैसे बहुत आभारी हैं आपके आपको सुपर चैट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है <laughs> सुपर चैट कर दोगे और फिर बाद में खुद ही इल्जाम लगाओगे अरे ये तो सुपर चैट लेते हैं है ना ू पे क्या कम इल्जाम लगते हैं खूब इल्जाम लगाया तुम लोगों ने पीडब्ल्यू पर है ना मत किया करो बेटा तुम लोग बस पढ़ो मन लगा के पढ़ो वही हमारी गुरु दक्षिणा है है ना बस हमें वही चाहिए आपसे आप, आप लोग बस मन लगा के पढ़ो थैंक यू सो मच फॉर टेन रुपीज गाय तो ऐसा हमें नहीं करना है ठीक है दस बीस रुपए के चंदे इकट्ठे नहीं कर रहे अभी अपन जब करेंगे तब बोलेंगे ठीक है जब हमें करना होगा तब हम खुद मांग लेंगे तुमसे तुम चिंता तुम मत करो उस चीज की तो जब बोलेंगे तब कर देना अभी मत करो ठीक है <laughs> चलो बेटा आंसर इसका बी ही आएगा है? यार ये तुम लोगों को हो क्या जाता है बीच बीच में ये तुम लोग मतलब कौन से मोड में चले जाते हो कभी यहाँ अचानक से आंसर नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट परसेंट आ जाता है कभी एकदम से नाइन परसेंट भी चला जाता है तो मतलब हो क्या रहा तुम लोगों को ये कौन से नशे किए तुम लोगों ने मुझे भी बता दो थोड़ा बहुत है ट्रिप मारती है तुम्हारी बीच बीच में बुद्धि अभी एकदम से ब्लैंक आउट हो गया सब कुछ समझ नहीं आ रहा सर आंसर कुछ भी लगा दो जो मर्जी पड़े सही है आंसर भी सही है येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंजेस टू ऑरेंज ऑन एसिडिफिकेशन ये बोल रहा है कि क्रोमेट सी आर ओ फोर टू नेगेटिव का जो येल्लो कलर है ये चेंज हो रहा है टाइक्रोमेट यानी कि ऑरेंज में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अच्छा फॉर्मेशन ऑफ किसके फॉर्मेशन की वजह से तो ये देख लो पोल लगाओगे क्या पोल क्या लगाए यार अब आंसर तो लिखी दिया मैंने डाइक्रोमेट की वजह से जो येलो कलर होता है याद है ना क्रोमेट्स अगर मीडियम की पी एच लेस देन सेवन है तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर मीडियम की पी एच मोर देन सेवन है यानी कि बेसिक मीडियम है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमेट्स में तो अगर एसिडिक मीडियम है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आंसर आ जाएगा सी नेक्स्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट इसका तो, तो तुम्हें पोल लगाना ही पड़ेगा टाई का करेक्ट स्ट्रक्चर बताना बेटा ठीक है चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं बताओ आंसर हो जाएगा डाइक्रोमेट का करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है बेटा है ना ये तो गलत है ये भी गलत है सी आर ओ ओ, 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 ओ यहां तो दिक्कत हो रही है दोनों ही सही है दोनों ही एक जैसे हैं वाह ये तो ये तो मोहे मोहे हो गया ये बी भी, भी सही है और डी भी सही है अब इसका क्या ही आंसर लगाएंगे क्या लगाऊँ अब बी लगा दू बी और डी चलो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो पैंतालीस और सैंतीस हाँ लगभग लगभग ठीक है लगभग नब्बे प्रतिशत लोगों ने दे ही दिया है सही आंसर अस्सी नब्बे प्रतिशत लोगों ने तो ठीक है, दोनों सेमी है, CR, है 207, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हैं सी आर सी आर हाँ ठीक है सी आर टू सेवन ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसमें कलर होता है नेक्स्ट अच्छा एक और चीज़ याद रखना बेटा क्या कि इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन एक है ये तीनों बॉन्ड ये तीनों बॉन्ड ये तीनों इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये लॉन्गर होते हैं इन तीनों से क्योंकि इन तीनों में तो रेजोनेंस है ये नेगेटिव इन दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा ये नेगेटिव इन दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा तो इधर और इधर तो रेजोनेंस है तो ये तीन और ये तीन टोटल छह बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल है और ये वाली दोनों बॉन्ड्स बड़ी है इन छह बॉन्ड से ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े द प्रोडक्ट ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली इधर प्रोडक्ट बताना है ठीक है बता दो प्रोडक्ट लो भैया आ जाओ प्रोडक्ट बताओ के एम एनो फोर की के आई से रिएक्शन करवा रहे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आ चुका है फिर से आएगा कभी भी आ सकता है ठीक है इसका लगा दो पोल ये पोल बताओ ये तुमको बहुत डिटेल में याद करवाया था मैंने ये है ना क्या बात है सभी लोग सभी लोग आंसर तो बढ़िया दे रहे हैं तो बेटा के आई की रिएक्शन आप के आई से करवा रहे हो और मतलब इसमें आप आई नेगेटिव आयोडाइड आयन से रिएक्शन करवा रहे हो तो एसिडिक मीडियम में और वीकली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम या अल्कलाइन मीडियम कुछ भी लिखा हो सेम चीज है ठीक है तो यहां पर तो ये आई में कन्वर्ट होता है यहां पर तो ये आई टू में कन्वर्ट होता है लेकिन जब अल्कलाइन मीडियम हो तब अपने को ये आयोडेट आयन देता है तो आई टू और के थ्री क्या बन जाएगा आई टू और के थ्री आंसर आ जाएगा हमारा पी ये देखो ये जो उम्मीद नहीं होती वो तो तुम लोग सही दे देते हो और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ये तो मतलब हंड्रेड परसेंट सही जवाब देंगे तुम लोग उसमें तुम पता नहीं क्या कर देते हो है? पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या सिस्टम है है ना तो बेटा ये क्यों बनता है पता है ना ये जो आई टू है बनता तो प्रोडक्ट आई टू ही है मतलब मैंने आपको ऐसे याद करवाया था ना कि कोई भी हेलाइड हो माइनस वन से जीरो में ऑक्सीडाइज होता है पहले तो ये पहले ऑक्सीडाइज अपने को आई टू देता है पर क्योंकि मीडियम में थोड़ी सी ओ OH एच माइनस कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो अपने जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्सनेट मारते हैं तो ये आई टू डिस्प्रपोर्सनेट मारता है वापस से आई नेगेटिव में जाता है और आई ओ थ्री माइनस मतलब माइनस वन और प्लस फाइव में जाता है तो अपने को फाइनली ये मिलता है फिर है ना आई टू की जगह पे ये मिलता है मिलना क्या चाहिए था आई टू पर ये डिस्प्रपोर्शन हो जाता है और अपने को आई थ्री नेगेटिव मिलता है ठीक है ठीक है सर हमसे उम्मीद मत किया करो हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली है हाँ ये बिल्कुल सही बात सर आप भी किसी से प्यार करते हैं क्या बताओ सर प्लीज मैं ऑब्वियसली करता ही हूं मैं तुम सब लोगों से प्यार करता हूं यार मेरे लिए सबसे प्यारे तुम ही लोग हो हाँ फिर मेरे घर वाले हैं मैं उनसे प्यार करता हूं ये कोई पूछने वाली बात है क्या मतलब इधर है ना इधर भयंकर सीरियस टॉपिक चल रहा है मैं अभी चैट में भी देख रहा था ये इधर भयंकर सीरियस टॉपिक चल रहा है और जो सीरियस बच्चे हैं ना वो एकदम फोकस होकर आंसर दे रहे हैं बी उधर से चल रहा है बी 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 बी, बी और उधर से से अचानक से बीच में एक मैसेज आता है नेहा मतलब तुम्हारी अगर चैट देख लो ना तो किसी को भी इमोशनल हार्ट अटैक आ जाए इधर से आंसर चल रहा है बी 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 टीचर खुश हो रहा है कि और सारे बच्चे सही आंसर दे रहे उधर से एक मैसेज बीच में फंसा दिया किसी ने पारल मैं इधर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग सही जवाब दोगे उधर से तुम्हारा जवाब क्या आ रहा है सर आप भी किसी से प्यार करते हैं क्या प्लीज बताइएगा सर क्या बोलूं अब मैं नेक्स्ट <laughs> वेच अदर फॉलोइंग चलिए अब अरे डी ब्लॉक खत्म हो गया भाई एफ ब्लॉक आ गया अब एफ ब्लॉक में देखो कॉन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एफ ब्लॉक में कॉन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो एफ ब्लॉक के कॉन्फिगरेशन कैसे लिखने मैंने आपको है ना इसलिए कहता हूं ये टीवी सीरियल मत देखा करो तुम लोग या फिर ये एटीएस बीटीएस एफटीएस इनके चक्कर मत पड़ा करो ठीक है इधर देखो विच ऑफ एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैंने तुमको बेटा, और दोनों के कॉन्फिग्रेशन लिखने सिखा रखे हैं, दोनों के कॉन्फिग्रेशन सिखा रखे तुमको लिखने कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाए उसका अपन कॉन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं और कॉन्फिग्रेशन रटने की जरूरत नहीं है अपन लिख लेते हैं याद है ना कैसे करवाया था मैंने कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ये आ तो बेटा मैंने आपको बताया था कि बस आप लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना तो आप ये सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे डी और एफ के ठीक है और लेंथेनम का भी कॉन्फ़िगरेशन आप अगर स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है तो आप लेंथेनम का लिख सकते हो लेंथेनम का लिखा जीनोन सिक्स टू फाइव डी वन फोर एफ जीरो इसके बाद से एफ ब्लॉक एलिमेंट चालू होते सीरियम से है ना और यहां पर अपन ने कैसे याद किया था इनको याद है ना लेंथनॉइड में वो एलिमेंट जिनके फाइव में एक इलेक्ट्रॉन है में वो एलिमेंट जिनके फाइव में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं बेटा से गुड लक से गुड लक ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके 5d में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये रहा ये रहा और ये रहा कहाँ गया इधर 5d 0 लिखा हुआ है इसको 1 करो इसको 1 करो ये गलत लिखा हुआ है है ना 5d 1 4f 14 ठीक है तो ये से गुड लक इन तीनों में 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लैंथेनम के तो 5d में एक है ही क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन ही 5d में जाता है तो अब बेटा देख लो यहाँ पर कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट हैं कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं से गुड लक तो लैंथेनम के अलावा से गुड लक तो लेंथनम गुड लक ठीक है यूरोपियम नहीं नहीं आंसर आ जाएगा ए आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर विल बी ए बढ़िया नेक्स्ट uh, ये तो कॉन्फिग्रेशन हो ही गये. ये कॉन्फिग्रेशन लिख लेना बेटा सारे पता है ना इसमें से गुड लक और इसमें इसमें कैसे याद किया था चलिए आप लोग बताएंगे अब आप भैया बताओ कैसे याद किया था कैसे याद किया था इनमें कौन कौन से एलिमेंट थे याद है क्या हाँ बेटा बोलो ना <laughs> पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया ना पारो यू नैपकिन कम लहराओ पारो यू नैपकिन कम लहराओ ये वो एलिमेंट थे जिनके सिक्सटी में एक इलेक्ट्रॉन है और एक्टेनम और थोरियम थोरियम में तो है। थोरियम तो है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जिसका एफ का इलेक्ट्रॉन भी डी में प्रेजेंट होता है बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये याद रखना और ये तीनों इंपॉर्टेंट है उधर लेंथनम का इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक है भूल मत जाना नालायकों गेडोलिनियम तो कई बार एग्जाम में आ चुका है गेडोलिनियम आ चुका है यूरोपियम आ चुका है टर्बियम आ चुका है ठीक है नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेन आर इन करेक्ट यूरोपियन शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट चलो मैं आपको वो वापिस से याद करवा देता हूं यादों में समाओ दो बार ये वो एलिमेंट है जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और फिर नदियों से पर्वत कब दिखेंगे चार ठीक है कैसे याद किया यूं तुम यादों में समाओ दो बार नदियों से पर्वत तब दिखेंगे चार मतलब ये वो एलिमेंट है जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये वो एलिमेंट है जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ठीक है और जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है लेनाइड और एक्टेनॉइड सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वो है प्लस थ्री तो ये प्लस टू से प्लस थ्री में भी आने की टेंडेंसी रखते हैं मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और ये प्लस फोर से प्लस थ्री में जाने की रखते हैं मतलब ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ठीक है तो अब यूरोपियम शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट यह स्टेटमेंट कैसा हो गया करेक्ट हो गया द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आइनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम प्रोटेक्टीनियम सॉरी प्रेसोडीनियम टू लुटेटियम मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है और बेसिसिटी बेसिसिटी किसकी यह नहीं बता रहे पर बेसिसिटी जो है इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात हो रही है हाँ तो सही है लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उससे एसिडिक नेचर बढ़ता है और बेसिक नेचर कम होता है यह स्टेटमेंट भी सही है ऑल द देंड आर मच मोर रिएक्टिव देन रियक्टिव नहीं बेटा से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं नेक्स्ट सीरियम प्लस फोर सोल्यूशन आर वाइडली यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हाँ सही है सीरियम प्लस फोर जो है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या फिर एनालिटिकल एजेंट की तरह यूज होता है इसको एनालिटिकल एजेंट भी बोलते हैं क्यों क्योंकि प्लस थ्री में जाने की टेंडेंसी रखता है अभी समझाया ना यहाँ पे कि ये सभी सीरियम प्लस फोर प्लस थ्री में जाने की टेंडेंसी रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड एक्टिनोइड हो चाहे लेंथेनोइड हो दोनों की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा प्लस थ्री कौन सी होती है प्लस थ्री याद रखना इसको फिर उसके बाद द एक्टेनॉइड एलिमेंट्स विच शो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस सेवन हां पर एक्टेनॉइड जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं प्लस 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 फोर तक ही शो करते हैं लेकिन एक्टेनॉइड प्लस टू से लेकर प्लस सेवन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसमें मेनली दो ऐसे एलिमेंट है जो प्लस सेवन शो करते हैं आपको बताना है वो कौन से एलिमेंट है बताओ चलो क्या आंसर आ जाएगा जल्दी से आंसर लगाओ गया आंसर आ जाएगा ए अरे भाई आंसर आ जाएगा ए नेपचूनियम और प्लूटोनियम ये दोनों प्लस सेवन तक जाते हैं अमेरिकियम जो है ये प्लस सिक्स तक चला जाता है पर नैप्चूनियम और प्लूटोनियम प्लस सेवन तक जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर सिमिलर बिकॉज बोथ बिलोंग टू डी ब्लॉक नहीं ऐसा जरूरी नहीं है बोथ बिलोंग टू सेम पीरियड ऑफ द टेबल सेम पीरियड के तो वैसे ही नहीं है बोथ हैव सिमिलर रेडियाई बेटा टाइटेनियम जिरकोनियम और हाफनियम याद है ना इनका साइज सिमिलर होता है ड्यू टू लेनाइड कॉन्ट्रेक्शन उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है आंसर विल बी सी द गिवन सेट्स विच सेट कंटेन ऑल द आयन विद एफ जीरो कॉन्फिग्रेशन तो बेटा एफ जीरो कॉन्फिग्रेशन की अगर अपन बात करें एफ जीरो कॉन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इनमें से किसमें एफ जीरो कॉन्फिग्रेशन है अब आपके पास कॉन्फिग्रेशन तो है ही आप देख के आंसर लगा सकते हो जैसे लेंथनम प्लस थ्री है लेंथनम प्लस थ्री है आपको ये पता है कि इसमें एफ जीरो कॉन्फिगुरेशन है इसमें एफ होता ही नहीं है तो ये तो एफ जीरो रहेगा ही तो लेंथनम प्लस थ्री वाला आंसर तो जाएगा ही जाएगा है ना अब नियोडीमियम दे रखा है है ना नियोडीमियम प्लस फोर दे रखा है यूरोनियम प्लस सिक्स दे रखा है और अमेरिकियम प्लस सिक्स दे रखा है अच्छा अमेरिकियम प्लस सिक्स भी दे दिया और ये आ गया इधर सीरियम प्लस थ्री नहीं ये भी नहीं होगा प्रोटेक्टीनियम प्रनियम प्लस फोर डाइस प्लस फोर नहीं ऐसा भी नहीं होगा और लेंथनम प्लस थ्री हाँ ये हो सकता है सीरियम प्लस फोर तो होता है ये थेरियम थोरियम प्लस फोर भी हो जाएगा नेपचूनियम प्लस सेवन भी हो जाएगा हाँ ठीक है मतलब कॉन्फिग्रेशन के बेस पर तुम लोग निकाल सकते हो अभी अभी तुमको कॉन्फिग्रेशन लिखवाया है मैंने ये रहा कॉन्फिग्रेशन ये रहा कॉन्फ़िगरेशन देख के पता लगा लो जैसे यूरेनियम की बात कर रहा है वो यूरेनियम के लिए बोल रहा है कि यूरेनियम जो है वो प्लस सिक्स में एफ जीरो कॉन्फिगुरेशन हो जाएगा तो हो जाएगा क्या एफ जीरो कॉन्फिगुरेशन देख लो यहाँ पर यूरेनियम प्लस सिक्स में एफ जीरो हो जाएगा ठीक है मतलब तीन यहां से निकल गए ये यहां से और तीन यहां से निकल गए एफ जीरो हो गया लेंथनम प्लस थ्री लेंथेनम में तो वैसे ही जीरो होता ही है और वो बोल रहा है थोरियम थोरियम में प्लस फोर में तो ये दो गए ये दो गए थोरियम में भी और वैसे भी एफ जीरो और कौन सा दिया उसने और कौन सा दे दिया लेंथेनम सीरियम थोरियम और नेपचूनियम नेपचूनियम भी चेक कर लेते बेटा आ जाओ नेपचूनियम कहा है नेपचूनियम ये रहा नेपचूनियम तो चार और तीन सात नेपचूनियम प्लस सेवन में भी एफ जीरो कॉन्फ़िगरेशन आ गया आंसर विल बी कहा गया पोल ही स्टार्ट नहीं करा हटाओ फिर अब क्या चालू करें पोल रहने दो है ना तो लगा लेना आंसर अपने हिसाब से आंसर विल बी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा डी ब्लॉक का है ना इसमें लगा देता हूं चलो मैं पोल फिर देखेंगे कौन टॉप कर रहा है इस पोल को फटाफट से आंसर लगाओ क्या दिया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है अपने बताना है कि यह कौन से एलिमेंट है बताओ आंसर आ जाएगा क्या ये येड हैं? बेटा सेवंथ पीरियड वाले हैं देखो एन की वैल्यू पीरियड नंबर बता देती है तो ये है सेवन पीरियड वाले और सेवन पीरियड वाले सबके लेवल निकले हुए हैं मतलब ये एक्टिनॉइड हैं और एक्टिनॉइड है तो आंसर जाएगा बी आंसर क्या आ जाएगा बी ये लो इतने लोगों के लेवल निकल गए बाकियों के नहीं निकल पाए तो ये हमारा ये हमारा डी ब्लॉक समाप्त डी ब्लॉक के बाद देखा जाए लीडर बोर्ड कितने लोग मयंक बेनीवाल वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मजेदार बहुत अच्छे आ, ये हो गया शिवम है और विजय परमार रैंकअप हो के आ गए हैं पाँचवें पे और कुणाल वर्मा भी रैंक रैंकअप होकर आ गए हैं आठवें पे और शील्ड और कीर्ति ये है टॉप टेन वाले उसके बाद देखो जस्ट सेड लाइफ ये भी रैंक अप हो गया भाई अबे अब क्यों सेड है भाई अब तो रैंक अप हो गया डॉक्टर ऑक्टो तो भी आ गया भैया रैंक रैंकअप हो गए पुष्पा द फायर ऐ झुकेगा नहीं साला वेरी गुड ऐसे ही रैंक अप करते रहो बेटा दाक्षी और रिया और सूर्यभान सिंह वेरी गुड बेटा हो रहा है रैंकअप होते रहना चाहिए जीवन में यही तो जरूरी है चाहे पबजी हो चाहे फ्री फायर हो या फिर हमारी वन शॉट रिविजन क्लास हो सभी में रैंकअप होना जरूरी है सर प्रेम और मोहब्बत में क्या डिफरेंस होता है अरे तुम लोग यार मार खा के रुकोगे या फिर ऐसे ही रुक जाओगे नालायकों यहाँ मतलब नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट तो देखो सबसे पहली बात तो ये दो चैप्टर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां एक बार कमेंट सेक्शन में अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजा लो है ना आप ब्रेक अभी नहीं है एक छोटा सा चैप्टर और ले लेते हैं ना फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे ना पीरियडिक टेबल और ले लेते हैं फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे ले ठीक है पीरियडिक टेबल अपन निपटा देते हैं फटाफट से है ना उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा मैं उसमें होमवर्क भी मिलेंगे तुमको ठीक है तो पोल लगा लें क्या अपन एक काम करते हैं अपन पोल लगा लेते हैं अपन पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्ट पहले कौन सा करना चाहिए इनका पोल लगा लेते हैं ठीक है ठीक है चलो एक पोल करवा रहे हैं अपन पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्ट वैसे सॉल्ट मैं आपसे यही कहूँगा बेटा कि सॉल्ट अभी चूज मत करना सारा आप सब पढ़ने के बाद अगर सॉल्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सही लगता है है ना बाकी तो तुम्हारे ऊपर है तुम लोग लगा दो पोल जो तुम कहोगे वही करवा देंगे ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है है ना बाकी जिसको करने जाना हो सूसुपाटी आ गई हो या थोड़ी बहुत भूख लग गई हो या थोड़ा रेस्ट चाहता हो दो पांच मिनट का तो वो ले लो आंखें धो लो है ना थोड़ा सा इधर उधर टहल लो और वापस आ जाओ <coughs> मैं क्या चाहता हूं मैं तो चाहता हूं मैं चाहता हूं कि पीरियोडिक का हो जाए वेरी गुड वेरी गुड समझदार हो तुम लोग मानना पड़ेगा चलिए बेटा नेक्स्ट पीरियडिक टेबल पर चलते हैं वेरी गुड अच्छा डिसीजन था आप लोगों का क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अब क्या बेसिक्स हो जाएंगे ना तो फिर आपको पी ब्लॉक में बहुत सहायता मिलेगी उससे क्वेश्चन इतने सारे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है पर क्या हो रहा है चलिए भाई पीरियोडिक टेबल फटाफट से पीरियोडिक टेबल को खत्म करते हैं फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे एक छोटा सा फिर उसके बाद अपन केमिकल बॉन्डिंग और फिर सॉल्ट है ना जो तुम कहोगे वो मतलब अगर तुम कहोगे कि सर पहले सॉल्ट करा दो तो सॉल्ट भी करा देंगे और तुम कहोगे अगर बॉन्डिंग करा दो तो बॉन्डिंग भी करा देंगे ठीक है सर पोल मतलब टाइम वेस्ट होगा हां पीरियोडिक में पोल कम लेंगे अपन है ना क्योंकि पीरियोडिक वैसे भी तुम लोगों ने इतनी बार पढ़ा हुआ है अब तो सब कुछ याद हो गया होगा यार अमोल थैंक यू सो मच बेटा लव यू टू मच बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप सभी को थैंक यू अमोल इतना प्यार देने के लिए बस आपका प्यार ही हमें एनर्जी दिए रखता है सर आपके ही स्टूडेंट्स हैं हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल देखा अपन लोगों की थिंकिंग कितनी मैच होती है है ना आपने और मैंने सेम ही चैप्टर चूज किया है ना अपने थॉट्स बहुत मैच होते हैं और होने भी चाहिए नेक्स्ट चलिए भाई तो ये अपना वही नीट 2021 का जो क्वेश्चन है ये हर बार मैं लेकर आता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है ये तीसरा चैप्टर चल रहा है सॉरी हेलो हेलो तो बेटा ये दो चैप्टर हो गए तीसरा चैप्टर चल रहा है इसको भी जल्दी निपटा देंगे अपन एक से डेढ़ घंटे में फिर उसके बाद बचेगा बॉन्डिंग और अपना पी ब्लॉक और सॉल्ट है ना तो तीनों अच्छे अच्छे चैप्टर हैं बड़े बड़े चैप्टर हैं तो टाइम तो देखो थोड़ा सा लगेगा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं अपन पूरा सब्जेक्ट ठीक है हाँ पोल लगाओ पोल पोल अब देखते हैं इसमें कौन टॉप मारता है तो बेनीवाल जी बेनीवाल जी टॉप कर रहे हैं अभी तो फिर देखते हैं अब आगे अरे भैया कोई रैंकअप करके वन तक तो आओ बेनीवाल ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर रखी पिछले दो चैप्टर से कोई रैंकअप करके जल्दी से आओ है ना चलिए भाई तो अपने को यह बताना था आई uh, नेमिंग आपको पता ही है कैसे करते हैं अपन है ना एटॉमिक नंबर के बेस पे तो अनिल un अनियम लिखा हुआ है मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वन जीरो सिक्स और अन अन अनियम मतलब एक सौ ग्यारह है ना ये हो गया अब देखो बेटा एक सौ एक एक सो तीन कौन है मैंने आपको याद करवाया था बेटा फिफ्टी एट से सेवनटी वन ये होते हैं लेंथनॉइड ये कौन होते हैं Lentinoids. और 90 से 103 कौन होते हैं ये होते हैं एक्टिनॉइड्स है ना तो एक्टिनॉइड्स की अगर अपन बात करें तो याद है ना थोड़ा पढ़ाऊ न्यूज पेपर पुराने आम कम बिके कैफे में एश फरमाते मेडोना लारा मेडोना लारा मतलब लॉरेंशियम लॉरेंशियम तो हो गया 103 तो यहां पर कहीं लॉरेंशियम दिख रहा है क्या तो ये वाला तो सही ऑप्शन है आपने वो क्या पूछा इनकरेक्ट पूछा है इनकरेक्ट ठीक है और <coughs> मेडोना मतलब तो ये वन मेंडलीवियम हो गया मेडोना लारा नोबेलियम वन जीरो वन मेंडलीवियम वन जीरो टू नोबेलियम वन जीरो थ्री लोरेंशियम यह दोनों तो सही हो गए अब उसके बाद कैसे याद किया था अपन ने आर डी शर्मा आर डी शर्मा बुक में है मैथ के डिजाइनर रंगीन कंफ्यूजन्स ये रहा आपका 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 11 और 12 ठीक है ये एलिमेंट्स हो गए ये एलिमेंट्स हो गए तो 106 कौन आ रहा है देख लो सी वर्गियम 106 सी बोरगेम तो ये तीनों सही है मतलब आंसर अपना डी ही जाएगा और 111 पे डाउन स्टेट टीएम दिया और डाउन स्टेट टीएम होता है बेटा 110 111 तो रेंटगेनियम है है ना तो ये इनकरेक्ट है तो डी का फोर इनकरेक्ट है ये आंसर अपना सी जाएगा ठीक है ये आंसर अपना सी जाएगा नेक्स्ट चलिए भाई पोल लगा देते हैं इसके लिए भी फटाफट से एक सौ चौदह हैज बिन डिस्कवर्ड रिस इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो आपको पता है एक सौ चार से बड़े एक सौ अट्ठारह तक की जितनी भी अटोमिक नंबर है लास्ट दो डिजिट इनके अटोमिक नंबर की मतलब बहुत सो के लेवल निकल गए तो वो यहीं से निकल गए आए तो बहुत जोश में थे अब वो निकल गए हैं अरे तुम इसका आंसर बताओ एक सौ चौदह है तो ग्रुप फोर्टीन हो जाएगा और 14 कौन है? आंसर सी आ जाएगा। आंसर सी, very good. Periodic table में तो खटा -खटा आंसर आएंगे। आंसर सी. चलो next. फिर से पोल लगा देते हैं अब तुम लोग खटाखट आंसर देते जाओ द तो फॉलोइंग नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये तो तुम लोग कर लोगे यार ये तो मैं नहीं बता रहा मैं सीधे आंसर लगाऊंगा थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच और और, और क्या बात है पीरियोडिक टेबल आती जान आ गई मतलब चैट में है अब देखो चैट में भी सही सही आंसर चल रहे हैं पोल में भी सही सही आंसर आ रहे हैं क्या बात है तो कब तक पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते रहोगे नालायकों बाकी के चैप्टर्स में भी तो सही आंसर दो अभी आ रहा है ना सॉल्ट आ रहा है रुक जाओ और पी ब्लॉक आ रहा है उसमें सही आंसर आने चाहिए यार वैसे अब जो स्टार्टिंग वाले जो स्पैमर जनता होती है वो चली गई है अब ज़्यादातर सीरियस स्टूडेंट्स ही बचे हुए हैं तो वो लगभग सभी लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं हाँ तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा सी नेक्स्ट सेकंड पीरियड की आईनाइेशन एनर्जी का ऑर्डर ये लो सेकंड पीरियड की आइना देशन एनर्जी का ऑर्डर लगा दो फटाफट से सेकंड पीरियड की आइना देशन एनर्जी का ऑर्डर बताएंगे फट जल्दी से लगा दिया क्या आंसर हाँ ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है देखो मैं सीधा आंसर बताऊंगा बेरिलियम की ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें पैनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर लग रहा होता है नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें हाफ फील्ड होता है है ना बाकी तो तुमको पता ही है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई थिंक बी ही आंसर जाएगा इसका है ना बी चलो बढ़िया <coughs> नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन देखो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी पूछी जाती है एक ही क्वेश्चन में है ना चलो फटाफट से आंसर लगाओ बेटा फटाफट से आंसर जल्दी 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 ये अपने को बोल रहा है इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा ठीक है अपने को इनकरेक्ट वाला बताना है और आइनिक साइज बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं है तो याद है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज ठीक है

ये भी पहले तुम लोगों ने किया हुआ है फटाफट से इसका आंसर लगा दो फटाफट से इसका आंसर लगा दो अपने को बोल रहा है ऑक्साइड आयन O2- जो बन रहा है इट रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक स्टेप ये वाली जो पहली वाली जो स्टेप है यह एंडोथर्मिक है ऐसा बोल रहा है दस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू माइनस इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो दू माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन ये ऐसा बोल रहा है कि जो ओवरऑल प्रोसेस है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन टू माइनस बनने का यह एंडोथर्मिक है और यह एंडोथर्मिक है उसके बावजूद किसके बावजूद इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन के जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसके बावजूद फेवरेबल प्रोसेस नहीं है है तो ऐसा क्यों हो रहा है? याद है ना अरे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि किसी भी आइसोलेटेड में एक इलेक्ट्रॉन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ठीक है, है? फिर इसमें आपको मैं एक चीज रिवाइज करवा देता हूं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं बेटा जिनमें एनर्जी देनी पड़ती है ऐड करवाने पर तो याद रखना नाइट्रोजन नोबल गैस सारी की सारी नोबल गैसेस और अपने सेकेंडे वाले एलिमेंट्स इनके केस में एनर्जी देनी पड़ती है और सेकंडे वालों में भी बेरिलियम और मैग्नीशियम ये याद रखने आपको ठीक है वाले में भी बेरिलियम और मैग्नीशियम वैसे इसके अलावा आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा मतलब ऐसे नहीं ऐसे पूछ ले जाएगा कि बेरियम में बताओ इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज हो गया देनी पड़ेगी तो आप सिंपली इसको भी याद रख सकते हो तो इनमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इनके अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होगी ठीक है तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होगी लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए लाएंगे यहां पर तो इधर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है इस पर भी नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव रिपल्शन तो याद है ना बहुत जगह है नहीं जगह है ऐसा वाला सीन चलेगा यहां पर यह बोलेगा कि बहुत जगह है और ये क्या कहेगा नहीं जगह है पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच होगा रिपल्शन और इस रिपल्शन की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना एंडोथर्मिक स्टेप हो जाता है तो अब देख लो इसके रिगार्डिंग दिस 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 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज़ उट स्टेबिलिटी गेन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज़ विज द स्टेबिलिटी गेन आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा डी तो ये सी क्या सोच के लगा रहा था तुम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्न रिजल्ट लार्जर साइज ऑफ एन कुछ भी कुछ भी नेक्स्ट अमंग द एलिमेंट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस और क्लोरीन में तो बेटा मैग्नीशियम फॉस्फोरस और क्लोरीन ये तीनों तो थर्ड पीरियड के सेम पीरियड के हैं कैल्शियम फोर्थ पीरियड का है लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा सबसे बड़ा कैल्शियम सबसे छोटा क्लोरीन सबसे बड़ा कैल्शियम एक में ही दे रखा है आंसर आ जाएगा अपना बी ठीक है सर बी को रोस्ट करो या तुमने ऐसे कर कर के तो लड़ाइयाँ करवा दी मेरी बी वालों से अब बी वाले भर भर के गालियाँ देते होंगे मेरे को बी टी एस आर्मी जो है वो मुझे बहुत गालियाँ देती है सीरियसली अब तो मुझे महसूस भी होने लगा है कि हाँ कोई ना कोई तो गाली देता है ठीक है ये तुम लोगों के चक्कर में ये तुम लोगों ने पंगे करवा दिए ज़बरदस्ती वो बी टी एस वाले नाराज़ होकर बैठ गए अब अब वो कह रहे हैं कि हम बी टी एस आर्मी हैं और हम आपसे बात नहीं करेंगे तुमने लफड़े करवा दिए यार बीस्ट मोड ऑन कर लो क्या कर दू ऐसे घूसा मार इस इसप कैमरे पे क्या कर दूँ या इस पर मार दूँ या अपना सर दे मारूँ इस पे बीस्ट मोड अपन हमेशा बीस्ट मोड में रहते बेटा ठीक है ऐसे तुम वहाँ एग्जाम वेग्जाम में बीस्ट मोड में आके ये ऐसे करके पेपर मत फाड़ देना या ओ एम आर मत फाड़ देना बीटीएस वाले तो मेरे खास हैं यार उनसे तो मेरा मतलब ग्यारहना है उनसे जब तक ना लड़ लूँ मैं जैसे वो नहीं होता कि मम्मी को जब तक परेशान नहीं कर लो तब तक चैन नहीं पड़ता और कुछ नहीं तो जाके मम्मी काम कर रही उनको परेशान ही करके आ गए मैं ऐसे ही चलते फिरते बी वालों को छेड़ दे जब तक मैं नहीं छेड़ देता बी वालों को मुझे मजा ही नहीं आता है ना तो बी और हमारा ये हमारा लफड़ा चलता रहेगा हमेशा की तरह साल भर हो गया इस लफड़े को चलते हुए ये ऐसे ही चलता रहेगा वो मुझे ऐसी गालियाँ देते रहेंगे मैं उन्हें ऐसे ही रोस्ट करता रहूँगा ठीक है पर हां देखो आपसी मतभेद कितने ही हो प्यार बना रहना चाहिए ठीक है देखो जब प्यार होता है आपस में तो लड़ाइया तो होती है तुम्हें पता ही है ठीक है बहुत ही आराना लगता है हाँ बहुत ही आराना है बीटीएस वालों से नालायकों क्वेश्चन सॉल्व करो बातें करवा लो बस अभी पता है मैं दो घंटे तीन घंटे यहां पर ऐसे फालतू की बातें कर रहा होता ना और भी ज्यादा जनता यहां पर प्रेजेंट होती खूब मजे ले रहे होते तुम लोग क्या लिखा है सर हम गाली नहीं देते क्वेश्चन के आंसर देते हैं अरे वाह वेरी गुड यार दिल जीत लिया इस लाइन ने तो सर हम गाली नहीं देते क्वेश्चन के आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट

तो ये तो आर्सेनिक दे दिया ओहो फोर्थ पीरियड का ये दे दिया आपको है ये क्या लिखा हुआ है इसको थ्री को यहाँ कर लो बेटा ये तो मिसप्रिंट हो रखा है यार आ, क्या करें अब चलो एक काम करते हैं आ, थ्री एस टू थ्री पी इसको टू कर लेते हैं और इसको थ्री एस टू थ्री पी थ्री रहने देते हैं है ना ऐसे कर लें क्या पूछा अपने से हाइएस्ट आइनाइजेशन एनर्जी पूछा है ठीक है हाइएस्ट आइनाइजेशन एनर्जी निकाल लेते हैं ये तो आर्सेनिक है बेटा आर्सेनिक का तो नहीं होगा है ना क्योंकि तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट है थर्ड पीरियड एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है फास्फोरस ये थ्री एस टू थ्री पी टू तो पहले ही दे रखा है इसको थ्री पी वन कर लो एक काम करो इसको थ्री पी वन कर लो थ्री पी थ्री हाँ ठीक है तो ये आपको दे दिया एल्यूमिनियम अब आपको कंपेयर करना है इनमें से अब आंसर लगाओ खैर अब क्या ही आंसर लगाओगे तुम लोग ये तो पोल ही गलत हो गया हम्म तो इसका आंसर वैसे तो डी हो जाएगा है ना छोड़ो पोल ये वाला नहीं देखते अपन रहने देते इसका आंसर डी हो जाएगा ठीक है आपको बेटा दे रखा है सिलिकन एल्युमिनियम फॉस्फरस और आर्सेनिक तो आर्सेनिक और फॉस्फरस में से तो आर्सेनिक अपना फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाएगी अब सिलिकन एल्युमिनियम और फॉस्फोरस ये तीनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनादेशन तो एनर्जी इनक्रीज होगी एल्युमिनियम सिलिकन और फॉस्फोरस ये ऑर्डर रहेगा और आर्सेनिक और फॉस्फोरस में अगर अपन चेक करें तो आर्सेनिक की कम रहेगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी चलो इसका आंसर लगाओ फटाफट से वो पिछले वाले क्वेश्चन का पोल किसी काम का नहीं था कोई बात नहीं दीपक ऐसा नहीं बोलते बेटा ऐसा नहीं बोलते संभाल के रखो मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहो तुम लोग हो गया <coughs> पोल लगाया था क्या अपन ने हाँ तो आंसर आ गया तो बेटा देखो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं उससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी क्या याद रखना हेलोजन फैमिली के मेंबर जो है ना इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी फैमिली के मेंबर से ज्यादा रहेगी हेलोजन फैमिली वालों की ज्यादा रहेगी फिर उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली का नंबर आ जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली का नंबर आ जाएगा और फिर कार्बन फैमिली की भी नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा होती है तो कार्बन फैमिली को उसके आगे लिख दो सबसे कम होती है नाइट्रोजन फैमिली की ठीक है तो आपको देखो बेटा यहाँ पर दो ऑक्सीजन फैमिली और दो हेलोजन फैमिली के मेंबर दे रखे ऑक्सीजन फैमिली और हेल्ड्रोजन फैमिली में से आपको दे रखा है ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों में से इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली वालों की ज्यादा होती है अब इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी तो याद है थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है ये थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा ये थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा तो सबसे पहले इनको रख दो सी एल देन एफ फिर उसके बाद आ जाएगा एस देन ओ तो सी एल एफ एस ओ सी एल एफ एस ओ ये रहा आंसर विल बी बी आंसर विल बी बी वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आइनिक रेडिया रेडियाई की अपन बात करें करें यानी कि अगर अपन साइज की बात इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऐसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सुन के कुछ याद आता है क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सुन के एक लाइन याद आती है क्या फटाफट से लिख के बताएंगे क्या याद आता है जल्दी <coughs> से बताओ सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ने गेन ने ने एनथेल्पी अलग होती है क्या नहीं बेटा वही 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 इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी या फिर ऐसे बोले ना कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी मतलब वो एक ही चीज है 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 ना ना बस वो क्या रिलीज होती है, इसलिए नेगेटिव ने साइन लगा देते हैं अरे जेड इफेक्टिव सुन के क्या याद आता है एक्चुअल अट्रैक्शन पार ऑफ न्यूक्लियस भूल तो नहीं गए तुम लोग नालायकों हाँ मैंने बोला था ना ये आखिरी तक काम आएगा तो बेटा एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा मतलब साइज छोटा तो साइज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो ही नहीं सकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाँ ये होगा डी आंसर होगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग रॉन्ग ऑर्डर बताना है चलिए अटेम्प्ट कर लो फटाफट से ये तो पी ब्लॉक का है अभी पी ब्लॉक में समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है अभी भी बता दूंगा ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये बेसिक नेचर और ये आयनिक रेडियस तो बेटा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनिक रेडियस तो इंक्रीज होगा किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो चाहे कोवलेंट रेडियस हो कुछ भी हो इंक्रीज होता है अपने को रॉन्ग बताना है ठीक है और और क्या बताना है अपने को फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी कार्बन की ज्यादा बोरॉन की ज्यादा दे रखी देखो बेरिलियम से बेटा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया है ना यही आंसर हो जाएगा और एसिडिक नेचर बेटा एसिडिक नेचर जो है ना डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में किसी भी फैमिली के हाइड्राइड्स हो डाउन द ग्रुप जाओगे एसिडिक नेचर इंक्रीज ही होगा क्योंकि साइज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा वैसे इधर एसिडिक नेचर नहीं पूछना चाहिए क्योंकि एसिड की तरह बिहेव नहीं करते है ना ये तो लुइस बेस है इनका बेसिक नेचर पूछना चाहिए था यहां पर इनका बेसिक नेचर पूछना चाहिए था पर नहीं पूछा अरे ठीक है तो यहां पर एसिडिक नेचर नहीं वैसे इनका बेसिक नेचर पूछा जाना चाहिए था और बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है आंसर बी आ जाएगा इधर देखो ये तो एम्फोटेरिक होता है ये बेसिक ये बेसिक ये बेसिक अब इन तीनों में से ज्यादा बेसिक कौन तो डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है तो सोडियम पोटेशियम में से पोटेशियम ज्यादा देखो ये ऐसे है ये मैग्नीशियम है ये सोडियम है ये पोटेशियम है बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक इसका ऑक्साइड और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ता है तो इन दोनों में से इसका ज्यादा बेसिक तो एम के बाद इसका नंबर आ जाएगा इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा और उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम तो ये इनके ऑक्साइड के एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ गया जो कि सॉरी बेसिक नेचर का ऑर्डर आ गया जो कि सही है ठीक है आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा बी अबे क्या लगाया तुम लोगों ने आंसर डी डी बोले तो ये अबे करेक्ट नहीं पूछा इन करेक्ट पूछा गधों कुछ भी लगा रहे हो ए में उल्टा नहीं है क्या नहीं वो तो सही है पर इनका एसिडिक नेचर ही नहीं पूछा जाता अगर वो ऐसे लिख देता एच टू ओ एच टू एस एच टू एस टू टी तो हाँ डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज ही होता है पर ये एसिडिक नेचर शो ही नहीं करते तो इनका पूछा ही नहीं जाना चाहिए था इनका तो बेसिक नेचर पूछा जाना चाहिए था और बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है लुइस बेसिक नेचर ठीक है नेक्स्ट विच इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आइनाइजेशन एनर्जी सेकंड और थर्ड आइनाइजेशन एनर्जी में हाइएस्ट डिफरेंस कहाँ मिलेगा बहुत आसान क्वेश्चन है फटाफट से बता दो बताओ <coughs> अरे बी आर्मी हो या कोई भी स्पैमर हो स्पैमर कोई भी हो सबको निपटा सकते हैं अपन तुम लोग टेंशन मत लिया करो ठीक है तो बेटा देखो अपने को चाहिए सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और ये री एस वन थ्री पी वन तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन ये तो कौन सा कॉन्फिगुरेशन लिख दिया री एस टू लिखा होना चाहिए था यहाँ पे इसको थ्री एस टू कर लो है ना अब वही है यार फिर पोल गलत हो जाएगा ये टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पर थ्री एस टू होगा बेटा और उधर थ्री पी वन होगा तो ये तीन इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये चार इलेक्ट्रॉन देने के बाद और ये दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद आंसर इसका डी जाएगा अब ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम लोगों का गलत हुआ है कोई बात नहीं आ, बी अगर तुमने किया है तो भी ठीक है हाँ वैसे डी भी काफ़ी लोगों ने किया कोई नहीं थ्री एस टू थ्री पी वन होगा यहाँ पर तो तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अरे यार पूरे क्वेश्चन का मजा ही बिगाड़ दिया कोई बात नहीं चलो Uh, बेटा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की अगर अपन बात करें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की अकॉर्डिंग टू मोजले स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑप्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग मोजले ने क्या किया था मोजले ने क्या किया था याद है मोजले ने कर्व ड्रॉ किए थे तो जिसमें उसने एक पर लिया था फ्रीक्वेंसी यानी कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को और एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर अब ये फ्रीक्वेंसी कहां से ली थी उसने फ्रीक्वेंसी उसने ऐसे ली थी कि जो अपने मेटल्स हैं हैवी मेटल्स उन पर हाई स्पीड पार्टिकल्स का बंबार्डमेंट करवाया था हाई स्पीड पार्टिकल का बंबार्डमेंट करवाने पर मेटल्स एक्सरे इमिट करते हैं हाई स्पीड पार्टिकल्स कौन से थे बेटा अपने बीटा पार्टिकल्स बोले तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है ना तो यहां पर अपने को एक्सरे मिली थी ये जो एक्सरे रिलीज हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया और उसको रिलेट किया उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से एक बार और एक बार एटॉमिक नंबर से ऐसे रिलेट किया है ना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब दी थी मोजले ने तब का एक्सपेरिमेंट है उससे पहले मैंडली पीरियोडिक टेबल थी जो कि एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी पर मोजले ने जब एटॉमिक नंबर नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई तो मोजले ने एटॉमिक नंबर से भी रिलेट करने की कोशिश की थी ठीक है तो एटॉमिक नंबर से उसने पाया कि ऐसे स्ट्रेट लाइन कर मिलेगा ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट लाइन करवा जाएगा ऑलमोस्ट और अगर एटॉमिक वेट से रिलेट करेंगे तो अपने को स्ट्रेट लाइन कर नहीं मिलता ऐसे जिक्सैक कर मिलता है है ना ऐसे जिक्सैक कर मिला था मतलब ऐसे 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 मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं मिली थी तो फिर यहां से अपन ने आइडिया लगाया था कि एटॉमिक वेट से रिलेट ना करके एटॉमिक नंबर से रिलेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि लेवल सब के निकलेंगे <laughs> मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर और इससे पहले जो मेंटली पीरियोडिक टेबल आई थी उसमें कौन सा लेवल आ, अरे यार यार तुम लोग मत लिखा करो बार बार वही पढ़ने में आता है फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में uh, ने जो मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ दिया था वो किस पर बेस था एटॉमिक ठीक है ठीक है तो चलो लगा दो अब पोल अब लेवल लगा दो तुम लोग ये लो लेवल <coughs> आंसर लगाओ फटाफट से लगा दिया। तो उसने कैसे रिलेट किया था द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइन ग्राफ नहीं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी करेक्टर एक्सरे द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्से टू द एलिमेंट अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर हाँ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर एलिमेंट्स अगेंस्ट टू द एटॉमिक नंबर ये दोनों सेम ही तो है ये ऑप्शन ये ऑप्शन सेम ही तो है अरे यार द रेसिप्रोकल ऑफ अगेंस्ट देयर अटोमिक नंबर बी और सी दोनों ही सेम है ठीक है लगा दो फिर बी ही बी और सी हाँ ठीक है सी भी लगाया तो भी ठीक है अच्छा इसमें तो स्क्वायर लिखा है ना हाँ स्क्वायर लिखा है स्क्वायर रूट आएगा ठीक है हाँ सी आंसर ठीक है सी आंसर सही है सॉरी आप लोगों ने सही लगाया था वो मेरी ही वजह से गलत हो गया तो ऐसा करते हैं ना इसको वापस से स्टार्ट कर देते हैं तुम्हारी रैंकिंग गड़बड़ ना हो उसके लिए वापस से स्टार्ट कर देते हैं तुम लोग आंसर लगा दो सी तो जिसने भी लगाया होगा सी उसका एटलीस्ट रैंकिंग तो नहीं बिगड़ेगी आंसर गलत होने की वजह से ठीक है लगा दो फटाफट से वो आंसर उसका सी ही है अरे वो कुछ नहीं हुआ वो थोड़ा सा ध्यान भटक गया ध्यान नहीं गया मेरा उस तरफ है ना चलो वापस से वापस से ट्रैक पे आते हैं, देखो अभी भी फिर भी कुछ लोग हैं हैं, जिन्होंने आंसर लगाया, <laughs> ये जो लोग इनको तो शाश्वत सल्यूट है सल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को मैं, मानना पड़ेगा भाई मतलब जिगरा चाहिए इस कैटेगरी में आने का सच में नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं ए बी सी आर द थ्री एलिमेंट ऑफ डोबराइनर्स ट्रायड एंड एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी आर सेवन एंड फिफ्टीन तो बेटा डॉबराइनर्स ट्राइड क्या बोलता है डॉबराइनर्स ट्राइड uh, क्या बोलता है तीन एलिमेंट का एक सेट है जैसे कि एलिमेंट ए है बी है और सी है तो ये तीन एलिमेंट का एक जो सेट है इसको बोलेंगे हम ट्राइड और उसमें पहले और तीसरे का जो वेट है उसका एवरेज जो है वो बीच वाले का वेट होगा ठीक है तो वो अपने को बोल रहा है ए बी सी जो है तीन एलिमेंट है और ए और बी का वेट दे रखा है आपको है ना तो इसमें ए और सी का जो वेट है वो बी का वेट होता है वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं पोल लगा के देता हूं ना तुम बोलो पोल तुम लोग करो वेट ऑफ सी बाय टू बताओ आंसर फटाफट से जल्दी बताओ कर लोगे तो बी का दे रखा है बेटा पंद्रह और ए का दे रखा है सात और कर लेना इसको सॉल्व अब है ना ठीक है कितना हो जाएगा ये थर्टी माइनस सेवन मेरी तो ही गणित कमजोर है मेरी तो वैसे ही गणित कमजोर है तुम लोगों की थोड़ी अच्छी है तो तुम लोग कर लेना कैलकुलेट आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी हाँ ये देखो ग्यारह निकाल रहे हैं कुछ लोग ग्यारह क्या सोच के निकाल रहे हो तुम लोग आंसर नालायको नेक्स्ट है ये क्या देख रहा हूँ मैं उसमें क्या लिखा था मुकेश अम्बानी अम्बानी जी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या हमारी अरे भाई साहब ये तो हमारा सौभाग्य है अकॉर्डिंग टू द लोथर मेयर कर्व अब बेटा लोथर मेयर कर्व की अच्छा डॉबराइनस ट्राइड भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं कौन कौन से थे है ना ये है नॉबराइनस ट्राइड <coughs> ये याद रख लो और काफी इतने बहुत एच एफ सी एल है ना इतने बहुत हैं ये ट्राइट्स थे जो डोबराइनर ने दिए थे मतलब ये तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप थे जो उन्होंने दिए थे ये देख लो और इसमें एनामोलस पेयर्स भी थे एनामोलस पेयर्स भी थे वो भी आगे क्वेश्चन आएगा वहां पर देख लेंगे अपन एनामोलस पेयर का क्वेश्चन आ जाए हाँ आगे आ रहा है आगे आ रहा है ठीक है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर कर्व अब लोथर मेयर जो थे इन्होंने क्या किया था लोथर मेयर ने कर्व ड्रॉ किया था बेटा इन्होंने भी एक कर्व ड्रॉ किया था किसके बीच में अटोमिक वॉल्यूम के बीच में और अटोमिक नंबर के बीच में अटोमिक वॉल्यूम और अटोमिक नंबर के बीच में कर्व ड्रॉ किया था तो इनको ऐसे रिपीटेड पैटर्न में कुछ कर मिले थे है ना और इस पर उन्होंने क्या देखा था कि जो एलिमेंट्स हैं जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं वो फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और कौन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जितनी भी टॉप वाली पोजीशन है इन सब पे कौन थे बेटा अलकली मेटल कैसे थे अलकली मेटल जो डिसेंडिंग पोजीशन थी इन डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन थे अलकली अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोजिशन पे अलकली अर्थ मेटल्स थे और असेंडिंग पोजिशन पर कौन थे असेंडिंग पर थे असेंडिंग पोजिशन पर कौन थे बेटा halogens. और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और metalloids थे वो कहां पर थे बॉटम पोजिशन में मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सब कहां पर थे बेटा ये सब बॉटम पोजिशन में थे ठीक है ये उन्होंने हमें बताया था तो अब क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो अब आपसे ये हो जाएगा चलो फटाफट से क्वेश्चन आंसर लगाओ ये ऑप्शन कैसे नीचे खिसक गए आंसर लगाओ बेटा आरती वेरी गुड बेटा वेरी गुड बहुत अच्छे लीडर बोर्ड दिखा दो हाँ बेटा इस चैप्टर को खत्म हो जाना दो यार फिर वो दिखाते ना यार है ना अरे भैया जितने भी नए लोग आए हैं कम से कम लाइक तो कर दो वीडियो को यार इतनी मेहनत की जा रही है तुम्हारे लिए तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ये तुम लोगों की तो मेहनत है खुद के लिए लाइक ठोक दो एक बार कम से कम है मतलब बोलेंगे नहीं तो करोगे भी नहीं वाह वाह बेटा वाह क्या लिख रहा था यार अभी ए? कि सर पी ब्लॉक में जेई मेन में ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ था वापस लिखना बेटा मैसेज वापस मैसेज करना हम्म तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विल ऑक्यूपाई सेम पोजिशन ये सही है अपने को क्या बताना है इनकरेक्ट बताना है अल्कलाइन अर्थ मेटल आर एट द पीक बी आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा वेरी गुड ठीक है पीरियड इनिशियली हाँ, एक पीरियड में जैसे कि यहाँ पर एक अल्कली मेटल है इसके बाद पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज़ कर जाता एक है एकदम से ठीक है जेई मेन में पी ब्लॉक के केमिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आया था हाँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो काम की है वो तो अपन कर ही लेंगे ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो अपन करेंगे ही कंपाउंड हटे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हटी बेटा में में पी ब्लॉक के क्वेश्चन आए थे हाँ तो अपने नीट में भी आएंगे ना पी ब्लॉक के पर कंपाउंड्स की रिएक्शंस के नहीं आएंगे कंपाउंड्स के यूज पर नहीं आएंगे उनकी प्रिपरेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे वो पार्ट हटाया है ठीक है नेक्स्ट चलिए भाई <coughs> मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था कौन सा नहीं था जिसका नहीं था उसका क्या नाम रखा था ये आपको मैंने याद करवाया था याद है पहले तो मैं पोल लगा देता हूं रुको, है ना कैसे याद करवाया था याद है गंगा से जमुना कैसे याद किया था बेटा गंगा से जमुना तक ये एलिमेंट मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं थे फिर मैंडलीव ने इनके नाम रख दिए थे खाली जगह छोड़ के।, के भाई कुछ आने वाले समय में कुछ एलिमेंट है जो डिस्कवर होंगे उनके बारे में मैंडलीव में ने पहले से ही हमें जानकारी दे दी थी जैसे गैलियम को क्या बोल दिया था इका एल्यूमिनियम क्या बोल दिया था एल्यूमिनियम ऐसे जर्मेनियम को एका सिलिकॉन और टेक्नीशियम को बोला था तो गंगा से जमुना तक अलमारी भरी सी मांगे गंगा से जमुना तक अलमारी भरी सी मांगे तो करेक्ट मैच बताना है इका सिलिकॉन बेरिलियम नहीं गलत है एक एल्यूमिनियम इका मैंगनीज बोरॉन ये भी गलत है इका बोरन क्यों स्कैंडियम को इका बोरन हाँ नहीं 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 ये सही है ये सही है स्कैंडियम को इका बोरन बोला था तो ये आ गया अपना कौन सा फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ हाँ ठीक है ए आंसर आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा क्या आंसर हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा ए चलो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ये वाले पार्ट से question डालें ताकि तुम्हारा वो वाला पार्ट भी revise हो जाए, है 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 ना ना तक तक? हुआ था? याद है ना? तक। याद है सारे गामा आठवां जो एलिमेंट होगा पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा इसलिए इसको ऑक्टेव लॉ बोला था और तब नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी और सिर्फ कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था तो इनमें से कौन

मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कौन सा एनामलस पेयर नहीं है तो बेटा Mandleev की पीरियोडिक टेबल में एनामलस 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 पेयर 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 भी था 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 मतलब मतलब क्या था? का का मतलब ये था. ने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को जमाया था लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको बाद में रख दिया था और जिसका ज्यादा है उसको पहले रख दिया था जैसे आर्गन की अपन बात करें तो आर्गन का ऑलमोस्ट फोर्टी होता है अटोमिक वेट थर्टी और पोटेशियम का होता है थर्टी फिर भी पिरोडिक टेबल में बाद में पोटेशियम आता है और पहले आर्गन आ जाता है क्योंकि इसको नोबल गैसेस के साथ रखना था है ना तो इसको बोलते बन अनोलस पेयर तो ये भी एक अनोलस पेयर था ये भी एक अनुलस पेयर था ये भी एक पेयर था ये तीनों अनोलस पेयर थे अल्यूमिनियम और सिलकन नहीं था इसका आंसर आएगा डी याद रखना बस ये तीन अनामस पेयर याद रख लेना कौन कौन से आर्गन पोटेशियम टेल्यूरियम आयोडीन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट और निकल भी था ठीक है आंसर डी वेरी गुड सही आंसर दे रहे हो यार क्या बात है वेरी गुड एलिमेंट विद to सत्रह एक सौ बीस आर would you place these? तो देखो एक सौ चार से एक सौ अट्ठारह तक के जो एलिमेंट है बेटा उनका लास्ट का जो दो मैं पोल लगा देता हूँ फिर आंसर समझाता हूँ पोल लगाओ तुम लोग जब तक आंसर लगाओ मैं तब तक क्वेश्चन समझाता हूँ तो बेटा लास्ट की टू डिजिट्स डिजिट जो है ये अपने को शो करती है इसका ग्रुप नंबर तो ये तो हो गया सत्रह अब इसके बेस पे भी आंसर निकाल सकते हो आप तो सिर्फ अगर आपने इसका निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा पर मान लो कभी ऐसे पूछ लिया कि 120 का बताओ कौन सा ग्रुप नंबर होगा तो बेटा आपको यह मालूम है कि 118 जो है वो लास्ट एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का और यह एटीन ग्रुप को बिलोंग करता है है ना एटींथ ग्रुप को बिलोंग करता है अब अगर कोई नया एलिमेंट एड होगा एक के बाद एक तो वो कहां पर जाएगा सीधे पहले ग्रुप में है ना एक के बाद वो आ जाएगा एक फर्स्ट ग्रुप में और फिर 120 आ जाएगा कहां सेकेंड ग्रुप में तो 120 सौ सेकेंड ग्रुप और 117 तो पता ही है आपको तो सत्रहवें ग्रुप में आ जाएगा है ना आंसर ए आ जाएगा वेरी गुड बहुत अच्छे अब ये जो 120 है ना बेटा 120 अपना आखिरी एलिमेंट होगा इस पीरियोडिक टेबल के मॉडल का वैसे तो 118 सौ आखिरी है पर हां अगर आप एक और पीरियड ऐड कर दो आठवां तो उसमें ये दो एलिमेंट ऐड करने के बाद एक नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा जी ब्लॉक <coughs> जी ब्लॉक ऐड हो जाएगा क्योंकि 120 के बाद जो 121वां इलेक्ट्रॉन होगा वो जी सबशेल में एंटर करेगा और जिस सबशेल में एंटर करता है उसी ब्लॉक में एलिमेंट को रखा जाता है तो यहां पर एक और नया ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा अपने को जो हो जाएगा जी ब्लॉक पर ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम आपको ये नहीं बताते हैं इसको हटा देते हैं नेक्स्ट मोस्ट बेसिक ऑक्साइड तो बेटा याद है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इधर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस सेवन पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा पोल लगा रहा हूं तुम लोग आंसर दो तब तक है ना मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूं पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर कौन सा नेचर बढ़ता है <coughs> इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर कौन सा नेचर बढ़ेगा नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा क्या और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं तो अगर नॉन मेटालिक तो नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर कम हो जाएगा इसलिए तो ये एम्फोटेरिक हो जाता है मेटल का ऑक्साइड है ये दोनों बेसिक जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है नॉन मेटालिक नेचर बढ़ रहा है तो इनका बेसिक नेचर इसका एम्फोटेरिक और इसका एसिडिक नेचर हो जाएगा अपने को मोस्ट बेसिक बताना है तो जो सबसे लेस ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा पॉजिटिव में उसमें मेटालिक नेचर सबसे ज्यादा होंगे सबसे बेसिक वही होगा तो एम एन ओ विल बी द आंसर बहुत बढ़िया सही अच्छा सही जवाब दे रहे हो तुम लोग अरे वाह पीरियोडिक टेबल आते ही तो तुम लोग मतलब है, 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 क्या बात है तो चलो फिर लगाओ आंसर नेक्स्ट तो ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओ भैया ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है ये तो तुम लोग वैसे ही लगा दोगे लगाओ फटाफट सब तक मैं थोड़ा सा गला गरम कर लेता हूँ इनऑर्गेनिक आसान लग रही है अरे अम्बानी जी को इनऑर्गेनिक आसान लग रही है अरे थैंक यू सो मच ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सु, आ, सुनने को मिला ब्रेक बस देते हैं बेटा ये अपना चैप्टर खत्म होने वाला है बस देते हैं ब्रेक क्या पूछा हमने से ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी तो वैल्यू याद होनी चाहिए आपको तो है ना टू पॉइंट एट पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव, फाइव आंसर फिफ्टी थ्री परसेंट लोग मतलब कुछ ऐसे हैं जो ब्रोमीन को ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं लो पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल टेबल समाप्त हो गया खत्म ठीक है अब इसमें बेटा एसिडिक नेचर वगैरह अगर पूछा जाए जैसे कि आपसे एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई एसिडिक नेचर वगैरह ऐसे पूछा जाए तो याद रखना डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है पी ब्लॉक के ग्रुप्स में अगर हाइड्राइट्स का एसिडिक नेचर पूछा जाए तो इंक्रीजिंग होता है ठीक है है ना एसिडिक नेचर वगैरह ऑक्साइड्स का तो तुम पता लगा ही लोगे अगर आपसे ऐसे पूछा एच ओ एफ एच ओ सी एल एच ओ बी आर और एच ओ आई अगर ऐसे पूछा जाए कि बताओ इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है तो आप एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आंसर लगा देना इधर ऑर्डर क्या आ जाएगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सी एसिड ज्यादा एसिडिक होगा ठीक है अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एच एन ओ थ्री और एच एन ओ टू में से ज्यादा एसिडिक कौन है या फिर एच ओ सी एल एच सी एल ओ टू एच सी एल ओ थ्री और एच सी एल ओ फोर इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है तो जब सेम एलिमेंट आ जाए तब आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना ऑक्सीडेशन स्टेट जिस पर पॉजिटिव में ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो इधर प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो ऐसे आप एसिडिक नेचर का भी याद रखना ये भी मैंने रिवाइज करवा दिया है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है बेटा ठीक है पीरियॉडिक टेबल समाप्त अब अपन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक अपन पांच बजे से लगातार पढ़ रहे हैं चार घंटे हो गए अपने को पढ़ते हुए चार घंटे में अपन ने कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल निपटा दिया काफी अच्छा स्पीड अपन ने मेंटेन किया हुआ है अच्छी स्पीड के साथ अपन रिविजन कर रहे हैं और लगभग लगभग सारे टॉपिक्स को टच करते हुए निकल रहे हैं अपन है ना बीच बीच में कई चीजें आपको याद भी आई होंगी कि हाँ यार ऐसा भी होता है हाँ ये भी है ना तो अब अपन लेंगे छोटा सा ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कितने मिनट का लें बताओ दस मिनट का लेंगे पंद्रह मिनट का लें दस मिनट का लेंगे, लेंगे। ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं लेंगे दस मिनट का ब्रेक फिर उसके बाद पोल करवाएंगे फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर करना है वो आप बताना ठीक है दस मिनट का ब्रेक ले रहे मिलेंगे हम नौ बज के दस मिनट पे चलो भाई दस मिनट का ब्रेक लेते हैं आप लोग भी ब्रेक ले लो लोसू बोटी कर लो फटाफट से मतलब खाना वाना खा लो जल्दी से और फटाफट से फ्रेश होके एकदम फ्रेश मूड के साथ आना फिर अपन और भी तेज रफ्तार से और भी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीडर बोर्ड दिखा देते हैं अपने अपने मम्मी पापा को ये लीडर बोर्ड जरूर दिखाए मयंक बेनीवाल मयंक है हाँ, क्या है बेटा तीन बार से लगातार टॉप कर रहा है ये तीन चैप्टर से ये टॉप पर ही है तो शिवम विजय आयुष रेशमा तुम लोग रैंकअप करो आगे बढ़ो थोड़ा हाँ ठीक है तो ये अपना लीडर बोर्ड है मिस्टी ने रैंकअप कर लिया भाई साहब वाह 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 वा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला रुकेगा नहीं साला क्या बात है बहुत बढ़िया पुष्पा फायर जो भी है ये लड़का है या लड़की है जो भी है इसने अच्छा किया है ये मतलब पीछे काफी नीचे रैंक पर था ये काफी ऊपर आ गया बहुत बढ़िया बेटा दाक्षी ने भी रैंकअप कर लिया अक्की ने भी रैंकअप कर लिया हार्डी ने भी रैंकअप कर लिया ड्रीम चेजर ने भी मतलब कोई भी ऐसा जो नॉर्मल नाम हो वो तो नहीं ये सारे मतलब कुछ तो भी नाम रख रक रख के तुम लोगों ने बढ़िया जस्ट सैड लाइफ बेटा एटीनथ 18, नंबर पे चल रहे हो आप इतने सारे बच्चों में इट इज नॉट सैड इट इज़ गुड बढ़िया बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग बस ऐसे ही करते रहो मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे लीना ने रैंकअप किया है नीट एस्पिरेंट ने कर लिया है शशिधर खुशी हेतल मानसी कीर्ति शिखा दिलशाद तनवीर परहीन जुनैद नातनी। अच्छा वाह यही नाम रख लिया और कुछ नहीं तो सुहाना टॉप स्मार्ट जोन वाह बाबा 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 वैभव क्या प्रोन्नति आयात अपने अपने नाम देखते जाना अरे भैया साइनो बैक्टीरिया नीचे पहुंच गए स्टार्टिंग में तो ऊपर थे अपन नीचे कैसे पहुंच गए बीच में गैप ले लिया है ना इधर उधर निकल लिए थे है ना बीच में है ना पारुल वेरी गुड बेटा तामीम साहिल कितने लोग हैं टॉप हंड्रेड हैं अरे ये तो बहुत सारे हैं हैं ये तो बहुत सारे हैं ये तो आते जाएंगे चलो बहुत बढ़िया दे अरे काफ़ी लोग रैंकअप कर रहे हैं बस ऐसे ही रैंकअप होते रहना चाहिए चलो मिलते बेटा दस मिनट के ब्रेक के बाद है ना आ जाना फटाफट से हाँ ऐसा नहीं कि तुम लोग चक गए और उसके बाद निकल ही लिए खाना खा के घूमने गई है ना फटाफट से आ जाना कौन से सीक्वेंस में नीट पेपर सॉल्व ब्रेक है ना तुम लोग जाओ अब मैं थोड़े बहुत डाउट वाउट ले लेता हूँ थोड़ी बहुत बातें बातें कर लेता हूँ मैं यहीं बैठ जाता हूँ हाँ तो कौन से सीक्वेंस में नीट पेपर सॉल्व करना चाहिए देखो वैसे तो बेटा आपको ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं और ये अच्छी स्ट्रैटेजी भी है पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करते हैं फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स अटैम्प्ट करते हैं पर मैं ये कहूंगा कि आप एक बार मतलब स्ट्रैटेजी तो यही रखो लेकिन अगर आपको ऐसा लग गया कि यार केमिस्ट्री का पेपर टफ आया है और फिजिक्स का थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान आया है पेपर देख के पता लग ही जाता है कि कौन सा टफ है कौन सा आसान है तो अगर फिजिक्स का ईजी लग रहा हो ना तो पहले फिजिक्स कर लेना ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले केमिस्ट्री ही करो हाँ हालांकि जनरली होता यही है ट्रेंड यही फॉलो किया जाता है पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स सर ब्रेक नीडेड नहीं थी अरे नहीं बहुत से बच्चे जो हैं वो मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं चार घंटे हो गए उनको पढ़ते पढ़ते मेरा तो कुछ नहीं मैं तो पढ़ा दूँगा लगातार पर फिर तुम्हारे ही घुटने छिलेंगे फिर मुझसे मत कहना हेलो सर आप भागल भोपालगढ़ से हो क्या नहीं बेटा सर मैं कोटा से ही हूँ सर पी ब्लॉक में क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं हाँ वो इसलिए होता।, होता है बेटा पी ब्लॉक में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आ, उसमें काफ़ी चीज़ें क्या है याद करने वाली हैं अब वो याद करने वाली चीज़ें जब तुम पढ़ते हो तब तो तुमसे क्वेश्चन हो जाते हैं है ना फिर जैसे भूल जाते हो तो फिर क्वेश्चन नहीं होते तो इसका सिंपल सा उपाय यह है कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ पी ब्लॉक के और अब तो काफ़ी कुछ हट गया है पी ब्लॉक में रटने वाला अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है सर आप डिनर नहीं करोगे नहीं मैं आज तुमको पहले पूरा पढ़ाऊंगा उसके बाद ही डिनर करूंगा हम um, सर uh, आपने रीड कर लिया मैसेज मैं वैसे कर लेता हूँ सभी के पर बस वही है वो अगर कोई चैट में ऊपर निकल जाए सर कोटा में कहाँ रहते हो कोटा में यहीं रहते हैं बेटा कोटा में अपन रहते हैं अपने घर पे. <coughs> सर मैं इनऑर्गेनिक आपसे पढ़ा हूँ बहुत मस्त पढ़ा थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा सर मैं ब्रेक के बाद शुरू ब्रेक के बाद से शुरू करूंगा पहले वाला बाद में देख लूंगा हाँ चलेगा बेटा चलेगा देखो कोऑर्डिनेशन पी अपना आ, डी ब्लॉक और पीरियडिक कोई दिक्कत नहीं है हाँ। न्यू चैप्टर में न्यू पोल स्टार्ट करा लो जिससे हर चैप्टर में अच्छा न्यू पोल स्टार्ट करवा लें ठीक है हाँ ऐसा कर लेते हैं अपन न्यू पोल चालू करवा लेते हैं वापस से है ना तो अब वापस से कई लोगों को मौका मिलेगा पोल वापस से चालू कर दो इसका हाँ ब्रेक दे रखा है कर दो चालू कोई दिक्कत नहीं है अपने ही लौटने हैं सब सर 119 वाले की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच ना करे तो नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा 119 वाले की करेगी ही करेगी इसी बेस पे तो मंडलीव ने पहले से बता दिया था कि गैलियम की प्रॉपर्टी ये ये रहेगी है ना गैलियम की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी और स्कैंडियम की क्या रहेंगी गैलियम कैसे बता पाए थे क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि ये एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आएंगे और ये क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रखते हैं वैलेंसी शो करते हैं इसलिए सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं तो 119 वाला जो एलिमेंट है वो डिस्कवर हो चुका है ऑलरेडी मतलब तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिफाइन हो चुकी है और वो मैच करती हैं एल्कली मेटल से बस वो हाँ हाँ इसको सेव कर दो क्योंकि बहुत सारी है इसमें कोई तो लफड़ा हो गया अगर बीच में अटक गया तो हाँ 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 लव फ्रॉम लक्ष्य नीट बैच सर आप एम डी सर की तरह बोलते हो सेम हम दिखते भी थोड़े थोड़े सेम हैं हम भाई हैं वैसे भी और, और पता है क्या तुम लोग जब पढ़ोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम किससे पढ़ रहे हो कि मतलब मैं इससे पढूं कि उससे पढ़ूँ हमारे जो बच्चे हैं ना वो ऐसे हैं जैसे कि आ, आ, मैं यकीन टू पॉइंट थ्री पॉइंटों में पढ़ा रहा हूं सर यकीन टू पॉइंटों में पढ़ा रहे तो टू पॉइंटों वे थ्री पॉइंटों में आगे पढ़ लेते थ्री पॉइंटों वाले टू पॉइंटों में जाके पढ़ लेते हैं उनसे कंटेंट भी हमारा लगभग सेम ही रहता है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम बिंदास पढ़ो यार तुम्हें पीडब्ल्यू ने इतने बढ़िया टीचर दे रखे बस वो वो ये होता है ना कि अगर तुमको मान लो कोई बहुत कीमती चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए अगर तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं होगी तो तुम्हारे साथ अभी ऐसा ही हो रखा है पीडब्ल्यू ने तुमको इतने बढ़िया हीरे इतने नगीने दे रखे हैं तुमको और यूं बोल रखा है कि लो इनको जितना यूज कर सकते हो करो जितना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है इनसे खींच के निकाल लो पर वो तुम्हें क्या बहुत इजीली दे दिया पीडब्ल्यू ने इसलिए कभी कभार तुम लोग थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हो है ना तुम्हारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है Hmm. हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे चलो भाई हाँ चैट सर आईपीएल देखते हो क्या नहीं बेटा मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया क्रिकेट ना मैंने टेंथ क्लास के बाद से छोड़ दिया था टेंथ क्लास के पेपर मैंने क्रिकेट खेलते खेलते ही दिए थे तो फिर मुझे समझ में आ गया कि टेंथ में है ना एक्चुअली क्या है टेंथ क्लास में मैं मतलब काफ़ी अच्छे परसेंटेज ला सकता था अबो नाइन्टी नाइन्टी फाइव ऐसे कुछ ला सकता था पर वो क्रिकेट खेलने के चक्कर में कम रह गए थोड़े सेवेंटी एट हाँ ऐसे कुछ परसेंटेज रह गए सेवेंटी सेवन परसेंटेज रह गए तो फिर घर वालों ने खूब सुनाई उस चीज़ को लेके तो फिर मैंने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया फिर मैंने टेबल टेनिस खेलना चालू कर दिया बास्केटबॉल खेलना चालू कर दिया बैडमिंटन खेलना चालू कर दिया और ट्वेल्थ में पता है ट्वेल्थ में मन लगा के पढ़ाई की भयंकर मतलब इतना मन लगा के घर वाले खुद बोलने लग गए थे मैं तुमसे कहता हूं ना कि यार मेहनत इतनी किया करो कि मान लो कभी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तुम नीट का एग्जाम क्लियर नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट तुम्हारे माँ बाप सबके सामने खड़े हो कि ये ज़रूर बोले कि नहीं यार मेरे बेटे ने मेहनत तो की थी हमारे बच्चे ने हमारे बच्ची ने मेहनत की थी वो नहीं हुआ वो बात अलग है हो सकता है कोई और फैक्टर रहा हो लेकिन मेहनत तो इसने बहुत की थी है ना ऐसा होना चाहिए फॉस्फोरस का एलोट्रॉप हट गया क्या बेटा हट तो गया देखो सिलेबस से पर फिर भी मैंने पढ़ाया तो है क्लास में एलोट्रॉप्स वो पढ़ लेना उसके बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आया भी तो पर पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है फाइनल केमिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ना है बस सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज तक सारे वीडियोस देख लिए नोट्स नहीं बनाए इतना सारा कोई बात नहीं बेटा नोट्स देखो जब लास्ट मोमेंट में तुम लोग हो ना तब नोट्स बनाने पे ध्यान मत दिया करो नोट्स जुगाड़ लिया करो पीडीएफ निकाल लिया करो प्रिंट आउट निकाल लिया करो उनके है ना नोट्स बनाने वाला कार्यक्रम साल की शुरुआत से किया जाता है साल के अंत में नोट्स बनाने नहीं बैठा जाता साल के अंत में तो नोट्स जुगाड़ लो प्रिंट आउट निकाल लो हम्म सर पोल में ज्वाइन कैसे करें पोल में आपको कुछ नहीं बस वो चैट में आंसर दो आपका वो आ जाएगा पोल में सर आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो इन्हीं से पेपर आएगा क्या अब ये तो ये कैसे बता ये तुम लोग कैसे सवाल करते हो यार है कभी मतलब मैं मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा जब तुमको ऐसे देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि यार ये क्या प्रोडक्ट बना दिया हमने यार हम क्या बनाना चाह रहे थे क्या बन गया यार ऐसे नहीं सोचते होंगे वो कैसी बातें करते हो तुम लोग यार ऐसा <laughs> हो सकता है क्या अच्छा देखो मैं चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ भी कर लो जो पढ़ रहे हैं पेपर तो यहीं से आएगा ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं पेपर तो यहीं से आएगा पेपर कहां से आएगा मुझे भी नहीं पता लेकिन हां हमने जितना पढ़ा है उतने से ही पेपर आएगा ये मैं बोल सकता हूं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं कि क्वेश्चन तो यही वाला आएगा यही क्वेश्चन आएगा है ना ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं लेकिन जो मैंने पढ़ाया है पेपर तो वहीं से आएगा तुम्हारा नीट तो हंड्रेड परसेंट क्लियर होगा सात सौ पार तो तुम लग जाओगे उसी से ही जो अपन ने पढ़ा है वो सात सौ प्लस लाने में तो हंड्रेड एंड वन परसेंट सफिशियंट है उसकी मैं गारंटी लेता हूं एकदम ठोक के हाँ ये नहीं कहता कि क्वेश्चन यही आएगा है ना और सोचो मान लो अगर यही क्वेश्चन पेपर में नीट में इस बार देखने को मिल जाए क्या माहौल बन जाएगा यार है अपन बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा और सच में भी नीट में यही क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाए एकदम मजे ही मजे हो जाए है ना खैर वो तो नीट का पेपर होगा तब देखेंगे तब पता चलेगा तो बेटा आपने जो पढ़ा है ना हमने जो आपको पढ़ाया है वो मोर देन सफिशियंट है आप 700 पार तो आराम से ले आओगे और मुझे नहीं लगता कि 705 710 नंबर लाने के बाद कोई भी ये सोचेगा कि अरे यार वो तो इस टीचर ने मेरे को ऐसा पढ़ा दिया नहीं तो मैं 720 ही लेकर आता है ना तो टीचर्स ने यहाँ पर तुम्हें जो कंटेंट दिया है वो बहुत सफिशेंट है उसको लेकर कभी भी डाउट मत करना बेटा वो आप आराम से क्लियर कर जाओगे अपना नीट मतलब आप एम्स वेम्स में तो पहुँच जाओगे उसको पढ़ के ठीक है अब उससे ऊपर अगर कहीं तुमको कुछ जाना हो तो वो हाँ तुम्हें रसिया वसिया कहीं जाना हो या कहीं और जाना हो तो उसके लिए हमारा कंटेंट तुम्हारे लिए जो है हो सकता है सही ना हो क्योंकि हम तो नीट वीट क्लियर करा देते हैं जेई वे क्लियर करवा देते हैं और अच्छे कॉलेजेस दिलवा देते हैं हाँ उसके अलावा तो मैं कुछ और चाहिए तो वो हम नहीं दिलवा पाते ठीक है क्वेश्चन वही है बस मुख बदल कर आते हैं हाँ ये हुई ना बात अब तुम्हारे मम्मी पापा सोच रहे हैं कि हाँ यार प्रोडक्ट तो अपना ही है यार सही है चीज़ कभी कभी इधर उधर हो जाता है गड़बड़ पर प्रोडक्ट तो अपना ही है सर आपसे पढ़ के नार्गनी सुधरी है जानते हुए मैं इंदौर से हूँ इंदौर से हो गया बेटा अरे यार तो ऐसे यार मिल लिया करो यार अपन आते रहते हैं इंदौर अपना तो आधा खून ही इंदौर का भरा हुआ है मतलब मेरा ननियाल इंदौर ही है तो मैं आता रहता हूँ इंदौर है ना कभी भी अगर आया तो मिलेंगे जरूर हाँ अभी बीच में जैसे है ना मैं ग्वालियर गया था ओरछा ओरछा गए अरे यार तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ फिर उसके बाद चालू करते हैं फिर अपन पोल करवाएंगे है ना मैं जब तक पोल दे देता हूँ इसको हटाते हैं अपन ब्रेक हटाते हैं एक अच्छी सी कहानी बताता हूँ अभी हम गए ग्वालियर गए ग्वालियर से हमें पता चला कि भाई पास ही में जो है वो जैन तीर्थ है सोनागिरी पर्वत तो वहाँ पे मैं और योगेश सर हम दोनों गए कि भाई चलो सोनागिरी होकर आएंगे उनको जाना था फिर वहीं से पता चला थोड़ी दूर और ओरछा एक जगह है जो मतलब वहाँ पर काफ़ी अच्छा महल वगैरह है बीच में लाइव वगैरह भी आया था मैं आप लोगों ने ज्वाइन किया था है ना वहाँ पर पता चला तो वहाँ ओरछा में एक मंदिर है बहुत फेमस राम मंदिर है बहुत पुराना वहां पर एक स्टूडेंट मिल गया मतलब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वहाँ ओरछा जैसी जगह में और वहाँ उसने पहचान लिया उसके पिताजी आए मतलब उन्होंने इतने अच्छे से बात की इतना अच्छा लगा आ, मतलब कभी कभी एकदम अनएक्सपेक्टेड सा होता है आप कहीं ऐसी जगह घूम रहे हो जहां पर कि मतलब आप ये तक नहीं सोचते हम किस फील्ड से हैं मतलब हमें ये भी पता नहीं होता है कि हम टीचर्स हैं हम ऐसे ही बस आ, कि हाँ दोस्त लोग आए साथ में घूमने और अचानक से स्टूडेंट आ जाए अचानक से आके कोई ऐसे पैर छू रहा है तो पहली बार में ऐसा लगा कि अरे यार ये कौन है तो बोले अरे सर मैं आपसे पढ़ता हूँ सर ये मेरे फादर हैं उनके पिताजी आया उनके पिताजी ने इतनी रिस्पेक्ट दी मतलब हाँ तो ग्वालियर में भी है ना आ, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे मिलने का बट मतलब वहाँ से एकदम से निकलने का हो गया तो मिल नहीं पाए तो एक तो उनसे सॉरी बोलना था ग्वालियर वालों से जिनसे नहीं मिल पाए उनसे सॉरी प्लीज माफ़ कर देना आप लोगों से नहीं मिल पाए बोलने के बावजूद भी केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक और क्या बचा सोल्ट एनालिसिस चलो अब बताओ तुम लोग क्या चालू करें मैं होता तो चलो देखते हैं अपने थॉट्स मैच करते हैं या नहीं और नालायकों, और डी मत लगा देना अब मुझे पता है तुम में से कई अभी होंगे ऐसे जो डी लगाएंगे महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो मैं रहा हूँ मैं काम किया हुआ है महाराष्ट्र में नांदेड़ लातूर में पढ़ाया हुआ है वहाँ पे कुछ बच्चों को नांदेड और लातूर में ऑनलाइन भी पढ़ाया था वहाँ पर चलो फटाफट से बता दो कौन सा चैप्टर चालू किया जाए फिर उसके बाद शुरू करते हैं मैं होता तो मैं पिक करता पहले किसी को भी पिक कर लेता मैं अभी थोड़ा सा लाइट मूड है खाना वाना खाया हुआ है तो केमिकल बॉन्डिंग को ही चूज़ करता मैं <laughs> देखो मैंने कहा ना हमारे थॉट्स बहुत मैच होते हैं है? मैच होनी चाहिए <laughs> तो वाइब्स हमारी बहुत अच्छे से मैच होती है बच्चों ठीक है यही तो जरूरी है यही तो जरूरी है चलो तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते बेटा फटाफट से केमिकल बॉन्डिंग को फिनिश करेंगे आ, ये चैप्टर ऐसा है मुझे नहीं लगता आप में से ज्यादा लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में कोई दिक्कत होती होगी बस हाँ यह है कि इसमें से जो एमओटी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करना जरूरी है आइनिक बॉन्ड का थोड़ा बहुत जो है वो पोलराइजेशन वगैरह के बारे में और ये सब पता होना चाहिए है ना ठीक है स्टार्ट करते केमिकल बॉन्डिंग फटाफट से जल्दी ही खत्म करेंगे इसको भी और चलो पहले तो यही वाला इसी का ही आंसर लगा दो तुम लोग हाँ अब हो गया ना ये छोटा अब पोल वापस से शुरू कर रहे हैं भाई पोल वापस से शुरू कर रहे हैं सभी लोग अब देखते हैं कौन टॉप करता है केमिकल बॉन्डिंग में अब ये तो जो चैप्टर है इसमें तो आता भी सबको सब कुछ है सब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग में अब इसमें काम करेगा बेटा आपकी स्पीड आपकी स्पीड काम करेगी इसमें ठीक है तो मैं जैसे ही पोल लगाता हूं आपको आंसर करेक्ट देना है है ना? तो नीट में भी यही है आपको क्वेश्चन तो सही करना है लेकिन थोड़ा सा फास्ट स्पीड से सही करना है अब आपकी प्रैक्टिस हो रही है स्पीड वाली एक्यूरेसी विद स्पीड चलिए भाई देखते हैं कौन टॉप करता है इस बार पहले दस या पहले बीस में कौन आता है चेक करते हैं ना। चलो तो टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंटिंग ये मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में बेटा सी यू एस फोर डॉट फाइव एच टू ओ क्या ये एक कॉम्प्लेक्स है अरे यही तो है अपना क्या ब्लू 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 विट्रियॉल ठीक है तो यहां पर चार एच टू ओ इस तरह के से लगे हुए होंगे कॉम्प्लेक्स में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है बाहर सल्फेट ऐसे प्रेजेंट है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर एच बॉन्डिंग कर रहा है इस तरीके से ये हो रही है एच बॉन्डिंग ठीक है क्या पूछा आपने सर टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है यहां पर इस सल्फेट और इस पूरी स्पीशी पे प्लस टू चार्ज है सल्फेट पे माइनस टू चार्ज है तो इस पर है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है यहां पर और एच टूओ में सल्फेट में ये सब क्या नजर आ रहे हैं अपने को को आ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नजर आ रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नजर आ रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड भी नजर आ रहा है तो इसमें सारे प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट है कोवेलेंट है आयनिक है हाइड्रोजन बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है तो इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट आंसर आ जाएगा इसका सी आंसर सी आ जाएगा बढ़िया वेरी गुड बहुत अच्छे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड आसान सा क्वेश्चन है आ, ये अपन एक कर्व पढ़ा हुआ स्टार्टिंग में है ना ऐसे करके एक कर्व पढ़ते हैं कि जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता है ये पोटेंशियल एनर्जी वाला एक्सिस है और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला एक्सिस है ठीक है यहां पर ये जो स्टेट है ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेट है ये मिनिमम एनर्जी यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेट है यहां पर हम बोलते हैं कि यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है दो एटम्स के बीच में उसी को अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं और पहले एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी और जब बॉन्ड बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हो गई इतनी एनर्जी रिलीज हो गई तो ये जो डेटा है अपने को ये डेटा किसका मिलता है बॉन्ड एनर्जी का यहाँ से बॉन्ड एनर्जी का डेटा मिलता है ठीक है तो अगर ये एनर्जी लेवल ए है और ये एनर्जी लेवल बी है तो आपसे अगर पूछा जाए कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बताओ तो इसका डिफरेंस निकाल देना ऐसा एक क्वेश्चन आया था कोविड में ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था है ना इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना आपका आंसर आ जाएगा बाकी अपने से यहां जो क्वेश्चन पूछा वो तो एकदम आसान है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिकम्स मोर नहीं देन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन नहीं एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज नहीं एनर्जी इनक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेज एनर्जी डिक्रीज होती है बेटा एटम्स की एनर्जी डिक्रीज होती है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ठीक है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय चलो ये बताएंगे पोल लगा दिया है फटाफट से बताएंगे बताओ अब नए क्वेश्चन का आंसर देना है नालायकों पुराने का मत दो अब नहीं तो वो तुम्हारा जो पुराने वाले का आंसर है ना वो इस वाले के पोल में चढ़ जाएगा हो गया तो बेटा फजांस रूल क्या बोलता है कि कोवलेंट नेचर कब ज्यादा होंगे जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा जब कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होगा जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन ठीक है तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन पहला ही आंसर आ जाएगा पहला ही आंसर आ जाएगा ये जो डी आंसर आ रहा है ना ये तुम्हारा इसी वजह से आ रहा है तुम पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे और वो इस वाले पोल में चढ़ गया ठीक है अब रुक जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना ठीक है पोलराइजेशन इज द डिस्टोर्शन ऑफ द शेप ऑफ एन आयन बाई एडजस्टली प्लेस्ड कैटायन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये बताना है अब मैं पोल लगा रहा हूं अब आंसर देना मैक्सिम पोलराइजेशन इज ब्रॉड अबाउट बाय केटाइन ऑफ हाई चार्ज मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉड अबाउट बाय केटाइन ऑफ हाई चार्ज कैटाइन पर चार्ज ज्यादा होगा तो uh, वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा ये स्टेटमेंट सही है ठीक है अपने को करेक्ट ही बताना है मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्राउट ऑफ लो चार्ज नहीं आ, लार्ज कटाइन इज छोटा होना चाहिए आंसर, आंसर क्या आ जाएगा ए हुई ना अब आया मजा? आया मजा है ना चलो अब रुक जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर पोल लगा रहा हूं उसका आंसर देना नेक्स्ट अब पोल चेंज हो गया भैया अब कोई नया आना चाहिए टॉप में ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट सुपर ऑक्टेट बताना आपने को क्या होता है ठीक है तो बेटा सुपर ऑक्टेट से मतलब यह है आपको यह बताना है कि कौन हाइपर वैलेंट है हाइपर वैलेंट के बारे में पूछा जा रहा है यहां पर है ना जिनमें आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो अब तो देखते बता दोगे तुम लोग अब तो देखते हैं बता दोगे सी एल एफ थ्री भी एक हाइपर वैलेंट है पीसीएल फाइव भी एक हाइपर वैलेंट है और आई एफ सेवन भी एक हाइपर वैलेंट स्पीसी है यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज सुपर ऑप्टेड लिखा हुआ हो सकता है हाइपर वैलेंट लिखा हुआ हो सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस में सेंट्रल एटम पर आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आंसर आ जाएगा डी हाँ ये बिना बात अब ये क्या कर रहे हो तुम लोग आंसर आधी से ज्यादा हेल्प तो मैं ही कर देता हूँ तुम्हारी सॉल्व करने में अब रुक जाओ रुक जाओ अब आंसर मत लिखो अब आंसर मत लिखो बोल नहीं आ रहा इधर देखो मॉलिक्यूल हैविंग एन इनकम्प्लीट ऑक्टेड इनमें से किसका ऑक्टेड इनकम्प्लीट है इस पर अभी 2022 में 2022 में हाँ तीन क्वेश्चन आए थे ऐसे ऑक्टेड थ्योरी पर तीन क्वेश्चन आए थे ठीक है तो कुछ भी हो सकता है बेटा नीट के पेपर में ऑक्टेट थ्योरी जो सबको बकवास लगती है एग्जामिनर ने उसी में से तीन क्वेश्चन बना दिए थे चलो बताओ आंसर क्या आएगा वैलेंट स्पीसीज मॉलिक्यूल हैविंग एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन द सेंट्रल एटम मतलब वैलेंट स्पीशी कौन होगी इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब हाइपोवेलेंट कौन होगा बात देखते बता दो तुम ये तो हाइपर है इसमें दस इलेक्ट्रॉन है के पास इसमें है अमोनिया का आ, इसमें छह इलेक्ट्रॉन हैुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत बढ़िया नेक्स्ट ये वाला अच्छा क्वेश्चन है ये फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन है और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ा होगा अच्छे से है ना फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन आंसर लगा अभी रुक जाओ अभी मैं पोल चालू करूंगा तब आंसर लिखना अब रुक जाओ क्वेश्चन खत्म होते ही रुक जाया करो ठीक है मैं नेक्स्ट पोल चालू करता हूं तुम लोग आंसर लगाना ठीक है तो अपने से पूछ है बेटा फॉस्फेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम एंड पी ओ बॉन्ड ऑर्डर तो अपने को मालूम है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ठीक है कुछ ऐसा होता है अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ ये भी करेगा ये भी करेगा ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो ये डबल बॉन्ड चार पोजीशन पर डिलोकलाइज हो जाएगा तो यहां पर एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं रेजोनेंस के, के केस में या तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे करके निकाल लो या फिर वन प्लस पाई बाय सिग्मा करके निकाल लो वन प्लस पाई मतलब कितने पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं तो एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है और वन प्लस पाई बाय सिग्मा सिग्मा क्या है कितने सिग्मा पर डीलोकलाइज हो रहा है तो चार सिग्मा पर डिलोकलाइज होगा तो ये आ जाएगा आपका 1.25 पॉइंट टू फाइव तो पीओ बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया 1.25 पॉइंट टू और ऐसा एक ही ऑप्शन नहीं दो ऑप्शन है तो आंसर ये भी हटा दो और ये भी हटा दो इन दोनों में से कुछ एक आएगा और फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम हर एक ऑक्सीजन आइटम पर कितना फॉर्मल चार्ज है तो बेटा जब ये डबल वन डिलोकलाइज होगा तो ये माइनस का थ्री चार्ज भी डिलोकलाइज होगा चारों पर माइनस का थ्री चार्ज है चार ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है तो कितना पर ऑक्सीजन कितना चार्ज आ जाएगा मतलब माइनस का थ्री चार्ज है और चार ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ जाएगा माइनस थ्री फोर सिंपल यानी कि पॉइंट सेवन फाइव आंसर विल बी बात वेरी गुड देखें जरा लीडर बोर्ड में क्या चल रहा है सीन मयंक बेनीवाल फिर से टॉप मारते हुए क्या बात है देखो ऐसा है मैंने मयंक बेनीवाल को कोई आंसर की नहीं दे रखी है अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि सर ने इसको पहले आंसर बता रखे हैं ना ही मैंने शिवम को और ना ही मैंने आयुष को कोई आंसर की दे रखी है आंसर की तो मेरे पास भी नहीं है ये जो क्वेश्चन है ना ये बिना आंसर के उठे हुए हैं आंसर की तो इनके मेरे पास भी नहीं है सीधे क्वेश्चन डाल के लाया हूँ मैं आंसर अपन यहीं सॉल्व कर रहे हैं इनको यहीं आंसर निकाल रहे हैं इनके ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा पुष्पा फायर नहीं रुकेगा साला आहा क्या बात है छठे नंबर तक तो आ गया बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा ऐसे अप करते रहो रैंक पुश चलते रहना चाहिए नहीं रुकना चाहिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बाकी लोग भी बाकी लोग भी अच्छा कर रहे हो और थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाओ कर जनता कम हो गई नहीं उतनी तो है वापस आ गए ना उतने लोग ये सीरियस इतने ही होते हैं हर किसी बैच में चाहे आप दस हजार मान लो चाहे बीस हजार लाइव मान लो सीरियस इतने ही होते हैं जब कम होते हैं तो बहुत तेजी से कम होते हो अभी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा चार साढ़े चार हजार लाइव थे अब उसके बाद इतने से रह गए तो यही सीरियस है जो स्टार्टिंग से एंड तक टिके रहेंगे ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बेटा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड की बात हो रही है चलो फटाफट से आंसर लगा दो ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा आइनिक बॉन्ड आइनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा ये कैसा होता है डायरेक्शनल नेचर का होता है ये कोवलेंट बॉन्ड हुआ कोर्डिनेट बॉन्ड हुआ ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं ठीक है तो आपको यह बताना है इनमें से किसमें नॉन डायरेक्शनल यानी कि आइनिक बॉन्ड है तो एन सी एल थ्री में एन और सीएल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है आरबी प्लस और कंपाउंड है इसमें बॉन्ड है आंसर जाएगा बी ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है यह भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है आंसर विल बी बी बढ़िया आसान था नेक्स्ट अमंग एन एच थ्री बी सी एल थ्री सी एल टू एन टू द कंपाउंड दैट डज नॉट सेटिस्फाई दूल एन एच थ्री एन एच थ्री नाइट्रोजन के पास बेटा पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से तीन की शेयरिंग करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है आठ इलेक्ट्रॉन हो गए बी सी एल थ्री ये तो आपको पता ही है कि बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं उसने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए अभी छः हुए उसके पास इसके इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है आंसर बी जाएगा सी एल टू और एन टू इन दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट है सीएल के पास सात होते हैं दूसरे सी एल से कंबाइन होगा आठ हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छः इस तरीके से और एन टू में भी पांच होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा वो भी हो जाएंगे ठीक है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नो डाइपोल मोमेंट चलिए भाई अब इसको हम लगा रहे हैं अरे यार ये वाला पोल मैं ऐसे ही हटा रहा हूं अभी है ना वापस से पोल लगा रहा हूं वापस से पोल लगा रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए चलो फटाफट से ये पोल का साइज धीरे धीरे बड़ा क्यों होता जाता है जैसे जैसे अपन पोल कराते जा देख तुम लोग ये जो विंडो ओपन होती है है इसका साइज अपने आप ही बड़ा होता जा रहा शुरुआत में छोटा सा था अभी देखो फिर इतना बड़ा हो गया ये तो बेटा डाइपोल मोमेंट निकालने का पोलर नॉन पोलर निकालने का मैंने आपको एक बहुत अच्छी बहुत शॉर्ट सी बहुत प्यारी सी ट्रिक दे रखी याद है अगर सारे टर्मिनल एटम सेम हो अगर सारे टर्मिनल एटम सेम हो जीरो लोन पेर हो तो उसको देखते ही नॉन पोलर लगा देना याद आ रहा है क्या उसको देखते ही नॉन पोलर लगा देना और अगर sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन है और टर्मिनल एटम डिफरेंट हैं, तो उसको पोलर लगा देना हाइब्रिड यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और टर्मिनल एटम्स डिफरेंट हैं तो उसको पोलर लगा देना लोन पेयर जीरो भी हैं तो भी और अगर एक लोन पेयर है तब तो ऑलवेज पोलर होगा हो ही होगा तब तो ऑलवेज पोलर होगा हो ही होगा तो इनमें से अपने को बताना है इनमें से किसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है तो बेटा ये भी पोलर होता है ये भी पोलर होता है ये भी पोलर होता है सारे टर्मिनल आइटम्स सेम ये हो जाएगा नॉन पोलर आंसर डी बढ़िया वेरी गुड और इसका पूरा ऑर्डर ही लिखवा देता हूं मैं ये सी सी एल फोर सी एल थ्री एच या ऐसा लिख लो उसको टी एच सी एल थ्री एच टू सी एल टू एच थ्री सी एल ये इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है बेटा ठीक है ये तो नॉन पोलर होता है ये इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है एक ये ऑर्डर है ये और एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कौन सा ये वाला ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो आपको याद रखने डाइपोल मोमेंट के है ना ये तुम्हारे सिलेबस में भी है इन पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर में ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं इनको लिख लो एक बार वापस से है ना जो भी आप रिवाइज कर रहे हो जिसमें भी जिस भी कॉपी में उनको देख लिया नेक्स्ट आगे बढ़े आगे बढ़े चलो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नो डाइपोल मोमेंट ये क्या वापस से यही क्वेश्चन आ गया रिपीट हो गया क्या हाँ रिपीट हो गया ये इसको डिलीट मार देते हैं चलो अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल डाइपोल एज द मेजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन इनमें से किसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये आपको बताना है चलिए भाई बताएंगे ये देखो ये और बड़ा साइज हो गया पोल का माय oh गॉड ये तो बड़ा होता जा रहा है बताओ अमंग द फॉलोइंग मिशर डाइपोल डाइपोल एज द मेजर इंट्रेक्शन इज प्रेजेंट इन डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन कब होता है बेटा डाइपोल डाइपोल कब होता है जब पोलर और पोलर स्पीसी इंटरैक्ट करती हैं दो पोलर स्पीसी इंटरक्ट करती है तब होगा डाइपोल डाइपोल जब एक पोलर और एक नॉन पोलर तो डाइपोल डायपोल डाइपोल इसको बोलते हैं अपन डिबाई फोर्स और अगर दोनों ही नॉन पोलर हो तो एल डी एफ लंदन डिस्पर्दन फोर्स यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल तो आपको बस ये देखना है कि दोनों स्पीशीज पोलर कहां पर है तो बेंजीन तो बेटा नॉन पोलर होता ही है ये आपको मालूम है एथेनॉन पोलर है ये पोलर है मेथनॉल पोलर होगा एसिटोन भी पोलर होगा यानी कि इनके बीच में ही होगा केसीएल और वाटर केसीएल वाटर में बेटा के प्लस और सीएल माइनस ये तो आयंस हैं और एच टू जो है ये पोलर है तो ये तो आयन डाइपोल इंट्रेक्शन हो गया आयन डाइपोल यहां पर बेटा डिबाई फोर्स या फिर कीजम फोर्स नहीं है यहां पर तो आयन डाइपोल फोर्स है इसलिए अपन इसको काउंट नहीं कर रहे हैं बेंजीन नॉन पोलर है आपने को चाहिए था दोनों पोलर दोनों पोलर हैं ऑप्शन बी में नेक्स्ट ये क्या ये डी कैसे दे रहे हो तुम लोग आंसर अब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नालायक हो ये तो दोनों ही नॉन पोलर हैं। इसमें तो एल डी एफ प्रेजेंट होगा एल डी एफ नेक्स्ट सर अल्काइन मीडियम में पी बी एस सल्फर में जाएगा कि सल्फेट में सल्फर में जाएगा बेटा सल्फर में सल्फर जीरो जो सल्फाइड है ना वो ऑक्सीडाइज होके सल्फर जीरो में जाएगा नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू बताएंगे भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड बताओ मयंक बेनीवाल ने यार गजब कर रखा है यार बढ़िया है वेरी गुड वेरी गुड बेटा मयंक बहुत अच्छे अभी मयंक ऐसा मम्मी पापा के सामने हीरो बन के देख रहो टॉप पे चल रहा है अपना नाम वो भी यूट्यूब पे लाइव है बहुत अच्छे बेटा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो बस ऐसे ही करते रहो सेलेक्ट हो जाओ फिर मिलेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में नागिन डांस करेंगे नागिन ठीक है जनता बढ़ रही है धीरे धीरे हैं खाना वाना खा के याद आ गई होगी पढ़ने की तो वापस आ गए होंगे हैं घूम घाम के आ गए होंगे बाहर से दोस्तों यारों से मिल के आ गए होंगे अब वो लोग भी अपने अपने घर गए होंगे ये भी घर आ गए होंगे तो अब मम्मी पापा के सामने तो कैसे बैठे तो मोबाइल चलाते चलाते पापा ने पूछा क्या कर रहा है तू अरे पापा वो ये वो क्या है ना वन शॉट रिवीजन चल रहा है मैं बस वही देख रहा था देखो सर पढ़ा रहे हैं इसमें इसमें ना वन शॉट में ना पूरा रिवीजन करवा देते हैं तो ये सही रहता पापा ये अच्छा रहता है बस वही देख रहा था मैं तो इसलिए जनता बढ़ गई है देखो है ना चलो भाई आंसर लगा दिया क्या? एच uh, एफ जो है बेटा एच एफ जो है एच एफ ऐसे कभी सिंगल फॉर्म में रहता ही नहीं है एच एफ जो है ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं इनका एसोसिएशन हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि एच एफ और एच एफ के बीच में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से इनका एसोसिएशन हो जाता है और मॉलिकुलर वेट कम होते हुए भी ये अपने को रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिलता है

बहुत देर से भी आया भी नहीं है अभी नवरात्रि चल रही है हे भगवान हे माता जी जय माता दी मेरा ये ऑप्शन सही हो जाए मैं वैष्णो देवी आके नारियल चढ़ा दूंगा ऐसे ऐसे कर तुम लोग ऐसे पेपर अटेम्प्ट करते हो ना उधर जाओ नालायकों नीट का एग्जाम देना तुम लोगों को हल्के पतले वो नहीं है ये नीट के एग्जाम में कंपटीशन 25 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर दे रहे हैं तुम्हारा कंपटीशन इतनी इतनी जनता से है कई देशों की जनसंख्या भी इससे कम है हाँ तुम्हारा कंपटीशन इतने सारे लोगों से है और तुम जय माता दी बहुत देर से भी नहीं आया ये लगाया भी हे भगवान बस मेरा ये क्वेश्चन सही करवा देना मैं ग्यारह रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा उधर से भगवान सोचो बैठे बैठे यूं देख रहे होंगे और देखो ये कह रहा है कि इसके सारे क्वेश्चन सही करवा दूं मतलब मैं इसको अकॉर्डिंग टू हिम मैं इसको टॉप करवा दूं ठीक है टॉप कर जाएगा अच्छे कॉलेज में जाएगा दुनिया भर में जगत भर में इसका नाम होगा फेमस हो जाएगा फिर तो ये मेरे को याद तो वैसे ही नहीं करेगा मुझे मालूम है है ना ये भगवान ऐसे ही सोचते होंगे याद तो उसके बाद तो क्या ही करेगा अभी तो ठीक है हाँ पेपर में बैठा है तो याद कर रहा है इसको मैं सारे क्वेश्चन भी सही करा दूं तुक्का मारने पर फिर तगड़ा डॉक्टर बन जाएगा पैसा भी खूब छापेगा ठीक है फिर प्रसाद कितने का चढ़ाएगा ग्यारह रुपए का क्या चढ़ाएगा नारियल ऐसे बोल लिया करो हे भगवान एक क्वेश्चन सही करवा दो अगर अच्छा डॉक्टर बन गया तो एक बी बी एमडब्ल्यू चढ़ा दूंगा हे भगवान एक मर्सिडीज गाड़ी जो है आपकी सवारी में लगवा दूंगा है ना हे भगवान बस ये सही करवा दो द प्रॉपर्टी विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कम्पाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बेटा इट इज इजिली वेपराइज नहीं ये तो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं इजिली वेपराइज तो बिल्कुल भी नहीं होते इट इज मेल्टिंग पॉइंट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट हाँ सही है इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट ना आयंस सोल्यूशन में आयंस देगा तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इट ऑफन एग्जिस्ट एज लिक्विड ना सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आंसर आ जाएगा बी नेक्स्ट विच ऑर् फॉलोइंगल CO2? बेटा सीओ टू का स्ट्रक्चर लीनियर है मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन लीनियर है तो NO2 टू की बात करें अगर बेटा तो NO2 टू का हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन निकालेंगे तो NO2 टू का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन में याद है अपन कैसे काउंट करते थे इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है या नहीं करना है वो किस पे डिपेंड करता था टर्मिनल एटम पे टर्मिनल एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर है तो इस सेंट्रल एटम का इस अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता इससे तब अपन इसको काउंट नहीं करते तो यहां पर तो अपन इसको काउंट करते हैं नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है यहां पर और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है बॉन्ड एंगल 134 डिग्री होता है ये मैंने आपको कई बार चीख चीख के याद करवाया है क्लास के दौरान कि बेटा याद रखना कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा और बॉन्ड एंगल 134 डिग्री रहेगा NO2 का स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ठीक है तो ये तो बेंट शेप हो गया ये लीनियर नहीं है एन टू ओ फोर का आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा क्योंकि अब ये हट गए हैं और आपको पढ़ाए नहीं गए फिर भी देख लो एक बार ऐसा होता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है एन टू ओ फोर में है ना और ये लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं है एनो की अगर अपन बात करें बेटा तो एनो का जो स्ट्रक्चर है इसको आप ऐसे याद रखना इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट फाइव होता है एमओटी से निकालोगे टू पॉइंट फाइव आ जाएगा है ना पंद्रह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टू पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है पर इसमें क्योंकि दो ही एटम है और उसमें तीन एटम है तो ये उसके जैसा नहीं है एन टू ओ की बात करें बेटा अगर तो एन टू ओ एन ट्रिपल बॉन्ड एन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ ये स्ट्रक्चर होता है इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दो तो यहां पर आ जाएगा बेटा नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव ठीक है अब करवा देना रेजोनेंस ये नेगेटिव इधर ये इधर ठीक है तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव आ जाएगा ठीक है फिर ये वापस से इधर जाएगा ये वापस से इधर चला जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनते रहते हैं इसके इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है हालांकि अपने को तो सिर्फ ये बताना है कि लीनियर है या नहीं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एस हो जाएगा या लीनियर हो जाएगा तो एन और सीओ का स्ट्रक्चर लीनियर होता है आंसर जाएगा डी ठीक है मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देनी थी तो उसके लिए मैंने वो आपको वहां पर बता दी ठीक है क्या हो गया कौन पलट गया भैया जनता पलट पलट जाए कौन पलट गया अरे प्रियंका क्या हो गया लो आगे का क्वेश्चन करो तुम लोग लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयनिक कोविलेट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताओ फटाफट से आंसर दो जल्दी से बताओ जल्दी से आंसर देंगे जनता बढ़ रही है धीरे धीरे मतलब ज़्यादातर अब वही हो रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे घर पहुंचते जा रहे हैं सामने पिताजी बैठे हैं पता है अगले महीने नीट का एग्ज़ाम है उनके सामने आते तुरंत हाँ 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 हा, अरे मैं दोस्त से यही डिस्कस करने गया था कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं ये वन शॉट सही रहेगा या फिर वो हाँ 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 पापा मैं एक्चुअली ना नोट्स लेने गया था बढ़िया वेरी गुड तो आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों प्रेजेंट होने चाहिए इसमें एन प्लस और ओ माइनस इसमें कोवेलेंट और, और आयनिक है सिर्फ ओ और एच के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है एन ए प्लस सी एल माइनस ओनली ओनली आयनिक बॉन्ड एच सी एल में एच और सी एल के बीच में ओनली कोवेलेंट बॉन्ड एन ए प्लस और एन सी माइनस इसमें एन ए प्लस और एन सी माइनस N से सी की तरफ एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है ठीक है तो एक कॉर्डिनेट भी है और ये कोवलेंट भी है और आइनिक भी है तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है सोडियम आइसोसाइनाइड में, ठीक है? आज का मेराथोन का सर का आयोसी का टेन प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ पंद्रह आएगा हाँ हाँ ऐसा मान सकते हो तुम लोग बोरेक्स बीट टेस्ट हाँ बिल्कुल पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेक्स बीट टेस्ट तो बहुत द फॉलोइंग नॉट कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से कौन नहीं करेगा तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज याद है ना कि ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होते हैं या वेरी पुअर कंडक्टर होते हैं लेकिन मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन में ये अच्छे खासे कंडक्टिंग होते हैं तो मोल्टन एन

की बात कर रहा है ये कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे तो बेटा कैटायन और एनायन एक आयनिक कंपाउंड है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे जब कैटायन का साइज छोटा हो चार्ज ज्यादा हो और एनायन पर चार्ज भी ज्यादा हो और साइज भी ज्यादा हो ठीक है तो देख लेते कौन सी कंडीशन अब तो खैर तुम लोग ही बता दोगे लगा दो आंसर पोल में फटाफट से लगाओ लगाओ, लगाओ 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 जल्दी से बहुत बढ़िया मतलब तुमको मतलब इस टाइम पे जब नीट आने वाला है इस टाइम पे तुम्हारा ये डेडिकेशन देख के सीरियसली मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों वेरी गुड बहुत बढ़िया मतलब एक बार तुम्हारे लिए ताली बजाने का मन करता है बिल्कुल ताली बजाएंगे बिल्कुल ताली वेरी गुड बढ़िया बहुत अच्छे मज़ा आ गया मतलब मैं यूँ बोल सकता हूँ मैं ऐसे सबके सामने खड़े हो गए नहीं मेरे स्टूडेंट्स तो मेहनत करते हैं ना मैं तुम लोगों की साइड लेता हूं इस मामले में कि हाँ मेहनत तो तुम लोग करते हो अब बीच बीच में भटक जाते हो इधर उधर इधर उधर निकल जाते हो वो बात अलग है पर हाँ चले आगे बढ़े आगे बढ़े हो गया तो a प्लस और x माइनस आर स्मॉल नहीं a प्लस एंड x माइनस आर नहीं a प्लस एंड x माइनस आर अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं a प्लस स्मॉल x माइनस इज लार्ज ठीक है आंसर आ जाएगा अपना डी आंसर आ जाएगा डी वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं एन एच थ्री एंड बी एफ थ्री कम्बाइंड रेडिली ये भी आपको क्वेश्चन करवा सब कुछ तो करवा रखा है अब क्या कुछ बचा ही नहीं है एन एच थ्री एंड बी एफ थ्री कंबाइंड रेडिली बिकम बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेटा बी एफ थ्री बोरोन जब भी तीन मॉड बनाता है उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा अमोनिया में नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है उसके पास एक लोन पेयर है जिसको वो डोनेट करके लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है तो याद करो ये है लुइस एसिड और ये है लुइस बेस जब भी लुइस एसिड लुइस बेस टकराएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डेटिव बॉन्ड बन गया तो उसकी वजह से कंबाइन हो गई है फिर यहाँ पर देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया ये एस से एस थ्री हो गया तो इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा इसका लोन पेयर चला गया अब वो एक डेटिव बॉन्ड बन गया तो इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होता है याद रखना इधर ये वाला बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है और ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाता है ठीक है ये बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाता है बी एफ थ्री में बैक बॉन्डिंग होती है पर अब जब इसने लोन पेयर दे दिया तब उसकी बैक बॉन्डिंग भी खत्म हो गई तो यहाँ पर बी एफ लेंथ इंक्रीज हो जाती है बहुत सारी चीजें बताने को बहुत सारी है ना सी आंसर आ जाएगा पोल लगाया था क्या पोल लगाया है आंसर सी हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनता नजर आ रहा तुमको इसमें अरे नाला फिर वही कर ली ना न से ये मुझे लगता है कि तुम लोगों को खाना खाने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में जो नींद छाती है ना ये उसी का असर है एडक्ट बनता है राहुल वेरी गुड बहुत बढ़िया एडक्ट फॉर्मेशन होता है और एडक्ट का फॉर्मेशन बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ही होता है ठीक है इनऑर्गेनिक में कम स्कोर आता है क्या करूं सर बेटा एक तो अपना ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ना ये अटेंड कर लो आप उत्थान सीरीज देख लो वो अटेंड कर सकते हो आपने आज अपने आज अपन इन ने इनऑर्गेनिक में सारे एक साथ क्वेश्चन लगा लिए ये अटेंड कर लो कोई टॉपिक वीक है तो उसका वन शॉट देख लो अपने प्रचंड सीरीज में पड़ा हुआ है उम्मीद सीरीज चल रही है उसमें देख लो प्रैक्टिस करो यार हाँ विच ऑफ द हैज हाइएस्ट लेटेस्ट एनर्जी चलो लगाओ फटाफट से लेटिस एनर्जी के बारे में मैं आपको याद दिला दू लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और साइज की अगर अपन बात करें तो लेटिस एनर्जी इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आय मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन ठीक है तो अगर साइज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम और चार्ज ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा अब आपको ये बताना है इनमें से हाइएस्ट लेटेस एनर्जी किसकी है तो इधर देख लो पहले तो चार्ज एल आई प्लस सी ए प्लस टू एल आई प्लस और के प्लस ठीक है और इस पर माइनस इस पर माइनस इस पर माइनस इस पर माइनस तो सबसे ज्यादा चार्ज डोमिनेट करता है डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है बेटा चार्ज चार्ज, चार्ज डोमिनेट करेगा तो कैल्शियम प्लस टू विल हैव द हाइस्ट लेटिस एनर्जी आंसर क्या आ जाएगा बी आंसर क्या जाएगा बी नेक्स्ट एल आई सी एल आरबीसीएल बी सी एल टू एम जी सी एल टू कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आइनिक कैरेक्टर बेटा अपने को बताना है इनमें से सबसे ज्यादा आइनिक कैरेक्टर किसमें है और लीस्ट आइनिक कैरेक्टर किसमें है तो बेटा ग्रेटेस्ट आइनिक कैरेक्टर बताना है और लीस्ट आइनिक कैरेक्टर बताना है ठीक है अब आयनिक कंपाउंड्स में पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन की वजह से उनमें कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं जितना ज्यादा 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 पोलराइजेशन पोलराइजेशन उतने नेचर तो LI+, RB+, और इनमें से सबसे जो करवाएगा उसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर होंगे और सबसे कम आयनिक नेचर होंगे तो लीस्ट आयनिक कैरेक्टर वाला कौन होगा जिसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो बेटा एल आई प्लस आरबी प्लस बी प्लस टू और एमजी प्लस टू इन सभी के में से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन करवाएगा बीई प्लस 2 करवाएगा क्या क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है और चार्ज भी इस पर बाकीओं से ज्यादा है तो बीसीएल2 में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर बीईसीएल2 में हो जाएंगे और अगर अपन बात करें सबसे कम पोलराइजेशन जिसमें होगा उसमें कोवेलन कैरेक्टर सबसे कम डेवलप होंगे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उसी में होंगे तो इन सभी में सबसे कम पोलराइजेशन कौन करवाएगा रुबीडियम क्योंकि इस पर चार्ज भी कम है और साइज भी इसका सबसे बड़ा है तो लीस्ट आयनिक कैरेक्टर तो बी में आ गए और ग्रेटेस्ट आइनिक कैरेक्टर आ जाएंगे आरबीसीएल में तो आपने से क्या पूछा है पहले ग्रेटेस्ट और फिर लीस्ट तो बी एंड आरबीसीएल ये लो साहब RBCL में ग्रेटेस्ट ग्रेटर कैरेक्टर और लिस्ट आ जाएंगे बी सी एल टू में आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर आ जाएगा बी वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी अपने को मालूम है साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी साइज ऑफ एनाइन बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है एफ सीएल बी आर आई सी एल बी आर आई आंसर क्या आ जाएगा अपना टी है ना एनआईन का साइज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है कैटायन का साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग uh, पार कम होती जाती है और चार्ज तो दोनों ही केस में बढ़ना ही चाहिए तभी पोलराइजेशन ज्यादा होगा है ना बस साइज में अपन ये रखते हैं कि कैटायन छोटा एनआईन बड़ा बाकी चार्ज तो कैटायन और एनआईन दोनों पर ही ज्यादा होना चाहिए नेक्स्ट बी एफ थ्री बी एफ वन हा अच्छा क्वेश्चन है भैया ये लो पोल लगा रहा हूँ आंसर देना फोर्टी फाइव सेकेंड का पोल लगा देता हूँ ये लो बताओ आंसर दो सभी लोग आंसर देंगे इसका सभी लोग. लोग सभी लोग सभी लोग फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मतलब आसान क्वेश्चन है ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है पर अच्छा है कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है आपने अगर अच्छे से पढ़ा है ना तभी आपसे ये होगा वरना ये नहीं होगा आ, मेरी सर मुझे इग्नोर कर रहे हो नहीं बेटा मैं इग्नोर नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ उस चक्कर में आपकी चैट छूट जाती है आपको कैसे इग्नोर कर सकते हैं है? हमारी इतनी हिम्मत जो हम आपको इग्नोर कर दें हाँ हाँ बिल्कुल नहीं पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए हाँ हाँ बिल्कुल नहीं नालायक जल्दी करो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ सकते हैं हैं क्या लिखा था वापस लिखो वापस लिखो लगा दिया हो गया क्या पोल स्टॉप हो गया ठीक है पूछा क्या है बी एफ बॉन्डलेथ इज वन पॉइंट थ्री एंगस्ट्रॉम बी एफ थ्री टू ट्रीटेड विद ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको बी एच थ्री और एन एच थ्री वाला है ना बी एफ थ्री और एन एच ट्री वाला तो उसमें यही हुआ था देखो यहां पर बेटा जब नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वन पॉइंट थ्री एंगस्ट्रॉम जो है ये तो बी एफ थ्री में जब बैक बॉन्डिंग है तब की बॉन्ड लेंथ है इसकी है ना तो जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा तो अब इसकी बैक बॉन्डिंग खत्म है ना वहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया था बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर तो था पॉइंट थ्री एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ मिल रही थी अब बॉन्ड ऑर्डर 1.3 से वापस क्या हो जाएगा वन तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो 1.3 पॉइंट थ्री एंगस्ट्रॉम से तो ज्यादा ही मिलेगी ना ग्रेटर देन वन पॉइंट थ्री एंगस्ट्रॉम

ये तो आप सभी को पता है कि बी सी एल टू में बॉन्ड एंगल आ जाएगा वन एट्टी डिग्री एनो टू का मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था एनओ टू याद रख लेना अपने रिश्तेदारों को भूल जाना लेकिन यह जरूर याद रखना कि एनओ टू में बेंट शेप स्ट्रक्चर होता है एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन के साथ और बॉन्ड एंगल होता है वन थर्टी फोर डिग्री अब बात करें अगर एसओ टू की तो एसओ टू में क्या एंगल होगा सर एसओ टू में क्या एंगल होगा सर बेटा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है एसओ टू के एंगल की क्योंकि मुझे भी याद नहीं है जरूरत ही नहीं पड़ी कभी एसपी टू में यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है तो बॉन्ड एंगल वन ट्वेंटी डिग्री होना चाहिए लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल लेस देन वन ट्वेंटी डिग्री हो जाएगा बस इतना आइडिया होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होता है तो यहां पर तो बेटा 180 है इधर 134 है और इधर 120 से भी कम है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आप तुम लोग ही बता दो आंसर ये आ जाएगा वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा बहुत बढ़िया अच्छा इसका तो पोल लगाया ही नहीं था ने कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच मॉलिक्यूल आर ऑल एटम्स को प्लेनर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब ऑल एटम्स आर कोप्लेनर मतलब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है ये आपको बताना है, है ना प्लेनर मॉलिक्यूल कौन सा है ये बताना है तो बता दो चलो फटाफट से ये तो आसान सा क्वेश्चन है मतलब मॉलिक्यूल सारे आसान दे रखे हैं आज की क्लास से नीट में मिनिमम कितने क्वेश्चन आएंगे देखो बेटा नीट के सारे क्वेश्चन आज की क्लास से मिलते जुलते ही आएंगे पर हां यही क्वेश्चन आएगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता नीट में आएंगे तो मिलते जुलते ही मतलब जैसे आ, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि इनमें से कौन को प्लेनर है तो मान लो अगर नीट में कोई सा प्लेनरिटी का क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली बात है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा है ना हो सकता है मॉलिक्यूल अलग दे दे बाकी कंसेप्ट तो यही रहेगा है ना अपन ने पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन किया अपन ने ऑक्साइड्स के एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा एम एन वाला क्वेश्चन किया था ना एम एन ओ एम एन ओ टू एम एन टू ओ सेवन उनके बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछा था तो सपोज वो ना दे के, क्रोमियम के ऑक्साइड दे दे या कोई और ऑक्साइड दे दे और एसिडिक नेचर पूछ ले तो कंसेप्ट उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन तो जो अपन कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड ही आएंगे बेटा लेकिन यही क्वेश्चन आएंगे ऐसी बकवास मैं नहीं कर रहा आप लोगों से कि बस ये कर लो इतना कर लो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है ना वैसा नहीं कर रहे अपन ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम अगर हमसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है अगर जो हमने पढ़ाया वो तुमने ढंग से याद कर लिया तो बस बस करो सर इनफ फॉर टूडे पबजी खेलते टाइम याद थोड़ी आता है कि इनफ फॉर टुडे नाम रख रखा पबजी गुरु है और कह हो इनफ फॉर टुडे बेटा ऐसे नहीं रैंक पुश ऐसे नहीं हो जाता नहीं। आंसर आ जाएगा क्या बी आंसर बी आ जाएगा ऑब्वियस बात है एसपी टू ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ये टेट्रा हेड्रल है जो कि प्लेनर नहीं होता ये ट्राइगोनल पिरामिडल है ये भी प्लेनर नहीं होता और ये भी ट्राइगोनल पिरामिडल है ये भी प्लेनर नहीं होता ठीक है नेक्स्ट विच हैज द लीस्ट बॉन्ड एंगल सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें है चलो बताओ सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें है बताएंगे आई प्रे यही क्वेश्चन आए बिल्कुल ये तो मैं भी प्रे करता हूं कि यही क्वेश्चन आए ताकि तुम लोग जो अभी मेहनत कर रहे हो तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए चार चांद लग जाएंगे तुम्हारे मार्क्स को देखो क्वेश्चन तो वही आने बेटा जो अपन ने पढ़ लिया है क्वेश्चन तो वही आने हैं, है ना आपने पढ़े हुए में से ही आएंगे बस कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे कि मैंने पढ़ा हुआ है और मैं क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लूंगा चलो भाई आंसर लगा दिया दीजिएगा लीस्ट बॉन्ड एंगल बताना अपने को लीस्ट बॉन्ड एंगल तो बेटा NH3 NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 107 डिग्री BeF2 तो लीनियर हो गया 180 डिग्री H2O में 104.5 डिग्री और CH4 में बेटा एक सौ नौ डिग्री अट्ठाईस मिनट ठीक है अब देख लो तुम आंसर क्या आ जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एक्जी ओ टू एफ टू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एक्जी ओ टू एफ टू तो क्या आ जाएगा बेटा एक्जी ओ टू एफ टू का पहले स्ट्रक्चर बना लो एक्सिओ so, टू का स्ट्रक्चर हमने बना लिया ये रहा एक्सू का स्ट्रक्चर ठीक है अब बोल रहा है एक्सिओ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजिशन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल ये इक्वेटोरियल पोजिशन है ये वाली और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये यहीं पर प्रेजेंट होगा और जो एक्सियल पोजिशन होती है बेटा उस पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रखे जाते हैं ट्राइगनल बाईपिरािडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में तो यहां पर ट्राइगोनल बाईपिमिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है ऊपर पहले फ्लोरिन रखे जाएंगे एक्सजीएल पे है ना फिर बाकी के बचे हुए एटम्स यहाँ पर रख दिए जाएंगे तो यही स्ट्रक्चर एक्जी एफ टू का याद रखना है आपको एक्जीटू एफ टू का यही स्ट्रक्चर याद रखना है मतलब ऐसा बना दिया ना अगर तो गलत हो जाएगा फ्लोरिन को ऐसे रख दिया तो ये बवासीर बन जाएगा और मैंने कई YouTube वाले भैया दीदी लोगों को ये बताते हुए देखा है बेटा थोड़ा सा संभल के आप लोग पढ़ा करो है ना थोड़ा सा ये चीजें गड़बड़ कर जाती हैं क्योंकि YouTube वाले भैया दीदी तो फिर अगले साल वही चीज रिपीट करेंगे पर तुम अगर रिपीट करोगे तो तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा YouTube वाले भैया दीदी तो क्या करेंगे फटाफट से तुरंत एक कैची सा थंबनेल बना देंगे और बस ये नहीं किया तो ये हो जाएगा आखिरी मौका ये और वो पता नहीं क्या क्या कर देंगे तुम्हारा वो ठीक है

है ना आप अगर राउंड फिगर में लेना चाहो तो ये बोल सकते हो कि नियरली वन एट्टी डिग्री होता है पर लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से लेस देन एट्टी डिग्री होता है शेप ऑफ इज ऑक्टाहेड्रल ये भी इनकरेक्ट है ओ माय गॉड ये क्या हो गया इनकरेक्ट तो एक से ज्यादा आ गए यहां पर इसका आंसर जाएगा बेटा सी और डी इसका आंसर क्या जाएगा सी और डी अब आप कोई सा भी ऑप्शन लगा दो डी e लगा दो आंसर सी और डी वेरी गुड बेटा वेरी गुड सी और डी दोनों सही है है ना आपने सी आंसर दिया वो भी सही है और डी भी सही है शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसे हो सकती है ये है ना डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है या फोल्डेड स्क्वायर है इसको फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल फोल्डेड स्क्वायर और सी सॉ नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है ये तो अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों ने क्लास में किया हुआ ये क्वेश्चन बताओ 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 जल्दी सर इनऑर्गेनिक की रिएक्शन कैसे रिमाइंड करें बेटा नोट्स जो आपने पढ़े ना नोट्स आपको रेगुलर रिवाइज करने होते हैं इसके लिए और उन रिएक्शंस पर क्वेश्चन करे हुए होने चाहिए वो क्वेश्चंस रिवाइज करने होते हैं आपको ठीक है रिएक्शंस ऐसे याद नहीं होती हैं जब जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इन पर लगाओगे आपको उतनी ज्यादा वो रिएक्शंस याद रहेंगी सिंपल सा हिसाब किताब है इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन आते हैं बराबर क्वेश्चन आते हैं बेटा तीनों के आप ये मान के चलो सत्रह 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 ये टारगेट रहता है टोटल पचास क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप ये मान लो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है बस बाकी हर सब्जेक्ट से एग्जैक्ट इक्वल होते हैं और पिछले दो तीन सालों में तो इनऑर्गेनिक से उल्टा ज्यादा आए हैं है ना मैं मतलब वैसे मजे नहीं ले रहा कि इनऑर्गेनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तीनों बराबर इंपॉर्टेंट है तीनों से बराबर पार्ट आता है कभी फिजिकल से ज़्यादा आ जाते हैं कभी ऑर्गेनिक से दो क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं कभी इनऑर्गेनिक से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं आपको तीनों बराबर तैयार करनी पड़ेगी ठीक है एन टू प्लस इन सभी के एंगल्स की अगर अपन बात करें बेटा एन टू प्लस तो एन टू प्लस का स्ट्रक्चर होगा आपका कुछ इस प्रकार का वन एट्टी डिग्री एसपी हाइब्रिडाइजेशन एन टू तो अब आप, आपको याद भी हो गया होगा और मैंने पहले ही याद करवा रखा है आपको वन थर्टी फोर डिग्री और एन ओ टू माइनस एन टू माइनस में लोन पेयर है और लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से हाइब्रिडाइजेशन तो एसपी टू है लेकिन एंगल लेस देन 120 डिग्री रहेगा तो 180, 134 और 120 NO2 एनओ प्लस सबसे आगे फिर उसके बाद NO2 टू एंड देन एनओ टू माइनस डी विल बी द राइट आंसर अब ये बड़ा हो गया अब ये फिर छोटा नहीं होगा अब ये ऐसे ही रहेगा

NH3 थ्री और एन एफ थ्री में हमने कंपेयर किया था एन एच थ्री और NF3 थ्री में हमने कंपेयर किया था तो इधर डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से अट्रैक्ट होकर मिलता है और इधर डायरेक्शन सेम होने की वजह से लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसमें सेम है तो इधर ऐड हो जाता है इधर सब्ट्रैक्ट हो जाता है डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से तो इन दोनों में से इसमें ज्यादा मिलेगा और एच टू ओ में तो बेटा दो दो लोन पेयर हैं तो दो दो लोन पेयर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट एन एच थ्री से भी ज्यादा रहेगा तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर एच टू ओ में होगा फिर एन एच थ्री में फिर एन एफ थ्री में फिर बी एफ थ्री में तो एच टू ओ एन एच थ्री एन एफ थ्री बी एफ थ्री आंसर विल बी बी क्या आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा B, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग ये क्या डी आंसर कैसे दे रहे हो तुम लोग डी आंसर बी एफ थ्री का सबसे ज्यादा कैसे हो जाएगा आंसर बी होगा ठीक है चलो नेक्स्ट आइडेंटिफाई मतलब जीरो डायपोलोमेंट जीरो डायपोलोमेंट किसका होगा अरे ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा हटाओ इसको सेलेक्ट द स्ट्रक्चर्स विच हैव अ परमानेंट आईपल मोमेंट बताओ इनमें से किसका परमानेंट सर अभी तक का क्या रिकॉर्ड है आपका महा रिविजन के कितने आते हैं बेटा देखो यार ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है ना तुम लोग ऐसे मत रहा करो कि सर ने अब महा रिविजन करवा दिया अब तो नीट में हमारा परफॉर्मेंस भी महा परफॉर्मेंस हो जाएगा हम ये कर... बेटा वो सब आप पे डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से पढ़ा है टीचर तो सारे यही कोशिश करते हैं कि जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसी में से पूरा पेपर आ जाए है ना पर नीट के पेपर पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है तो आप ये मत सोचा करो कि सर ने महा रिविज़न करवा दिया बस अब तो मैं हो गया मेरा काम नहीं जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा हम तो हमारा हंड्रेड परसेंट दे ही रहे हैं आप भी अपना हंड्रेड परसेंट दो ठीक है है ना और कभी भी ये मत सोचना कि हाँ मैंने तो ये कर लिया तो नीट में तो मैं सारे करके आ ही जाऊँगा या फिर मैंने तो ये महा रिविज़न अटेंड ही नहीं किया मेरा क्या होगा क्या मैं नीट में एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाऊंगा नहीं तुम्हारी मेहनत ठीक मेहनत करो सब अच्छा होगा जरूर होगा होगा ही होगा है ना हे पार्थ उठो पार्थ मेहनत करो पार्थ फल की चिंता मत करो फल तो अपन विक्ट्री सेलिब्रेशन में खा लेंगे तुम बस मेहनत करो सेलेक्ट दिस स्ट्रक्चर विच हैव अ परमानेंट टाइपल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा बेटा देखो बेंजीन तो नॉन पोलर है पर इस ग्रुप की वजह से इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट आ गया सिमिलरली इसकी वजह से इसमें भी डाइपोल मोमेंट आ गया और ये तो वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अपन ने याद किया था याद है ऑक्सीजन के लोन पेयर्स की वजह से यहां पर देखने पर तो लगता है कि यह नॉन पोलर होगा लेकिन ये पोलर ही होता है इसका म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो मिलता है इसी का एक और बड़ा भाई और था जिसमें थायो थाहल लगे हुए थे इधर ऐसे और इधर ऐसे इसका भी म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो मिलता है ये भी पोलर मिलता है बेटा तो इन तीनों के पास ही डायपोल मोमेंट होगा और इसका मतलब यही होता है विच हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब किसका म्यू रिजल्टेंट जीरो नहीं है इनमें से कौन पोलर है ये पूछना चाह रहा है इनमें से कौन पोलर है ठीक है <coughs> क्या है एल आई बी आर सी एल में साइज का ऑर्डर बता दीजिए सर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्जी आएगा क्या नीट में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्स एफ सिक्स बेटा वैसे तो हट गया है पर मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्जी एफ सिक्स का पी ब्लॉक में वो मैं करवा दूंगा टेंशन नॉट है ना एक्सीएफ टू एक्सी तीनों का हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा मैं रिएक्शन लिखवा दूंगा अगर आएगा भी नीट में तो तुमसे हो जाएगा मैं ट्रिक बता दूंगा उसके प्रोडक्ट्स याद रखने की ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव पोलर बॉन्ड बट जीरो डाइपोल मोमेंट तो सबसे पहले तो ये देख लो पोलर बॉन्ड किसमें में बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तो नॉन पोलर है इसको हटा दो सी एच सी एल थ्री इसमें पोलर बॉन्ड है हाँ ये सभी बॉन्ड्स कैसे हैं पोलर हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल कैसा पूछ रहा है जीरो डाइपोल मोमेंट वाला होना चाहिए इसका जीरो डाइपोल मोमेंट तो नहीं है कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इसका मिलेगा सी एफ फोर इसमें चारों बॉन्ड बेटा पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल कैसा है नॉन पोलर क्योंकि सबका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा आंसर क्या आएगा सी ठीक है नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट टोलुइन ऑर्थोक्लोरोबेंजीन मेटाक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन पर इधर तो तीन ही दे रखे ऑप्शन में एक काम करो यहां से टॉलुइन को हटा लो ये लो ठीक है अब बता दो अब बताओ अब बताओ बता। बता। आंसर अपना फर्स्ट जो है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन हो गया सेकंड हो गया मेटाक्लोरोबेंजीन और थर्ड हो गया पैराक्लोरोबेंजीन ठीक है ये थर्ड हो गया अपना पैराक्लोरोबेंजीन तो ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया अपना डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन ठीक है इनमें आपको पोलैरिटी का ऑर्डर बताना है बता दोगे एकदम आसान है इसके लिए इधर इसके लिए इधर इसके लिए इधर इसके 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 लिए 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 इधर 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 और तो बेटा देखो दोनों ऑपोजिट है जीरो ये तो नॉन पोलर हो गया ठीक है इधर एंगल है कुछ ऐसा लगभग वन ट्वेंटी डिग्री का और इधर एंगल है बेटा कुछ ऐसा लगभग सिक्सटी डिग्री का तो ये ऑर्डर आ जाएगा क्यों क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है ऐसा आपको याद करवाया था मैंने बॉन्ड एंगल जितना बढ़ेगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट उतना ही कम होता जाता है तो देखो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है उधर सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा आ जाएगा तो अपना जो ऑर्थो वाला है वो सबसे आगे आ जाएगा वन सबसे आगे रहेगा देन टू एंड देन थ्री डी आंसर हो जाएगा डी विल बी द आंसर पोल लगाया था क्या अपन ने नहीं लगाया था कोई बात नहीं नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन एनओ थ्री माइनस चलो भैया इसका आंसर लगाओ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैप्पी बर्थडे सर अरे थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐड्स परेशान कर रहे हैं कोई बात नहीं बेटा थोड़ी देर की बात है स्किप मार दिया करो सर आजकल बहुत कंफ्यूजन होती है कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़े तो बेटा हर सब्जेक्ट पढ़ना है अपने को तो हर सब्जेक्ट में सबसे पहले तो आप इजी टॉपिक्स जो हैं उनको पकड़ लो और जो आपके टॉपिक्स स्ट्रांग हैं उनको पकड़ लो उनको फटाफट से रिवाइज करो कॉन्फिडेंस गेन करो फिर उसके बाद उस टॉपिक पे जाओ जो आपको आधा आता है आधा नहीं आता है उसको कंप्लीट करो फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जाओ उन टॉपिक्स पर जो आपको बिल्कुल नहीं आते जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ठीक है इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ो अब इनऑर्गेनिक के डर लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है यार इनऑर्गेनिक से कोई डरते क्या तो इधर देखो इनऑर्गेनिक देखो नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाना है क्या नाइट्रेट का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते है? आप ये रहा नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ई ईलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो यहाँ पर ठीक है तो अब अपने से वो पूछ रहा है ये यहाँ पर ये जो लोन पेयर था ये गया नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर तो चार हैं चार बॉन्ड पेयर लो ये आ गया आंसर है ना और इसमें ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें क्लियरली ये बोलना चाहिए था कि नाइट्रोजन पर कितने हैं ये नहीं बोला गया वो तो ऑप्शन देख के अपन ने आंसर लगा दिया अगर मान लो अगर इसमें कुछ और भी होता चार बॉन्ड पेयर के साथ इसमें लोन पेयर वगैरह और काउंट करके दिए होते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना तो आप आपको नीट में जरूर दिया जाएगा लेकिन है ना कि सेंट्रल एटम पर या फिर ओवरऑल मॉलिक्यूल में ठीक है आंसर आ जाएगा हमारा बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर इनमें से कौन प्लेनर है चलो लगाओ भैया आंसर फटाफट से आंसर लगाओ इनऑर्गेनिक में तो कुछ बचा ही नहीं है इसलिए तो डर लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से देगा वो अरे बेटा जो बचा है उसी में से आएगा जो तुमने पढ़ा है उसी में से आएगा टेंशन नॉट। सर सारे सब्जेक्ट को फाइव आवर्स देता हूँ सफिशियंट है क्या सारे सब्जेक्ट को फाइव आवर्स देता हूँ तो टाइम ही कितना बचता होगा तुम्हारे पास मतलब एक दिन में तीन सब्जेक्ट हाँ तो ठीक है ऐसा कर सकते हो बेटा बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है पर अब है ना जैसे आप बराबर टाइम दे रहे हो ना सभी को तो आप सभी में के है ना आप वो वो टॉपिक्स उठा लो जो आपके वीक हैं मतलब आधे आते हैं आधे नहीं आते वो वाले टॉपिक्स उठा लो उनमें ठीक है फ़ोन स्विच ऑफ हो गया पापा के फ़ोन से पढ़ रही हूँ अरे वाह पापा तो खुश हो गए होंगे एकदम लेकिन पापा को क्या पता कि फोन की बैटरी किसी और रीजन से बचाई गई है 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 ना मालूम मुझे तो आपने से पूछा प्लेनर कौन है तो इनके सभी के स्ट्रक्चर्स निकाल लो बेटा एक्सी ओ फोर जो है ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखेगा एक्स ओ टू एफ टू अभी अपन ने बताया था कि ये सी सॉ स्ट्रक्चर रखेगा यानी कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रखेगा एक्जी ओ फोर एफ टू आई एक्जी ओ फोर एफ टू तो कुछ होता ही नहीं है ये तो बनेगा ही नहीं <laughs> ये मिसप्रिंट हो गया यहां पर खैर आंसर तो आपको पता ही है आंसर तो एक्सजी एफ फोर जाएगा इसको एक्जी XZ... क्या कर लो आप इसको एक्जी ओ टू एफ फोर कर लो बेटा एक्जी ओ टू एफ फोर तो एक्स ओ टू एफ फोर ऐसा बन जाएगा आपका एक्जी ओ टू एफ फोर बन जाएगा ठीक है पोल लगाया था क्या इसका हाँ लगाया तो था आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा डी ठीक है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वी एस सी पी आर थ्योरी द जोमेट्री अराउंडल का आपको पता ही है? I3 और आई थ्री माइनस ये दोनों आई थ्री प्लस और आई थ्री माइनस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर के फेवरेट भी है ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं आई थ्री प्लस आई थ्री माइनस कई बार आ चुके हैं है ना इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है ये लीनियर होता है और वो sp3 के साथ बेंट शेप का होता है ठीक है अपने से क्या पूछा है ज्योमेट्री विद लोन पेयर ज्योमेट्री विद लोन पेयर पूछी है मतलब बेटा आपसे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछी है क्या पूछी है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्योंकि विद लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जोमेट्री काउंट की जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो यह एसपी थ्री है ये तो इनकी मॉलिक्युलर ज्योमेट्री है बेंट और लीनियर तो ज्योमेट्री है और जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या फिर विद लोन पेयर ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एसपी थ्री में तो टेट्राहेड्रल और यहां पर ट्राइगोनल बाई पिरािडल तो टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल विल बी द आंसर ठीक है ट्राइगोनल बाईपिरािडल आंसर क्या आ जाएगा अपना आंसर वो लगा ही नहीं था क्या अपन ने कोई बात नहीं नेक्स्ट द जोमेट्री ऑफ एक्सू एफ टू ये हो जाएगी अपनी अभी देखा था अपन ने टेट्राहेड्रल डिटोर्टेड टेट्रा हेड्रलिनर ट्राइगनलिडल टेट्राहेड्रल इनमें से एक भी आंसर सही नहीं है है ना इसका आंसर आप सही कर लेना मैं बता देता हूँ इसको ऐसे यहाँ पर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिख लो जोमेट्री पूछा है ना डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है ना एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक लोन पेयर ये अपने एक्सू एफ टू की ज्योमेट्री हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट करू फॉल्स बताने भैया चलो भाई वी एसी पी आर टी वी एस सीआरटी पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेर लोन पे लोन पेर बॉन्डपेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्डपेर क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है सेकेंड बोल रहा है इन जनरल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आइटम इनक्रीजेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एगल ऑल्सो इनक्रीजेज नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है ये बोल रहा है इंक्रीज होता है ये हो जाएगा फॉल्स द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन एच टू इज टू वाइल ऑन नाइट्रोजन ये भी सही है तो ये हो गया टी एफ टी टी एफ टी कहा नजर आ रहा है टी एफ टी यहां और यहां नजर आ रहा है मतलब ये आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है फिर चौथा स्टेटमेंट क्या दे रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ जिनॉन फ्लोराइड एंड जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्यों करते ही हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ शेल बैलेंसल ही करते हैं अपन एक्सप्लेन ये भी फॉल्स है तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा सेकेंड ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती बेटा? याद है पाईबॉन्ड पाईबॉन्ड दो ओवरलैप करेंगे अगर एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं एक्जियली तब तो बनता है सिग्मा और जब ऐसे ओवरलैप करते हैं तब बनता है पाई तो ऐसे ओवरलैप मतलब कोलेट्रली और अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं मतलब एक्जली तो लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी पी ऑर्बिटल्स विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ पाईबॉन्ड ठीक है नेक्स्ट विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ हमने यहां पर ओवरलैपिंग uh, की स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगी यह कैसे पता लगाया था जहां पर एक्सटेंट ज्यादा होगा ओवरलैपिंग का वहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी अब एक्सटेंट ज्यादा कैसे पता लगाए कहां पर होगा तो उसके लिए अपन ने देखा था दो फैक्टर थे इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर डायरेक्शनल नेचर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज साइज ऑर्बिटल का बड़ा होगा ओवरलैपिंग तो वीक हो जाएगी साइज ऑफ ऑर्बिटल तो बेटा डायरेक्शनल नेचर कब देखना है जब एन का वैल्यू सेम हो और जब एन का वैल्यू डिफरेंट हो तब अपने साइज का ऑर्डर देखना है तो यहां पर देखो टू 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 सब जगह एन का वैल्यू सेम है तो यहां पर डायरेक्शनल नेचर देखेंगे डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर क्या पड़ा था अपन ने याद है क्या एसपीडीएफ डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर क्या था डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर क्या था डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर ये था एफ की सबसे ज्यादा डायरेक्शन होती है तो बेटा पी क्योंकि ज्यादा डायरेक्शनल है तो टू पी टू पी ओवरलैपिंग विल बी बेटर देन देन एंड तो करेक्ट बताना है ए ही करेक्ट होगा यहां पर देखो आपको क्या बोल रहा है ये बोल रहा है वन एस टू पी वन पी वन पी वन पी तो होता ही नहीं है ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया और टू एस टू एस और वन एस टू पी और वन एस वन एस वन एस वन एस वन एस टू पी और ठीक है ये भी सही है ये भी सही है देखो यहाँ पर n का वैल्यू डिफरेंट है इन दोनों में और इन में भी डिफरेंट है है ना तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बेटर हो जाएगी वन एस वन एस सबसे ज्यादा फिर वन एस टू पी क्योंकि n का वैल्यू बढ़ गया तो इससे तो वीक हो जाएगी लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों सेकेंड सेल के है दोनों 2s है और यहाँ पर एक 1s है तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगी इसके कंपैरिजन में ठीक है ये भी सही है वो तो ए एंड सी आंसर अपना डी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट अह एज AsF5 मॉलिक्यूल चलो पोल लगा रहे हैं इसका आंसर बताएंगे फटाफट से एज as, द uh, AsF5 मॉलिक्यूल इज अ ट्राइगोनल बाइपिरमिडल द हाइब्रिडाइजेशन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द हां भैया कौन-कौन से कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज आए हैं इसको डी लिख लेना ये डी है ठीक है कौन से ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल तो देखो ए एस एफ फाइव पोल लगा दिया था ना बनने हाँ पोल लगा दिया था एस एफ फाइव इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो कौन कौन से ऑर्बिटल s एक्स पी वाई पीजेड और कौन सा वाला डी पार्टिसिपेट करता है एसपी थ्री डी में ऑब्वियसली डी जेड स्क्वायर तो एस पी एक्स पीवाई पीजेड और डीजेड स्क्वायर डी विल बी द राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर एड नेक्स्ट पीसीएल फाइव एंड पीबीआर फाइव यह सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है फॉलोइ स्टेटमेंट इज ट्रू बेटा सॉलिड स्टील में स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं मालूम है ना मालूम है ना कैसे एग्जिस्ट करते हैं पीसीएल फाइव अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो पी सी एल फोर प्लस और पी सी एल सिक्स माइनस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और पी बी आर फाइव जो होगा वो सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करेगा पी बी आर फोर प्लस और बी आर माइनस ये पी बी आर सिक्स माइनस के फॉर्म में नहीं सिर्फ बी आर माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो देखो क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो पी इन पी सी एल फाइव एग्जिस्ट इन एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन नहीं अच्छा ओ सॉरी हाँ इसका देखो एस पी थ्री हो जाएगा और एस पी थ्री डी टू हो जाएगा इधर सिर्फ एस पी थ्री होगा

पोल नहीं लगाया था क्या बनने कोई बात नहीं छोड़ो आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चंस कर ले फिर उसके बाद तो लोग कर लो तो ही बेंट है ना और सी एल ओ टू भी बेटा बेंट होता है सीएलटू भी बेंट होता है इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर बॉन्ड में ही जंप कर जाता है सीएलओ टू में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एस पी टू होता है और ClO3 थ्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 थ्री होता है यह याद रखना CLO2 में sp2 थ्री में SP3. ClO2 थ्री सी एल ओ टू में रखना टू सी एल ओ थ्री में एस पी थ्री याद रखना है नेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग अमोनिया का प्रोटोनेशन करवा के अमोनियम आयन बना दिया तो क्या होगा ये आपको बताना है चलो इसका पोल लगाते हैं बताओ आंसर बताओ एक्सू एफ टू पिरामिडल होगा ना नहीं बेटा वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगनल पिरामिडल होगी ज्योमेट्री उसकी डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगी समझे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल सी सॉ क्वेश्चन तो दिखाओ ओ सॉरी सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन ही चुप गया पोल के पीछे अब ये पोल का यार ये डायलॉग बॉक्स इतना बड़ा आता है क्या करूं मैं यार कोई नहीं अगले क्वेश्चन पे लगाएंगे छोड़ो <coughs> या yeah, uh, वापस से लगाए छोड़ो अगले पे लगा रहे करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन मैं तभी कहूँ यार तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे मैं देख रहा हूँ चैट में कुछ तो भी बातें चल रही है पर क्लास कब तक चलेगी बारह बजे के लगभग तक चलेगी बारह बजे तक अपन कर लेंगे रिवाइज सारा है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चलना पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा कर देंगे अपन uh, बेटा देखो जब ये अमोनिया की बात कर रहे हैं अपन तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp3 है ध्यान से समझना अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है और जब अपन अमोनियम आयन की बात कर रहे हैं तो अमोनियम आयन ऐसा हो जाएगा ठीक है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज चेंज्ड अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन और अमोनियम आयन में हाइब्रिडाइजेशन बेटा दोनों में एसपी है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है ये बोल रहा है बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज तो यहां पर देखो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री है जबकि यहां पर सारे के सारे के बॉन्ड पेयर पेयर इक्वल हैं कोई लोन नहीं है यहां पर तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है फिक्स तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया अमोनियम आयन में, जब यह बना तब बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया ठीक है करेक्ट बताना ना हाँ ठीक है एनएच एक्ट एज लुईस एसिड नहीं ये तो लुइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि लोन पेयर दे रहा है इस गरीब को ठीक है फिर इलेक्ट्रॉनिक जोमेट्री इज चेंज इलेक्ट्रॉनिक जोमेट्री मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट और बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक जोमेट्री इज ऑलवेज फिक्स्ड तो बेटा यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक जोमेट्री टेट्राहेड्रल है यहाँ भी टेट्राहेड्रल है दोनों में सेम है आंसर आ जाएगा बी ठीक है नेक्स्ट होमो हा एमओी के क्वेश्चन आगे भैया होमो न्यूक्लियर डाइटोमिकॉलिकेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या दे रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम्स इज लगाओगे क्या क्वेश्चन लगाओगे दे दू पोल पोल अरे यार अब पिछले वाले का आंसर क्या था बी था है ना अब मैं इसका पोल लगा देता हूं ये लो लगाओ बेटा आंसर लगाओ आंसर दबा आगे सर आपने डिनर नहीं किया हां बेटा डिनर नहीं किया और भूख भी लग रही है बहुत तेज और डॉक्टर ने मना किया है कि भूखे मत रहना दवाइयां तो चली रही है भूखे मत रहना वरना और सिकुड़ जाओगे श्रिंक हो जाओगे ठीक है तो फटाफट से रिवाइज करते हैं फिर उसके बाद घर जाके खाना खाएंगे बहुत जोर से भूख लग रही है देखो जब तुम्हारा कंप्लीट इनऑर्गेनिक रिवाइज करवा के मैं खाना खाऊंगा ना तो मुझे जो वो शांति मिलेगी ना वो शांति चाहिए मुझे मतलब मैं भले ही लेट खाना खाऊं लेकिन वो सांत्वना अंदर रहेगी वो शांति मिलेगी मुझे कि हाँ यार बच्चों का इनऑर्गेनिक पूरा रिवाइज करवा दिया है ना उसमें मजा आएगा अभी जैसे तुम लोग अभी जब पूरा इनऑर्गेनिक मान लो तुम शुरुआत से लगे हो पाँच बजे से तुम लोग भी लगातार क्वेश्चन कर रहे हो पढ़ रहे हो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैठोगे कि हाँ यार इनऑर्गेनिक अच्छे से हो गया उसके बाद थोड़ा बहुत खाओगे पियोगे थोड़ा सा शांति वाली सुकून सुकून तुम्हें भी मिलेगा है ना अच्छा लगेगा कि हाँ यार रिवाइज कर लिया यार अच्छा हुआ है ना वो वाली फीलिंग चाहिए मुझे वो वाली फीलिंग है ना तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कोई मतलब देखो ऐसा नहीं है कि और सो भूखे रह के भी पढ़ा रहे हो आप तो क्या सर यू आर गॉड ये नहीं ये हमारा फर्ज है ये हमारा कर्तव्य है हमें करना पड़ेगा तुम्हारे लिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है थोड़ी देर भूखा रहना वैसे भी रह लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है है ना मैं इसको मतलब तुम ऐसे मत समझना कि यार थर तो यार सारी है अरे यार सर भूखे रह लेते हैं यार सर अरे सर इतने घंटे की क्लास ले लेते हैं अरे हर कोई मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो वो भी यही करता मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो वो भी यही करता बेटा क्वेश्चन अच्छा है देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो तुम लोग खाने वाना अपन कर लेंगे बाद में इफ अ होमो न्यूक्लियर डाइ एटोमिक मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है और वो अपने को बोल रहा है ऑर्बिटल PX, तो PX, so, बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो अपने को जेड एक्सिस दे दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अपने को क्या दे दी जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपने को जेड एक्सिस दे रखी है ठीक है अब वो बोल रहा है कि px और px, px और px, है ना ये ऐसे भी हो सकते हैं मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ये ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ठीक है मतलब ऐसे भी ये, ये दोनों px और के कॉम्बिनेशन है तो अगर ऐसे कंबाइन हुए तो क्या बनेगा बेटा सिग्मा वाला बॉन्डिंग अच्छा, एक पर एक्सिस अपने को दे रखी है। ये कौन सी है जेड एक्सिस और अपन ने जो ऑर्बिटल बनाया है वो पी एक्स बनाने तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो बनेंगे नहीं है ना तो अगर पी एक्स बनाने तो इसके परपेंडिकुलर बनाने पड़ेंगे ये तो पीजेड ऑर्बिटल्स है ये तो

पाई वाला बी एम ओ बनेगा या फिर पाई वाला ए बी एम ओ बनेगा अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या बनेगा क्या सिग्मा बन रहा है क्या इनके बीच में नहीं तो सिग्मा वाले तो दोनों ऑप्शन काट दो पाई और डेल्टा डेल्टा तो हटा ही दो क्योंकि ये तो डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं पी ऑर्बिटल्स तो बनाते ही नहीं है आंसर सिंपली सी आ जाएगा ऑप्शन अच्छे नहीं बने हुए तो ऑप्शन अच्छे बनाते तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये आंसर आ जाएगा आपका पी आंसर विल बी सी खा गए ना गच्चा गच्चा खा गए बेटे केमिकल हाँ। बॉन्डिंग चल रहा है हाँ केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है पर अब बेटा हमने इसके बाद बस अब अपना पी ब्लॉक और सॉल्ट बचा बाकी सारे चैप्टर्स कर लिए ये भी ध्यान रखो नहीं तो पता चला कोई नया नया आया बेचारा उसको तुम बोल दो कि अभी तो केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है वो सोचेगा कि पीरियोडिक टेबल और अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है इसका मतलब कल रात तक सर रिविजन ही कराते रहेंगे ये चल रहा है बेटा देखो अपना कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया और बॉन्डिंग भी कंप्लीट होने वाला है इसके बाद बचेगा बस पी ब्लॉक और सॉल्ट बस ये कंप्लीट होने वाला है थोड़ी देर में है ना फटाफट से चलो इसको कंप्लीट करते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग एम पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा इसलिए इसका भी अपन पोल लगाएंगे पोल लगा रहा हूँ मैं आंसर देना देख <laughs> रहे देखना जरा देसी गेमर वाईटी को क्या कह रहा है थ्योरी तो कराई नहीं है क्या फायदा क्वेश्चन से अब बेवकूफ अगर क्वेश्चन करवाऊंगा अगर थ्योरी भी यहाँ पर करवाऊंगा तो तुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग अपन ने जब वन शॉट किया था ना केमिकल बॉन्डिंग का साढ़े दस घंटे उसकी थ्योरी में लगे थे और अब अगर आप ये चाहते हो कि सर पूरे चैप्टर की थ्योरी वापस से रिवाइज कराओ तो बेटा एक साल निकल चुका है आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे थे आपको मैं याद दिला दो 2025 की नहीं अगर 2025 की कर रहे होते तब थ्योरी करवाई जाती है तो ऐसे बैठे बैठे टांग पे टांग धर के ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होगा कि थ्योरी तो करवाई नहीं है क्वेश्चन से क्या हो जाएगा अगर थ्योरी करी होती ना पहले तो अभी सिर्फ क्वेश्चन की नीड होती है क्वेश्चन थ्योरी तो करा ही नहीं है क्वेश्चन से क्या फायदा चलो बेटा आंसर लगाएंगे सभी लोग सर एमडी सर आपके दोस्त है क्या हाँ अरे तो तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाइस साहब ये भी इनऑर्गेनिक और वो भी इनऑर्गेनिक इनकी तो राइवलरी चलती होगी है ना वो सब बच्चों ने करके देख लिया बेटा है ना यहाँ बाहर एक सोफा लगा हुआ है वहां पर हम दोनों साथ में बैठते हैं और वहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि यार सर देखो ये बच्चा ये बोल रहा था सर ये ऐसे वहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम और नई नई चीज़ें तुम्हें बता सकें तुम्हारे लिए और क्या बेटर कर सकें ठीक है तो तुम वो जो चाहते हो ना कि कंट्रोवर्सी हो जाए मैं ये बोल दूँ फिर सर वो बोल दें नहीं बेटा तुम्हें वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा ठीक है हमारा तो डायलॉग भी इवन सेम होते हैं जबकि हम डिस्कस नहीं भी करते ना आपस में उसके बावजूद भी हमारे डायलॉग सेम होते हैं अब ये कोइंसिडेंस होता है या क्या होता है ये पता नहीं हाँ भाई चलो हो गया क्या बोल रहा है कि एन टू हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर बेटा एन टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है याद है ना बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे अपन भूल तो नहीं गए तुम लोग भूल तो नहीं गए चौदह इलेक्ट्रॉन पे तीन होता है बॉन्ड ऑर्डर पंद्रह पे टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव से डिक्रीज होता जाता है सोलह पे टू होता है सत्रह पे वन पॉइंट फाइव होता है अट्ठारह पे वन होता है उन्नीस पे पॉइंट फाइव होता है और बीस पे जीरो हो जाता है ये हो गया तेरह पे टू पॉइंट फाइव ये हो गया बारह पे टू ये हो गया ग्यारह पे वन पॉइंट फाइव और दस पे हो गया वन और नौ पे हो गया पॉइंट फाइव और आठ इलेक्ट्रॉन पे हो गया बॉन्ड ऑर्डर जीरो ले भैया वाई कौन था गेमर वेमर ले ये करा दी तेरे को थ्योरी एम की क्वेश्चन तो यहीं से करेगा ना ले ये बॉन्ड ऑर्डर अगर चौदह इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा एन टू में कितने इलेक्ट्रॉन है चौदह बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा थ्री बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा? थ्री तो बेटा यहां पर वो बोल रहा है है, bond order है. है? है? कि हैज़ में 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 इलेक्ट्रॉन और कितना कितना अरे क्या हो गया एन टू में बॉन्ड ऑर्डर कितना है थ्री है ठीक है तो लिखा हुआ है एन टू है ज्यादा होता है तो लेंथ कम होती है ना ये तो गलत हो गया एन टू प्लस हायर बॉन्ड ऑर्डर लार्जर बॉन्ड लेन टू एन टू प्लस हाइयर ये तो वैसे ही गलत हो गया एन टू हेज हायर बॉन्ड ऑर्डर डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी हां ये स्टेटमेंट सही है आंसर होगा सी आंसर होगा सी ले बेटा ये देख क्या ही हो जाएगा <laughs> थ्योरी तो करवाई नहीं है थ्योरी करी होती तुमने तो अभी ऐसे थोड़ी ना कमेंट करके भाग गए होते थैंक यू बेटा अनमोल थैंक यू सो मच चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है लगाएंगे क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब ये वो पूछ रहा है होमो अरे कौन सा वाला होमो वो वाला होमो नहीं हाइएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होमोल्यूमो ट्रांजिशन याद आ रहा है क्या लास्ट ईयर प्रहार से अरे प्रहार वाले भी यहाँ पे है क्या क्या चाल है नालायकों कैसे हो भूल तो नहीं गए मुझे भूल तो गए होंगे यार क्योंकि शक्ल भी काफ़ी चेंज हो गई अब तो है ना पहले के मुकाबले तो काफ़ी दुबला हो गया अब में प्रहार वालों को हेलो हाय क्या हालचाल है हाइएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल एन टू और ओ टू प्लस पूछ रहा है बेटा एन टू में याद है ना डायग्राम कैसा बनता है अपनी अपनी कॉपी में डायग्राम निकाल लो एन टू और ओ टू वाले एन टू में सिग्मा वाले की एनर्जी ज्यादा होती है और चौदह इलेक्ट्रॉन तक भर जाते हैं तो एन टू में आपको सिग्मा टू पी जेड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए मिलेंगे यहां तक है ना और ऐसे O2 की बात करें तो इसका सिग्मा टू पी जेड भी भरा हुआ होता है उसके बाद आ, पाई स्टार टू पी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दे रखी है एक्स एक्सिस दे रखी है तो यहां पर आ जाएगा पाई स्टार ये सिग्मा टू पी जेड नहीं आएगा ये सिग्मा टूपी क्योंकि एक्स एक्सिस दे रखिए तो सिग्मा टू पी एक्स आएगा क्योंकि अगर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड एक्सिस के बनेगा तो सिग्मा टू पी एक्स आएगा इधर आप कुछ भी लिख दो पाई टू पी वाई और पाई और और एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लगा देना पाई स्टार टू पी एक्स और, एक और पाई स्टार टू पी वाई ठीक है तो ऑक्सीजन में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ जो हाईएस्ट ऑर्बिटल है वो है अपना इन दोनों में से कोई एक और एन टू में है इन दोनों में से कोई एक तो सिग्मा टू पी एक्स अपने को एक ही ऑप्शन में मिल रहा है और पाई स्टार टू पी वाई आंसर आ जाएगा अपना ए क्या आंसर आ जाएगा ए चलो भाई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग लो भैया बढ़िया क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग एक अच्छा क्वेश्चन आया है आपको बॉन्ड ऑर्डर पता लगाना है और पैरा लगाना है तो पैरा इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन है अगर इवन इलेक्ट्रॉन्स है तब तो ये होगा डाया मैग्नेटिक एक्सेप्ट कौन सा एग्जाम्पल बेटा दस सोलह बत्तीस इनमें दो अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बावजूद भी पैरामैग्नेटिक है विद टू अनपेड इलेक्ट्रॉन और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा और उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बस ये याद रखना अपने को ये वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं इवन वाले सिर्फ दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ऑड वाले सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं मात्र एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ तो आप बस इलेक्ट्रॉन काउंट करके ही पता लगा लोगे कौन पैरामैग्नेटिक है कौन मैग्नेटिक है और किसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर है ठीक है चलो तो बढ़ते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ तो बेटा सबके इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं अपन सबके इलेक्ट्रॉन्स लिख लो O2 टू माइनस आ गए सत्रह इलेक्ट्रॉन O2 आ गए सोलह इलेक्ट्रॉन O2 टू प्लस आ गए कितने पंद्रह इलेक्ट्रॉन और O2 टू माइनस टू आ गए अट्ठारह इलेक्ट्रॉन ठीक है ये आ गए ठीक है अब 16 पे दो होता है बॉन्ड ऑर्डर तो 17 पे कितना हो जाएगा 1.5 तो 17 पे आ जाएगा 1.5 और 1.5 में भी दो ऑप्शन है एक तो ये वाला और एक ये वाला 17 एक ऑर्ड नंबर है तो एक पैरामैग्नेटिक स्पीशी होगी इधर देखो डायमैग्नेटिक लिखा हुआ है मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है इसका मैच कौन सा हो जाएगा सिक्स तो बेटा पी का सिक्स किस किस में आ रहा है देख लो पी का सिक्स ये लो एक में आ रहा है पहला ही आंसर मिल गया इसी के बेस पे आंसर आ जाएगा O2 16 इलेक्ट्रॉन है, है, है। तो तो पंद्रह ऑर्डर तो कितना आ जाएगा बेटा टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव ए की जगह दिख रहा है इसको मैच करा दो वन से ये आ गया R का वन और S अट्ठारह इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होगा बॉन्ड ऑर्डर वन होगा तो ये आ गया S का आसान है ठीक है नेक्स्ट ओल वोल लगाया था क्या उसमें हाँ नहीं लगाया था कोई बात नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है निकाल दोगे तुम लोग निकाल लोगे अब तो एनओ में पंद्रह इलेक्ट्रॉन होते हैं टू पॉइंट फाइव होता है एनओ प्लस में चौदह हो गए थ्री हो गया ओ टू में वन पॉइंट फाइव गलत है सी में थ्री हो गया क्या बताना है करेक्ट तो वन टू एंड फोर वन टू फोर कहा है वन टू फोर ये रहा बी क्स्ट विच द फॉलोइंग हैज टू नोडल प्लेन्स चलो ये वाला करके बताओ दो नोडल प्लेन किसमें होंगे बेटा? तो इनके चित्र बना लेते हैं सबके. चित्र बना बना लेते लेते हैं हैं। सबके। कैसे बनेगा बेटा? एस और एस मिल जाएंगे, तो ऐसा हस्ता मुस्कुराता सा एक ऑर्बिटल बनेगा है ना अरे भाई दो एस ऑर्बिटल सेम फेज में कंबाइन होंगे तो दोनों के न्यूक्लियस में बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी और ये बन जाएगा एक सिग्मा एस ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार बनाना होता तो बीच में नोडल प्लेन आ जाता पाई टूपीएक्स कैसे बनेगा पाई टू पी ऐसे बनेगा आपका जब दो आपने से क्या पूछा है दो नोडल प्लेन परपेंडिकुलर टू तो टूच अदर पूछा है ना इधर तो एक ही नोडल प्लेन है ये बन गया आपका पाई टू पी एक्स एक बताना है पाई स्टार टू पी वाई और एक बनाना है सिग्मा स्टार टू पी जेड तो बेटा पाई स्टार टू पी वाई बनाना है। तो ये कैसे बनता है जब एंटीबॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा हो यानी कि ऐसे ऑपोजिट फेज में कंबाइन हो रहे हो तो ऑपोजिट फेज में कंबाइन होंगे तो ये ऐसे बनेगा है ना इनको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं तो ये ऐसे बनेंगे बेटा ऐसे 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 और नोडल प्लेन इनमें ये ऐसे होंगे एक नोडल प्लेन ऐसे पास हो रहा है बेटा एक नोडल प्लेन ऐसे पास हो रहा है ठीक है ये है आपका बेटा पाई स्टार टू पी वाई तो दो नोडल प्लेन है दोनों परपेंडिकुलर हैं आंसर आ जाएगा आपका सी और सिग्मा स्टार टू पी जेड कैसे बन जाएगा जब एक्जियली ये कंबाइन होंगे लेकिन ऑपोजिट फेज में ऑपोजिट फेज में जब ये ऐसे कंबाइन होंगे ऑपोजिट फेज में तो ये ऑर्बिटल ऐसा बनेगा प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस अब इधर से एक नोडल प्लेन यहां से आएगा एक नोडल प्लेन यहां से आएगा एक नोडल प्लेन यहां, यहां से आएगा और ये परपेंडिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तीन नोडल प्लेन है और परपेंडिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है आंसर जाएगा हमारा आंसर जाएगा हमारा सी अरे बेवकूफों क्या तुम भी वाई टू पी एक्स बना रहे हो इधर तो एक ही नोडल प्लेन बनेगा ना नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इस क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे आंसर लगाना है बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे ओ इधर ओ टू में तो बॉन्ड ऑर्डर अपने को पता है टू होता है एच टू ओ टू में क्या है ओ टू माइनस टू है टू माइनस टू मतलब परऑक्साइड आयन ओ टू माइनस में अट्ठारह इलेक्ट्रॉन है अट्ठारह इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर बना जाएगा है 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 ना और और का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भी पता है आपको हाफ ओपन बुक लाइक दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक है. और उजोन में उजोन में एक बॉन्ड ओजोन ओजोन बेटा रेजोनेंस होती है ओजोन में रेजोनेंस है इसको कन्वर्ट कर दो अगर आप कोवलेंट बॉन्ड में तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा तो फिर इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा यह ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ओजोन में सेंटर वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और आजू बाजू वाले दोनों ऑक्सीजन पर माइनस ऑफ माइनस ऑफ चार्ज रहेगा इधर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा क्या रहेगा 1.5 तो सबसे ज्यादा O2 में है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 की रहेगी तो ये काट दो ये काट दो आंसर ये या फिर यह रहेगा ठीक है और सबसे ज्यादा बॉन्डलेंथ एच टू ओ टू में रहेगी क्योंकि सबसे कम बॉन्डर एच टू ओ टू में तो ये आंसर आ जाएगा अपना डी थी. ठीक है नेक्स्ट होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल आर डी जनरेट अपने को बताना इनमें से कौन डी जनरेट होगा बेटा <coughs> इनमें से कौन सा डी जनरेट होगा डी जनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो जिनकी एनर्जी सेम हो तो बेटा सिग्मा और टू एस दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं नीचे होता है सिग्मा एनर्जी अलग अलग होती है सिग्मा टू पी एक्स और सिग्मा स्टार टू पी जेड इधर जेड है तो उधर भी उधर जेड है तो इधर भी ये दोनों अलग अलग कैसे लिखे हुए इसको कर लो एक्स है ना इसको एक्स कर लो ठीक है आंसर हो जाएगा हमारा बी भाई जब आप डायग्राम बनाते हो तो आप सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस। फिर सिग्मा टू पी जेड एन टू के लिए जब बनाते हैं तो सिग्मा टू पी जेड ऊपर रहता है पहले पाई टू पी एक्स पाई पी वाई आ जाते हैं। दोनों एक साथ पाई टूपीएक्स पाई टू पी वाई तो दोनों की एनर्जी सेम है इसलिए हम इनको एक साथ बनाते हैं तो इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है ठीक है फिर आपका आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड फिर अपने ये वाले भी डी जनरेट होते हैं पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई ये भी डिजनरेट होते हैं अगर ऑप्शन में ये लिखे होते तो ये भी आंसर जाता है ना फिर आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार टू पी जेड ठीक है तो डीजनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो नेक्स्ट फ्रॉम एलिमेंट्री मॉलिक्यूल एन टू प्लस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन तो डब्बे बना के आप क्या लिख लो डब्बे बना के आप इसका कॉन्फिगुरेशन लिख लो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भर दो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे पहले सिग्मा वन एस में इलेक्ट्रॉन भरोगे सिग्मा वन एस टू और एन टू वाले डायग्राम में सिगमा ऊपर जाता है और पहले पाई वाले इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बेटा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और ये आ जाएगा अपना क्या इसमें आ जाएंगे दो इसमें आ जाएंगे दो पाई टू पी एक्स टू पाई टू पी वाई टू और सिग्मा टू पी जेड वन सिग्मा टू पी एस टू पी जेड जो टू था वो तो एन टू का था, था एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो सिग्मा में एक बचेगा ठीक है तो अब देख लेते सिमा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू, टू, टू पाई टू पी फोर इसने इसको कंबाइन करके ऐसे लिख दिया पाई टू पी फोर तो ये भी सही है और सिग्मा टू पी वन हाँ यही हो जाएगा पहला ही आंसर आ जाएगा पहला ही आंसर आ जाएगा देख लो बाकी के सब डिफरेंट है बाकी के सब डिफरेंट हैं काफी टाइम ले गया बॉन्डिंग क्योंकि बेटा चैप्टर भी बड़ा है ना ये ये चैप्टर भी बड़ा है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ इनमें से कौन सी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इससे बाहर थोड़ी जाएगा नीट में नहीं बेटा इससे बाहर नहीं जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा अपन सिलेबस वाली चीजें कर रहे हैं सिलेबस में इसे इस ही आएगा बाहर नहीं जाएगा हाँ भैया टू टू एस टू एस टू पी टू पी टू पी और थ्री एस थ्री एस तो बेटा एन का वैल्यू अगर सेम है तो डायरेक्शनल नेचर लगा लो ये तो एन का वैल्यू बढ़ गया तो ये तो वैसे ही वीक हो गया ये ये और ये ये तीनों सेकेंड शेल के ऑर्बिटल्स हैं अब इनमें एन के वैल्यू सेम है अगर तो डायरेक्शनल नेचर लगा लो डायरेक्शनल नेचर किसका ज्यादा होगा का तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग टू पी टू पी हो जाएगा तो टू पी टू पी सबसे ज्यादा स्ट्रांग ओवरलैपिंग फिर टू एस टू पी और फिर टू पी टू एस टू एस और फिर सबसे वीक आ जाएगी थ्री एस थ्री एस तो ये ऑर्डर आ जाएगा मतलब सीधे ऐसे लिख लेते ना फोर्थ सबसे वीक होगा फिर उसके बाद आ जाएगा वन फिर उसके बाद आ जाएगा टू फिर उसके बाद आ जाएगा थ्री अब देख लो ये वाला ऑर्डर कहाँ पर आ रहा है थ्री टू वन फोर थ्री टू वन फोर बी आंसर आ जाएगा बी विल बी द राइट आंसर पोल चालू नहीं किया था क्या पोल नहीं नहीं वो तो बच्चों से पूछ रहा हूँ ठीक है समझ में आ गया नेक्स्ट ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड बॉन्डिंग खत्म होने वाला है बॉन्डिंग खत्म होने वाला है चलो इसका आंसर लगाओ फटाफट से फॉलोइंग अमाउंट तो है हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाँ बेटा ये इनफ है नीड के लिए बिल्कुल हाँ, सर आपने इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट बढ़ा दी अरे वेरी गुड ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट बढ़ गया मतलब आप दुनियादारी सीख गए अब आप लोगों की फालतू बातों में नहीं आएंगे ये खराब है वो खराब है रट लो ये कर लो अरे सारे सब्जेक्ट एक जैसे ही हैं बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो तो बेटा इसमें और इसमें और एच बॉन्डिंग है नहीं तो इनसे तो ज्यादा ही होगा इसका और इसका क्योंकि इन दोनों में एच बॉन्डिंग है और इन दोनों में से भी एच बॉन्डिंग ज्यादा है क्योंकि इसमें ओ OH एच ग्रुप ज्यादा है तो ये एच बॉन्डिंग ज्यादा करेगा जबकि इसमें एक ही हाइड्रोक्साइड ग्रुप है एच एन ओ थ्री में बेटा एक ही ओएच है तो ये एच बॉन्डिंग कम करेगा उसके कंपेरिजन में तो आंसर क्या आ जाएगा अपना तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे और उतनी ही ज्यादा जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा नेक्स्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए देखो हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ होना चाहिए किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए एफ ओ एन या फिर एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन से एसपी का फोन और सामने होना चाहिए कौन फोन कॉल एफ ओ एन या फिर कुछ पर्टिकुलर केसेस में तो इनसे कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए हाइड्रोजन और इनके सामने ये होना चाहिए इनमें से कोई एक होना चाहिए विद लोन पेयर तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करेगा तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पर कौन लेके आएगा फ्लोरीन तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से यह जुड़ेगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा आंसर विल बी सी नेक्स्ट एसिडिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू एसिडिक एसिड ये बोल रहा है कि यह डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्यों तो करता है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट अभी देख लेते हैं यह डाइमर की फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि बेटा एसिडिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये डाइमराइज हो जाता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये लिखाया था है ना डाइमराइज हो जाएगा ड्यू टू बॉन्डिंग आंसर बी ठीक है नेक्स्ट आउट ऑफ़ द टू कंपाउंड सोन बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ टू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अच्छा इसका वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा ये बताना है ठीक है भैया बताओ चलो पोल लगा देते हैं बताओ आसान सा क्वेश्चन है ये तो बताओ सर आपकी सैलरी कितनी है जितना तुम प्यार दे दो बेटा बस उतनी सैलरी है हमारी जितना प्यार तुम दे दो उतनी सैलरी तो मेरी सैलरी ज्यादा ही है ठीक है अब मिल गया जवाब <laughs> कितना इंटरेस्ट आता है ऐसी बातों में है ना यार सर की सैलरी क्या होगी यार कितना कमा लेते होंगे ये है ना मजे हैं यार इनके तो यार खूब पैसा छाप रहे हैं तो ऐसे हम लोग सोचते हैं डॉक्टर्स के बारे में कि यार इसके मजे हैं यार आता है चार पर्चे लिखता है गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी भी आ रही है खुद का क्लिनिक भी चला रखा है एक हॉस्पिटल बना लिया अब दूसरा बना रहा है है ना ऐसे डॉक्टर्स ये है सोचते हैं कि यार इसकी तो पूरी कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी यार मज़े तो इसके हैं यार हम तो सारा दिन भर रगड़ते हैं खुद को और इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे ये बैठे बैठे ही छाप रहा है है ना तो ऐसे सब एक दूसरे के बारे में सोचते होंगे तो छः हजार दे दो छः हजार क्यों तुम बारह हजार लो सेलेक्ट हो जाओ बारह हज़ार दे दूँगा ठीक है क्या करोगे बारह हज़ार में फ़ोन खरीदोगे फोन तो नहीं खरीदोगे बारह हज़ार का मुझे मालूम है <laughs> चलो बेटा आ, हो गया अपने को ये दिया हुआ बेटा नाइट्रोफिनॉल और ये दिया हुआ है नाइट्रोफिनॉल तो नाइट्रोफिनॉल में तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हो जाती है इंट्रामोलिकुलर है ना और इधर

हाइयर होगा हाइयर वेपर प्रेशर होगा हाइयर वेपर प्रेशर होगा करेक्ट सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यार हाँ सैलरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यार बिल्कुल तुम लोग जितना ज्यादा प्यार दोगे हमारी सैलरी उतनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट स्टेटमेंट वन दिया हुआ है स्टेटमेंट टू दिया हुआ है आ जाओ देख लेते हैं क्या दे रखा है एच जी सी एल टू इज मोर कोवेलेंट देन सी एल टू हाँ ये स्टेटमेंट सही है बेटा देखो जेड एन सी डी और एच जी डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ता है आपको ये पूछा जाए इनकी पोलराइजिंग पार का ऑर्डर क्या होगा तो आप ये बोलेंगे क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है इनमें डाउन द ग्रुप इनकी पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है तो अगर आपसे कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे बेटा जेड एन सी एल टू से ज्यादा सी डी सी एल टू सी डी सी एल टू से ज्यादा एच जी सी एल टू ये कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर होगा ये इनके कोवलेंट नेचर का ऑर्डर होता है इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है इसीलिए तो एच जी सी एल टू बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता क्योंकि उसमें कोवेलेंट नेचर ही बहुत ज्यादा है है वो तो कोवेलेंट हो जाता जबकि ये तो आयनिक है ये आयन मन के टूटता है पानी में और वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में पड़ा रहता है नहीं निकलते वहां से क्लोराइड आयन सर मुकेश अंबानी भी पढ़ रहा है हाँ वही तो मैं कह रहा हूं ना अंबानी जी भी पढ़ रहे हैं हम धन्य हो गए आज अंबानी जी पढ़ रहे हैं हमसे तो सर फिर तो आप अम्मानी जी से भी अमीर हाँ कभी कभी तुम लोग बहुत प्यारी बात बोलते थे बहुत अच्छी बात बोलते थे बहुत बढ़िया बेटा ठीक है तो पहला जो स्टेटमेंट है एच जी सी एल टू इज मोर कोविलेंट देख सही है दूसरा बोल रहा है ऑफ ऑफ इज ग्रेटर देन दैट इन ये भी सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या था यहां पर एच जी प्लस टू की पोलराइजिंग पार्ट ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा कोवलेंट है तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है वो भी सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो स्टेटमेंट वन इज टू टू इज ट्रू फिर नॉट एक्सप्लेनेशन आंसर आ जाएगा अपना बी आंसर विल बी बी ठीक है नेक्स्ट हाँ भैया अपने से पूछा जा रहा है हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था अपन ने हाइड्रेशन एनर्जी में क्या क्या पढ़ा था याद जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन जितना बड़ा साइज होगा उतना कम हाइड्रेशन जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन रिलीज होगी उतना ज्यादा हाइड्रेटेड साइज यानी कि हाइड्रेटेड रेडियस होगा ठीक है तो अपने से पूछा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर आयनिक मोबिलिटी कहा एक्वस मीडियम में अब एक्वस मीडियम में डाउन द ग्रुप जाने पर एल आई प्लस एनए प्लस के प्लस डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन कम होता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी बेटा तो हाइड्रेटेड रेडियस हाइड्रेटेड रेडियस भी डिक्रीज होगा हाइड्रेटेड रेडियस कम मतलब पानी में साइज कम तो आयन फ्रीली मूव करेगा फ्रीली मूव करेगा तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी तो आयनिक मोबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा हाइड्रेशन एनर्जी की जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो मोबिलिटी बढ़ती है यहां पर मोबिलिटी है ये incorrect हो गया और LA और NA और K hydrated size, hydrated size तो decrease होती है ये भी गलत हो गया हाइड्रेटेड रेडियस डिक्रीज होती है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है सी करेक्ट आंसर है और इधर आयनिक मोबिलिटी तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है डिक्रीज दे रखी ये भी इनकरेक्ट है आंसर आ जाएगा हमारा सी नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ओ टू मॉलिक्यूल चलो भैया इस पर लगाएंगे एक अच्छा सा पोल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ओ टू मॉलिक्यूल एज पर एमओटी बोथ द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ओ टू आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन के दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन कहा पर प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग अपने को स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है ठीक है ठीक है तो हैविंग सेम एनर्जी तो बेटा ओ के लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई में दोनों की एनर्जी सेम होती है ये स्टेटमेंट करेक्ट है इन मोलिकुलर ऑर्बिटल विच हैव गिवन शेप ये पाई स्टार वाला ही शेप है एंटी बॉन्डिंग वाला ही पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो ये वाला भी करेक्ट है मतलब आंसर ऑल ऑफ दिस जाने वाला है इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भाई एक पाई टू पी एक्स है और एक पाई टू पी एक्स है और दूसरा पाई स्टार टू पी वाई है तो इन दोनों में से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पर है यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है आंसर जाएगा डी आंसर जाएगा डी पर तुम लोग तो पता नहीं क्या ही लगाओगे आंसर सी लगा रहे हो ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट खत्म होने वाला है अब फिर अब देखना है अपने को कौन टॉप कर रहा है इस बार भी है ना

कि अगर टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो सीएलओ थ्री में सीएलओ थ्री बनाना है ना ClO2 टू बना दिया ClO3 थ्री में रहा CLO3 ठीक है इसमें भी टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा ज्यादा है 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 तो इसको में करेंगे तो तो इसको में 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 करेंगे मतलब ये में है, ये ऐसे की अगर अपन बात करें तो कार्बन से है, इसका भी होगा एक दो तीन और इसको एज अ लोन पर काउंट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री जबकि सी एच थ्री में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल एटम से तो अब इसको काउंट नहीं किया जाएगा तो इसका शेप ऐसा नहीं है, है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये तो ऑर्गेनिक में तुम लोग पढ़ते ही हो रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये प्योर पी ऑर्बिटल में ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने पता है मुझे है ना आंसर आ जाएगा डी नेक्स्ट समाप्त हमारा अच्छा सुंदर पिचाई सर भी सुंदर पिचाई सर भी पढ़ रहे हैं वेरी गुड मैं उम्मीद बैच का हूँ सेलेक्ट होने के बाद आपसे मिलने का चांस मिलेगा क्या बिल्कुल मिलेगा सेलेक्ट हो गए तो जरूर मिलेंगे पक्का चलिए भाई अब बचा हमारा बस पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन तो अब हम आ रहे हैं बेटा सीधे पी ब्लॉक पर लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड के क्या हालचाल हैं भैया मयंक बेनीवाल आज ये सुबह उठाई ऐसे भसम रगड़ के था सिर पे कि आज मैं किसी को भी आगे नहीं निकलने दूंगा ये पिछले चार पांच जो भी चैप्टर अपन ने किए इन सब में भाई ने टॉप किया है और मानना पड़ेगा भाई ताली बजानी पड़ेगी मयंक के लिए वेरी गुड भाई वेरी गुड बहुत अच्छे मयंक शिवम आयुष रेशमा ये लोग पुष्पा और भैया पांचवे नंबर पर आ गए नहीं रुकेगा साला वेरी गुड बहुत बढ़िया आ, बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे अः दाक्षी भी काफी अच्छी रैंक पे आ गई है वेरी गुड गुंजन बहुत बढ़िया हाँ मिष्टी मिष्टी बेटा क्या हो गया नींद आ रही है क्या छठे सातवें नंबर तक कहाँ पहुँच गए अपन लाला वाह भैया लाला रैंकअप कर लिया तुमने तो मानसी ने भी रैंकअप कर लिया बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड बढ़िया कर रहे हो तुम लोग यार बहुत अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बढ़िया ऐसे ही करते रहो बस ऐसे ही करते रहो वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा पी ब्लॉक की तरफ तो हमारा अगला टॉपिक है पी ब्लॉक फटाफट पट, फटाफट पट क्वेश्चन लगाएंगे इसके थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं तो इनमें ऐसा कुछ समझने लायक नहीं है जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवाता हूँ आपको गुंजन ठाकुर चौदह पर आ गया हाँ वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे Uh, क्या टाइम हो गया ग्यारह बज गए 11 चलो फटाफट से पी ब्लॉक खत्म करते हैं फिर सोल्ट निपटाएंगे और फिर उसके बाद बाय बाय टाटा है ना चलिए आ जाओ अ सॉफ्ट हेवी मेटल विद मेल्टिंग पॉइंट थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड इज यूज इन मेकिंग हीट सेंसिटिव थर्मोमीटर तो ये के आपको याद आ गया होगा कि ये तो गैलियम की बात हो रही है बेटा हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री में High temperature thermometry. में यूज़ किया जाता है किसका गैलियम का क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है ये आपको याद होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका रूम टेम्परेचर 29.5 या 29.7 के आसपास कुछ होता है ना ऐसे अपने समर में है ना समर में अपने को लिक्विड में मिलता है क्योंकि इंडिया में ट्वेंटी के तो ऊपर ही रहता है टेम्परेचर तो गर्मियों के मौसम में अपने को ये लिक्विड और सर्दियों में जमा हुआ मिलता है हमारे हाथ की हीट से ही मेल्ट हो जाता है गैलियम है ना ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ मिनरल ऑफ बोरॉन बोरॉन का मिनरल कौन नहीं है ये अपना जो पी ब्लॉक है ना बेटा इलेवेंथ वाला पी ब्लॉक चल रहा है अभी आपने हेडिंग भी देख ली होगी इलेवंथ वाला पी ब्लॉक चल रहा है और ठीक है थैंक यू सो मच बेटा हाँ <laughs> है ना तो उसमें है ना स्टार्टिंग में कुछ कंपाउंड दे रखे बोरोन के तो कंपाउंड तो हट गए पर सी बात है आपको उनके फॉर्मुलास तो पता होने चाहिए ना तो बेटा कोलेमिनाइट जो होता है ना ये बोरोन का ओर होता है और इसी से बोरेक्स बनाने का काम किया जाता है अगर अपने सिलेबस में होता तो मैं आपको बोरेक्स की प्रिपरेशन पढ़ाता उसमें अपने को कोलेमेनाइट पढ़ने को मिलता तो सी ए टू बी सिक्स ओ इलेवन डॉट फोर uh, टू भी हो सकता है डॉट सिक्स एच टू भी हो सकता है है ना तो ये तो अपना कोलेमिनाइट हो गया है ना अलग अलग टाइप के ओर्स में अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता है अपने को करनाइट, बोरिक एनाइड्राइट करनाइट भी लिखते हैं अभी फिर बोरिक एनाइड्राइट की बात करें बेटा तो ये हो जाएगा बी टू ओ थ्री है ना और बोरेक्स हो जाएगा एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन टू ओ है ना डॉट H2O, ये बोरेक्स हो गया और करनाइड भी मिनरल होता है बोरोन का जो होता है एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट फोर एच टू ओ ठीक है तो ये ये और ये ये तीनों बोरोन के मिनरल्स हैं मतलब अर्थ क्रस्ट में बोरॉन इस फॉर्म में मिलता है पर बोरिक एनाइट्राइट के फॉर्म में नहीं मिलता है इनसे बोरिक एनाइट्राइट बनाया जाता है तो बोरिक एनाइट्राइट इज नॉट अ मिनरल ऑफ बोरॉन ठीक है बी टू ओ थ्री मिनरल नहीं है ठीक है मिनरल क्या होते हैं फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में अपने को अपना एलिमेंट मिल रहा हो वो मिनरल कहलाते हैं आ, फिर उसके बाद अपन बात करें अगर इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये तो देखकर ही पता लगा लोगे तुम कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा लो लगाओ पता फटाफट से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा सी तो हीट से बनाया जाता है हाँ हाँ, हाँ बोरिक एनहाइट्रेट वो आप बोरेक्स को हीट करोगे ना तब बोरिक एनहाइड्रेट बनता है या फिर बोरिक एसिड को आप हीट करोगे तब बोरिक एनहाइड्रेट बनता है वेरी गुड बेटा ऑब्वियस ही बात है आंसर क्या आ जाएगा ए ये तो अपन देखकर ही पता लगा लेंगे क्यों क्योंकि कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट छह बॉन्ड नहीं बना सकता मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है सेकेंड पीरियड एलिमेंट की वो होती है फोर इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है हां ये भी बनता है ये भी बनता है ये भी बनता है ये तीनों बनते हैं नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट अरे इनर्ट पे इफेक्ट याद है क्या इनर्ट पेर इफेक्ट इनर्ट पेर इफेक्ट में क्या पढ़ा था एबसेंस ऑफ वेकेंडी ऑर्बिटल्स हाँ बोरोन के पास एबसेंट ऑफ वेकेंडी ऑर्बिटल्स एबसेंट हैं प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बतानी है बेटा तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री गैलियम प्लस थ्री इंडियम प्लस थ्री थैलीम प्लस थ्री प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो आपको मालूम है कि ये प्लस थ्री जो है इस फैमिली की हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ड्यू टू इनर्ट पर इफेक्ट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है ये ऑर्डर नहीं होगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये सही है एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम बी आंसर सही है अपना है ना आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन द अदर थ्री चलो फटाफट से आंसर लगाओ फटाफट से आंसर लगाओ विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन दी अदर थ्री इनमें से कौन सा ऑक्साइड बाकी तीन के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल है तो बेटा ये भी इनपेर इफेक्ट पर ही बेस्ड है देखो आप अगर ध्यान से देखोगे

इनर्ट पे रिफैक्स से क्वेश्चन आने boron boron के चांसेस हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन ट्राइहेलाइड। बोरोन के ट्राई की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है बेटा तो डाउन द ग्रुप जाते हैं लुइस एसिड कैरेक्टर अच्छा ये तो ये तो बैक बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है बैक बॉन्डिंग में करवा रखा है तुम लोगों को BF3 BCl3 BBr3 और बी आई थ्री बेटा यहां पर देखो वेकेंट ऑर्बिटल है इनके पास है ना लेकिन क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है उसकी वजह से यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है मतलब बीबी इज यहां पर प्रेजेंट और बीबी -बी अगर घर में है तो क्या किसी बाहर वाले पर नजर डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते क्या किसी बाहर वाले से लोन पेयर ले सकते हैं अगर बीबी -बी घर में है तो बाहर वाले से कुछ नहीं ले सकते आप कुछ नहीं ले सकते यानी कि अगर बैक बॉन्डिंग है तो इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो फिल हो चुका है अब बाहर से किसी भी लुइस बेस से ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है जबकि यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है या फिर ऐसे बोल लो कि बहुत ही वीक एक्सटेंट है क्यों क्योंकि टू पी पाई फाइव पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी जो कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो ये वाला वेकेंट ऑर्बिटल वेकेंट ही रहेगा और ये ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा बीबी नहीं है तो बाहर वाले से लोन पेड़ ले लेगा ले क्या अरे कौन सी बीबी -बी की बात हो रही है नालायकों कौन सी बीबी की बात हो रही है बैक बॉन्डिंग की बात हो रही है तुम लोग गलत मत समझ लेना आ, तुम लोग क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा समझते हो है ना तो बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका लुइस एसिड करेक्टर डिक्रीज हो जाता है बेटा और बी आई थ्री का लुइस एसिड करेक्टर ज्यादा रहता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा मतलब लुइस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे थे अपने से तो आंसर आ जाएगा ए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में दिया हुआ है ठीक है ठीक क्या कह रहे सर पापा भी देख रहे हैं अरे तो बेटा मैं तो बैक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी ना कुछ <laughs> अंकल जी को मेरा प्रणाम तुम लोग यार ऐसे तो पहले बता दिया करो यार वरना पिताजी मुझे कूद देंगे पकड़ के हाउ मैनी क्वेश्चन अरे जब से तुम यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो हर थोड़ी थोड़ी देर में तुमको याद आ जाती है कि किससे किससे कितने क्वेश्चन आने ये पूछ लो सर से एक बार तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं तो मैं तो रह ही जाता सेलेक्ट होने से चलो भैया अटोमिक रेडियाई का ऑर्डर चलो भाई फटाफट से अटोमिक रेडियाई का ऑर्डर बताएंगे अटोमिक रेडियाई के रिगार्डिंग मैं पहले तो तुम पोल लगा देता हूँ तुम लोग पोल अटेम्प्ट करो एटॉमिक रेडिया के रिगार्डिंग एकदम आसान सा कंसेप्ट बता देता हूं देखो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ बोरॉन फैमिली का ऑर्डर डिफरेंट है बाकी सबका सेम है डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग है है ना बोरॉन फैमिली में क्या होता है बेटा इसके कलर को क्या हो गया बोरॉन फैमिली में क्या ऑर्डर रहता है बेटा बोरॉन फैमिली में बोरोन से एल्युमिनियम जाएंगे साइज बढ़ेगा एल्युमिनियम से गैलियम जाएंगे साइज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्कैंडाइड कॉन्ट्रेक्शन या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन फिर गैलियम से इंडियम जाएंगे साइज बढ़ेगा और थैलियम में भी बढ़ता हुआ मिलता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है हालांकि बड़ा ही होता है ठीक है तो आप ये कर दो बस बोरोन गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम एंड थैलियम ये ऑर्डर आ गया ठीक है ये तो बोरोन फैमिली का हो गया बाकी सभी फैमिली में कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ऐसा 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 नाइट्रोजन फैमिली में इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ऐसा ऐसा ऑक्सीजन फैमिली में इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा हेलोजन में इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा और नोबल गैसेस में भी ऐसा इंक्रीजिंग आएगा सब में इंक्रीजिंग है बस साइज़ के लिए ये वाला याद रख लो ठीक है तो अब देख लो फटाफट से कहाँ पर क्या ऑर्डर है एल्यूमिनियम गैलियम में ये दे दिया गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम ये रहा गैलियम एल्यूनियमियम थैलियम आंसर आ जाएगा बी क्या आंसर आ जाएगा बी और क्या बात है बहुत तगड़े ये तुक्का मार दिया तुम लोगों ने या फिर गलती से हो गया ये देखो अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला है हालांकि ये रिएक्शन अपने सिलेबस से हट चुकी है पर फिर भी मैंने इसको डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रॉपरली हटाई नहीं है कहीं ना कहीं पर वो इसको दे सकते हैं तो बेटा जो बोरिक एसिड होता है ना जो बोरिक एसिड होता है मैं इसका जब तक पोल भी लगा देता हूँ तुम लोग आंसर लगा देना ठीक है ये रिएक्शन करवानी है अपने को और ये पूछ रहा है कि रिएक्शन जो है प्रोसीड कैसे करवाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना क्वेश्चन देख लो आंसर लगा दो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ या मैं यही कर देता हूं देखो बेटा जो बोरिक एसिड होता है ना बोरिक एसिड की जब आप किसी भी बेस से रिएक्शन करवाते हो तो ये उससे ओ एच माइनस एक्सेप्ट करेगा एन एच से रिएक्शन करवाओगे तो ओ एच माइनस एक्सेप्ट करके ये आपको देगा बी ओ एच होल फोर नेगेटिव क्या देगा बी ओ एच होल फोर नेगेटिव अब दिक्कत क्या है कि ये अनस्टेबल होता है और टूट के वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है तो अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाए रखना है तो आपको इसको स्टेबल बनाना होगा इसको स्टेबल बनाने के लिए अपन ऐसा क्या करें कि ये स्टेबल हो जाए और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाए तो अपन क्या करते हैं बोरोन के इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए हम एक ऐसा कंपाउंड डालते हैं जिसमें सिस में एटलीस्ट दो ओ OH एच ग्रुप लगे हुए हों सिस में एटलीस्ट दो ओ OH एच ग्रुप लगे हुए हों देखो जरा इधर तो ये क्या करेंगे ये क्या करते हैं ये इसके साथ कंबाइन होते हैं कैसे कंबाइन कराए भी से कंबाइन करवाएंगे ये लो ये करवा दिया तो इसके बाद ये एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं ये कुछ इस प्रकार से एक स्टेबल कंपाउंड बनता है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है आप ऐसा बोल सकते हैं एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस प्रकार से ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ये कंपाउंड बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन इधर ही रहेगी बैकवर्ड नहीं जाएगी तो आप क्या करते हैं कोई भी एक सिस डाईओल का यूज करते हैं सिस डाईओल मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिस में एटलीस्ट दो OH ग्रुप लगे हुए हो इसका एडिशन अपन करते हैं पोरिक एसिड की रिएक्शन में ठीक है तो इसका पोल लगाया था क्या अपन ने हाँ पोल लगाया था आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट चलो अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है इनर्ट पर इफेक्ट पर बेस क्वेश्चन है पोल स्टार्ट कर रहा हूं आंसर लगाना ठीक है पोल स्टार्ट कर रहा हूं आंसर लगाना पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो फिर पोल स्टार्ट करता हूं मैं देख लिया चलो अब मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं आंसर तुम लोगों को देना है ठीक है

अरे रोना आ रहा है पेपर बहुत पास है अरे रोना क्यों अब तो हर सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन भी आ रहा है आपका एक के लिए रोना है अब तो मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं पेपर आने वाला है जल्दी से पेपर देंगे जल्दी से सेलेक्ट हो जाएंगे जल्दी से कॉलेज में पहुंच जाएंगे और कॉलेज के बाद तो मजे ही मजे लाइफ सेट है मुझे मालूम है तुम लोग जो ऐसा सोचकर चल रहे हैं तुम्हारा बहुत तगड़ा मोए मोए होने वाला है चल भैया सा ओ सॉरी हाँ 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 हट गया हट गया हट गया हलो लगाओ फटाफट से तो बेटा देखो अपने को बोला जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं पीबी प्लस टू डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है पीबी प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होगा सही है ये हायर वाली ज़्यादा स्टेबल दे दी ये गलत हो गया हटाओ इसको यहाँ पर एस बी प्लस थ्री और बी आई प्लस थ्री डाउन द ग्रुप प्लस थ्री की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये तो गलत हो गया इसको भी हटा दो पी बी प्लस टू पी प्लोर तो से ज्यादा स्टेबल है सही है बी आई प्ल थी बी आई प्लस फाइव से ज्यादा स्टेबल है ये भी सही है टी आई प्ल ज्यादा स्टेबल दे रखा इंडियन प्लस थ्री से डाउन द ग्रुप हाइर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ये गलत हो गया एस एन प्लस टू और पी प्लस टू में से पी प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है ये सही है एस एन प्लस फोर और पीबी प्लस फोर में से एस एन प्लस फोर ज़्यादा स्टेबल है ये भी सही है एस एन प्लस टू प्लस टू में से ये भी सही है एस एन प्लस फोर पीबी प्लस फोर में से गलत है आंसर क्या जाएगा थ्री एंड फाइव थ्री एंड फाइव आंसर विल बी सी आंसर विल बी सी आंसर विल बी सी पता नहीं क्या हो जाता तुम लोगों को कभी कभी सही है ना हाँ सही है ठीक है नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट अमंग ऑल वन टू थ्री रिगार्डिंग ग्रुप थर्टीन है ना बोरोन फैमिली के रिगार्डिंग ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट वाले इस बार देखने को मिलेंगे अपने को इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले जरूर देखने को मिलेंगे याद रखना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसको जरूर याद रखना आ, तो क्या बोला जा रहा है बेटा द करेक्ट स्टेटमेंट वन टू थ्री बोरोन हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप थर्टीन बोरोन लोएस्ट बोरोन का तो भयंकर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ही बोरोन का होता है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो अपने को क्या पूछा है <laughs> बेटा देखो ये इनकरेक्ट हो गया अपने से क्या पूछा करेक्ट इसको देखकर ही आंसर पता लग गया क्या आने वाला है क्योंकि इन तीनों में वन दे रखा है देखो आंसर डी आने वाला है पता लग गया ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही फायदा है देखो सेकंड क्या बोल रहा है द ट्राइक्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ ऑल ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स आर कोवेलेंट एंड गेट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर सही है देखो ये बोल रहा है कि बी सी थ्री बी थ्री एंड बी थ्री ये जो है कोवेलेंट होते हैं और इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो बेटा ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स

सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीएसिड ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ना जो सेंट्रल एटम है उसकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो ऑक्सीएसिड बन जाएगा और हाइड्रा एसिड बन जाएगा टर्मिनल एटम का हाइड्रा एसिड ऑफ टर्मिनल एटम अब इसका क्या मतलब हुआ जैसे बेटा अगर आप BCl3 का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है बोरॉन इसका ऑक्सी एसिड बना दो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो बोरॉन का ऑक्सी एसिड कौन है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट का बोरॉन का एक ही ऑक्सी एसिड है एच क्या बन जाएगा बेटा H3BO3 और हाइड्रा एसिड ऑफ टर्मिनल एटम हाइड्रा एसिड ऑफ टर्मिनल एटम मतलब टर्मिनल एटम Cl इसका एसिड एसिड मतलब इस पे H प्लस जोड़ दो बस तो Cl पे H जोड़ के क्या बन जाएगा HCl तो बेटा ये प्रोडक्ट मिलेंगे BCl3 के हाइड्रोलाइसिस पे अब आपसे अगर पूछा जाए कि BBr3 के हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बताओ बता दोगे क्या बता दोगे क्या क्या बन जाएगा सेंट्रल एटम का ऑक्सी एसिड ये बन गया भाई साहब एच थ्री बी ओ थ्री और टर्मिनल एटम का हाइड्रो एसिड बन गया एच बी आर बी आई थ्री का एच थ्री बी ओ थ्री और है, अब मैं आपसे अगर पूछूं बेटा कि पी सी एल थ्री का हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा मैं आपसे पूछता हूं कि PCl5 फाइव का हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं क्या बनेगा बताओ PCL5 फाइव का हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं क्या बनेगा बढ़िया तो बेटा इधर देखो PCL3, PCL3 का प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड पी थ्री फॉस्फोरस के प्लस थ्री और प्लस फाइव वाला एसिड कौन कौन सा H3PO3 थ्री थ्री प्लस थ्री वाला है H3PO4 थ्री फोर प्लस फाइव वाला है तो यहाँ पर ऑक्सीड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एच थ्री थ्री बन जाएगा और थ्री एच सी एल मिल जाएगा इधर देखो PCL5 फाइव है PCL5 फाइव क्या बन जाएगा प्लस फाइव वाला एच थ्री फोर और फाइव एच सी एल बन जाएगा हालांकि अगर मैकेनिज्म पढ़ोगे तो मैकेनिज्म से आपको यह पता लगेगा कि पहले पीओसीएल थ्री बनता है फिर उसके बाद एस थ्री पीओ फोर बनता है पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तुम्हारे सिलेबस में तो यह भी नहीं है पर फिर भी मैंने बता दिया याद रख लेना ठीक है तो बेटा बोरोन के जो ट्राइक्लोराइड्स हैं हाँ जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी ज्यादा होती है जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस की टेंडेंसी ज्यादा होती है तुम्हें क्या करना मेरी शादी से मेरा रिश्ता करवाना है क्या है ना बताओ सामान ऐसे पड़े पड़े ही गिर रहे हैं अपने आप ही मतलब ये जो सामान पड़े ये तक थक गए पर अपन नहीं थक रहे अपन नहीं थकेंगे आज चलने दो थर्ड uh, स्टेटमेंट बोल रहा है बेटा स्पीशीज लाइक टेट्राहेड्रल ये एंड ऑक्टाहेड्रल ये एक्सपेक्ट इन बोरोन एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन बोरोन एग्जिस्ट इन मीडियम हां सही है बोरोन की अगर बात करें बेटा तो बोरोन ये स्पीशी बनाता ही है, है ना एल्यूमिनियम भी बनाता है एल्यूमिनियम भी एक्वस मीडियम में ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है और ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है जैसे गैलियम है तो गैलियम भी ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है और एल्यूमिनियम भी ऐसे एग्जिस्ट करता है एक्सिस ऑफ वाटर में ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है है ना और बोरॉन ये वाली स्पीशी नहीं बना सकता तो वो लाइन लिखी हुई है हाँ तो ये भी सही है ये भी सही है आंसर आ जाएगा अपना डी नेक्स्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म बता दो कौन एग्जिस्ट नहीं करता फ्री फॉर्म में लगाओ पोल में आंसर बट सी सी एल फॉर डज नॉट हाइड्रोलाइज हाँ बिल्कुल बेटा CCL4 का हाइड्रोलाइसिस इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर कार्बन के पास कोई vacant orbital नहीं है तो जब वाटर अटैक करने आता है ना तो उसको कुछ मिलता ही नहीं है अंदर देने के लिए तो जब कुछ है ही नहीं तो ये लेगा किस में तो एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से CCL4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता है फिर अपन इसको क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पर ड्रास्टिक कंडीशन में ले जाते हैं तब जाके CCL4 का हाइड्रोलाइसिस होता है एस एन से है ना हाइड्रोलाइसिस जनरली कोविलइट का जो होता है वो एस एन टू मैकेनिज्म से होता है पर अब इतनी सारी चीजें तुम्हारे घुटने छील देंगी अभी अगर पढ़ाई तो इसलिए वो काम की नहीं है छोड़ दिया पन्ने एक रिश्ता है कहीं तो बात करूं पढ़ लो नालायकों पढ़ लो नीट का एग्जाम आ गया पास में पर तुम्हारे नालायक की सुधर नहीं रही है कौन सा हेलोजन हाइड्रोलाइसिस पे ओ गैस देता है uh, F2. F2 जब आप वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो वो ऑक्सीजन गैस दे देगा बाकी Cl2 Br2 I2 ये HCl HBr HI देंगे F2 टू को ऑक्सीडाइज कर देता है और F2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीजन गैस दे देगा बेटा ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये इसको ऑक्सीडाइज ही कर देता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है ठीक है एच एफ दे देगा अरे तुम इसका तो आंसर दे नहीं रहो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम लोग इसका आंसर आ जाएगा सी क्योंकि बी एच थ्री मोनोमर नंबर की फॉर्म में नहीं करता, करता ये कैसे करता है बेटा? B2H6. याद नेक्स्ट बीच ऑफ फॉलोइंग बी एफ बॉन्ड इनमें से किसमें बी एफ बॉन्ड है तो बेटा इधर देखो बी एफ फोर नेगेटिव में याद रखना बोरोन जब भी चार बॉन्ड बनाता है तो उस पर रहेगा नेगेटिव और नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाता है तो उस पर रहता पॉजिटिव चार्ज ये एक की पॉइंट दे रहा हूं तुम लोगों को याद रखना तुम्हारे काम आएगा क्या कि बोरोन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा उस पर होगा नेगेटिव और नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज ये देखो बी एफ थ्री डॉ एन एच थ्री में भी यही है यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट को हटा के कोवलेंट लगाओगे इधर आ जाएगा नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव बोरोन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा उस पर आएगा नेगेटिव नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव ठीक है बी एफ थ्री में तो बैक बॉन्डिंग होती है अपने को बताइए और बी एफ थ्री डॉट एन सी एच थ्री होल थ्राइज ये भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है बस हाइड्रोजन की जगह पे सी एच थ्री लगा देना तो बेटा यहाँ पर बी एफ थ्री में बैक बॉन्डिंग है बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है वन पॉइंट थ्री थ्री है लेकिन यहां पर नो बैक बॉन्डिंग यहां पर नो बैक बॉन्डिंग क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल में तो दूसरे ने लोन पेयर दे दिया तो यहां यहां पर बी बीबी नहीं है यहां पर बीबी है इसलिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है सर पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में कितना पढ़ना है बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो केमिकल प्रॉपर्टीज तक कितना दे रखा है ना बस उतना पढ़ना है अपने को ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट सपोर्ट एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन बेटा कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट जो एनामोलस बिहेवियर शो करता है कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट जो एनामोलस बिहेवियर शो करता है ये भी अपने सिलेबस में है अभी है ना तो किसकी वजह से करता है उसके स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई आइनाइजेशन एनर्जी इन तीनों की वजह से ये तीनों रीजन है और एक रीजन और है अन अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ये चार रीजन है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है ना ये चार रीजन है बिहेवियर शो करने का तो कोई सा भी सेकंड पीरियड एलिमेंट अगर अनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा है उसका रीजन है ये चार पॉइंट्स उसका स्मॉल साइज उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई आइनाइजेशन एनर्जी और नॉन अवेलेबिलिटी या अन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन ऑफ ट्राई हेलाइट कोई अनोमोलस बिहेवियर नहीं है नेक्स्ट डिटेक्शन करते हैं अपन तो आंसर क्या आ जाएगा लेड प्लस टू अच्छा कैन बी पूछा है क्या कैन नॉट बी नहीं पूछा है तो कैन भी पूछा है तो ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा डी क्या आंसर आ जाएगा डी कर आप बायो भी पढ़ाया करो हाँ मेरे को पसंद है बायो बस मेरे को वो टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी जो होती है ना वो याद नहीं होती है मुझे आलस आते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स याद करने में क्या उनके कोई छोटे नाम नहीं दिए जा सकते थे किया जा सकता था ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया मेडुला ऑबलोंगेटा यार कोई आसान आसान से नाम दे दो कि ये चिंटू है ये बबलू है ऐसा नाम दे देते दे तो मैं जरूर पढ़ लेता कि जो चिंटू है वो बबलू पे पेवेटेड रहता है अगर यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो चिंटू की फंक्शनिंग पे जोर आएगा और चिंटू फंक्शन करना बंद कर देगा ऐसी लैंग्वेज में अगर बायो होती कितना मजा आता है ना जो एनसीआरटी के डब्बे हैं अब वो डब्बे भी इंपॉर्टेंट नहीं रहे अगर अपने सिलेबस से हट गए तो खासकर यूजेज वाले डब्बे वो हट गए बोरेक्स बीड इज अ मिक्सचर ऑफ एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन एच टू ओ को हीट करेंगे अपन बेटा अगर इसको हीट करेंगे तो पहले टेन एच टू ओ निकल जाएगा इसमें स्वेलिंग आएगी ठीक है तो एन ए टू बी फोर ओ सेवन बचेगा फिर इसको फर्दर और हीट करेंगे तो एन ए बी ओ टू बचेगा और बी टू ओ थ्री बचेगा ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी लिक्विड होता है इसी को बोरेक्स बीड़ बोलते हैं इसी को बोरेक्स बीड बोलते हैं तो एन ए बी ओ टू और बी टू ओ थ्री एन और बी टू ओ थ्री वॉन्ट बायो फ्रॉम यू बायो वाले टीचर ना सब बेटा मुझे पकड़ के ना धो देंगे ढंग से ये हमारे सब्जेक्ट की बेजती कर रहा है पढ़ा के मैं इन ऑर्गेनिक में ही ठीक हूँ हाँ तुम चाहो तो मैं तुमको ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ा दूंगा पर बायो नहीं वैसे बायो पता है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मुझे अच्छा लगता है बायो वॉट इज नॉट ट्रू अबाउट बोरेक्स इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है एन एवन डॉट टेन एच टू ओ क्रिस्टलिकोर ओ फाइव ओ एच होल फोर हाँ ये भी सही है इट हाइड्रोलाइसिस टू गिव एन एसिडिक सोल्यूशन ये गलत है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये सही है आंसर बेटा सी है देखो अब अगर, अगर अपन बात करें बोरेक्स की तो मैं आपको बता देता हूँ बोरेक्स के बारे में इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है मॉलिकुलर फार्मूला इसका यही होता है एन ए टू बी फोर डॉट टेन एच टू ओ और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है मॉलिकुलर ये, ये तो हो गया, formula, और स्ट्रक्चरल गया होता है एन ए टू बी फोर ओ फाइव ओ एच फोर डॉट एट एच टू ओ तो बोरेक्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट होता है ना कि टेन ठीक है, एक्चुअली में वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है बेटा एट ठीक है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है इसके स्ट्रक्चर से वो फॉर्मूला है ये और हर एक बोरोन पर एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप ओ एच ग्रुप जरूर लगा होता है अब देखो जरा ध्यान से यहां पर ये बोरोन और ये बोरोन ये दोनों चार बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहे ये दोनों चार बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो बोरोन जब भी चार बॉन्ड बनाता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इन दोनों पर नेगेटिव लगा दो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसमें दो ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स हैं और दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट हैं आ रही है बात समझ में भी पढ़ रहा है अरे यार अपनी क्लास में यार सब बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं पांच बीओ भी लिंक है वेरी गुड पांच ब्रिजिंग ऑक्सीजन है बहुत बढ़िया बेटा बहुत सुंदर मजा ही आ गया और क्या पूछा है और क्या पूछा है ये पूछा है कि इट हाइड्रोलाइसिस टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन बेटा जब बोरेक्स का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन एच टू ओ या फिर आप इसकी वॉटर से रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिलता है बेटा एच थ्री बीओ थ्री और एन ए ओ एच अब आपको बेस भी एसिड भी मिल रहा है और बेस भी मिल रहा है इसको पानी में डालने पर एसिड भी मिलता है और बेस भी मिलता है अब ये जो बेस है ये स्ट्रांग बेस है तो एन एच स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है ये अपने को अल्कलाइन नेचर का मिलता है तो आप क्या याद रखेंगे कि बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा वो कैसे नेचर का होता है अल्कलाइन नेचर का होता है जबकि ये क्या बोल रहा है कि बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा है एसिडिक होता है इसीलिए स्टेटमेंट गलत है आज शेर सोएगा नहीं हाँ आज शेर इनऑर्गेनिक कंप्लीट करके ही सोएगा चाहे कुछ भी हो जाए अब चालू किया है तो रुकेंगे नहीं खुद से वादा किया था अब की बार सात सौ बार तो शेर आज नहीं सोएगा आज पूरी इनऑर्गेनिक समाप्त इनऑर्गेनिक का खेल खत्म ठीक है तो ओवरऑल अल्कलाइन हो जाएगा क्योंकि वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था ठीक है ये तो तुमको पता ही है ये भी तुमको पता है और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है ये भी अपन सॉल्ट एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं हाँ भैया एल्युमिनियम है एल्युमिनियम की रिएक्शन करवा रहे हो आप एन टू से और कार्बन से तो बेटा एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर आप एन टू से करवाओगे तो एल्युमिनियम का नाइट्राइड बनेगा और एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर आप कार्बन से करवाओगे तो एल्युमिनियम का कार्बाइड बनेगा ठीक है अब इनकी जल्द से रिएक्शन करवा दो देखो ये सिलेबस में नहीं है पर मैंने जानबूझ के डाली है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पता हो ये चीज तो बेटा ए एल ओ एच होल्थराइज बन जाएगा वाटर है बेटा H प्लस और ओ एच माइनस में तोड़ दो और किसी भी आयनिक कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन करवाओ ना तो बस इसको एच प्लस ओ माइनस में तोड़ देना और कैटाइन और एनआईन पर जोड़ देना क्या बोला मैंने इसको एच प्लस ओ एच माइनस में तोड़ देना और कैटाइन और एनआईन पर जोड़ देना

और कैटाइन और पे जोड़ दो तो एल ओ एच बन जाएगा और मिथेन गैस बन जाएगी क्या बन जाएगी मिथेन गैस तो अमोनिया और मिथेन गैस हमें मिलेगी ठीक है ये जनरल कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सिलेबस से हटा दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि ये केमिस्ट्री से हट गई है ये तो केमिस्ट्री की आ, कुछ बेसिक सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबव रिएक्शन ये रिएक्शन दे रखी है इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो बेटा इस रिएक्शन में सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो निकाल लेते हैं मेटल है एल्यूमिनियम एच से रिएक्शन करके एक्स बनाएगा और एनएस से रिएक्शन करके वाई बनाएगा बना देते हैं चलो इधर बन जाएगा ए एल और गैस पी गैस निकल जाएगी बेटा हाइड्रोजन ठीक है और ऐसे इधर एनएच से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा एन एल ओ टू और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी ये लो साहब एक्वस है अगर अगर एक्वस है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको एन एल ओ एच होल फोर एन एल ओ एच होल फोर और एच टू ऐसे भी लिख सकते हो है ना ये और ये दोनों एक ही चीज है ये एनहाइड्रस फॉर्म में मिलता है एक्वस मीडियम में अपने को ये वाली स्पीशी मिलती है ठीक है अब क्या बोला जा रहा है अल्यूमिनियम शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर हां क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है गैस पी एंड क्यू आर डिफरेंट नहीं पी एंड क्यू दोनों हाइड्रोजन है अपने को क्या बताना है इनकरेक्ट बताना है आंसर आ जाएगा हमारा बी बोथ एक्स एंड वाई आर वाटर सोल्यूबल हां बेटा ए एल सी एल थ्री भी वाटर सोल्यूबल होता है और ये भी वाटर सोल्यूबल होता है दोनों वाटर सोल्युबल होते हैं गैस क्यू इज इनफ्लेमेबल हां हाइड्रोजन इज हाइली इनफ्लेमेबल बहुत भयंकर जलती है ठीक है तो नेक्स्ट जो अपना ग्रीन एनर्जी वाला प्रोजेक्ट आ रहा ना अपने इंडिया में पेट्रोल डीजल की जगह अब सोलर और उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज होने वाला है मतलब आने वाले कुछ 20-30 सालों में आप यह देखोगे कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां तो ऑलमोस्ट गायब सब हाइड्रोजन और सब सोलर वोलर बैटरी वैटरी पे चलेंगी सब है ना अपन एक नई एरा में एंटर कर रहे हा बिल्कुल नेक्स्ट एनहाइड्रस एनहाइड्रल्यूमिनियम क्लोराइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ओइंग टू दमेशन ऑफ अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे ये वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे चलिए बेटा जल्दी से बताएंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि ए एल सी एल थ्री सूखा सूखा ए एल सी एल थ्री इसकी मैं अगर मॉइस्ट एयर यानी कि ऑब्वियसली बात है वाटर से रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा क्या होगा ये बोल रहा है कि व्हाइट फ्यूम्स निकलती है व्हाइट फ्यूम्स क्यों निकलती है तो हाइड्रोलाइसिस करवा दो हाइड्रोलाइसिस कैसे करवा दें प्रोडक्ट बना दो अभी बोला था ना मैंने क्या कर दो दोन से जोड़ दो ठीक है तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एच के फॉर्मेशन की वजह से और वैसे भी एच की वाइट फ्यूम्स होती है ये आपको पता ही है इसकी इट फ्यूम्स होती है एच की व्हाइट फ्यूम्स होती है कुछ भी कुछ भी आंसर देते तुम लोग नेक्स्ट द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप फोर्टीन बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाएंगे बेसिक नेचर बढ़ेगा क्यों क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ता है तो इन सभी में से पी बी ओ टू विल बी मोर बेसिक ठीक है नेक्स्ट पी बी आई फोर डज नॉट एग्जिस्ट ये तो तुम लोगों ने किया हुआ क्वेश्चन है ये तो मैंने तुमको ढंग से पढ़ाया हुआ है पी क्यों एग्जिस्ट नहीं करता पी इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता बेटा क्योंकि पी बी प्लस से ज्यादा स्टेबल है पी बी प्लस तो पी बी प्लस फोर प्लस में आने की टेंडेंसी रखता है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आई एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते याद है ना तो नहीं आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट विच ऑलोइंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है बेटा ये पीबीसीएल टू इसका आंसर जाएगा पीबीसीएल टू बेटा ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों में ही प्रेजेंट होता है अपना लेड प्लस टू पी भी दोनों में प्रेजेंट होता है

बल हो ही जाता है ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड फेयरली सोल्यूबल वापस से वही क्वेश्चन आ गया प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग पी बी एनओ थ्री होल्टवाइज यह क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस सा हो गया है इस साल पर मैंने जान के डाला ये बताने के लिए बेटा कि मेटल नाइट्रेट्स को जब अपन हीट करते हैं तो याद रखना मेटल ऑक्साइड मिलेगा एनओ टू मिलेगा और ओ टू मिलेगा ये एक जनरल हीटिंग वाली रिएक्शन है अगर आप किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे आपको लेड नाइट्रेट दे दिया तो बेटा लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या मिलेगा लेड का ऑक्साइड एनओ टू और ओ टू क्या मिल जाएगा लेड का ऑक्साइड एनओ टू और ओ टू ऐसे आपको बोल दिया जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को हीट कर दो क्या मिल जाएगा आप बता दोगे आपको बोल दिया कि बेटा लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं क्या मिलेगा बताओ आप बता दोगे क्या कि लिथियम का ऑक्साइड मिल जाएगा एनओ टू मिल जाएगा और ओ टू मिल जाएगा बस याद रखना कुछ लो फाई मेटल्स जैसे कि एन ए प्लस के प्लस रुबीडियम प्लस और सीजियम प्लस ये कहलाते हैं बेटा लो फाई मेटल्स क्या कहलाते हैं लो फाई मेटल्स इनके नाइट्रेट्स ऐसे नहीं टूटते बस ये नाइट्राइट्स में टूट जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं इनके नाइट्राइट इनको मैं किससे रिप्रेजेंट करूं एम डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं ठीक है तो अगर इनके नाइट्रेट्स को आप हीट कर रहे हो बेटा तो ये आपको सिर्फ मेटल नाइट्राइट देंगे और ऑक्सीजन रिलीज कर जाएंगे है ना और वो भी हाई टेम्परेचर पे ऐसे नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे आपने सपोज के थ्री को हीट किया कुछ नहीं होगा नहीं टूटेगा पर हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो वो के एन ओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा और ओ टू रिलीज कर देगा ठीक है एक्स्ट्रा वाली चीज है थोड़ा सा बस देख लेना अगर अच्छा लगे तो याद रख लेना नहीं तो भूल जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट द स्टेबिलिटी ऑफ डाई है

पाई बॉन्ड्स बनाएगा और कार्बन क्योंकि टू पी ऑर्बिटल का यूज करेगा तो ये टू पी पाई टू पी पाई बॉन्ड्स बनाएगा जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आंसर आएगा डी नेक्स्ट अमंग द एलिमेंट ऑफ ग्रुप रिड्यूसिंग पावर ऑफ द डाइवेलेंट स्पीशीज रिड्यूसिंग पावर ऑफ डाइवेलेंट मतलब इन पर प्लस टू चार्ज लगा हुआ है इनकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है तो बेटा आपको दे रखा है जर्मेनियम और टेन और लेड इनकी प्लस टू पावर Uh, इनकी रिड्यूसिंग पावर तो बेटा पी बी प्लस टू अगर रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा तो वो प्लस फोर में जाएगा और जर्मेनियम अगर रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा तो वो भी प्लस फोर में जाएगा इन दोनों में से कौन जाना चाहेगा प्लस फोर में कौन ज्यादा स्टेबल है प्लस फोर में जर्मेनियम तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है वहां जाने की इसका मतलब ये फटाफट से दो इलेक्ट्रॉन देके वहां जाएगा और रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर देगा इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया जर्मेनियम तो जर्मेनियम से लेड जब अपन जा रहे हैं तो प्लस टू की स्टेबिलिटी बढ़ रही है प्लस टू की स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसलिए रिड्यूसिंग नेचर कम होगा फर्स्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है फर्स्ट आंसर आ जाएगा सी कहां से आ जाएगा बेवकूफों सी आंसर क्यों बोल रहे हो बताने के बाद समझाने के बावजूद भी गलत आंसर दे रहे हो नेक्स्ट फुलरीन वैसे तो एलोट्रॉप्स बेटा हट चुके हैं बट फिर भी मैंने आपको एलोट्रॉप्स पढ़ाए हैं क्लास में और फुलरीन नहीं भी पढ़ाए तो भी आपको फुलरीन का हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही होगा सी सिक्सटी बकमिंस्टर फुलरीन आंसर क्या आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें याद है ना फाइव मेंबर रिंग होती है फाइव रिंग होती है कितनी और सिक्स मेंबर होती है कितनी फाइव मेंबर होती है बारह और सिक्स मेंबर होती है बीस और हर फाइव रिंग घिरी हुई होती है सिक्स मेंबर रिंग से हर फाइव मेंबर रिंग के चारों तरफ सिक्स मेंबर रिंग्स होती हैं ठीक है ठीके? क्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एस एसियल टू इज आयोनिक सॉलिड ए नहीं ये तो कोविलेंट होता है आपने को क्या बताना नॉट ट्रू एस एनसीड्यूसिंग इन नेचर एसेंसीएल टू इज रिड्यूसिंग इन नेचर एस एनसियल टू आयोनिक कहाँ से हो जाएगा एसेंसियल टू तो टू कोवलेंट होता है एक से ज्यादा इनकरेक्ट आ रहे उसमें कोई बात नहीं एसेंसीएल फोर रिड्यूसिंग इन नेचर नहीं होता एस एनसीएल टू रिड्यूसिंग होता है एस एनसी फोर इज कोवेलेंट लिक्विड एस एन सी एल फोर इज कोवेलेंट लिक्विड कोवेलेंट तो होता है होता है बट लिक्विड होता है या नहीं इसकी गारंटी नहीं दे सकते एस एन सी एल फोर कोवेलेंट तो होता है तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस में हेर फेर करके एक काम करते हैं मैं आपको ये अच्छा क्वेश्चन बना के दे देता हूं इसको देखो इधर कर लो आप एस एन एफ फोर है ना और एस एन सी एल फोर इज कोवलेंट इसको ऐसा कर लेते हैं ये लो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया एस एन एफ फोर या पी बी एफ फोर ले लो वैसे पी बी एफ फोर और एस एन एफ फोर दोनों ही आइनिक होते हैं यहां पर पी बी एफ फोर ले लो तो तुम्हारी एनसीआरटी का पॉइंट भी कवर हो जाएगा ठीक है एन सी आर टी का पॉइंट भी अपना यहाँ पर कवर हो जाएगा ठीक है तो PBF4 फोर इज आइनिक सॉलिड अब ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हो जाएगा और फिर बोला जा रहा है SnCl2 टू इज रिड्यूस एसेंसियल फोर इज रिड्यूसिंग नहीं SnCl4 फोर तो ऑक्सीडाइजिंग है टू रिड्यूसिंग नेचर का है तो अपने को क्या बताना है नॉट ट्रू बताना है ये भी करेक्ट है ये नॉट करेक्ट है ये करेक्ट है ये करेक्ट है ठीक है, है तो आंसर अपना बी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े चले आगे बढ़े ट्वेल्थ वाले पी ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ट्वेल्थ वाला पी ब्लॉक नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स तो बेटा डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटालिक नेचर बढ़ेगा और मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो अपना ये जो बिस्मत होता है ये तो मेटल होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों कैसे होते हैं बेटा नॉन मेटल्स आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों कैसे होते हैं बेटा मेटलोइड और बिस्मत ये होता है अपना कैसा मेटल तो मेटेलिक बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा बिस्मत में नेक्स्ट विच वन इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट चलो फटाफट से आंसर लगाओ पोल और ये लगाओ आंसर नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर अपन बात करें तो प्लस थ्री और प्लस फाइव इसकी लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है रिस्पेक्टिवली सर मैंने आपसे कोटा में है कोटा में पढ़ा था ओके वेरी गुड बेटा फिर तो तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा इनऑर्गेनिक क्योंकि ऑफलाइन में तो मैंने इससे भी ज़्यादा पढ़ाया था जितना भी ऑनलाइन में पढ़ाया इस साल ऑफलाइन में क्योंकि तब तो सिलेबस कटा नहीं था तब तो भर भर के पढ़ाया था आंसर आ जाएगा बिस्मत प्लस थ्री ये सही है P प्लस फाइव पी प्लस थ्री से ज्यादा स्टेबल होता है आ, ये भी सही है एन प्लस थ्री नहीं एन प्लस फाइव ज्यादा स्टेबल होता है बेटा आंसर आंसर आएगा आएगा गया पोल वेरी गुड नेक्स्ट नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव नाइट्रोजन रिलेटिवली इनएक्टिव क्यों है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एन टू मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे उसकी वजह से

बेसिक ऑक्साइड ही देगा तो बेटा बी आई टू ओ थ्री आपसे पूछा जाए कैसा है तो आप क्या बोलेंगे इट इज अ बेसिक ऑक्साइड कैसा है बेटा बेसिक ऑक्साइड ठीक है और आर्सेनिक का तो मैंने आपको बताया था ए एस टू ओ थ्री एम्फोटेरिक होता है और ए एस टू ओ फाइव एसिडिक होता है ए एस टू ओ थ्री एम्फोटेरिक होता है ए एस टू ओ फाइव एसिडिक होता है और इनके तो सारे ऑक्साइड एसिडिक होते हैं है ना कंपाउंड इन प्लस फाइव बिस्मत का एक ही कंपाउंड है जो प्लस फाइव में स्टेबल है एक ही है कौन सा कौन सा जल्दी से आंसर लगाएंगे फटाफट पट से आंसर लगाएंगे जल्दी से आंसर लगाओ

नाइट्रोलेम मिक्सचर और ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है ये जो साइनामाइड है ना ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड कैल्शियम साइनामाइड इसका नाम होता है ठीक है तो कैल्शियम नाइट्राइड साइनाइड साइनामाइड आंसर आ जाएगा आपका सी नेक्स्ट हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक तो ध्यान से देखोगे तो देखते ही आंसर पता लग जाएगा देखो बेटा एन तो लुइस बेस होता है एन तो लुइस बेस होता है एन N2H4, N2H4 ये एन टू एच फोर भी लुइस बेस है क्योंकि इसके पास भी लोन है एन टू एच टू भी लुइस बेस है क्योंकि इसके पास भी लोन है यह एच प्लस देने की टेंडेंसी नहीं रखते लेकिन बेटा एन थ्री एच एन थ्री एच ये जो है ये अपना क्या है ये हाइड्राजोइक एसिड है इसका नाम क्या है हाइड्राजोइक एसिड ये एक H प्लस देता है और अजाइड आयन बनाता है तो अजाइड आयन का जो नाम है वो कहाँ से आया हाइड्राजोइक एसिड से ये है अजाइड आयन ठीक है हाँ बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर आ जाएगा डी ठीक है ये एच एन ओ थ्री की रिएक्शन है ये मैंने आपको सोल्ट में पढ़ाई थी जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया था तब मैंने आपको एच एन ओ थ्री की रिएक्शन बताई थी बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्टली रिटर्न आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है तो बेटा कोई भी नॉन मेटल जब एच एन ओ थ्री से रिएक्ट करता है तो मैंने बताया था आपको याद है कि वो क्या दे देता है वो एक ऑक्सी एसिड दे देता है एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड दे देता है और एन टू रिलीज हो जाती है तो देखो यहां पर एच से रिएक्शन हो रही है है ना फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है एच से रिएक्शन करेगा तो इसका एक ऑक्सी एसिड मिलेगा यानी कि फॉस्फोरिक एसिड तो ये फॉस्फोरिक एसिड का ही फॉर्मूला है और एनओ रिलीज हो रही है ये रिएक्शन करेक्ट है आई की रिएक्शन हो रही है और एच बन रहा है एच का नाम क्या है बेटा इसका नाम है पर आयोडिक एसिड क्या नाम है पर आयोडिक एसिड आयोडिक एसिड बनना चाहिए था एक फॉर्म ऑफ एसिड तो यहां पर एच आई ओ थ्री बनता तब ये रिएक्शन करेक्ट होती यानि कि हमारा करेक्ट आंसर होगा सल्फर है सल्फर का एक एसिड तो एच टू एसओ फोर बन जाएगा ठीक है बी आंसर हो जाएगा एच एन ओ थ्री की रिएक्शन करवाई थी मैंने याद है ना अरे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओहो हो बारह बज गए क्या बात है आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हाँ मेरे को भी थैंक यू सो मच जन्मदिन विश करने के लिए सब लोग जन्मदिन मना लो अरे आज इनऑर्गेनिक खत्म हो रही है उसकी खुशी मनाओ कि आज इनऑर्गेनिक हाँ ठीक है? है ना चलो फटाफट से इनऑर्गेनिक खत्म करते बेटा फटाफट से इनऑर्गेनिक खत्म करते अरे मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यहां से क्वेश्चन आएंगे मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था एनएच थ्री में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद एस बी एच थ्री फिर ए एस एच थ्री और फिर पी एच थ्री और यही अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में NH3 थ्री पीछे आ जाता है तो एस बी एच थ्री फिर एन एच थ्री एंड देन एस एच थ्री एंड पी एच थ्री आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये लो दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों याद रखने आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है थ्री हाइएस्ट फिर एस बी एच थ्री स बी एस थ्री ए एस एस थ्री पी एस एस थ्री और उससे ज्यादा एन एस थ्री का हाँ पहला ही सही है सही है इसमें यह गलत है इसमें यह गलत है इसमें यह गलत है ठीक है फर्स्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप फिफ्टीन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप ये सही है बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड वीक होता जाएगा एच प्लस देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी अगर तो हाइड्रोजन जितना जल्दी निकलेगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा तो बेटा डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होते हैं हाइड्राइड्स के ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 ये आ गया वही वाला NH3 मतलब लुइस बेसिक नेचर पूछ रहा है ये लुइस बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज होता है ये बोल रहा है इंक्रीज होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है है ना यही आंसर जाएगा ncl5 does not exist ये तो अपने को पता ही है फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म pi pi d pi बॉन्ड बट नॉट नाइट्रोजन सही है ये भी नाइट्रोजन pi pi d pi बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास तो d ऑर्बिटल ही नहीं है उसके बाद d ऑर्बिटल ही नहीं है ये स्टेटमेंट भी सही है आंसर आ जाएगा b आंसर आ जाएगा b ठीक है नेक्स्ट ड मेल्टिंग दोनों का ही ऑर्डर यही है एच टू एस एच टू एस ई एच टू टी ई एच टू ओ दोनों ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का दोनों का ऑर्डर यही है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है एच टू में एच बॉन्डिंग थी इसलिए सबसे ज्यादा हो गया बाकी डाउन द ग्रुप मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो हाँ आपकी बार सात सौ बार है ना तो क्या जाएगा? आ जाएगा एच टू ओ सबसे आगे फिर एच टू दे रखा है नहीं कहाँ है ये रहा सी नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चलो बताओ फटाफट से पोल लगा देते हैं आंसर दो जल्दी से आंसर देंगे बेटा तो एसिडिक नेचर की अगर अपन बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एसिडिक नेचर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है इसके अलावा जो बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज होती हैं कैसे अब जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है एच टू ओ एच टू एस एच टू एस सी एच टू टी ई इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ तो बेटा डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ता है इनका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो टेंडेंसी टू रिलीज एच प्लस बढ़ेगी और इसीलिए एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा तो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट

इसीलिए कैटिनेशन सल्फर का ज्यादा होता है आंसर क्या आ जाएगा बी याद रखना ठीक है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सल्फर सल्फर बॉन्ड से वीक होता है ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस से वीक होता है ऐसे ही फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड सीएलसीएल बॉन्ड से वीक होता है सेम रीजन ठीक है नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स चलिए भाई ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताएंगे जल्दी से ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताएंगे फटाफट से जल्दी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग भैया बढ़िया कर रहे हो करते रहो बस अब अपने को डाउन नहीं होना है अब अपने को मंजिल को नहीं भुलाना है मंजिल अगर भुला दी तुमने तो बस सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अरे ये टीवी ही बंद होने वाली है भैया रुक जाओ हमको मंजिल को हमेशा याद रखना है क्योंकि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर भूल गया तो फिर तुमने क्या ही इनऑर्गेनिक पढ़ा नालायकों लाएको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा अरे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम डिक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीजिज बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा ना मेरे भाई देखे जरा आंसर क्या आ रहा है क्या आंसर था अपना बी अरे वाह क्या बात है जान मोटिवेशनल लाइन सुनते जोश आ गया तुम्हारे अंदर है हैं मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया ये लो कलर शोन बाय हेलोजन इज इनकरेक्टली गिवन बाय इनकरेक्टली कौन सा आ, कौन सा ड्रेगोज रूल बहुत बढ़िया पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ड्रेगो रूल क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बताया पर हां वेरी गुड बेटा अरे वाह यार तुम लोग मतलब दिल जीत लेते यार ऐसी छोटी तुम्हारी यही छोटी छोटी बातें तो दिल जीत लेती है <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं तो हेलोजन का कलर कौन सा करेक्ट नहीं है चलो फटाफट से बताएंगे इसका भी पोल लगा रहे हैं जल्दी से बताएंगे एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू इसका कलर सही नहीं है इसका कलर सही नहीं है जल्दी से बताएंगे यार ये लाइक्स कैसे 1.4 के मतलब फोर के ऑडियंस होने के बावजूद भी लाइक्स वन पॉइंट फोर के हैं ऐसा कैसे यार किसने लाइक नहीं किया चलो फटाफट फड़ से लाइक करो तुम लोग ऐसे मत किया करो यार है? इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए कम से कम लाइक तो करके जाया करो सात घंटे हो चुके हैं हमारी स्ट्रीम को सात घंटे और अभी तो सॉल्ट और बच रहा है फटाफट करो लगा दिया क्या आंसर आ जाएगा ये क्या हुआ सीधे डाउट खुल गया क्या नीट तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा नीट तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा क्या आंसर है इसका बी है बी आंसर नाइन्टी परसेंट क्या बात है क्या बात है वाह 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 क्या बात है नीट फोड़ते हुए नजर आ रहे हो क्या बात है नीट फोड़ रहे हो देखिए जरा आ, तो बेटा सी एल टू जो है ये ग्रीनिश एल्लो होता है ये ग्रीनिश येलो होता है ठीक है ये येल्लो ये ग्रीनिश येल्लो ये रेड red या रेडिश ब्राउन और ये वॉलेट ठीक है नेक्स्ट करेक्टली गिवन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इन करेक्टली गिवन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर सही है बेटा ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना डाउन द ग्रुप हेलोजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज होता है और हेलाइट का रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है ये ऑर्डर सही है है ना ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है सबसे ज्यादा आई माइनस फिर बी आर माइनस फिर सी एल माइनस एंड देन एफ माइनस ठीक है

बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर इसका ये होता है ये भी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर भी मैं लिखवा देता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर होता है एच सी एल एच बी आर एच बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना तो एच आई और फिर आ जाता है एच एफ और मेल्टिंग पॉइंट में एच एफ जो है वो एच आई के पीछे आ जाता है एच सी एल एच बी आर एच एफ एंड एच आई ये इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है ये इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है हाँ लाइक्स तो टेन के हैं अरे वो मुझे यहाँ पर सामने टीवी में ना बस वन पॉइंट फोर के मैं वही कहूँ यार ये स्टार्टिंग में आए थे तब आते ही वन पॉइंट फोर के तो वैसे ही हो गए थे हजार लाइक तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हो गए थे अभी तक वन पॉइंट फोर के ओह फिर ठीक है फिर ठीक है फिर ठीक है पुष्पा द फायर अरे भटको मत अब नालायक कहा भटक रहा इधर उधर पुष्पा झुकना नहीं है रैंक पुश दिखना चाहिए अभी ठीक है इससे ज्यादा क्वेश्चन कर बेटा सब कुछ तो कर लिया अपन ने अब और क्या अब क्वेश्चन ही नहीं बचे आईओसी के तो कहाँ से करोगे अपन ने इतनी सीरीज में इतने क्वेश्चंस लगा लिए पीवाईक्यू क्यू एग्जाम्पलर जेई मेन के पीवाईक्यू सब लगा डाले अपन ने अपने क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन लगा डाले अब बचे ही नहीं है और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो अब क्या लगाओगे तो तुमने अगर ये कर लिया है तो आप आराम से रहो बेटा आपका अच्छे से रिवाइज हो गया है अब बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना आपका काम हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लो आ गया अभी अभी बताया था स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा आई माइनस होगा आयोडीन गैस टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर ये तो सॉल्ट का क्वेश्चन है अरे याद है ना आई स्टार्च आयोडाइड सोल्यूशन को स्टार्च सोल्यूशन को किसमें कन्वर्ट कर देता है आई टू किसमें कन्वर्ट कर देता है ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और बी आर टू किसमें कन्वर्ट कर देता है येलो में कर देता है ठीक है ब्रेक अरे रुक जाओ अभी पहले पी ब्लॉक खत्म होने वाला है बस खत्म हो जाने दो इसको विच आर नाउ द फॉलोइंग हेलोजन लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन विद एच टू भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही? ये भी अभी बताया था बेटा F2 जो है यह वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है क्योंकि ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तगड़ा वाटर आता तो है इसको रिएक्शन करने के लिए इसके पास लेकिन ये इसको निपटा देता है और यहां से ऑक्सीजन ही रिलीज करवा देता है और एच बचता है जबकि आप Cl2, टू की रिएक्शन करवाओगे सीएल टू बी आर टू एफ टू आई टू की रिएक्शन करवाओगे सी एल टू बी आर टू आई टू की रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा बेटा एक ऑक्सी एसिड और एक हाइड्रा एसिड एक ऑक्सी एसिड मिलेगा और एक हाइड्रा एसिड मिलेगा जैसे आप आई टू की रिएक्शन वाटर से करवा रहे हो या फिर आप बी आर टू की रिएक्शन वाटर से करवा रहे हो या आप सी एल टू की रिएक्शन वाटर से करवा रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा आपको मिल जाएगा एच सी एल और एच ओ सी एल है ना वहां भी यही बनता है उधर एच बनता है पर वो एचओ जो है वो टूट जाता है और वहां से नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है एच टूट जाता है एच और नेसेंट ऑक्सीजन में वो नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओ बनाती है और ये ओ नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाती है तो यहां पर ओजोनाइज ऑक्सीजन मिलती है अपने को उस तुम्हारे सिलेबस से हट गया इसलिए नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ाया तो बेटा एफ जो है ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देती है नेक्स्ट इन विच केस दर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया बेटा ये तो करेक्ट है डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है देखो इधर उल्टा ऑर्डर दे रखा negativity है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है ठीक है और एच सी एल ओ फोर एच सीलो थ्री एच सीलो टू यह भी अभी बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा एच एफ एच टू और एन एस थ्री यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी से यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी से हम एसिडिक नेचर डिफाइंड करते हैं एच एफ वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो पानी में जल्दी टूटेगा यहाँ से एच प्लस जल्दी निकलेगा इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा ये ऑर्डर भी करेक्ट है आंसर जाएगा हमारा बी आंसर जाएगा हमारा बी ठीक है पुष्पा इनकरेक्ट ऑर्डर चलो बताओ भाई ये सारे इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये सारे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए है ना इसमें से आधे तो बता दिए मैंने तुमको आधे और बता देते हैं देखो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है अपने को मालूम है अब ठीक है थर्मल स्टेबिलिटी बेटा थर्मल स्टेबिलिटी आप सिंपली ऐसे याद रखो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड भी बढ़ेगा बॉन्ड बढ़ेगा अगर बॉन्ड बढ़ेगा तो वीक बॉन्ड हो जाएगा

इनकर अच्छा, दे रखा है ना बॉइलिंग पॉइंट का इनकर एच एफ का तो ज्यादा है लेकिन एच सी एल एच बी आर में एच आई का सबसे ज्यादा है फिर एच बी आर का और फिर एच सी एल का है ठीक है आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा सी नेक्स्ट द फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज नोबल गैसेज के बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो डाउन द ग्रुप बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी इनकी साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उसकी वजह से इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं जो इनके बीच में इंटरफोलिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बढ़ेंगे और उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और यही रीजन होता है वाटर में सॉल्युबिलिटी का भी सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज होती है इसीलिए ठीक है तो इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड दैट कैन नॉट बी बाय जिनॉन जिनॉन जो है बेटा सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है वो ऑक्साइड बनाएगा फ्लोराइड बनाएगा या ऑक्सीफ्लोराइड बनाएगा पर क्लोराइड नहीं बना सकता क्लोरीन में इतनी पावर नहीं है कि वो जिनॉन के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सके सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग जिनॉन कंपाउंड सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एज आई थ्री माइनस ये तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है आई थ्री माइनस में टोटल लोन पेयर नौ है और ऐसे निकाल लेना एक्सजी एफ टू में भी आ जाएंगे नौ लोन पेयर है ना केमिकल बॉन्डिंग का है, हटाओ इसको नेक्स्ट वेन एक्स एफ टू एंड एक्सर सेन देखो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, है ना अब मैं आपको याद करवा देता हूँ बेटा देखो एक्स एफ सिक्स का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो मैं आपको एक आसान से ट्रिक दे देता उससे याद रख लेना आप जब भी आपको एक्स एफ सिक्स का हाइड्रोलाइसिस है। है? खड़े हुए तो जीनॉन के फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाना हो तो वॉटर का एक मॉलिक्यूल जब अटैक करता है तो यहां से दो हेलोजन हटा दो और एक ऑक्सीजन लगा दो तो दो हेलोजन हटाओ और एक ऑक्सीजन लगाओ क्या बन जाएगा एक्सी ओ एफ फोर और इधर से दो एच एफ निकल जाएगा ठीक है फिर वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वापस से दो हेलोजन हटा दो और एक ऑक्सीजन लगा दो तो एक्स ओ टू एफ टू बन जाएगा फिर वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करवा दो तो दो हेलोजन हटा दो और एक ऑक्सीजन लगा दो तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा एक्सी ओ थ्री और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये मिलेंगे ठीक है तो बेटा एक्सी एफ टू का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इधर भी वही ट्रिक है आप दो हेलोजन हटाओ एक ऑक्सीजन लगाओ तो एक्स ओ बन जाएगा पर समस्या क्या है कि एक्स ओ जो है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये टूट जाता है एक्सी ओ टूट जाता है और एक्स और ओ टू अपने को जिनॉन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है और उसके साथ साथ जो टर्मिनल एटम है उसका हाइड्रा एसिड यानी कि एच एफ तो मिलेगा ही मिलेगा है ना इसके साथ भी अपने को एच एफ मिलते जाएंगे दो एच एफ यहां मिल जाएंगे दो एच एफ यहां मिल जाएंगे दो एच एफ यहां मिल जाएंगे ठीक है ठीक है और ऐसे ही बेटा एक्जी एफ फोर की अगर अपन बात करें तो एक्स एफ फोर का हाइड्रोलाइसिस कराने पर भी दो हेलोजन हटाओ एक ऑक्सीजन लगाओ दो हेलोजन हटाओ एक ऑक्सीजन लगाओ तो यहां पर फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको एक्जी ओ टू मिलेगा पर एक् ओ टू के साथ भी यही समस्या है ये भी अनस्टेबल होता है तो ये भी टूट जाता है और फिर आपको मिलता है क्या एक्जी और ओ टू मतलब डिस्प्रपोर्शनेट होता है यहाँ पे जीरोन तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है ये तीनों के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है हट चुकी है अपने सिलेबस से पर फिर भी आप इनको याद रख लो क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कुछ क्लियरली नहीं बताया गया है जिनोन के फ्लोराइड्स की रिएक्शन के बारे में तो आप इनको याद रख लेना ठीक है ब्रेक अभी देते हैं बस पी ब्लॉक खत्म होने वाला है लास्ट चल रहा है पी ब्लॉक का अभी देते हैं ब्रेक ठीक है तो अरे कहाँ गया वो तो एक्स एफ टू और एक्स एफ सिक्स का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे अगर बेटा तो ये बोल रहा है बोथ गिव ओ टू नहीं वो तो क्या देता है कहां गया एक्स एफ सिक्स तो क्या देता है एक्स थ्री देता है और एक्सएफ टू क्या देता है ओ टू देता है और जिनॉन देता है तो बोथ गिव ओ टू नहीं एक्स एफ सिक्स गिव ओ टू एंड एक्स एफ टू डज नॉट नहीं एक्स एफ टू अलोन गिव्स ओ टू आंसर जाएगा सी आंसर जाएगा सी ठीक है सर ब्लैंक क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड करवा देना ठीक है बेटा मैं बोल दूंगा मैं बोल दूंगा है ना नेक्स्ट एस बी एफ आईव रिएक्ट विद एक्स एफ फोर टू फॉर्म एन एडक्ट द शेप ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द एडक्ट आर रेस्पेक्टिवली बेटा ये देखो एक्स एफ फोर जो है ना जीनॉन के फ्लोराइड फ्लोराइड डोनर एज वेल एज फ्लोराइड एक्सेप्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं दोनों की तरह बिहेव करते हैं तो अगर कोई फ्लोराइड एक्सेप्टर इनसे रिएक्ट करे तो ये फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव कर जाते हैं तो एक्जी एफ फोर एस बी एफ फाइव को एक फ्लोराइड डोनेट कर देगा और एक्सी एफ थ्री पॉजिटिव बन जाएगा और इधर से एस बी एफ सिक्स नेगेटिव बन जाएगा अपने से क्या पूछ रहा है द शेप ऑफ कैटाइन एंड एनायन एक्सजी एफ थ्री प्लस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप निकाल लो और एस बी एफ सिक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप निकाल लो आंसर बताओ फटाफट से पोल में जल्दी से आंसर बताओ ज्यादा ठंडा मत भरना है ना हो गया क्या तो बेटा एस बी एफ सिक्स नेगेटिव क्या आ जाएगा ऑक्टाहाइड्रल आ जाएगा और XeF3 एफ थ्री प्लस कैसे आ जाएगा कैसे निकालेंगे तो जिनॉन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक पॉजिटिव है तो एक हटा दो यहाँ से और पॉजिटिव चार्ज लगा दो अब तीन फ्लोरीन लगाओ एक दो तीन एक दो तीन एक और ये दो तो बेटा दो लोन पेयर तीन सिग्मा sp3d थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन sp3d थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन और विद टू लोन पेर, बेंट टी शेप आ जाएगा क्या जाएगा बेंट टी शेप. तो टी शेप शेप तो और आंसर विल बी बी ठीक है जी आपने खाना खाया क्या नहीं बेटा अभी खाएंगे बस रुक जाओ तुम्हारा सॉल्ट और खत्म करा दें फिर तो उसके बाद क्या बात है बताने के बाद भी गलत कर रहे हो तुम लोग नेक्स्ट हीलियम इज एडिड टू ऑक्सीजन यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स ये अभी अपने लास्ट ईयर के जस्ट 2022 वाले पेपर में ही आया है हालांकि अब ये सिलेबस से हट चुका है पर आपको पता होना चाहिए भाई हीलियम जो है आ, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है पहले नाइट्रोजन डाला जाता था पर हाई आ, प्रेशर पे जब डीप सी डाइवर्स नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है तो नाइट्रोजन क्या है ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है पर हीलियम जो है वो वेरी लेस सॉल्युबल होती है हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है ब्लड में और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है हीलियम इट इज़ लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर सही है यही ऑप्शन आएगा चलिए भैया पी ब्लॉक समाप्त बहुत बढ़िया अभी तक बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग अरे हाँ हाँ करवा देंगे ब्लैंक पीपीटी अब करवा देंगे टेंशन नॉट इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वो सारे क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं बेटा ठीक है एक ब्रेक ले लिया जाए क्या छोटा सा फिर उसके बाद सॉल्ट चालू करते हैं अब सॉल्ट एनालिसिस चालू होने वाला है और ब्रेक अपन छोटा सा लेंगे ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे तो पोल करवा लें क्या कि कौन सा चैप्टर चालू करना चाहिए पोल करवा लें अगर मैं होता तो सॉल्ट एनालिसिस को ही चुनता ठीक है हमारा आज का आखिरी टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस ये है असल मायने में कोट है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो असली है वो तो सॉल्ट एनालिसिस है ठीक है पर कोई बात नहीं अपन अभी एक पांच मिनट का ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद फटाफट से इसको हम निपटाएंगे है ना एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा पांच मिनट का उसके बाद अपन सॉल्ट इसको खटाखट खटा कर खटा निपटाएंगे खटाखट जल्दी कर लेंगे इसको है ना फटा फटाफट से चलो लव फ्रॉम तेलंगाना अरे अपन आए हुए तेलंगाना हैदराबाद आया था मैं बढ़िया सिटी मस्त सिटी लगी मुझे हैदराबाद खाना पीना अच्छा था वहाँ का हैदराबाद का चलो बाकी बातें बाद में करते हैं तुम लोग फटाफट से पांच मिनट का ब्रेक लो और वापिस सा आ जाना सारे के सारे अब अगर इतने रुके हो तो इसके लिए रुकना ही पड़ेगा याद है ना वादा किया था खुद से अब की बार पाँच सौ बार अब नहीं रुकेंगे बस सॉल्ट बच रहा है इसको भी निपटाएंगे फटाफट से ठीक है लव फ्रॉम कोलकाता लव फ्रॉम कराची अरे कराची वाले भी है क्या यहाँ पे कराची का हलवा भेज देना भाई हमारे लिए लीडर बोर्ड अरे हाँ लीडर बोर्ड तो देखा ही नहीं अपन ने लीडर बोर्ड ओ माय गॉड वेरी गुड वेरी गुड शिवम के लिए जोरदार तालियां भाई शिवम ने कर दिखाया शिवम ने छोड़ ही दिया पीछे मयंक मयंक कुछ क्वेश्चन से पीछे रह गया कोई बात नहीं आयुष रेशमा पुष्पा ये रुकेगा नहीं साला बहुत बढ़िया ऐसे करके हैं yeah, ऐसे जीओसी समझ नहीं आता बिल्कुल भी बेटा जीओसी तो समझना पड़ेगा ना पड़े लव फ्रॉम राजस्थान सा विजय युवराज रैंकडअप गुंजन बहुत बढ़िया पंद्रह से दस पे आ गए वेरी गुड कीर्ति मिष्ठी मिष्ठी ने वापस से रैंकअप किया है बढ़िया बेटा बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे ये सिर्फ देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये ही पढ़ने वाले बच्चे हैं बाकी तो है ही नहीं नहीं ये सिर्फ आपको चेयर अप करने के लिए बेटा बहुत बढ़िया ये देख तो मतलब तुम मानोगे नहीं मुझे अब एक भी थकान फील नहीं हो रही है बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है पांच मिनट का ब्रेक है फटाफट से ले लो उसके बाद आ जाओ अब एकदम फुल एनर्जी के साथ जीओसी खटा खट जियोसी का सॉल्ट एनालिसिस घटा घटाघट खत्म करते हैं में कितना टाइम लगेगा आ, देखते हैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर पता लगेगा ज्यादा नहीं लगेगा जल्दी खत्म कर देंगे क्वेश्चन से डाले हैं कि सब कुछ कवर हो जाए लगभग इंपॉर्टेंट सारी चीजें पूरा लेक्चर मिस हो गया तो बेटा कोई बात नहीं सो जाओ अभी आप आराम करो है ना पांच मिनट का ब्रेक लो आराम से अभी टाइम हो रहा है आ, तीस हो रहे हैं है ना अपन बस दो तीन मिनट में वापस मिलते हाँ भाई हेलो 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 आ जाओ भैया फटाफट से आ जाओ सभी लोग सॉल्ट एनालिसिस तो हेलो हाँ भाई तो आ जाओ सभी लोग फटाफट से आ जाओ जल्दी से सॉल्ट एनालिसिस खत्म करेंगे आखिरी चैप्टर है हमारा तो हाँ प्रियांशु हाउस द जोश क्या जोश बचा है तुम लोगों में क्या थोड़ा भी जोश बचा है तुम लोगों में अगर बचा है तो आ जाओ संभालो खुद को उठाओ खुद को और आ जाओ ये आखिरी चैप्टर है हमारा इसको निपटाए बिना तो नहीं सोएंगे इसको निपटाए बिना नहीं सोएंगे अब की बार सात सौ पार नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे जाओ भाई सभी लोग हाँ आ जाओ जनता को जल्दी से बुलाओ जल्दी से जनता को बुलाओ रुकना नहीं है किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है बेटा किसी भी कीमत पर हाँ आपकी बार सात सौ बार लगा दो कमेंट सेक्शन में आग जोश से भर जाना चाहिए पूरा माहौल लगना ही नहीं चाहिए कि हमें सात आठ घंटे हो गए पढ़ते हुए अरे अभी तो चालू किया है अभी भी जोश बाकी है अभी आग हमारे अंदर लगी हुई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन को आग में तब्दील कर दो धुआं धुआं कर दो माहौल फटाफट से वॉचिंग भी सात सौ पार है हाँ <laughs> वॉचिंग तो खैर वो ब्रेक की वजह से कम हो गई है वरना आराम से ग्यारह बारह सौ चल रही थी वॉचिंग चौदह सौ बीच बीच में जा रही थी कोई बात नहीं आपकी बार अरे इतना आगे भी नहीं जाना है आठ सौ पार नहीं बेटा सात सौ पार ही चाहिए बस हैं आठ सौ ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा है दो बार का नीट क्लियर हो जाएगा एक ही साल में आठ सौ नहीं सात सौ काफ़ी है बढ़िया 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 चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्ट एनालिसिस चालू करेंगे जल्दी से सेव हो जा भैया जल्दी से सेव हो जा मतलब इस बेचारे बोर्ड ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है ये भी टिका हुआ है जैसे तैसे वरना पता चला बोर्ड ही हैंग हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जोश वापिस से वापिस से एकदम हाई आग लग गया हॉस्टल में वैसी वाली आग नहीं लगानी बेटा बस ये ऐसे कमेंट सेक्शन में लगा दो वही काफी है अरे जल्दी हो जा भाई कल सुबह पनवेल निकलना है अब तो सुबह भी होने वाली है जल्दी हो चलिए हाँ, भाई तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्ट एनालिसिस शुरू करते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ सभी लोग हाँ, तो, चलो भाई कंसनट्रेटेड फॉर एडिशन ऑफ ड्राई के एन ओ थ्री गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ तो बेटा एनायंस को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था एक वो वो वाले एनायंस जो एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं एक था अपना सब ग्रुप वन यानी कि क्लास ए वाले एना है सब ग्रुप वन और सब ग्रुप टू सब ग्रुप वन वाले अपने को डाइल्यूट एसिड के साथ और सब ग्रुप टू वाले अपने को कॉन्सनट्रेटेड एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं सब ग्रुप वन वाले कौन से थे कार्बोनेट बाई कार्बोनेट सल्फाइड और बाइसल्फाइट सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट और क्या आ जाएगा एसिटेट और नाइट्राइट ऐसे इधर क्या आ जाएगा बेटा फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बोरेट ऑक्सलेट और नाइट्रेट ठीक है ये सारे डाइल्यूट एसिड के साथ और ये सारे कॉन्सनट्रेटेड एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट हमें देते हैं ठीक है तो अपने को बोल रहा है कि नाइट्राइट में कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर डालने पर क्या मिलेगा तो नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों क्या देते हैं नाइट्राइट तो डाइल्यूट एसिड के साथ और नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ अपने को एनो टू गैस देता है और एनोटू का कलर कैसा होता है ब्राउन ठीक है एनो टू का कलर होता है ब्राउन देखो वापस वॉचिंग हो तो गई हजार से ज्यादा अभी वापस आ जाएंगे सारे जितने भी गए थे है ना थोड़ा सा लंबा निकल गए होंगे कई लोग बस आ जाएंगे वापस अभी थोड़ी देर में क्या दिक्कत है कलरलेस गैस विच अ सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एच टूसो फोर याद रखो डाइल्यूट एच फोर बोल रहा है लिबरेट्स अ कलरलेस गैस विच प्रोड्यूस

लगा दो पोल में आंसर जल्दी से लगाओ जल्दी से आंसर सीओ टू और एसओ टू को अलग अलग करने का इनको पहचानने का यही तरीका था कि इनको -C -R -O के टू सीआर टू ओ सेवन के सोल्यूशन से पास करवा दो के टू सीआर टू ओ सेवन का ऑरेंज सोल्यूशन अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स वो गैस होगी कौन सी SO2 टू और अगर कलर सेम रहा नो no चेंज आया तो फिर इसका मतलब नो no चेंज अगर आया दैट मींस तो बेटा कौन देगा SO2 टू इनमें से सी देगा ये तो एच टू एस देता है आंसर जाएगा वाह क्या बात है वाह 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 फोट डाला तुम लोगों ने फोट डाला एकदम बढ़िया नेक्स्ट द कलर डेवलप्ड वैन सोडियम सल्फाइड इज एडिड टू सोडियम नाइट्रोकोसाइड ये मैंने आपको पहले भी जब करवाया था तब बोला था ये इंपॉर्टेंट है है ना तो बेटा Na2S की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं एन ए टू यानी कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से सोडियम नाइट ोसाइड से सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से तो ये क्या बन जाएगा बेटा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एन ए फोर एफ अरे एफी सी एन फाइव ये एनओ जो है उसको ऑब्जॉर्ब करके और एनओ एस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम थाइो नाइट्रोप्रोसाइड ठीक है ये यहां पर एफी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होता है यहां पर भी एफी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होता है ठीक है इसका आईपीएससी नेम आपने लिख लिया है इसका आईपीएससी नेम आप लिख लेना क्या हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनाइडो थायोनाइट्रो थाइट्रो एस सॉरी एनओ एस है ना तो थायोनाइट्रो एन लिखना है इसको थायोनाइट्रो एन फिर आ जाएगा फेरेट टू ठीक है ये इसका नाम आ जाएगा और इसका कलर कैसा होता है बेटा कलर तो इसका वॉयलेट होता है आंसर आ जाएगा ए वेरी गुड बेटा वेरी गुड नेक्स्ट एक्स टू एस एंड एसओ टू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बेटा इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे लिटमस पेपर पे तो आप दोनों दोनों ही डाल दो एसिडिक बिहेवियर शो कर देंगे नहीं नेगेटिव से भी दोनों रिएक्ट कर जाएंगी जाएंगे दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा और डीकलराइज हो जाएगा लेकिन ये जब रिएक्ट करेगा लेड एसिडेट तो बेटा सल्फाइड से जब यह रिएक्ट करता है लेड एसिटेट सल्फाइड से जब रिएक्ट करता है तो पीवी प्लस टू रिएक्ट करके पीबीएस का ब्लैक पीपीटी दे देता है जबकि एसओटू रिएक्ट नहीं करती लेड एसिटेट से ठीक है तो अपन लेड एसिटेट की हेल्प से इनको सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट वेन हीटेड इवॉल्व कलर्ड गैस कलर्ड गैस दे रहा भैया ठीक है मॉइस्ट लिटमस पेपर द इवॉल्व गैस इज तो देख लेते हैं कौन सी गैस है कलर्ड गैस है ठीक है ब्लीच कर रही है तो ब्लीचिंग एक्शन तो एसओ टू का ही होता है पर ये कलर्ड गैस थोड़ी है हीटेड कलर्ड गैस विच लिटमस पेपर मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लीच कर देगी गैस विल बी ये तो बेटा एसो टू ही होना चाहिए ये तो एसओ टू ही होना चाहिए और अगर अपन एनओ टू की बात करें तो एन टू भी लिटमस पेपर को आ, कर तो सकती है पर ब्लीचिंग तो नहीं करेगी बेटा यहाँ पर एक काम करो आप इसको करेक्शन कर लो हल्का सा यहाँ पे कलर्ड की जगह आप कलरलेस कर लो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक बन जाएगा ठीक है आप इसको यहाँ पर कलरलेस गैस कर लो डिवॉल्व कलरलेस गैस ठीक है अब बेटा कलरलेस गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो कलरलेस गैस है यहां पर एसओ टू और एसो टू एक ब्लीचिंग एजेंट भी होता है एसो टू मॉइस्ट एसो टू जो होती है ये ब्लीच करने का काम करती है क्या करती है ये ब्लीच करने का काम करती है एक टेम्प्रेरी ब्लीचिंग एजेंट होता है एसो टू जो है एक टेम्प्रेरी ब्लीचिंग एजेंट है आंसर हो जाएगा इसका एसओ टू ठीक है नेक्स्ट डायल्यूट एस्टोसोफो डालने पर वाय एक कलरलेस गैस मिल रही है आ, विद सफोकेटिंग स्मेल तो बेटा सफोकेटिंग स्मेल किसकी होती है सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर एसो की होती है और फिर बोला जा रहा है आ, के टू सी आर टू ओ सेवन के सोल्यूशन से पास कराने पर ग्रीन सोल्यूशन मिलेगा एक्स और वाई पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई क्या है तो सल्फाइड और एसो टू हो जाएगा क्योंकि सल्फाइड ही देता है एसो टू ये हो जाएगा सल्फाइड ये दे देगा आपको यहां पर एसो टू गैस और जब एसो टू गैस को आप के टू सीआर टू ओ सेवन से पास करा दोगे तो इसका ऑरेंज सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम प्लस थ्री आयन आंसर आ जाएगा हमारा ए नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन डायल्यूट सल्फ्य एसिड इम्पार्ट डीप ब्लू कलर विद स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च आयोडीन बेटा स्टार्च सोल्यूशन को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है आई टू ठीक है इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बता दो फटाफट से क्या आंसर आ जाएगा जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा स्टार्च और ब्लू जहां भी नजर आ जाए समझ जाना कि आपका आंसर ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है स्टार्च और ब्लू कलर जब भी नजर आ जाए समझ जाना कि ये आयोडाइड का टेस्ट है यहां पर आयोडीन बनेगा और आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन को कौन सा कलर देता है बेटा एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है यानी कि आपको मिलेगा एक ब्लू कॉम्प्लेक्स यानी कि आंसर जाएगा हमारा ए। आंसर जाएगा हमारा ए. नेक्स्ट सोडियम हेलाइड गिवस फ्यूम्स विद कोई एक हेलाइड है जो वॉयलेट फ्यूम्स दे रहा है तो बेटा वॉयलेट फ्यूम्स तो इनमें से एक ही दे सकता है कौन दे सकता है वॉयलेट फ्यूम्स कौन दे सकता है कंसंट्रेटेड ये सारे के सारे कंसनट्रेटेड के साथ ही फ्यूम्स देंगे और वॉयलेट तो ये देगा ठीक है नेक्स्ट क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट विद एन तो बेटा क्रोमिल क्लोराइड यानी कि सीआरओ टू सी एल टू जब एन से रिएक्ट करता है बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है इसके चांसेस है एग्जाम में आने के ठीक है सीआरओ टू सी एल टू एन से रिएक्ट करके क्या देगा ये आपको देता है एनए टू सी आर ओ फोर जिसका येल्लो सोल्यूशन होता है क्या देता है येल्लो कलर का एन ए टू सी आर ओ फोर आंसर क्या आ जाएगा बी आंसर क्या आ जाएगा बी अगर तो आप पोल देते हो तो एक कहा आता है बेटा ये जो आपकी यूट्यूब यूट्यूब की जो चैट है ना यहीं से आपका आंसर पिक हो जाता है आप यहीं आंसर लिखो आपका आंसर पिक हो जाएगा ठीक है है ना नेक्स्ट मेटल सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट फॉर्म सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट एंड इन सोल्यूबल मेटल कार्बोनेट सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट गिव वाइट पीपीटी विद एजी एनो थ्री द प्रसिपिटेट इज सॉल्यूबल इन एक्सिस ऑफ एन एच फोर ओ एच एक्सिस मेटल सॉल्ट इज मेटल सॉल्ट दे रखा बेटा ट्रीटमेंट विद एन ए टू सीओ थ्री के साथ फॉर्म अ सोल्यूबल तो क्लोराइड सॉल्ट हो सकता है अब बेटा देखो सिल्वर के साथ अगर आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अब क्लोराइड ब्रोमाइड सल्फेट और आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमाइड और और सल्फेट आयोडाइड तो बेटा यहां पर आपको ब्रोमाइड येलो मिलेगा ये भी येलो मिलेगा तो इनको तो हटा दो ये और ये दोनों व्हाइट हो सकते हैं और वो बोल रहा है एक्सिस ऑफ एन फोर ओ एच में सोल्यूबल हो तो वो तो बेटा वो तो बेटा एजीसीएल होता है ये आपको मैंने पढ़ाया था एजीसीएल जब आप एन की रिएक्शन ए से करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा ए का वाइट पीपीटी मिलेगा और ये ए का वाइट पीपीटी किस किस में सोल्यूबल होता है बेटा अमोनिया सोल्यूशन में अमोनिया सोल्यूशन में साइनाइड सोल्यूशन में और और किस में सोल्यूबल होगा थायोसल्फेट के एक सोल्यूशन में इन तीनों में सोल्यूबल होगा ए ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा क्लोराइड सॉल्ट क्या आंसर आ जाएगा क्लोराइड सॉल्ट अभेद्य वाले अरे अभेद्य वाले भी हैं क्या यहां यहाँ पेक्स्टर ऑफ एनएसीएल एंड के टू सीआर टू सेवन ऑन हीटिंग विद एच टूसो फोर प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन वेपर कंसिस्टिंग ऑफ तो बेटा देखो एनएसएल तो क्लोराइड देगा और क्लोराइड जो होता है ये के टू सीआर टू ओ सेवन और एच टू एसओ फोर के साथ आपको मालूम है ये तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया क्या हो गया बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट और क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि सीआर टू बनता है लेकिन ब्रोमाइड आयन ये टेस्ट नहीं देता है अगर आप ब्रोमाइड आयन यहां पर लिखोगे और से आपको सीआरओ टू बी आर टू नहीं मिलेगा यहां पर बी आर टू की रेडिश ब्राउन पेपर मिलेगी इसीलिए क्लोमिल क्लोराइड टेस्ट में ब्रोमाइड आयन एबसेंट होना चाहिए वरना क्लोराइड नहीं होते हुए भी रेडिश ब्राउन पेपर मिल जाती है किसकी बी आर टू की तो आपको सीआरओ टू सी एल टू मिलेगा और बी आर टू मिलेगा आंसर क्या आ जाएगा ए ठीक है नेक्स्ट एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स अ येलो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट एन इनऑर्गेनिक सोल्ट सोल्यूशन गिव्स अ येलो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट तो वो तो ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड होगा देख लेंगे द पीपीटी डिजोल्व इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एज वेल एज इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो गई तो इसका मतलब वो ब्रोमाइड ही होगा ठीक है द सोल्यूशन कंटेंस द सोल्यूशन कंटेंस इनऑर्गेनिक सोल्ट सोल्यूशन गिव्स अल्लो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट अब देखो क्रोमेड भी हो सकता था क्रोमेट भी हो सकता था ठीक है बट क्रोमेट जो है सिल्वर का जो क्रोमेट है वो येल्लो नहीं होता है वो कौन सा होता है वो रेड कलर का होता है कौन सा का होता बेटा? रेड का। तो अगर हो रही है बेटा, तो तो जो होता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये इनसोल्यूबल होता है कैसा होता है इन और एजी जो होता है ये होता है पार्शियली सोल्यूबल है ना तो पीपीटी थोड़ी बहुत डिजोल्व हो रही है इसका मतलब ब्रोमाइड आयन ही प्रेजेंट होगा कौन सा आयन प्रेजेंट होगा ब्रोमाइड और अगर क्लोराइड होता तब तो वो इजीली सोल्यूबल हो जाता अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ठीक है नेक्स्ट NaCl NaBr NaI मिक्सचर ऑन एडिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 तो गिव्स गैसेस रेस्पेक्टिवली तो बेटा क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड कंसंट्रेटेड H2SO4 तो के साथ कौन-कौन सी गैस देंगे ये तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था ये तो बेटा ये आयोडाइड तो क्या देगा I2 ब्रोमाइड क्या देगा बी आर टू क्लोराइड क्या देगा सीएल टू नहीं सीएल टू नहीं नालायकों एच सी एल गैस के वाइट फ्यूम्स देता है ये इसकी रेड फ्यूम्स देता है और इसकी वॉयलेट कलर की फ्यूम्स देता है है ना अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो क्लोराइड देगा एच सी एल ब्रोमाइड देगा बी आर टू और आई टू ठीक है आसान है आगे बढ़े नेक्स्ट इन द टेस्ट ऑफ आयोडीन आई टू इज ट्रीटेड विद सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करवा दो ये तो आपके बेटा डी ब्लॉक की एनसीआर की रिएक्शन है डी ब्लॉक की एन की रिएक्शन है है ना मतलब उसी में मिलती जुलती रिएक्शन है एक वहाँ पर अपने को क्या दे रखा था टेट्रा थायोनेट आयन दे रखा था और यहाँ पर ये दे रखा है आपको ठीक है तो बेटा जब आप आई टू की रिएक्शन इससे करवाते हो तो टेट्रा थायोनेट आयन बनता है मतलब यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है एन और एन में टेट्रा थायोनेट आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है, है ना मतलब डी ब्लॉक में एज इट इज तो नहीं दे रखी है एन में पर हाँ उससे मिलती जुलती रिएक्शन दे रखी है आपको ये ठीक है तो यहाँ पर आपको मिलेगा Na2S4O6 नेक्स्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ साल्ट सॉल्यूशन आर सेकंड विद क्लोरोफॉर्म ठीक है क्लोरीन वाटर क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम्स वायलेट बेटा याद है लेयर टेस्ट पढ़ाया था लेयर टेस्ट लेयर टेस्ट पढ़ाया था तो अगर लेयर टेस्ट याद है तो फटाफट से आंसर लगाओ लेयर टेस्ट अगर याद है तो फटाफट से आंसर लगाएंगे लेयर टेस्ट में क्या पढ़ा था अरे एच एस आर्मी जिंदा हो गए क्या जिंदा हो अभी भी एच एस याद आ गई क्या हमारी क्या आंसर आ जाएगा चलो जल्दी से आंसर लगाएंगे प्यू ड्रॉप्स ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन आर शेकन विद क्लोरोफॉर्म याद है ना क्या करते थे क्लोरीन वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे क्या करते थे ड्रॉप ड्रॉप बाय डालते थे एकदम से डालते तो क्या हो जाता था ऑक्सीडाइज हो जाता था है ना अपने को ऑक्सो एनाइन मिल जाता था ठीक है तो बेटा वायलेट लेयर मिल रही है इसका मतलब वॉयलेट लेयर वॉयलेट कलर तो एक ही चीज से रिलेटेड है वॉयलेट लेयर जहां पर दिख जाए समझ जाना के आई टू की बात हो रही है तो बेटा अगर वायलेट कलर आ रहा है तब तो आई माइनस प्रेजेंट होगा और अगर ब्राउन कलर की लेयर आती है ब्राउन तो अपन समझ जाते PR2. ठीक है नेक्स्ट सल्फाइड एंड सल्फेट बोथ गिव वाइट पीपीटी विद बी टू सोल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है बट सल्फाइड डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फेट विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर बिकॉज एसओ फोर इज सोल्युबल एंड बी एसओ थ्री इज इनसोल्यूबल बी एसओ फोर सोल्युबल थोड़ी होता है बी एसओ फोर तो इनसॉलिबल होता है ना बी एसओ फोर इज इनसॉलिबल इन एच सी एल हाँ ये ये वाला ऑप्शन बी एसओ फोर इज इनसोल्यूबल एंड बी एस ओ थ्री इज सॉल्यूबल इन एच सी एल आंसर आ जाएगा बी बी एसओ फोर याद है ना बैरियम सल्फेट इट इज इनसॉल्युबल इन एच सी एल एज वेल एज एच एन ओ थ्री इन दोनों में कैसा होता है इनसोल्यूबल जबकि बी एसओ थ्री सोल्यूबल का है ठीक है नेक्स्ट कार्बोनेट्स ऑफ बैरियम स्ट्रॉन्टियम एंड कार्बो कैल्शियम बेटा इन तीनों के ही कार्बोनेट्स वाइट जनरली सभी जो कार्बोनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं व्हाइट होते हैं आप सी ए सी ओ थ्री ले लो आप एस आर थ्री ले लो आप बी ए सी ओ थ्री ले लो इनके कार्बोनेट्स कैसे होंगे वाइट होंगे दो यार तुम लोग यार अभी रात में लड़ाइयाँ करवाओगे इधर देखो क्वेश्चन करो विच केटाइन इज डिटेक्टेड बाय फ्लेम टेस्ट फ्लेम टेस्ट से कौन सा केटाइन डिटेक्ट किया जाएगा जल्दी से आंसर बताएंगे जल्दी से आंसर बताएंगे बताओ भैया जल्दी से आठ घंटे हो गए हमको आठ घंटे लगातार पढ़ते पढ़ते बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा बहुत अच्छे तुम्हारा ये डेडिकेशन जरूर तुम्हें पे करेगा तुम्हें जरूर इसका फल मिलेगा बहुत बढ़िया ओ सॉरी ये लो बहुत अच्छे बच्चों बहुत बढ़िया सर कितने क्वेश्चन इनफ है नीट के लिए जितने क्वेश्चन करके तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए उतने क्वेश्चन ही इनफ है नीट के लिए हां देखो एक क्या कह रहा है कि सर एक बार सारा रिपीट कर दो विच कैटाइन इज डिटेक्ट बाय फ्लेम टेस्ट तो फ्लेम टेस्ट ये देता नहीं है ये दे देता है इसके लिए करते नहीं है इसके लिए करते नहीं है आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा बी ये लास्ट चैप्टर है देखते हैं इसमें कौन अपने को परफॉर्म करके दिखाता है इसमें जो टॉप आएगा देखते कौन टॉप आता है है ना वैसे तो बेनीवाल भाई साहब ने पिछले चार पांच चैप्टर से माहौल जमा रखा है अब जाके शिवम शिवम था ना शिवम आ आया था है ना? द कंपाउंड फॉर्म इन बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ कॉपर प्लस टू बेटा बोरेक्स बीट टेस्ट आ गया बोरेक्स बीट टेस्ट में याद है ना क्या होता है बोरेक्स बीट टेस्ट में ये होता है अपना बोरेक्स बीट टेस्ट एन ए बी ओ टू प्लस बी टू ओ थ्री अब जो भी मेटल सॉल्ट होता है अपना जैसे कि कॉपर सल्फेट है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना सी ई डॉट एस ओ थ्री जब हीट करेंगे तो एस ओ थ्री रिलीज हो जाएगा यहाँ से सी यू ओ बचेगा ये बी टू ओ थ्री इस सी यू ओ के साथ कंबाइन होगा और क्या बना लेगा सी यू ओ डॉट बी टू ओ थ्री तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सी यू बी टू फोर या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या सी यू बीओ टू का होल्टवाइस यानी कि कॉपर का मेटाबोरेट बनेगा क्या बनेगा बेटा कॉपर का मेटाबोरेट सी यू बीओ टू होल्टवाइस क्या बन जाएगा सी यू बीओ टू होल्टवाइ ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट विच मेटल गिव्स ब्लू एश व्हेन सॉल्ट इज हीटेड एन ए सॉलिड एंड नाइट्रेट बेटा कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट सर आपकी क्लास कब तक चलेगी बस खत्म होने वाली है सॉल्ट खत्म होने वाला है आधे से ज्यादा तो हो गया आप ये मान लो कि मुश्किल से अब आधा घंटा भी नहीं और चलेगी बस है ना लो पोल लगा देते हैं बताओ बेटा कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट हमने किया था तो उसमें अपने को ब्लू कलर किसने दिया था याद करो कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट में यहां से कोबाल्ट नाइट्रेट अभी मैंने बताया था मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है मेटल ऑक्साइड बन जाता है एनओ टू बन जाता है और ओ टू बन जाता है तो ये तो दोनों गैसेज रिलीज हो गई बचा कोबाल्ट का ऑक्साइड ठीक है अब ये मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर के अपने को रेजिड्यू देता है तो उसमें मैंने आपको बताया था याद है थिनार्ड ब्लू थिनार्ड ब्लू ब्लू किसके लिए बना था सी डॉट जेड एनओ इसी को तो बोला था अपन ने थिनार्ड ब्लू ठीक है रिन्मांस ग्रीन थिनार्ड ब्लू ये तो रिन्मांस ग्रीन था ये तो रिन्मांस ग्रीन था है तो ना आ, मैंने इसको थिनार्ड ब्लू क्यों लिख दिया यार ये तो रेनमांस ग्रीन था है ना और थिनार्ड बेटा सीओ ओ डॉट एल टू थ्री ये था थिनार्ड ब्लू और एम जी वाला था जो सीओ डॉट एम जी ओ था ये था अपना पिंक रेजिड्यू है ना कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट में तो ब्लू कलर का कंपाउंड किसने दिया था बेटा एल्यूमिनियम ने किसने दिया था एल्यूमिनियम ने आंसर जाएगा सी क्या आंसर जाएगा सी बढ़िया 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 वेरी गुड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट गिव कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कोबाल्ट नाइट्रेट अपन ने किसके लिए किया था बेटा जिंक के लिए एल्यूमिनियम के लिए और एम के लिए और एफ -E के लिए नहीं किया था एफ -E उसमें प्रेजेंट नहीं था आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा डी क्स्ट माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट इज गिवन बाइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट में याद है इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मुला बता सकूं माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट का माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मुला लिख के बताएंगे फटाफट से सभी लोग मुझे कमेंट में फॉर्मुला चाहिए जल्दी से लिख के दो माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट का फॉमुला टेस्ट जब अपन परफॉर्म करते हैं तो इसके जो कलर्स होते हैं माइक्रोकॉस्मिक कलर्स आर तो जो बोरेक्स बीड टेस्ट है ना अपना उसमें जो कलर आते हैं वैसे ही सेम टू सेम माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट के साथ आते हैं जिसको फॉर्मेड बीड टेस्ट भी अपन बोलते हैं इसको अपन फॉर्टेड बीट टेस्ट भी बोलते हैं और बोरेक्स बीट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो परफॉर्म किया जाता है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ठीक है तो ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये सभी बोरेक्स बीट टेस्ट देते हैं तो ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट भी देंगे वेरी गुड एन एन एच फोर एच पी ओ फोर डॉट फोर एच टू ओ बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया भूल गए अरे भूलना नहीं है भूल गए तो देखो लिखो देखकर ऐसे ही तो याद होगा नालायकों ऐसे ही तो याद होगा एनए एन एच फोर एच पी ओ फोर डॉट फोर एच टू ओ एन एन एच फोर एच पी ओ फोर आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट द मेटल दैट डज नॉट गिव बोरेक्स बीड टेस्ट चलो फटाफट भड़ से आंसर लगाएंगे कौन सा बोरेक्स बीड टेस्ट नहीं देता है इनमें से कौन टेस्ट नहीं देता है में क्या क्या मेन मेन है बेटा जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना यही मेन मेन है अपन ने सोल्ट इतना प्रिसाइसली पढ़ा है कि इसकी हर एक लाइन हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है ठीक है इसकी हर एक लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो आप ये मान के चलो सॉल्ट में अपन ने जितना भी पढ़ाया आपको सब कुछ याद होना चाहिए मैंने उतना ही पढ़ाया सिर्फ सोल्ट में ठीक है <laughs> बोरेक्स भी टेस्ट कौन नहीं देगा तो ये तो आंसर आसान है यार ये तो कर लोगे तुम लोग बढ़िया बढ़िया वेरी गुड लेड नहीं देता ट्रांजिशन एलिमेंट देते हैं लेड नहीं देगा एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज स्ट्रॉगली हीटेड इन द रेजिड्यू हीटेड द रेजिड इज येलो वेन हॉट एंड वाइट वेन कोल्ड अरे याद है क्या एक ऐसा सॉल्ट जिसको अपन हीट करते हैं तो वो येल्लो हो जाता है और ठंडा होने पर वाइट हो जाता है ये लिखवाया था मैंने आपको जेडेनो बेटा इसको आप हीट करोगे तो ये येल्लो हो जाएगा अगर इसको ठंडा कर दोगे तो ये वाइट हो जाएगा हीट करोगे येल्लो क्रिस्टल डिफेक्ट का नाम सुना है तुमने क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से भी कलर आते हैं सॉलिड स्टेट अगर तुम पढ़ते तो तुम्हें यह बताया जाता पर सॉलिड शायद से हटा दिया गया है, है ना सिलेबस से सॉलिड स्टेट हट गया है तो ठीक है पर हां जिंक जेडनो जो है ये अपने को येल्लो मिलता है ऑन हीटिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बोरेक्स बी टेस्ट द कलर्ड आयन गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर्ड बीड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल बोरेट्स मेटल मेटाबोरेट्स मेटल फॉस्फेट एंड मेटल टेट्राबोरेट चलिए जल्दी से आंसर लगाएंगे जल्दी से आंसर लगाएंगे सही सही जवाब दे रहे हो सभी लोग ये देखो बलजीत ये ये छेड़ने की कोशिश कर रहा है वापस से वही मैसेज कर रहा है एनी बी टी एस आर्मी हियर अबे सुधर जाओ नलायक बताओ आंसर बताओ थॉर्ट hmm. एनालिसिस को स्किप कर सकते हैं क्या नहीं बेटा स्किप मत करना नहीं करना स्किप क्वेश्चन आएंगे इससे मच्छर भी नहीं सो रहे हैं मच्छर ही मतलब बताओ और कुछ नहीं तो मच्छर ही परेशान कर रहे हैं क्रेजी गेमिंग बेटा अभी तुम्हारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर की गर्लफ्रेंड है या नहीं है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है पढ़ाई पढ़ लो नालायकों तुम्हें तो मैं कहा डंडा कहाँ है मेरा यार तुम्हें तो मैं इतनी ए, डंडा छुपा देते हैं ये लोग बच जाते हो तुम लोग वरना मैं गुद्दी गुद्दी पे डंडे डंडे लगाऊँ तुम्हारे इसका पी ऐप पर मिल जाएगा बेटा आपको है ना यहाँ पर <coughs> यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा ना जो ऐप का वहाँ से ऐप पे जाना तो वो आपको ले जाएगा इस वाले सीरीज़ में जो सीरीज़ ये चल रही है ना महामैराथन वाली इस वाली सीरीज़ में ले जाएगा हो सकता है आपको अभी इमीडिएट ना मिले कल तक मिल जाएगा है ना कल ट्राई कर लेना कल शाम तक वो मिल जाएगा हो जाएगा आपको पी इसकी मिल जाएगी आराम से वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और आपको ऐप पे भी मिल जाएगा टेंशन नहीं लेने का यार तुम्हारी पढ़ाई के लिए लगे हुए हैं पी तो तुम्हारे लिए मतलब चौबीस तो घंटे लगा हुआ है अरे आंसर लगाया कि नहीं लगाया तुमने यार मैं तो भूल ही गया देखकर हाँ बढ़िया बढ़िया अरे यार ये क्स्ट के एक्सटूएसूशन तो एक -फट से वो ग्रुप जो है ना, उसको देख लो अपने नोट में से रिवाइज कर लो फर्स्ट ग्रुप में कौन है सेकेंड ग्रुप में कौन है थर्ड में कौन है फोर्थ में फिफ्थ में ऐसे है ना फर्स्ट में कौन कौन था प्रभात होगा आगे प्रभात होगा आगे दूसरे में प्रभात ही कुटा होगा सी पर भाई से और उसके दो पार्ट थे सेकंड ए और सेकंड बी और सेकंड बी में ये तो सेकंड ए वाले थे सेकंड बी में कौन कौन थे ऐसे सब सुने ए एस प्लस थ्री ए एस प्लस फाइव एस बी प्लस थ्री एस बी प्लस फाइव और एस एन प्लस टू एस एन प्लस फोर ये सभी येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल होते हैं ठीक है फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप आ गया था ऑल करोड़पति फकीर है ना फिर उसके बाद ग्रुप फोर आ गया था बेचे निको मंजन ऑल करोड़पति फकीर मतलब एल्यूमिनियम क्रोमियम और आयरन प्लस थ्री फिर उसके बाद बेचे मंजन मतलब निकिल प्लस टू कोबाल्ट प्लस टू एम एन मन जन एम एन प्लस टू और जिंक प्लस टू ठीक है फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट अपना कौन सा भारत सरकार बैरियम टॉन्डियम कैल्शियम ना मांगो कर एन एम जी और एक था जीरो ग्रुप जिसमें था पोटेशियम पोटेशियम uh, बोल रहा मैं अमोनियम आयन ठीक है जीरो ग्रुप में था अमोनियम आयन ठीक है अमोनियम क्यों अमोनियम क्या बहुत है बहुत ज्यादा सोल्यूबल है जनरली वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता है और कई सारे ग्रुप रिएजेंट में अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है इसलिए उसको अलग ही ग्रुप में रखा गया है और उसका कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एच टू एस गैस ऑन पासिंग थ्रू अल्कलाइन सोल्यूशन फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट द सोल्यूशन कंटेन आयन ऑफ अपने को वाइट प्रेसिपिटेट चाहिए ना तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है बेटा वाइट प्रेसिपिटेट किसका हो जाएगा इसका तो पीबीएस बनेगा ब्लैक हो जाएगा इसका जेड होगा ये वाइट हो जाएगा सी यू या सी यू एस ले लो आ, ये ब्लैक हो जाएगा और एन आई एस ये भी ब्लैक होता है ब्राउन होता है मतलब ब्राउनिश ब्लैक होता है तो जेड एन एस आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट द रिएजेंट दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिल्वर एंड लेड सॉल्ट सिल्वर और लेड सोल्ट सिल्वर बोले तो एजी प्लस और पीबी प्लस टू दोनों सेम ग्रुप के हैं ठीक है क्लोराइड uh, की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे जब अपन एच सी एल डालेंगे बेटा इसमें फर्स्ट ग्रुप के हैं तो ये एजीसीएल की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा और ये PBCL2 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा अब अपने को डिस्टिंग्विश करना है इनको अलग अलग करना है कैसे करेंगे एच टू एस गैस पास करवा देंगे इन एन एच फोर ओ एच एच टू एस गैस पास करवा देंगे तो एच टू एस पास करवा दिया बेटा अगर तो ये पी बी एस तो बना लेगा पर दिक्कत यह है इन प्रेजेंस ऑफ एन एच फोर ओ एच एन एच फोर ओ एच की प्रेजेंस में पास करवा दिया अगर तो फिर तो वो भी सोल्यूबल हो जाएगा और ठीक है डायल्यूट एच सी एल सोलूशन एडिट आफ्टर दिस डिजॉल्व इन हॉट वाटर ये लो हॉट वाटर डाल दिया ना बेटा अब हॉट वाटर डालने पर पी बी सी टू क्या हो जाएगा इन सोल्यूबल हो जाएगा हॉट वाटर डालते ही क्या हो जाएगा सोल्यूबल क्योंकि स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है ना तो ये सोल्यूबल हो जाएगा इन हॉट वॉटर इट विल बी सोल्यूबल इन हॉट वाटर तो डायल्यूट एच सी एल डाल देंगे और उसके बाद हॉट वॉटर डाल देंगे तो यह डिजॉल्व हो जाएगा ए जी सी एल अलग हो जाएगा पीबीसीएल हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट द ग्रुप टू प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन येल्लो अमोनियम सल्फाइड अभी अभी बताया था मैंने आपको ग्रुप टू में कौन से थे ऐसे सब सुने ए एस प्लस थ्री ए एस प्लस फाइव एस बी प्लस थ्री एस बी प्लस फाइव एस एन प्लस टू एस एन प्लस फोर है ना ऐसे सब सुने ये वॉल्यूबल होते हैं येल्लो अमोनियम सल्फाइड में ठीक है पर ये अपने सिलेबस में नहीं है ये वाले अपने सिलेबस में नहीं है है ना सेकंड बी वाले अपने सिलेबस में नहीं है अ ब्लैक सल्फाइड इज फॉर्मड व्हेन एक्शन ऑफ H2S ब्लैक सल्फाइड किसका बनेगा बेटा CDS का तो येलो बनेगा और ZnS अपना क्या हो जाएगा वाइट हो जाएगा और अपना Na2S कैसा हो जाएगा ये तो सॉल्युबल होता है इसको छोड़ो सी ब्लैक होता है ये तो अपन ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया था किसका हो जाएगा ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका हो जाएगा सी का आंसर क्या आ जाएगा ए नेक्स्ट लेड हैज बीन प्लेस्ड इन क्वालिटेटिव ग्रुप एनालिसिस फर्स्ट एंड टू ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में प्रेजेंट है क्यों प्रेजेंट है आपको मालूम है तो अब आप इसका आंसर बताएंगे पोल में चलिए बेटा तो इट शोज द वैलेंसी वन एंड टू ना वैलेंसी की तो बात ही नहीं होती सॉल्ट एनालिसिस में वैलेंसी जैसी छोटी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे क्या अपन हाँ इट फॉर्म्स इन सॉलिबल पी बी सी एल टू इट फॉर्म लेड सल्फाइड पी बी सी एल टू इज पार्सली सोलिबल इन एच टू ओ ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता है चलो आंसर लगा दो फटाफट पड़ से अभी तुम लोगों ने पता नहीं किया उल्टा सीधा आंसर लगाया होगा है देखो ये ये तुम्हारे पिछले आंसर जो अभी चल रहे हैं ना उसकी वजह से ही है अभी जो तुम्हारा डी आंसर आ रहा है ना ये तुम्हारे अगले क्वेश्चन के पोल में आंसर जाएगा तो पहले तुम लोग जी भर के डी लिख लो फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ बेटा एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जितने भी अपने एम्फोटेरिक मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सोल्यूबल होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ क्रोमियम uh, हुआ लेड हुआ टिन हुआ इनके हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सेस ऑफ एन में डिजॉल्व होते हैं हो जाते हैं ठीक है तो अब ये पूछ रहा है एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ इसमें देखो ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी भी है है इन दोनों के ही हाइड्रोक्साइड इसमें सोल्यूबल हो जाएंगे तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे ऐसे क्रोमियम प्लस थ्री और एफी प्लस थ्री की बात करें तो ये एम्फोटेरिक नहीं है पर ये तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड देता है तो आंसर अपना यही जाएगा क्यों क्योंकि ये जो सीआरओ एच होल्थराइज है ये तो सोल्यूबल हो जाएगा एन में ये तो एन में सोल्यूबल हो जाएगा ठीक है लेकिन ये एफ ई एच जो है ये सोल्यूबल नहीं होता बेटा excess ऑफ एन में ठीक है ये सोल्यूबल नहीं होगा आंसर जाएगा आपका बी देखो ये भी एम्फोटेरिक है और ये भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो ये भी सोल्यूबल नहीं होंगे हाँ बेटा कशिश रिकॉर्डेड देख लेना ठीक है अभी सो जाओ आराम करो अभी सिर्फ वही लोग जगे हुए हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से रेड इज ब्राउन चॉकलेट पीपीटी अरे ये चॉकलेट पीपीटी वाला क्वेश्चन तो अपन ने अभी भी थोड़ी देर पहले किया था कहां पर किया था कोऑर्डिनेशन में किया था ना भाई कॉपर प्लस टू की रिएक्शन जब अपन एफ सिक्स टू नेगेटिव से करवाएंगे तो सी यू टू, बनेगा और इसका ही तो कलर कैसा होता था चॉकलेट अरे यहीं पर तो मैंने तुमको बताया था कि गुलाबी कुछ नहीं होता है ये सिर्फ धोखा होता है कलर तो असल में कुछ और होता है ठीक है तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है चॉकलेट ब्राउन ठीक है चॉकलेटी पीपीटी इसका होता है ठीक है चले आगे बढ़े नेक्स्ट अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ निकल the थर्ड ग्रुप सोल्यूशन शुड बी चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे थर्ड ग्रुप uh, जो सोल्यूशन है अपना ये किससे ट्रीट किया जाए टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एन आई Zn जेड एन एंड एम एन बेटा थर्ड ग्रुप रिएजेंट जो है वो क्या है देखो सेकंड ग्रुप रिएजेंट तो एक्स टू एच इन एसिडिक मीडियम जो थर्ड ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl तो बेटा अगर OH- आयन की कंसंट्रेशन रहेगी तो इनके हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं उसमें NH4Cl डाल देते हैं अपन अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगा देते हैं अपन क्या लगा देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगा देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लगा देने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है मतलब यहां से जब OH माइनस आयन टूट के निकलेंगे फिर अपन ने क्या कर दिया अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी वो रिएक्शन वापस चली गई और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई उससे फिर इनके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते एच टू ओ एन एच थ्री एच एफ के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा एच एफ का सबसे ज्यादा एंड देन एच टू ओ का एंड देन एन एच थ्री का एन एच फोर ओ एच कॉमन आइन इफेक्ट हाँ एन एच फोर ओ एच कॉमन आइन इफेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ट्रीटेड विद एन एच फोर सी एल है ना नेक्स्ट रियजेंड uh, the reagent NH4Cl and aqueous एंड precipitate वही हो गया NH4Cl NH4Cl plus सी एल एनएच फोर सी एल प्लस एन एच फोर ओ एच एन एच फोर सी एल प्लस एनएच फोर ओ एच सर मेरा नाम ले लो एक बार मेहनत वसूल हो जाएगी कशिश कौशिक ये लो आपका नाम ले लिया है ना देखो अभी जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं सभी सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो बेटा तुम लोग आ... अब तुम्हारे मैसेज इतने सारे आने लग गए कि मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूं पोल चाहिए क्या पोल ले लो ये लो पोल पोल लो ये तो पुराना कोई सा पोल था जो अपन लगाना ही भूल गए आंसर इसका था ये इसका था क्या हाँ इसी का था बी लगा देते अब नए वाले क्वेश्चन के लिए पोल लगाते हैं इसके लिए पोल लगाते हैं चलो भाई बताएंगे सभी लोग रियजेंट एनएच फोर सी एल एंड एक्वस NH3 थ्री एक्वस एनएस थ्री मतलब NH4OH फोर ओ एच अमोनिया सोल्यूशन लिखा हुआ हो या एक्वस NH3 थ्री लिखा हुआ यही बात होती है ठीक है तो ये किसका कौन से ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है बेटा कौन से ग्रुप का ग्रुप प्रियजेंट है यह है ग्रुप थर्ड का और ग्रुप थर्ड में कौन कौन से कैटाइन है ऑल करोड़पति फकीर ये सभी कैटाइन है ग्रुप थर्ड के ठीक है देख लो इनमें से कौन प्रेजेंट है आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा बी अरे वाह क्या बात है वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा मार्क द करेक्ट स्टेमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वन बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड सही है क्योंकि ग्रुप रिएजेंट क्या है इनका ग्रुप वन वालों का डाइल्यूट एच है तो डाइल्यूट एच डालोगे तो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे फर्स्ट ग्रुप के केटाइंस तो ये वाला स्टेटमेंट सही है ग्रुप फोर बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड ये भी सही है क्योंकि ग्रुप फोर का ग्रुप रिएजेंट क्या है एच है इन बेसिक मीडियम इन बेसिक मीडियम तो ये सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे ग्रुप फाइव बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट इन द सी एल एंड ये कार्बोनेट OH. OH. तो की में आउट होते हैं। भारत सरकार कैल्शियम स्टोनियम बेरियम ये अपने कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं ऑल ऑफ आर करेक्ट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट बहुत अच्छे बेटा चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग बतानी बेटा इनकी अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आने की संभावना है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा और सॉल्युबिलिटी आपको मालूम है उस सीरीज में जब अपन वो जो अपन ने ग्रुप का एनालिसिस किया था ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री फोर फाइव सिक्स ग्रुप सिक्स है ना ऐसे अपन जैसे जैसे उस ग्रुप में उस सीरीज में नीचे आते हैं के वैल्यू बढ़ती है बेटा और सोल्यूबिलिटी इनक्रीज होती है तो जो कैटाइन नीचे है उसके सॉल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा सॉल्यूबल हैं जैसे कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हो सिल्वर के सॉल्ट या फिर लेड के सॉल्ट या कॉपर के सॉल्ट तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम है इसलिए पहले ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू तो कैल्शियम के सॉल्ट बैरियम के सॉल्ट मैग्नीशियम के सॉल्ट इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है ठीक है तो आपको दिया गया है बेटा कॉपर और मैगनीज का सल्फाइड एम एन एस एस को बड़ा कर लेना है ना एस को बड़ा कर लेना तो कॉपर सल्फाइड और मैगनीज का सल्फाइड तो बेटा कॉपर है सेकंड ग्रुप का और मैगनीज निकोमंजन फोर्थ ग्रुप का है तो बेटा किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी फोर्थ ग्रुप वाले सल्फाइड की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी ये ऑर्डर करेक्ट है यहां पर कोबाल्ट का दे रखा है निकोमंजन फोर्थ ग्रुप और ये भी फोर्थ ग्रुप का है तो इनकी तो कंपेयर ही नहीं की जा सकती इनकी तो कंपेयर ही नहीं की जा सकती इनकी कैसे कंपेयर करेंगे इनके कंपेयर करते रुक जाओ एक मिनट अभी आ, कोबाल्ट है और जेड एन एस है तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाएंगे देखो कोबाल्ट प्लस टू है और जिंक प्लस टू है लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो हां ठीक है पर अपन अभी एक बार आगे देख लेते हैं आगे कंफर्म कर लेते हैं सीडीएस दे रखा है और एनआईएस दे रखा है बेटा तो ये कैडमियम तो है सेकंड ग्रुप का और निकल है बेटा फोर्थ ग्रुप का किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आपने को क्या दे रखा है चूज द करेक्ट चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी करेक्ट पेयर चूज करना है ठीक है अभी चूज कर लेते हैं देख लेते हैं सी डी एस और एन आई एस यहाँ पर सी डी एस की सॉलीबिलिटी कम होगी सी डी एस की सॉलिबिलिटी कम होगी एन आई एस की ज़्यादा होगी ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऐसे ही जेड एन एस और सी यू एस दे रखा है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर ए और बी दोनों जाएगा कोबाल्ट का सल्फाइड और जेड एन एस तो एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं कोबाल्ट की जगह इसको अपन कॉपर का कर लेते हैं है ना तो अपना क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा है ना क्वेश्चन मतलब गलत नहीं नजर आएगा कोबाल्ट की जगह इसको बेटा कॉपर का लिख लो इसको लिख लो सी यूएस तो अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप वाले हो जाएंगे है ना अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप वाले हो जाएंगे तो अब अपने को दिक्कत नहीं आएगी अब अपन इजीली कंपेयर कर पाएंगे है ना तो कॉपर जो है कॉपर बेटा सेकंड ग्रुप का है और जिंक जो है ये फोर्थ ग्रुप का है तो अब आप बता सकते कि हो कि इनमें से ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा चलो फटाफट से बताओ कॉपर का सल्फाइड और जिंक का सल्फाइड इनमें से ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा भैया कौन होगा कौन होगा पर आपकी हिम्मत अरे हिम्मत हिम्मत की बात मत किया करो भैया हिम्मत की बात मत किया करो ये तो कुछ भी नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है अरे हिम्मत तो तुम लोगों की है तुम लोग देखो कितनी देर से और वो भी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तुम्हें आठ घंटे तो हो गए नौ घंटे होने वाले हैं पढ़ते पढ़ते है ना? हिम्मत तो और वो भी इतनी रात में सॉल्ट जैसा टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग मानना पड़ेगा तुम लोगों को सल्यूट है तुम लोगों को सल्यूट करता हूँ सर आपको नींद आ रही है हाँ नींद आ रही है ना बस इसको खत्म करके फटाफट से खाना वाना खाएंगे और मस्त नींद निकालेंगे कल लेट उठेंगे आराम से दस ग्यारह बारह बजे तक <laughs> चल्यूट है सर चलो बेटा अरे तुम लोग अब एक इसका जवाब दो ना तुम लोग क्या कुछ भी लिख रहे हो है ना तो बेटा इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी ये इनकरेक्ट हो जाएगा तो आंसर अपना वन चला जाएगा ठीक है आंसर अपना वन चला जाएगा अब इसका क्या ही पोल लगाना चलिए टर्न बुल्स ब्लू एंड प्रूशियन ब्लू इनका फॉर्मूला तो ये तो अपने को पता ही है ये तो तुम लगा ही दोगे चलो फटाफट से आंसर लगाओ बेटा जल्दी से आंसर लगाओ टर्नबुल्स ब्लू और पुरुष ब्लू मैंने याद करवाया था याद है टर्नबुल्स ब्लू और पुरुष ब्लू को याद करने का तरीका एफ ई ई एफ होल एफराइज यह होता है अपना पुरुषन ब्लू तो परशुराम ने बत्तीस में से तेईस तेईस फॉर टर्नबुल्स ब्लू दांत तोड़े है ना तेईस तेईस मतलब यह है. प्लस टू और ये प्लस थ्री अंदर वाला है ना और तोड़े मतलब टर्नबुल्स ब्लू है ना तो ये हो जाएगा टू और एफ सी एन सिक्स होल थ्राइस इसको थ्री कर दो उसको टू कर दो बत्तीस दांत तोड़े ये हो जाएगा अंदर वाला प्लस थ्री तो बेटा ये है आपका टर्नबुल्स ब्लू और ये है आपका आप देख लो फार्मूला कहां पर सही लिखा हुआ है है ना इसमें फार्मूला में भी गड़बड़ है है ना मुझे पता ही था ऐसा कुछ होगा आ, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं बाहर वाला प्लस थ्री और अंदर वाला प्लस टू में होना चाहिए और पहले पुरुषन ब्लू बताना है पहले टर्नबुल्स ब्लू बताना है तो पहले टर्नबुल्स ब्लू ये रहा इसको हटाओ यहाँ से नेगेटिव साइन को ये ज़बरदस्ती नेगेटिव लगा हुआ है आप सही है ठीक है अब सही है ये रहा आपका पुरुषन ब्लू ये रहा टर्नबुल्स ब्लू है ना? आंसर आंसर क्या आएगा ये आ जाएगा आंसर ंगली एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ बैरियम नाइट्रेट ठीक है साहब बैरियम नाइट्रेट गिविपीट विद विच डिड नॉट डिजॉल्व इवन आफ्टर लार्ज एडिशन ऑफ वॉटर यह वाइट पीपीटी किसके साथ देगा ऑब्वियसली बात है सल्फेट के साथ बी एसओ फोर का वाइट पीपीटी मिलेगा बीएएसओ फोर व्हाइट पीपीटी होता है ना बी एस फोर का वाइट पी BASO4 का पी टी बी ए एस ओ फोर का वाइट पी पी डी सोडियम सल्फेट विच डिड नॉट डिजोल्व इवन आफ्टर लार्ज एडिशन ऑफ वाटर ये डिजॉल्व नहीं होगा बेटा ये डिजॉल्व नहीं होगा ठीक है लेवल सबके निकलेंगे लेवल निकल गए बेटा डेढ़ बज के लेवल निकालते निकालते पर अभी कुछ लोग हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं बस लेवल उन्हीं के निकल रहे हैं ठीक है नेक्स्ट द आयन मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव एज प्रेसिपिटेट चलो इसका लगाओ आंसर ये तो तुम बता दोगे बताओ 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 बता जल्दी से अखंड है इस बात का कि सर शुरू से टिके हुए हैं फुल एनर्जी लेवल के साथ हाँ वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बिल्कुल और घमंड होना भी चाहिए तुम्हें इस बात का क्योंकि इतनी देर तक पढ़ना और वो भी एक ही सब्जेक्ट और वो भी इनऑर्गेनिक जैसा सब्जेक्ट और वो भी मुझसे ये कोई आसान बात नहीं है तो अगर तुम अभी तक टिके हुए हो तो तुम्हारे लेवल निकल चुके हैं ठीक है चलिए फटाफट से आंसर लगाइए बेटा जल्दी से आंसर लगाएंगे मतलब तुमने सोचो यार लगातार सात आठ घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मतलब मजा ही आ गया यार तुम्हारे तो मजे ही मजे हो गए डिफर आंसर आ जाएगा हमारा अमोनियम आयन बढ़िया बढ़िया अमोनियम आयन आ जाएगा बेटा आंसर बी है ना क्यों क्योंकि अमोनियम सॉल्ट आर ऑल अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्यूबल अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं ना इनकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए इनको प्रेसिपिटेट आउट करना बहुत मुश्किल होता है ही नहीं बनता है इनका इसलिए तो इसको ग्रुप जीरो में डाला गया है अमोनियम आयन को कौनसे में डाला गया है ग्रुप जीरो में और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं याद है यादे? कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं रिएजेंट यूज किया जाता है और नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है के टू एच जी आई फोर इन प्रेजेंस ऑफ केओ एच और अगर अमोनियम आयन अगर अमोनियम आयन नेस्लस रियजेंट से रिएक्ट करता है तो क्या देता है अरे भैया क्या देता है याद है क्या आयोडाइड ऑफ बेस देता है जिसका कलर कैसा होता है ब्राउन कलर होता है याद आ रही क्या कुछ कुछ चीजें अरे पढ़ाई थी तुमको नालायकों ब्राउन कलर से बनाऊं क्या ब्राउन कलर ब्राउन कलर तो है ही नहीं छोड़ो इसी से लिख देते हैं इसे लिख देते हैं एच जी ओ डॉट एच जी एन एच टू आई इसका कलर था ब्राउन ठीक है याद आ रही बेटा कुछ चीजें सर इनके फोन खुले हैं लेकिन इनके आंखें बंद है <laughs> कान खुले होने चाहिए बेटा दिमाग खुला होना चाहिए चीजें अगर दिमाग में जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा काम हो चुका है भले ही आंखें बंद थी लेकिन दिमाग खुले थे मन में जज्बात तो जगे हुए थे कि खत्म तो करना है अब अगर इतनी देर रुके हैं तो खत्म तो करना है अरे भैया खत्म हो गया तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस ठीक है लेवल निकल गए तुम्हारे आज होमवर्क दे दीजिए होमवर्क दे दूँ रिवीजन बेटा नोट्स रिवाइज कर लो नोट रिवाइज कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा होमवर्क दे दूँ होमवर्क में भी नोट्स रिवाइज कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है तो ये है बात बेटा मतलब मजा ही आ गया है यार आज तो यार आज आज तो ब्रेक में चाय भी नहीं पी मैंने बीच में चाय पी ली थी उसके बाद ब्रेक में चाय भी नहीं पी पता है क्यों नहीं पी क्योंकि थी ही नहीं चाय नहीं थी बस पानी पी पी के काम चलाया आज पानी से ही एनर्जी लिए यही सोच सोच कर है? तो बेटा आप सभी को सल्यूट कोई एक मोटिवेशनल सी शायरी हो जाए क्या क्योंकि इसके बाद शायद ही मिलना हो पाएगा अब हमारा यूट्यूब पे भी क्योंकि अब महा रिविज़न भी आ ही चुका है तो अब इसके बाद आई डोंट थिंक कुछ बचा होगा तुम्हारे लिए तो अब एक बढ़िया सी शायरी हो जाए हाँ यार मिल गई चलो लीडर बोर्ड दिखा दें चलो लीडर बोर्ड दिखा देते हैं लो भैया लीडर बोर्ड देखें जरा ओ हो भैया शिवम ने बाजी मार ली है शिवम आ गया है टॉप पे देन मयंक बेनीवाल मयंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेटा मयंक शिवम आयुष और पुष्पा पुष्पा ने आज माहौल जमा रखा भाई साहब पुष्पा रैंक फोर पे आ गया रैंक अप हो ओके वेरी गुड तो बेटा पुष्पा द फायर वैसे तुम्हारा रियल नेम क्या है पुष्पा बताओ वरना फिर तुम्हें ऐसे पुष्पा की तरह याद रखा जाएगा पुष्पा तुम्हारा रियल नेम क्या है बताओ आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी ने इनऑर्गेनिक का पूरा रिवीजन साहिल पटेल वेरी गुड वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया यार मतलब आप देख रहे हो ये रैंक अप होता होता फोर्थ तक आ गया मतलब अभी एक आध चैप्टर और बचा होता तो ये आ जाता टॉप पे है ना बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे हार्डी रेशमा ऋत्विका विजय गुंजन लाला लाला नवी रैंकअप लिया क्या दे लाला हाँ। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तुम सब तुम सब सीरियसली मतलब तुम लोग इंस्पिरेशन हो ये है मोटिवेशन तुम्हें जो मोटिवेशन चाहिए ना वो ये है तुम लोगों से मोटिवेशन लेना चाहिए दूसरों को हम लोग तो लेते हैं तुम लोगों से मोटिवेशन यार तुम लोग मतलब इतना कर रहे हो ये छोटी मोटी बात नहीं है सीरियसली ये छोटी मोटी बात नहीं है बेटा बहुत बढ़िया मतलब सीरियसली मैं दिल से चाहता हूं कि तुम सभी सेलेक्ट हो बहुत अच्छे डॉक्टर बनो तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है बहुत कुछ करना है तुम्हें जीवन में बस ऐसे ही मेहनत करते रहना तुम बहुत अच्छा करोगे आगे बहुत अच्छा मुझे भरोसा है तुम लोगों पर किसी और को हो ना हो मुझे भरोसा है तुम लोगों पर से तो चलिए फटाफट से दो चार एक प्यारी सी लाइन बोलते हैं और फिर उसके बाद विदा लेते हैं फिर मिलेंगे कभी है ना सेलेक्ट होने के बाद भूल मत जाना ना लायकों है ना और डॉक्टर बन गए उसके बाद तो फिर फीस वीस तो मैं दूंगा नहीं पहले ही कह रहा हूँ मैं ठीक है ना चलिए तो एक कुछ एक बढ़िया सी लाइनें और ख़ासकर अगर कोई बीटीएस वाले यहाँ पर हैं तो उनके लिए भी कुछ लाइनें हैं इसमें तो चलो इसी को पढ़ देते हैं मैंने तो नहीं लिखी है मैं मुझे तो मिली थी ये आ, बहुत अच्छी लाइनें थी तो मैंने सेव करके रख ली थी और मेरा मन था हाँ आप लोगों को सुनाने का तो चलिए अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा ये लाइन मेरे बच्चों के लिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा मगर तुम्हारी तरह मुझको कौन ही चाहेगा तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा मेरे प्यारे बीटीएस वालों मैं बहुत मिस करूंगा तुम लोगों को मैं किसको छेड़ूंगा आप और मेरे सभी स्टूडेंट्स मुझे बहुत बहुत याद आने वाली तुम सभी की ये सेशन मुझे बहुत याद आने वाले हैं खास करके अपने ये लॉन्ग जो वन शॉट वीडियोज हैं ये हम टीचर्स के लिए बहुत स्पेशल होते हैं पता है हमें ये बहुत याद आते हैं बाद में ठीक है तो मिस करते रहेंगे मिलेंगे जरूर कभी आ, इसी आस के साथ आज का सेशन बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं और मिलना जरूर ना लायकों भूल मत जाना पहले ही कह रहा हूं मैं है ना क्योंकि देखो शकल तो मुझे मैंने अभी तक तुम लोगों की देखी नहीं है वरना मैं शकल नहीं भूलता किसी की भी है ना मिलना जरूर मिलेंगे अब सिलेक्शन के टाइम पे और खूब सारी बातें करेंगे खूब सारी एक्टिविटीज करेंगे और बाकी जो मिलेंगे तब तब डिसाइड करेंगे ठीक है तो चलो खत्म करके आज का सेशन हम आगे बढ़ते हैं नीट की तैयारी के लिए एक कदम और अब आपने आगे बढ़ा लिया है बच्चों अब आप एक दिन और काम हो गया है और आपने एक कदम और काफ़ी बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया है तो अब नीट का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है मैं भगवान से डेली यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करें आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए मिलते हैं फिर कभी तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बाय बाय भूल मत जाना नाले को तुम लोग ठीक है मिलने ज़रूर आ जाना जब डॉक्टर बन जाओ तब ठीक है बाय बाय